thank you

ये आपको यूपीएससी सी एस के वैसे मैंने लिखा हुआ है बाईस तेईस बट मैं आपको बोल रहा हूं कि कभी भी आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो डेट डजेंट मैटर ठीक है क्योंकि एनसीआर सेम रहने वाली दोस्तों तो उस लेवल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है कि आपको कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं आने वाली है ठीक है सो आइए दोस्तों क्लास को करते हैं शुरू आप लोगों के साथ बट उससे पहले मैं एक बात करूंगा कि यार जैसे अभी तो यहां पर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो यूपीएससी वन जीरो वन ये अपना चैनल है ठीक है लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो वी हैव डिफरेंट चैनल एज वेल हमारे कुछ और चैनल्स भी हैं सो so, मेरे चार अलग अलग चैनल्स हैं अगर आप मेरे साथ मेरे चारों चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए और प्लीज चारों के चारों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए इन चैनल्स में सबसे पहला चैनल है जोग्रफी वन दूसरा जो चैनल है वो है यूपीएससी वन वन तीसरा जो चैनल है वो है करंट अफेयर और चौथा जो चैनल है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइज जल्दी जाइए और फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिएमी को और ये चार चैनल जो है इनके साथ में आप क्या कर सकते हैं जुड़ सकते हैं इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आप मेरे साथ अनडमी की ऐप पर भी जुड़ सकते हैं अन पर अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप बस ना मुझे सुमित कुमार के नाम से वहां जाके सर्च कीजिएगा और एक बार मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिएगा उसके बाद प्यारे बच्चों कोई भी क्विज हो आपकी कोई भी स्पेशल क्लास हो आपकी या कोई भी प्लस कोर्स हो जो हम लॉन्च करते हैं मेरे प्लस पे, पे पेड कोर्सेज आते हैं दोस्तों जो बिल्कुल यूपीएससी की जो तैयारी है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी होती है डिटेल के अंदर विद करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर सारी चीजें मैं यहां पे कवर करता हूं सो so, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि यहां पर भी आप जुड़िए मेरे साथ प्लस कोर्स में जो भी बच्चे मेरे साथ प्लस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं उनसे एक बात में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे साथ प्लस कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि गाइस प्लीज आप सिर्फ सुमित टेन कोड ही यूज करें किसी की बात में ना आए कोई आपके पास कॉल आए कुछ भी आए अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं अगर आप मेरा गाइडेंस चाहते हैं इस पूरी यूपीएससी की तैयारी में तो आपको सुमित टेन कोड जो है वो यूज करना है सुमित टेन कोड जब आप यूज करें इंश्योर कीजिए ठीक है कि आप जब लोन लेते हैं तो भी उनको बता दीजिए अकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव को कि भैया हमें सुमित टेन कोड यूज करना है अगर आपको कोई कहता है कि भाई सुमित टेन नाम का कोई कोड नहीं है सुमित टेन का अगर कोई एजुकेटर के बारे में पूछे तो आप नाम लेंगे सुमित कुमार ना कि राठी आप बोलेंगे सुमित कुमार सर हैं सुमित टेन उनका कोड है उनके साथ जुड़ना है और मुझे सुमित टेन कोड यूज करना है अगर वो आपको मना करें तो देन इस केस में आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरी आईडी इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएगी दोस्तों बहुत आसानी से ठीक है आप मुझे मेल कर सकते हो मेरी मेल आई आपको मिल जाएगी चैट बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं या आपस में आप लोग डिस्कस कर लीजिए पूछ लीजिए मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि मेरी जो लेटेस्ट क्लास है उनके बारे में में आपको जानकारी मिलती रहे और याद रखेंगे दोस्तों ईस्ट एंड वेस्ट कोड सुमित टेन जो है वही बेस्ट है ठीक है चौधरी साहब सुमित टेन खास है बाकी आप समझदार हो सो so, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी क्लास जो आज हमने डिस्कस की वो बहुत अच्छी लगी पूरी तरीके से आपको समझ में आई और आप इस चीज को आपने इस पूरी क्लास को बहुत अच्छे से पसंद किया अगर आपको लगता है कि आप मिलके मेरे साथ अपनी यूपीएससी की जर्नी को और आगे बढ़ा सकते हैं और सक्सेस की सीडी के ऊपर में आप वो जो टॉप का पायदान है ना वहां पहुंच सकते हैं बहुत आराम से पहुंच सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आप मेरे साथ अनएकेडमी के प्लस कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं अन के प्लस कोर्सेज दो प्रकार के हैं पहला प्लस कोर्स है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों आपका

ठीक है एक्सपर्ट आपको सलाह देता है कदम कदम पर ठीक है आपका स्टडी प्लान बनाएगा वो आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी यहां पर दिया जाता है है ना तो यहां पर आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस है अच्छा कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं सर प्लस लें आइकॉनिक लें क्योंकि हम अगर प्लस लेंगे तो क्या आपका गाइडेंस नहीं मिलेगा हाँ मेरा गाइडेंस आपको प्लस में भी मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज करते हैं ना सुमित टेन आपको मुझे अपनी रिसिप्ट भेजनी होगी मुझे या तो जी करेंगे अपनी रिसिप्ट को या मुझे टेलीग्राम पर सॉरी इंस्टाग्राम पर आप जो है मुझे अपनी रिसिप्ट भेजेंगे तो मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा और आप मेरे साथ पूरी जो है अपनी यूपीएससी की तैयारी में आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे तो कोड याद रखना है दोस्तों दोनों कोड क्या रहेगा सुमिट टेन आप कहेंगे सर आइकॉनिक जो जिनके पास थोड़े पैसे अफोर्ड कर सकते हैं वो आइकॉनिक भी ले सकते हैं ठीक है इसके अलावा जो कोर्सेज हैं वो दो प्रकार के होते हैं देखो तीन प्रकार के कोर्स है एक तो होता है सिर्फ जीएस का तो जीएस नॉर्मल की ये फीस है ठीक है फीस है आपने मेरा कोड लगाना है सुमित टेन जैसे ही आप मेरा कोड लगाओगे ना आप सब पे टेन परसेंट डिस्काउंट पाओगे सारी डिस्काउंट हो जाएगा टेन परसेंट आइकॉनिक है सेम आपको इस पर भी कोड लगाना है सुमित टेन मतलब यह है कि जब भी आप कोड लगाते हैं 10, आपको डिस्काउंट 10 पे मिल जाएगा और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारा जो उसके अंदर आपको मैं लिंक भी दे दूंगा जिससे आप डायरेक्ट जाकर अकेडमी के सब्सक्रिप्शन को एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड सुमिट टेन ये ऑप्शनल की तैयारी भी हम कराते हैं उन्नीस ऑप्शनल सब्जेक्ट अकेडमी पे चल रहे हैं सो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ आप यहां पर भी जब मेरा कोड लगाएंगे तो आपको सीधा सीधा डिस्काउंट जो है यहां पे मिल जाएगा बट मैं चाहूंगा कि आप कॉम्बो ऑफर ज्वाइन करें और कॉम्बो ऑफर के बारे में जानने के लिए दोस्तों ठीक है मेरी मॉर्निंग के अंदर में जो क्लास आती है यूपीएससी वन जीरो अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको वीडियो के अंत में जरूर कमेंट जो है वो जरूर क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कमेंट जरूर करें सो ऑन दिस नोट मैं इस क्लास को खत्म कर रहा हूं दोस्तों थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय बाय जय हिंद आज का टॉपिक कुछ पहला सकल उसकी कुछ ऐसी दिख रही है ठीक है ये देखिए मैडम जूली ठीक है यहाँ पे कैसे मुस्कुरा रही है ही ही, 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 ही है।, है ना कैसे मुस्कुरा रही है है ना यू नीड अ टॉर्च वन शीट ऑफ प्लेन पेपर पेंसिल एंड नीडल्स मतलब लेट्स डू इसमें ना एनसीआरटी में ना कार्यक्रम कलाकारियां बहुत करवाएंगे आपसे मतलब छोटे बच्चे होते हैं तो कलाकारी करवानी भी चाहिए उनसे ना नहीं तो इसमें कलाकारी बहुत करवाते हैं तो ये बोल रहा है देखो आप जब पढ़ोगे तो आपको बताएगा ठीक है मतलब शुरुआत ऐसे ही होती है प्रैक्टिकल अप्रोच होती है इसमें बहुत ज़्यादा ठीक है यहाँ पे बताते हैं जब आप रात में ऊपर आसमान की तरफ देखते हो तो कैसे खिल खिलाते हुए तारे आपको दिखाई देते हैं ठीक है वो तारे ही नहीं है उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती हैं चंद्रमा होता है बहुत सारे ग्रह सेलेस्टियल बॉडी ये वो फला ढिमगढ़ा मतलब खूब खींच खींच के बात मारी हुई है इन्होंने ठीक है पढ़ लो आप How wonderful is it to walk to the sky after the sunset? The first would be two bright dots shine in the sky. <coughs> Increasing, so we cannot find them, so the world for the world is The 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 twinklings but the carefuls. you will notice that some of them is not twinkling glows without उट्स मतलब ये बात इसमें बताई गई है सिंपल बात भाषा में बताऊं कह रहा है जब रात में ना सूर्य अस्त हो जाता है मुंह उठा के ऊपर देखोगे तो पहले तो तुम्हें एक दो डॉट दिखेंगे चमकते हुए फिर अचानक से पूरा आसमान से भर जाएगा फिर आपको दिखेगा भाई साहब चमकता हुआ आसमान अभी देखने की कोशिश मत करना अभी तारे वारे होते हैं ना तो अभी दिखाई नहीं देता माउंटेनस एरिया जो है ठीक है वहाँ बड़ा अच्छा दिखता है ठीक है वहाँ में बहुत अच्छे से ये सब चीजें दिखाई देती हैं तो ये सब बातें हैं अब देखो ये निचोड़ जो है ना इसका वो मैं आपको दिखाऊंगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा मतलब ये क्या बताना चाह रहा है इस पूरे टॉपिक के अंदर देखो इस पूरे टॉपिक में बेसिकली ना दोस्तों एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा है बेसिक इंट्रो देना चाह रहा है जिसके अंदर में हम बात करेंगे हमारा जो यूनिवर्स है एक दो लाइन इसने यूनिवर्स पे लिख दी उसके बाद में ये बात कर रहा है किसके ऊपर में हमारी गैलेक्सी के बारे में फिर ये बात करेगा प्यारे बच्चों किसके बारे में सोलर सिस्टम के बारे में ठीक है सोलर सिस्टम से आ जाएंगे हम सन सन के बाद आ जाएंगे हम किस पे आ, आपका प्लैनट प्लानट में क्या होगा अर्थ ठीक है मेनली ठीक है इसके बाद में प्लैनेट्स आएंगे प्लैनेट्स में मेन अर्थ रहेगा उसके बाद में आ जाएंगे हम सैटेलाइट सैटेलाइट में मेन कौन सी रहेगी हमारी मून ठीक है सैटेलाइट इज गर्लफ्रेंड पृथ्वी की गर्लफ्रेंड कौन है चंद्रमा है बहुत सारे गाने बना रखे हैं चाँदी ऐसे ऐसे उल्टे सीधे गाने नहीं चौधरी का चांद और फलाना और डिमकाना गर्लफ्रेंड है मतलब पृथ्वी की गर्लफ्रेंड है कौन दोस्तों चांद ठीक है तो इसलिए वो गाने बहुत सारे बने हुए हैं यहाँ पे उसके बाद अगर हम बात करें तो मीटरॉइड्स एस्टेरॉइड्स ये क्या है तो बेसिकली ब्रीफ आइडिया आपको इन सब के बारे में मैं दूंगा है, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं बच्चों को एग्जाम में, basically, basically जो आपका क्लास में है। तो वो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं इसमें इतनी ही बातें रखूंगा जितनी इस किताब में है ना आप समझ पा रहे हो दोस्तों तो ये मत मैं वो बातें ही डिस्कस करूंगा जो आपकी छठी क्लास की किताब में लिखी हुई है उससे हम बाहर नहीं जाएंगे

जो एवरीथिंग जो हमारे पास हर सेलेस्टियल बॉडी हमें दिखती है कोई भी खगोलीय पिंड अगर जो होगा ना दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स तो यूनिवर्स सबसे बड़ी चीज होगी ठीक है यूनिवर्स में सारी चीज आ जाती है समझ में आगे बात अपनी बात जैसे अपना यूपीएससी का चैनल क्या है दोस्तों इट्स अ यूनिवर्स फॉर द यूपीएससी सॉरी अपना जो यूट्यूब है ना दिस इज द यूनिवर्स मान लिया क्या है दोस्तों ये यूनिवर्स है इसमें हर प्रकार के कार्यक्रम आपको मिल जाएंगे चैनल अलग अलग, अलग, अलग प्रकार के है ना यूपीएससी एस एस सी ए सी मतलब अलग अलग, 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 अलग अलग प्रकार के यहाँ चैनल तो यूनिवर्स इज लाइक बड़ा बड़ी चीज ठीक है सो so, यूनिवर्स के बाद में सेकेंड जो चीज आती है दैट इज गैलेक्सी ठीक है दूसरी चीज क्या आती है अपने पास गैलेक्सी गैलेक्सी जो मतलब है इसका मतलब आकाश गंगा है ना आकाश गंगा मतलब क्या जिसमें बेसिकली अगर हम बात करें हमारी आकाश गंगा जो है वो कौन सी है मिल्की वे गैलेक्सी इसके बाद इसमें आता है दोस्तों सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम आपको पता है सोरमंडल कहते हैं और इसी मंडल में फिर हमारी क्या होती है अर्थ बेसिकली पाई जाती है तो ये स्ट्रक्चर होता है ठीक है अर्थ ठीक है अर्थ है और अर्थ के जैसे ही जो सारे जो आपके सिस्टम है अर्थ ठीक है अर्थ प्लस अदर प्लेनेट ठीक है प्लस सैटेलाइट ठीक है प्लस सन ये सब मिलके क्या बनाएंगे दोस्तों आपका सोलर सिस्टम गैलेक्सी so, और, जो, जो और बहुत सारी गैलेक्सियों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों आपका यूनिवर्स ये बात क्लियर है कि नहीं है मेरे हिसाब से बहुत छोटी सी बात है छोटी सी बात है बहुत चुरकुट बात है मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह उपग्रह और आपका सूर्य मिलके क्या बनाता है दोस्तों आपका सौरमंडल बनाता है सोलर सिस्टम और ऐसे ही सौरमंडल से मिलके बहुत सारे जब सौरमंडल होते हैं ना जैसे अपना है सूर्य के चारों तरफ जो जो मामला घूम रहा है अभी बताऊंगा मैं अपने सौरमंडल के बारे में ऐसे जब मैं ऊपर चलता हूं तो क्या बन जाती है गैलेक्सी बहुत सारी गैलेक्सी मिलके क्या बना देते हैं दोस्तों यूनिवर्स ठीक है अब बहुत सारे यूनिवर्स बन के उसमें कुछ नहीं होता ठीक है बहुत सारे यूनिवर्स बन के उससे कुछ नहीं होता दोस्तों समझ में आ रही बात दोस्तों अब ये देखो अभी से बातें होने लगी सर कब तक इलेवेंथ ट्वेल्थ की कब तक कराओगे देखो पहले छठी की कराऊंगा छठी के बाद आता है सातवीं फिर आठवीं फिर नौवीं फिर दसवीं फिर ग्यारहवीं और बारहवीं अब जो तुम्हें पता ही है ग्यारहवीं बारहवीं वाली इंपॉर्टेंट है तुम खुद ही पढ़ लो यार देखो मैं सिस्टम से ही तो पढ़ाऊंगा तुम मतलब फिर से आगे उसी बातों पे अभी आज मामला शुरू नहीं हुआ उससे पहले तुम देखो इरिटेट करने लग गए हो मुझे ठीक है अभी शुरू नहीं हुआ उससे पहले इरिटेट करने लग गए सब हो जाएगा सब हो जाएगा ठीक है अभी पहले ये पढ़ लो नहीं पढ़ना है तो आप उसी दिन आ जाना जिस दिन ग्यारहवीं ग्यारहवीं क्लास की होगी ठीक है समझ में आ गई बात ओके चलिए एक बार लाइक तो कर दो यार वीडियो को देखो यार ये गलत बात है सारे बच्चे लाइक करो एक बार फटाफट से जिन्होंने कर दिया उनको थैंक यू वेरी मच जिन्होंने नहीं किया एक बार वीडियो लाइक जरूर होनी चाहिए वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से अच्छा यूनिवर्स क्या होता है मैंने बताया आपका दोस्तों यूनिवर्स के अंदर में बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पर मिलियन ऑफ गैलेक्सीज होती हैं जिनसे मिलकर क्या बनता है यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स हमारी आकाश गंगा है, है ना तो ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलती हैं, तो इनसे क्या बनता है दोस्तों यूनिवर्स सो so, यूनिवर्स बन गया अच्छा यूनिवर्स से छोटी चीज क्या गैलेक्सी गैलेक्सी कब बनती है दोस्तों गैलेक्सी जो होता है ना इट्स सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड द क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज मिल्की वे गैलेक्सी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है कहने का मतलब सिंपल है गैलेक्सी गैलेक्सी मिलकर बना यूनिवर्स और गैलेक्सी किससे बनती है दोस्तों सोलर जो बहुत सारे सोलर सिस्टम है ना जैसे अपना सोरमंडल है ऐसे ही बहुत सारे सोरमंडल होते हैं उनसे मिलकर बनती है मतलब बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं इसमें सन भी तो एक स्टार है और उस सन के चारों तरफ हमारे बहुत सारे ग्रह आठ ग्रह जो है ग्रह उपग्रह जो है वो आपस में घूम रहे हैं उसी से क्या बनता है सोलर सिस्टम ऐसे पता नहीं कितने सोलर सिस्टम होंगे गैलेक्सी के अंदर ठीक है सो so बेसिकली मैं क्या कहता हूँ सोलर सिस्टम से मिलकर बनी गैलेक्सी गैलेक्सी से मिलकर बना यूनिवर्स और जो गैलेक्सी होती है ठीक है अपनी वाली गैलेक्सी का नाम याद रखना बाकी सब भाड़ में जाए अपनी गैलेक्सी कौन सी है दोस्तों मिल्की वे गैलेक्सी और आ, पास वाली एक जो गैलेक्सी है उसका भी नाम याद रख लेना मेरे ख्याल में वो है ना क्या नाम है उसका पास वाली एंड्रोमी एंड्रोमीडा कुछ ऐसी है ना ठीक so, अच्छा, तो से अगर मैं कम्पलीट नहीं कराता ना तो नए बच्चे जो है वो कहते हैं कि छठी क्लास की कहा छोड़ दी मतलब एक चीज नहीं है इधर गिरूंगा तो कुआ इधर गिरूंगा तो खाई है सात से आठ चैप्टर है मतलब दो हफ्ते का काम है आप उसके बाद में आ जाना ठीक है आप उसके बाद में सेवेंथ क्लास कर लेना एट्थ क्लास जो भी करनी है वो कर लेना ठीक है तब तक जब तक नहीं हो रहा आप छोड़ दो जिन्होंने नहीं किया वो कर लेंगे जब मैं कराऊंगा उस क्लास की जिसको आपकी जरूरत है तो आप आ जाना मैं बता दूंगा आप मेरे को मोबाइल नंबर दे दो मैं मैसेज कर दूंगा आपको ठीक है आप मेरे को मोबाइल नंबर दे दो मैं मैसेज कर दूंगा कॉल करके बता दूंगा मैं आपको ठीक है ओके चलिए मैं नहीं कराता ना तो फिर ये जिन्होंने नहीं किया ना वो कहते सीधी सीधी ग्यारहवीं क्लास की छठी की कौन करवाएगा तो वो बात है यार सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा चलिए अब आते हैं सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम में क्या है सूर्य उसके बाद हमारे आठ ग्रह हैं उसके बाद में हमारे उपग्रह हैं सेटेलाइट है से, ठीक है और कुछ और सेलेस्टियल बॉडी सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है खगोलीय पिंड कुछ नाम सीख लो आप ये यूनिवर्स वैसे हिंदी में भी अपने पास आगे स्लाइड हिंदी में यूनिवर्स का मतलब क्या है ब्रह्मांड गैलेक्सी का मतलब है आकाश गंगा सोलर सिस्टम का मतलब है सोरमंडल अर्थ का मतलब तो समझते ही हो पृथ्वी ठीक है इसके बाद इधर जो है मिल्की वे हिंदी में मिल्की वे ही कहेंगे इसको दूधिया कह सन मतलब सूर्य प्लैनेट मतलब ग्रह सैटेलाइट मतलब उपग्रह सेलेस्टियल बॉडी मतलब खगोलीय पिंड तो ये कह रहा है कि जो सोलर सिस्टम है ना इसमें सूर्य होता है आठ अपने प्लैनेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक हमारे पास सैटेलाइट होती है ठीक है सैटेलाइट जो होती है वो भी होती है अपने पास उपग्रह जिसको बोलते हैं और बहुत सारी अन्य सेलेस्टियल बॉडी

एक आकाशगंगा में अरबों सितारे होते हैं धूल गैस बादल ये सब होती हैं। भी है अपनी मिल्की वे आकाशगंगा गंगा अपनी सौरमंडल सूर्य आठ ग्रह उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्र ग्रह उल्का पिंड ये सब मिला के क्या बनाते हैं इनके सामूहिक रूप को हम क्या कह देते हैं सोरमंडल बम बोड़े ठीक है बताइए सही है क्लियर की रिपोर्ट है ओके की रिपोर्ट है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी करा दूंगा टेंशन मत लो मतलब जल्दी जल्दी हम फिनिश कर लेंगे ठीक है सो so दैट हम ग्यारहवीं बारहवीं तक जल्दी पहुंच जाएंगे आप चिंता मत करो ठीक है उस टाइम पे मैं सारी चीज़ करा रहा था मतलब हिस्ट्री भी करा रहा था मैं ही पॉलिटी भी मैं ही करा रहा था जोग्रफी में ही करा रहा था अब मैं सिर्फ हिस्ट्री जोग्रफ़ी कराऊंगा पहले बाद में फिर मैं पॉलिटी ये सब मैं कराऊंगा बट अभी मैं स्टार्ट किससे कर रहा हूँ ओनली जोग्रफी तो मैं जल्दी लपेट दूंगा आप टेंशन ना लो ठीक है अच्छा ये हो गया हमारा चलिए इसी के बाद ये देखो पता ही अन अकेडमी कह रही है कि भाई आप सुमित टेन कोड लगाओ जाके और दो महीने के लिए अनडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इस पर भी डिस्काउंट लो अभी सब्सक्रिप्शन के बहुत अच्छे फायदे हैं एक साल का सब्सक्रिप्शन अभी मिल रहा है सिर्फ उनचास हजार में दो साल का मिल रहा है सिर्फ इकहत्तर हजार में और तीन साल का मिल रहा है सिर्फ सतासी हजार में साथ ही साथ में दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है पैंतालीस हजार रुपए की टेस्ट सीरीज अभी फ्री मिल रही है जिसमें प्री और मेंस के टेस्ट हैं आपके उसके अलावा अनएकेडमी की दस हजार की किताबें फ्री मिल रही है उसके बाद में सब्सक्रिप्शन ऑफर मेगा सब्सक्रिप्शन आप लोन से ले कर सकते हो तीन और चार साल का सब्सक्रिप्शन दो और तीन साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनएकेडमी कहता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक साल हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छी बात है ठीक है अब ये हमारा सोलर सिस्टम है ये हमारा क्या है ये हमारा सोलर सिस्टम है ये हमारा आपका सौर मंडल है और इस सौर मंडल में देखो ये सूर्य महाराज है हमारा जय हो जय हो जय हो अब सूर्य महाराज से अगर मैं इधर चलूँ ठीक है ऐसे ऐसे चलते आओगे तो ये हमारे पास क्या है ग्रह और उपग्रह की एक सूची है सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कुछ चुरपुट सवाल इसी से कर कंक्लूड कर लेंगे हम इसमें बहुत सारे छुटपुट सवाल आ जाते हैं जैसे देखो सूरज सूरज के बाद में पहला ग्रह कौन सा है मरकरी तो पहला सवाल खत्म हो गया हमारा द क्लोजेस्ट प्लान सन ठीक है सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों दैट इज मरकरी कौन सा है मरकरी ठीक है तो ये हो गया आपका बुद्ध बोलते हैं इसको हिंदी भाषा में बुद्ध बुद्ध ग्रह सबसे पास है उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों सूर्य के बाद में मरकरी के बाद में दो नंबर पे कौन है दोस्तों शुक्र चाचा ठीक है दो पे कौन है शुक्र ग्रह है हमारा शुक्र ग्रह इज ऑन द सेकंड नंबर ठीक है और ये दूसरे नंबर पर आता है पृथ्वी सूर्य से दूसरे नंबर पे आता है अच्छा तीसरे नंबर पर कौन आता है दोस्तों थर्ड पे अगर मैं बात करूं आपका दोस्तों तो थर्ड पे है अपनी धरती माता द ब्लू प्लान अच्छा इनमें से इनके भी कुछ नाम है इसको बोलते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार याद रखोगे लिख लो इसी बात को फटाफट से लिखो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसको कहते हैं बताओ हम कहते हैं वीनस को क्यों कहते हैं चमकता दिखता है सर ये ठीक है अच्छा इनमें से अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा तापमान किसका है सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा है तो वो आपका यही होता है वीनस अब आप कहोगे सर सूरज के सबसे पास तो है, तो मरकरी मरकरी है होना चाहिए अरे भाई होना तो मरकरी चाहिए लेकिन होता नहीं है क्योंकि पता है क्या है ये जो वीनस है ना इसके पास में एक एटमोस्फेयर होता है एटमोस्फेयर का मतलब क्या है वायुमंडल और उस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ग्रीन हाउस गैस तो उस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ना ये वीनस बहुत ज्यादा गर्म होता है और मरकरी उतना गर्म नहीं होता आगे बात समझ में आपको ये दूरी लिखी हुई है कितनी दूरी है ये सूर्य से कितनी दूरी पर है ये अठावन मिलियन किलोमीटर पर है ये कितना है दोस्तों ये 150, है और ये कितना है दोस्तों एक सौ पचास है ये, ये डिस्टेंस लिखी हुई है ठीक है ये किस में लिखी है डिस्टेंस मिलियन किलोमीटर में है ना और एक मिलियन किलोमीटर बताया दोस्तों दस लाख

पृथ्वी जो है इससे पहले वाला ग्रह जो है हमारा वो है वीनस वीनस को हम कहते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार अगर कोई पूछे कि पृथ्वी के सूर्य के सबसे क्लोजेस्ट प्लानट कौन सा है तो आप बोलोगे सर मरकरी तो सबसे गर्म कौन होगा आप कहोगे सर मरकरी होना चाहिए बट होता नहीं है होता कौन है सबसे गर्म वो होता है वीनस वाई वीनस बिकॉज वीनस के ऊपर एक एटमोस्फेयर होता है एक वायुमंडल होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वायुमंडल वो सबसे गर्म आपका होता है तीसरे नंबर पर आ जाता है पृथ्वी के पास में अर्थ जो अर्थ है हमारी ठीक है ये नीला ग्रह होता है इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं ब्लू प्लैनेट मतलब क्यों क्योंकि इस पर पानी है और ये एकमात्र ग्रह ऐसा है दोस्तों जिस पर जीवन संभव है ठीक है दिस इज द ओनली ग्रह जिसपे जीवन संभव है अब देखो मेरे दिमाग में तो सवाल ये भी आता है कि ग्रह क्या होता है उपग्रह क्या होता है ये भी मेरे मन में सवाल है

ठीक है उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट है इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे तो ये दो सौ अट्ठाइस है इसके बाद आते हैं दोस्तों तो ये जो होते हैं हैं ना इनको हम बोल देते हैं इनर प्लेनेट जो पहले चार प्लेनेट है ना पहले फसट के चार प्लेनेट जो हैं इनको हम बोलते हैं दोस्तों आपके इनर प्लेनेट ठीक है आंतरिक ग्रह हिंदी में क्या बोलेंगे लेंगे आंतरिक ग्रह अब ये जो बाकी के चार बच गए ना दोस्तों इनको बोलते हैं हम आउटर प्लेनेट ठीक है यानी कि बाह्य ग्रह इनको जोवियन प्लेनेट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं जोवियन प्लानट भी कहा जाता है इनर आउटर आउटर को हम जोवियन भी बोलते हैं ठीक है इनकी डेंसिटी हाई डेंसिटी ग्रह की होती है ये चार ग्रह जो होते हैं इनकी डेंसिटी डेंसिटी बहुत ज्यादा है मतलब घनत्व तो, मास पर वॉल्यूम बट ये जो ग्रह होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है जुपिटर सूर्य से 778 मिलियन किलोमीटर दूर है अच्छा एक चीज और इनकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताऊंगा मैं आपको जैसे अर्थ की एक गर्लफ्रेंड है ठीक है चांद उसके बाद मार्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी दो तीन है मोमोज टाइप फोबोज डीमोज़, है ना इसके बाद जुपिटर जो है ठीक है भाई साहब रखी रखिए भाई साहब धड़ल्ले से जुपिटर मतलब गर्लफ्रेंड ही गर्लफ्रेंड है बासठ या तिरसठ लेके बैठा है भाई साहब इससे कम सेटरन भी नहीं है सुंदर दिखता है तो इसलिए भाई सुंदर के पास तो होगी ना गर्लफ्रेंड तो सेटरन के पास भी बहुत है सनी बोलते हैं इसको इसके चारों तरफ जो है गैसियस रिंग आपको दिखती है जो ग्लो करती है छल्ले के तरफ प्रकार से ना और एक मिलियन किलोमीटर ये दूर है ये जुपिटर प्लान जो होता है दोस्तों ये साइज में सबसे बड़ा दिखता है सबसे बड़ा लार्ज ठीक है ये क्या है दोस्तों सबसे बड़ा इसकी एक, एक इसकी गर्लफ्रेंड भी है सबसे बड़ी जिसको बोलते हैं गायनोमीडा क्या बोलते हैं उसको गायनोमीडा बहुत बड़ी है भाई बहुत बड़ी है इसकी मतलब अब इसका भी साइज बड़ा है तो गर्लफ्रेंड का साइज भी बड़ा है हुआ ना छाट के बाद मेरे से करेंगे, सर, प्लूटो भी लिखो इसमें अरे प्लूटो नहीं है इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल काउंसिल है ना ठीक है उसने ही मना कर दिया कि ऐसा नहीं है ठीक है तो प्लूटो जो है उसको हमने क्या बोल दिया डॉफ प्लान ग्रह देखो बच्चे का विकास जो होता है ना उसमें कई चीज़ों की जरूरत होती है है ना छोटा बच्चा होता है उसकी हाइट कभी बढ़ती है एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना कहता है दूध में कॉम्प्लेन पिलाओगे तभी तो हाइट बढ़ेगी मतलब उनकी माने तो दूध में अगर कॉम्प्लेन नहीं है तो हाइट बढ़ेगी नहीं तो उनका मानना है कि दूध दूध में होना चाहिए कॉम्प्लेन और उसके बाद होनी तो चाहिए एक्सरसाइज तभी बच्चे की हाइट बढ़ेगी है ना अब किसी ने अगर कॉम्प्लेन ना पिया तो उसकी तो हाइट बढ़ेगी नहीं तो हाइट ना बढ़ेगी तो बोना ग्रह तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि जिसने तीनों चीज ली दूध कॉम्प्लेन और एक्सरसाइज वो ग्रह बन गया और जिसके दूध में कॉम्प्लेन नहीं है मतलब एक चीज नहीं होगी उसमें तो वो क्या बन गया बोना ग्रह अब वो तीन कैटेगरी तीन प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है विल ऑल्सो डिस्कस दैट बट ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों अब इसके ऊपर में भी एक वो बना रखा है क्रीनॉम टाइप का बना रखा है माई मदर वदर वो बेकार की बात अब जब यही याद हम नहीं कर पाएंगे ना तो शर्म है हमारे ऊपर ठीक है अगर कोई बच्चा इसको भी याद नहीं कर पा रहा नहीं सीक्वेंस को तो वास्तव में यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा भाई फिर वो ठीक है फिर वो मजाक कर रहा है अपने साथ भी और हमारे साथ भी तो पहले के चार प्लानट इनर प्लानट बाकी के चार प्लानट आउटर प्लानट जोवियन भी भी बोलते हैं उनको इनकी डेंसिटी क्या होती है कम होती है ये हाई डेंसिटी प्लानट होते हैं ठीक है ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर में इसको बोलते हैं दोस्तों आपका रेड प्लानट रेड प्लानट कौन सा हमारा रेड प्लैनेट इज नॉन एज द मार्स है ना तो कुछ कुछ ये भी बातें हैं जो पूछ ली जाती है आपसे जैसे इनमें से एक प्लानट है जिसको हम क्या बोल देते हैं रोलिंग प्लान जैसे यूरेनास है बताऊंगा ये जैसे हम कलावाती नहीं खाते हैं ऐसे सर केवल तो ये ऐसे चलता है ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों ठीक है इसको हम आपका जो है ग्रीन प्लैनेट भी बोल देते हैं तो वो सारी बातें छोटी छोटी चुरकुट चुरकुट बातें हैं सो विल डिस्कस दैट ठीक है उनको हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक क्लियर है तो ओके की रिपोर्ट करो फिर मैं आगे बढ़ाऊँ सर जी आपकी गर्लफ्रेंड है क्या बताओ प्लीज भाई कोरोना नहीं है यार ओ कोरोना <laughs> देखो कितना इंटरेस्ट लिया इसने कितना इंटरेस्ट लिया इसने देखो कोरोना वायरस ने है भाई समझ रहे हो ना आप कितना इंटरेस्टेड है ये अभी गर्लफ्रेंड पूछ रहा है कल को पूछेगा सर शादी हो रखी है कि नहीं हो रखी है फिर बच्चे मेरी शादी हो रखी है मैंने पहले बताया था मेरी वाइफ युगांडा की है युगांडा की ठीक है और मेरे चार बच्चे हैं जिसमें से दो जुड़वा हैं एक का नाम है मैरी और दूसरे का नाम है तेरी दो लड़की हैं जुड़वा एक का नाम है मेरी और एक का नाम है तेरी ठीक है और दो बच्चे हैं एक का नाम है एलेक्स और दूसरे का नाम है मोहन दो बच्चे हैं दो लड़के हैं और दो लड़कियां हैं और बताओ हाँ मेरी तेरी प्रेम कहानी दो और बनेगा तो उसका एक का नाम रखूंगा प्रेम और एक का नाम रखूंगा कहानी ठीक है <coughs> और बताइए कुछ बताऊँ युगांडा में कहाँ पे है ये भी बताऊँ ठीक है युगांडा में एक जगह है जिसका नाम है ओलेशिया हाँ वहीं से बस 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 वहीं है पहुंच जाना मेरा नाम ले देना चाय बिस्किट फ्री में मिल जाएंगे तुम्हें क्या यार तुम भी इधर उधर की बातें करते ही रहते हो ठीक है व्यर्थ की बातें ना करो पार्थ टॉपिक पे बात करो इसके बाद ये कुछ कुछ बातें बताई गई हैं दोस्तों ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं फैक्चुअल बातें हैं जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों आप सुनो मेरी बात ठीक है दो चीजें हैं यहां से आपको समझनी पड़ेगी नहीं समझोगे तो समझा के रहूंगा मैं देखो क्या हो रहा है ना कि एक तो सूर्य है हमारा अब एक तो क्या होता है सूर्य के चारों तरफ हम चक्कर काटते हैं जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर काटती है तीन सौ पैंसठ सही एक बटा चार दिन लगाती है तो जो ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है ना ये फिक्स होता है ठीक है सन के तरफ चारों चक्कर काटती है इसको फिक्स बोलते हैं और इसको बोला जाता है दोस्तों ऑर्बिट क्या बोला जाता है ऑर्बिट और ये ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष क्या मतलब होता है कक्ष और हमेशा याद रखना जो भी ग्रह होगा उसका ऑर्बिट फिक्स होगा हमेशा, all, हमेशा उसका क्या होगा? फिक्स होगा. ठीक है मेरे पास जिसको हम बोलते हैं अक्ष. अक्ष है? है ना ठीक है तो इस पृथ्वी के अंदर एक तो नॉर्थ पोल है और एक क्या है? इसका साउथ पोल. इस पोल को जोड़ने वाली लाइन को हम कहते हैं एक्सेस और हर ग्रह के पास में लाइन होती है एक्सेस एक्सेस जिसको बोलते हैं अक्ष ये वो वो जगह है जिसके चारों तरफ अक्षनेट खुद भी रिवॉल्व करता है ठीक है ये कुछ ऐसा हो गया जैसे मैं मैं हूं हूं तो मैं ऐसे सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर काट रहा ठीक है और साथ साथ में मैं अपने एक्सिस के तरफ ऐसे भी चक्कर काट रहा हूं ठीक तो है तो ये दो चीजें होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों एक तो एक्सेस ठीक है अक्ष और दूसरा क्या होता है ऑर्बिट दैट इज कक्ष दोनों क्या होती हैं डिफाइंड होती हैं ठीक है अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा है कक्ष वो फिक्स होता है और अगर कक्ष किसी का फिक्स नहीं है तो फिर हम उसको प्लैनेट भी नहीं कहते मैं आपको बता देता हूं दैट इज द कंडीशन फॉर अ बींग अ ग्रह अगर आप ग्रह बनना चाहते हैं तो आपको सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर में चक्कर काटना पड़ेगा अगर आप चक्कर नहीं काटते हैं दैट मीन्स यू आर नॉट अ प्लानट अब पूछा जाता है सर बताइए कई बार ये मतलब फिर चुरकुट आते ही हैं वन ऑर्बिट अराउंड द सन अट्ठासी डे मतलब ये जो है ना पहले वाला अपना ये ठीक है ये छुटकू जो है मरकरी सबसे छोटा जो है एक और अपने ऑर्बिट के चारों तरफ जो है अपने एक्सिस के चारों तरफ जैसे मतलब ये मैंने बताया ना तो अगर ये मरकरी है तो अपने एक्सिस के मतलब ये है मतलब मैं यहाँ से शुरू करूं तो ऐसे घूम के यहीं तक आने में ठीक है तो इसमें वो दिन लगा रहा है कितना दोस्तों आपका 59 डेज सो so, ये आपको याद रखना है ठीक है की बात अगर करता हूं तो वीनस जो है देखो वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है लगभग दो सौ दिन में ये वर्ष बनता है आपको पता है ये वर्ष बनता है और ये क्या बनता है डे नाइट डे एंड नाइट तो आप ये देख लो कि पृथ्वी जो है जो पृथ्वी पर है पृथ्वी के 88 दिन के बराबर में मरकरी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है मतलब पृथ्वी मरकरी का जो एक साल है वो कितने दिन का अठासी दिन का है और मरकरी का जो एक दिन है ठीक है जो बुद्ध का एक दिन है वो हमारे यहाँ के उनसठ दिन के क्या है बराबर है ऐसे भी बोल सकते हो आप इसको वीनस शुक्र ग्रह जो है इसकी बात अगर करूं मैं तो दो सौ दिन के अंदर में ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है मतलब वीनस शुक्र का एक साल बराबर कितना है दोस्तों दो सौ दिन और उसका एक दिन जो है शुक्र का एक दिन जो है दोस्तों वो हमारे यहाँ के दो दिन के बराबर है हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर काटती 365 दिन में और हमारा तो नंबर ऑफ जो है वन है और अपना यहाँ मून भी एक है अपनी जो पृथ्वी इसकी गर्लफ्रेंड भी एक है मार्स की अगर मैं बात करूं तो मार्स सूर्य के चारों तरफ मतलब मार्स का वन ईयर कितना है दोस्तों बताओ मार्स का वन ईयर है सिक्स डेज ठीक है छे दिन उसके बाद अगर मैं बात करूं वन अपने अक्स के चारों तरफ तो पृथ्वी के आराम लगभग 24 घंटे में ही कितने है? दोस्तों, दो, फोबोज और में ना। बहुत पसंद है इनको तो एक तो फोबोज है और दूसरा क्या डिमोज दो इसकी सेटेलाइट है मार्स की इसके बाद बात करते हैं जुपिटर वन ऑर्बिट अराउंड एंड इलेवन मंथ लगभग लगभग बारह साल है और एक स्पिन मतलब अपने अक्ष के चारों तरफ एक चक्कर बहुत जल्दी पूरा कर देता है नौ घंटे के अंदर आवर मिनट नंबर ऑफ मून कितने देख रहे हो एट्टी फाइव अलग अलग जगह पे अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग डेटा मिलेगा आप साइट देखोगे अलग मिलेगा ठीक है कहीं और देखोगे कुछ कुछ तो मतलब इस पे डेटा अलग अलग मिलता है इसके बाद बात कर रहा हूं मैं दोस्तों सेटरन सेटरन का मतलब क्या है सनी सनी की अगर मैं बात करूं तो वन ऑर्बिट अराउंड द अराउंडी नाइन ईयर फाइव मंथ वन स्पिन मतलब अपने अक्ष के चारों तरफ कितनी देर में कर लेता है दस घंटे के अंदर में पूरा कर देता है नंबर ऑफ मून कितना ये भी कह रहा है त्रेपन तो कह रहा है ठीक है ये भी कितना है दोस्तों त्रेपन यूरेनस की बात मैं करता हूँ तो यूरेनस कितना लगाता है दोस्तों ट्वेंटी फोर डेज के अंदर उसके अलावा सत्रह घंटे चौदह मिनट में एक अपने अक्ष के चारों तरफ चक्कर पूरा करता है और नंबर ऑफ मून कितने हैं इसके भी दोस्तों सत्ताईस ये भी कम नहीं है भाई नेप्च्यून की बात करते हैं वन ऑर्बिट अराउंड द सन कितने दिन में लगाता है 164 इयर्स मतलब धरती के 164 साल के अंदर में इसका एक ऑर्बिट पूरा होता है अरे लेट भी तो है सबसे दूर भी तो रहता है बेचारा तो 164 साल लगते हैं जो हमारे 164 इयर्स लगते हैं दोस्तों जिसमें सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर पाता है वन स्पिन ऑन द पृथ्वी की जो अपनी जो अक्स है Uranus, तो उस यूरिन की एक चक्कर वो कितनी देर में काटता है सोलह घंटे और सात मिनट और इसके भी चंद्रमा की संख्या कितनी है दोस्तों तेरह मैं पहले बोल रहा हूं चंद्रमा की संख्या जो है ना वो आपका इधर उधर रहती है डेटा याद नहीं करना आपको मैं फिर भी बोल रहा हूं दोस्तों हाँ बिल्कुल अभी बनाता हूं देखो अभी अभी बनाता हूं देख ठीक है अब बन गया चलिए ये हो गया आप सुनो मेरी बात दोस्तों इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट दो चीज होती है इनर प्लान कौन से होते हैं जो सन के पास में होते हैं और इनर प्लैनेट की डेंसिटी क्या होती है दोस्तों आपकी ज्यादा मैंने अभी बताया था ना आपको इनर प्लान डेंसर। डेंसर है जिनको बोलते हैं आउटर के बाद, ये। और ये क्या होते हैं पिंड हैं ठीक है गैस डस्ट पार्टिकल इनसे बने और इनकी डेंसिटी भी क्या होती है दोस्तों आपकी कम होती है तो इनर और आउटर प्लैनेट का कॉन्सेप्ट आप समझिए इनर प्लैनेट दे आर क्लोज टू सन ठीक है क्लोज टू सन होते हैं इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है मंगल तक मरकरी वीनस अर्थ और आपका ए, मार्स उसके अलावा जुपिटर सेटरन, यूरेनस, नेपच्यून क्या कहलाएंगे ये ये आउटर प्लान आउटर प्लानट जो होते हैं ये सूर्य से दूर होते हैं ये बड़े भी होते हैं और ये गैस और लिक्विड से बने होते हैं ये फर्क है ये रॉक से बने हैं बाकी वाले रॉक से बने इसलिए डेंसिटी क्या है ज्यादा ये किससे बने हैं दोस्तों बाकी वाले गैस और लिक्विड से द्रव से तो वो कैसे होंगे दोस्तों बताओ आप मुझे वो कैसे होंगे सर वो होंगे आपके बोलो यार कैसे होंगे अगर ये गैस और लिक्विड से बने हैं तो सर डेंसिटी क्या होगी कम होगी तो यहां तक बताइए क्लियर है या नहीं है ओके की रिपोर्ट जल्दी बताइए गौरी तिवारी अभी हो जाएगा उसका ठीक है उसको भी करेंगे पहले इसको निपटा लेते हैं ठीक है पहले इस बार पहले जोग्राफी कंप्लीट करूंगा फिर पॉलिटी फिर हिस्ट्री ऐसे होगा ठीक है सो थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा आपको ओके है ओके की रिपोर्ट लिख दिया करो सर 2021 में मैंने यू पी में आया था विच प्लानट्स द हाइस्ट डेंसिटी आठ साल के बाद सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आया था अरे नहीं आता प्रियंका यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता मैं बताता रहा हूँ यहाँ से कभी पूछ लिया तो मतलब भूला बिसरा है मतलब उसका दिमाग ख़राब हो गया यू का कि उसको यहाँ से क्वेश्चन पूछना है ठीक है बहुत सारे एरियाज़ हैं वहाँ से क्वेश्चन आएगा बट यहाँ से नहीं आता यार मतलब बहुत रेयर है बहुत रेयर है अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसमें हमारे सोलर सिस्टम के पहले जो है सितारे के बारे में जिसको हम बोलते हैं सन ठीक है किसको क्या बोलते हैं सन सन मतलब सूर्य यार और क्या सन मतलब सूर्य अच्छा आपको पता देखो वैसे सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है पृथ्वी से लेकिन फिर भी सूर्य एक तारा है ठीक है सूर्य क्या है दोस्तों एक तारा है और इसके पास एनर्जी कहाँ से आती है दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ सूरज के अंदर में हो रही है दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन इसको हम क्या बोलते हैं पता हिंदी में परमाणु अभिक्रिया अभिक्रिया और इस परमाणु में क्या हो रहा है हाइड्रोजन बाबा लगातार हीलियम में बदल रहा है अगर मैं चार रोटी का चूरमा बनाता हूं ऐसे ठीक है तो चूरमा भी चार रोटियों के बराबर बनाना चाहिए ना मतलब मास बराबर होगा ना भाई मैं क्या कह रहा हूं चार रोटी का चूरमा बना दिया मैंने हरियाणा में बनाते हैं राजस्थान में चूरमा अलग तरीके से घी मोटी -मोटी, डाल दिया तो मैं क्या कह रहा हूँ रोटी चीनी गुड़ शक्कर घी इनके वजन के बराबर ही तो चूरमा बनेगा हा है ना हाँ यही प्रिंसिपल होना चाहिए तो हो क्या रहा है दोस्तों चार हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना रहे मतलब चार रोटी से आप एक चूर में बना रहे हो तो अगर इसका मास x है मान लेते हैं इसका मास अगर वन यूनिट है ना तो इसका मास भी कितना होना चाहिए दोस्तों वन यूनिट लेकिन ये वन यूनिट नहीं होता ये कितना होता है जीरो पॉइंट सेवन यूनिट कितना गायब हो गया जीरो पॉइंट तीन यूनिट ये क्या हो गया दोस्तों ये गायब हो गया ठीक है और गायब ऐसे ही नहीं होता गायब होने पर जब आइंस्टीन बाबा से पूछा तो आइंस्टीन बाबा बोला ये जी ठीक है बाबा ने कहा आइंस्टीन बाबा ने कि जितना मास गायब हुआ है ना वो किस में बदल गया है ना? इतना. आप कितनी बड़ी वैल्यू आएगी तो इस रिएक्शन से ये इतनी एनर्जी बन रही है अब ये तो भले ही छोटा है लेकिन ये देखो ना इसका भी स्क्वायर है तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आती है इसीलिए में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है ये ऊर्जा हमारे तक या बाकी ग्रहों तक जाती है किसके फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ठीक चलिए ये अलग बात हुई बट मैं क्या कहना चाहता हूं देखो हमारा सूर्य अकेला नहीं है सूर्य क्या है बेसिकली एक तारा है और सभी तारों में इसी प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है सूरज जो है ना अपना ये तारा जो है ये बहुत छोटा तारा है इसीलिए इसको डॉफ तारा बोला जाता है डॉफ स्टार येल्लो छोटा है साइज में मतलब इससे भी बड़े हैं हाँ सर ये तो कुछ भी नहीं है इससे बहुत बड़े बड़े हैं इससे बहुत बड़े बड़े सूरमा हैं अपने पास है ना इसको बोलते हैं हम येलो ड्राफ स्टार ड्राफ मतलब बुना छोटा है द सन इज येलो ड्राफ स्टार अ हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस एट द हार्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम इट्स ग्रेविटी होल्ड्स एवरीथिंग फ्रॉम द बिगेस्ट प्लैनेट टू द टाइनी डेब्रिस ऑफ इट्स ऑर्बिट अब सुनो मेरी बात अब कई लोग कहेंगे सर ये ठीक है अब सन की भी तीन लेयर होती है ठीक है सन की भी तीन लेयर होती है अलग अलग ठीक है क्रोमोस्फेर ये वो ठीक है बट वो हम यहां नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एनसीआर में दिया ही नहीं है जहां अप्रोप्रिएट होगा जिस क्लास की एनसीआरटी में वो दिया होगा मैं वो वहां पर करवा दूंगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट समझ में आ रही बात अच्छा जल्दी करो यार हजार लाइक पहुंचना है अपने को फटाफट से वन थाउजेंड लाइक्स तक लाइव क्लास में अपने को पहुंचना है और ऑलरेडी हम साढ़े आठ सौ तक पहुंच गए हैं तो एक बार रिक्वेस्ट है जिन्होंने कर दिया लाइक बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे एफर्ट को सराहाया बाकी जिन्होंने लाइक नहीं किया गया उनसे एक बार रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और शेयर भी करें बाकी लोगों के साथ में जो नए यू पी एस सी एस्पेरेंट्स हैं उनको पता चले कि यार अपनी एनसीआरटी की सीरीज जो है वो हमारी शुरू हो गई है चलिए नाउ लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स इसके बारे में सूर्य के बारे में कुछ बताने को है मेरे पास ठीक है क्या क्या है मैं बता देता हूँ सूर्य जो है वो रामेर का लड़का है अरे मजाक कर रहा हूँ सूर्य जो है द सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है सन ठीक है इवन मैं ये कह दू हमारे सौर मंडल का ना निन्यानवे दशमलव नौ आठ प्रतिशत भाग केवल और केवल सूर्य है तो फिर बाकी कितने में आते हैं बस बाकी का तो जीरो पॉइंट टू में आता है सोचो कितना मास होगा मतलब बाकी ग्रह व्रह जो फलाना ढिमका है वो सब जीरो पॉइंट टू परसेंट में खत्म हो जाते हैं हम जो इतनी बड़ी बात बोल दी ना हमने एस्टेरॉइड्स ये वो सेलेस्टियल बॉडी इतनी भारी भारी वर्ड जो बोल दिए सारे का अस्तित्व जीरो पॉइंट टू परसेंट में खत्म हो जा रहा है So, याद रखेंगे सोलर सन जो है वो बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है सबसे बड़ा है और हमारे सोलर सिस्टम का 99.8 परसेंट जो है अकेला सूर्य मिलके बनाता है सन जो है हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पे है से, इसका मतलब क्या है कि सन यहां पर है देखो ऐसे बीच में सन बीच में होता है और उसके चारों तरफ ये ग्रह सब घूम रहे होते हैं सन यहां है सेंटर पे और उसके चारों तरफ आपके क्या है दोस्तों अलग अलग प्लान जो होते हैं वो आपके क्या कर रहे होते हैं दोस्तों रिवॉल्व कर रहे होते हैं सिस्टम याद रहेगी सूर्य हमारे का क्या है बिंदु है लिखना चाहो तो नाइन थ्री माइल्स अवे है उससे आपका नाइनटी थ्री मिलियन माइल्स अवे है किससे सूर्य से मैसेज लार्ज मैं कह रहा हूं सन वैसे तो अपने हिसाब से तो बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी जो तारों में लेके जाए ना उसको कहते हैं ना कि अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है ठीक है तो वो वाली बात है इसके साथ भी इधर सोरमंडल में पृथ्वी ये प्लानिट ग्रह व्रह के साथ देखोगे तो ये बड़ा दिखता है लेकिन जब वास्तव में इसको ऐसे ही इस बीच में लेके जाओगे ना तब वास्तव में छोटा सा दिखता है ये भी ठीक है तो इसलिए इसको बोलते हैं डॉर्फ बूणा है बूणा येलो ड स्टार इसको बोला जाता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सन के पास ना एक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सोलर विंड के रूप में आता है और ये जो सोलर विंड होती है ना इससे अपना कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत प्रभावित होता है कई बार ऐसी चीज़ें हम न्यूज़ में देखते हैं कि सोलर विंड की वजह सोलर विंड आ रही है और इन सोलर विंड की वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है प्रभावित होता है उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है वो बहुत ज़्यादा उस पर असर पड़ता है ये बात आप समझ पा रहे हो मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों ठीक है ना समझ पा रहे हो बहुत बढ़िया समझ पा रहे हो तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को यार नाराज नहीं हो तो लाइक कर दो एक बार वीडियो को यार और शेयर भी कर दो यार सारे के सारे बच्चे इसको एक बार शेयर भी कर दो सो दैट एवरीबडी कैन कम एंड ज्वाइन विद अस है ना सारी चीज पढ़ाऊंगा मैं देखो एक बार तो सब लोग पढ़ा रहे हैं ताकि एक बार सिलेबस आपका सही टाइम से, से कंप्लीट हो जाए जैसे ही मैं जोग्राफी खत्म कर दूंगा वी विल स्टार्ट विद द पॉलिटी फिर पॉलिटी को अंत में तक छोड़ के आ जाएंगे फिर वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऐसे करवाऊंगा चिंता मत करो सारी चीज मैं पढ़ा दूंगा आपको ठीक है बस टेंशन नहीं लेनी है टेंशन को धुएं में उड़ा दो ठीक है ये हिंदी वाले हमारे शास्त्री जी हैं उनके लिए ठीक है अच्छा इसके बाद बात करते हैं ये जो प्लानट वाली चीज़ है ये क्या है देखो यार दोस्तों प्लानट होने के लिए मैंने क्या बोला एक आई एड आती ना वो मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए उस एड की माने तो कहता है बच्चे की हाइट तभी बढ़ेगी जब दूध होगा दूध में कॉम्प्लेन होगा और उसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज होगी तभी बढ़ेगा ना उस उस ऐड की तो बानने तो ऐसा ही है नहीं वो कहता है दूध में कॉम्प्लेन नहीं मिला मतलब हाइट नहीं बढ़ेगी ठीक है ऐसी बात वो बोलते हैं कि दूध में अगर कॉम्प्लेन नहीं था तो अब तुम्हारी हाइट बढ़ने की नहीं है भाई बढ़िया आश्चर्य वाली बात है कि दूध में कॉम्प्लेन है तो हाइट नहीं बढ़ेगी लेकिन ठीक है, है तो है जो एडवर्टाइजमेंट में कह रहे हैं तो ऐसे ही ना अपने इधर प्लेनेट होने के लिए भी तीन चीजें हैं तीन क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल करने पड़ते हैं पूरे करने पड़ते हैं अगर कोई भी खगोलीय पिंड कोई भी सेलेस्टियल बॉडी उन तीन कैटेगरीज पे खरी उतरती है तो उसको हम बोल देते हैं प्लैनेट उसको हम बोल देते हैं अदरवाइज उसको हम प्लैनेट नहीं बोलते हैं। वो तीन चीजें कौन सी है पहला इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार है ना जैसे हमारी क्लोजेस्ट बॉडी कौन सी है सन तो अपने यहां पर जो प्लैनेट है जैसे ये सारे प्लान जो हमने पढ़े थे अभी ये सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एक निश्चित कक्षा में एक निश्चित ऑर्बिट के अंदर में ठीक है दूसरा इट मस्ट बी बिग अनऑफ ये जो सारे सेलेस्टियल बॉडी है इतने बड़े होने चाहिए कम से कम कि इनका खुद का ग्रेविटी हो ठीक है खुद का ग्रेविटी हो और ये स्पेरिकल शेप में आ जाए ये दूसरी चीज होनी चाहिए तीसरा थर्ड क्या कह रहा है दोस्तों इट मस्ट बी बिग दैट इट्स ग्रेविटी क्लियर जिस पाथ में घूमते हैं चक्कर मारते हैं इनका साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि जिस चक, जिस रूट पे चक्कर मारते हैं जिस ऑर्बिट में उसको ये साफ कर पाए मतलब इनका ऑर्बिट जो होता है ना वो क्लियर होना चाहिए दोस्तों ठीक है सन ठीक है ये बात आपको समझनी पड़ेगी तो इस हिसाब से अगर हम ये तीनों क्राइटेरिया मैच करके देखें ठीक है तो हमारे पास जो ग्रह हैं उनके नाम कुछ ऐसे हैं पहला है मरकरी दूसरा ग्रह है वीनस तीसरा है अर्थ चौथा है मार्स इसके बाद है जुपिटर इसके बाद है सेटरन इसके बाद है यूरेनस इसके बाद क्या नेपच्यून तो कुल मिला के ये आठ प्लैनेट है मेरे पास एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ सो दीज आर द एट प्लानिट्स जो इस प्रकार से आपके बनते हैं ठीक है सो so ग्रहों के नाम पे हमारे पास आठ ग्रह हैं दोस्तों जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं इसको पूरा करते हैं इसके अलावा हमारे पास बोना ग्रह मैंने बताया कोई एक नहीं है मान लो ये नहीं है ठीक है मान लो ये नहीं है तो वो क्या हो गया बोना दूध में कॉम्प्लेन नहीं है बोना हो गया तो बोना ग्रह कौन कौन सा है दोस्तों अपने पास बोने ग्रह में बताऊं मैं आपको तो प्लूटो ठीक है उसके बाद में ये भी हमने नाम रखे हुए हैं दीज आर ऑल्सो बोना ग्रह एरिस हो गया सीरस हो गया मेकमेक हो गया ठीक है दीज आर ऑल्सो नोन एज द दोने ग्रह ड्राफ प्लान इसको हम बोलते हैं एक हाइपोथेटिकल प्लान भी हमने क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है प्लान एक्स ठीक है हाइपोथेटिकल मतलब अभी सोचा सोचा है हमने उसके बारे में ना हम विचार कर रहे हैं ऐसी आई दिन हमने को न्यूज आ जाती है कि नया ग्रह खोज लिया फलाना खोज लिया तो उन बातों पे भरोसा मत करना ठीक है उन बातों पे ऐसी रोज डिस्कवरी तो ऐसे होती ही रहेंगी लेकिन आपको उन बातों पे भरोसा नहीं करना है बिकॉज ऐसी चीज जो भरोसा करोगे दिक्कत हो जाएगी ठीक है सो नेवर ट्रस्ट ऑन दीज थिंग्स ये जो एग्जैक्ट चीजें हैं वो मैंने आपको यहां पे बता दी हैं इनके अलावा सारी जो चीजें हैं वो मिथ्या है और सबकी सब चीजें जो है वो क्या है दोस्तों आपकी मोह और माया है ठीक है तो उस मोह और माया के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है उस मोह और माया के चक्कर से आपको क्या रहना है दोस्तों बाहर रहना है ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट लिख दो ठीक है तो ये हमारे प्लैनेट्स हैं ये इसकी कैटेगरी मतलब क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया अगर प्लैनेट होना है तो ये सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी तभी बन पाएंगे ठीक है सो डवाफ प्लैनेट क्या होता है ड्राफ बस ऐसा ही होता है बस ड्राफ में कुछ चीजें नहीं होती उन चीजों में जैसे अगर मैं बात करूं तो सूरज के चारों तरफ घूमेगा इट हैज सफिशेंट मास भी होगा उसके पास खुद की ग्रेविटी भी होगी और लगभग लगभग उसकी शेप जो है वो आपकी कैसी होगी इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टेटिक शेप ठीक है वो होगी राउंड शेप होगी मतलब गोल शेप होगी उसकी लगभग बट इट एज नॉट क्लियर नेबरहुड अराउंड इट ऑर्बिट इसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि अपने आसपास के इलाके को साफ करके रखे और डॉक प्लान से हैं दोस्तों दीज आर द ठीक है प्लूटो आपका है, उसके बाद सीरस आयरिस और मेकमेक -मेक. ये क्या है दोस्तों डॉक प्लान है ठीक है और डॉक को हम सैटेलाइट अलग चीज होती है डॉफ प्लैनेट हमारा अलग होता है दोनों चीजों में क्या है दोस्तों अंतर है ये भी आप याद रखोगे ये हिंदी में हमारे शास्त्री जी के लिए है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ये हमारे कुछ प्लैनेट्स हैं जिसमें अगर मैं बात करूँ तो प्लैनेट्स के बारे में ठीक है हम बात करेंगे ठीक है प्लैनेट्स मरकरी वीनस ठीक है छोटी 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 ऐसी चुरकुट सी बात है बट आज का समय हमारा हो गया है क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है ठीक है प्रमोद सर ने स्टार्ट कर दी है क्लास सो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ यार सबके सब जाएँ और प्रमोद सर की क्लास अटेंड करें ठीक है और देखिए कैसा करा रहे हैं सर बताना आप फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बाकी वो सो जाइएगा और उनके साथ जुड़िए और इस क्लास का इस एन सी आर्टिकल लुप्त उठाइए ठीक है हम मिलेंगे कल फिर से कल दोबारा करेंगे हम इस चैप्टर को बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम कवर करेंगे ना ऑन दिस नॉट वी आर एंडिंग दिस सेशन थैंक यू वेरी मच सोलर सिस्टम के बारे में हमारी बात चल रही थी तो मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें इसमें पढ़ा चुके थे हम ठीक है सोलर सिस्टम क्या होता है ठीक है यूनिवर्स गैलेक्सी सोलर सिस्टम और सबसे फिर लास्ट में आते हैं प्लैनेट्स तो हमारे अर्थ अर्थ है अर्थ जैसे और भी प्लैनेट है और सूर्य उससे मिलकर सोलर सिस्टम बनता है बहुत सारे ऐसे सोलर सिस्टम जैसे अपना है ऐसे मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं और गैलेक्सी क्या बनाते हैं दोस्तों आपका गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स फॉर्म करती हैं ठीक है थीके? ये हमारी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था प्यारे बच्चों ठीक है ब्रह्मांड आकाश गंगा सौरमंडल पृथ्वी मैंने आपको बताया था ये हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं इनकी भी आपको याद रखना है ठीक है इनके बारे में भी जैसे अगर मैं बात करूँ स्टार्ट विद सन सन के बाद में अगर हम देखते हैं सबसे पास वाला ग्रह है मरकरी उसके बाद में वीनस उसके बाद में अर्थ और फिर मार्स ये चार ग्रह जो होते हैं इनको हम बोलते हैं दोस्तों इनर प्लानट क्या बोलते हैं दोस्तों दीज आर नोन एज द इनर प्लानट ठीक है इनको हम इनर प्लानट बोलते हैं और जो बाकी के चार बचते हैं मेरे पास दीज आर नोन एज द आउटर प्लानट इनर प्लानिट डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है आउटर प्लान डेंसिटी कम होती है बताया था मैंने आपको दोस्तों जूपिटर सबसे बड़ा प्लान है ठीक है नंबर दो पे आता है सेटरन ठीक है ये इनकी डिस्टेंस लिखी हुई है फ्रॉम द सन ठीक है ये डिस्टेंस लिखी हुई है दोस्तों आपका मिलियन किलोमीटर के अंदर में ठीक है मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों अगर हम बात करें हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन किलोमीटर पृथ्वी सॉरी सूर्य और मार्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपका टू ट्वेंटी एट किलो मिलियन किलोमीटर मरकरी जो सबसे पास में है दोस्तों वो उसकी कितनी है मिलियन किलोमीटर तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था सारी की सारी बातें हमारी हो गई थी ये हमने बताया था कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों ये पूरा टॉपिक ही फैक्ट्स है कुछ नहीं इसमें पूरा टॉपिक फैक्ट्स है अगर मैं बात करूं मरकरी तो कितना टाइम लगता है उसको अपना एक ऑर्बिट पूरा करने में ऑर्बिट का मतलब समझते हो ना ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष ठीक है सॉरी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है ऑर्बिट का मतलब दो चीजें हमारे पास ठीक है कि वो अपने जो पृथ्वी के चारों तरफ सॉरी सूर्य के चारों तरफ जो उसका कक्ष है ऑर्बिट मतलब कक्ष वो कितने दिन में पूरा करता है अट्ठासी था, दिन में अपने अक्ष के चारों तरफ देखो पृथ्वी जैसे घूमती है ना दो तरीके से एक तो अपने एक्सेस के चारों तरफ तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम बोलते हैं रोटेशन तो यहीं पर यहीं बता रहा है रोटेशन फिफ्टी डेज में पूरा होता है मरकरी का 59 इन इन में 24 आपका घंटे होते हैं एक दिन के अंदर तो उतना टाइम लगता है उसमें उतने आर्स लगते हैं और ये है सूर्य के चारों तरफ अठासी दिन लगाता है वो जैसे पृथ्वी कितना दिन लगाती है तीन है ना तो उसकी बात है ये वीनस के बारे में था ये अर्थ के बारे में मार्स के बारे में तो ये मैंने डेटा आपको बता दिया था लास्ट क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस उसके बाद मैंने बताया था सन एक येलो डॉप प्लान है आप येलो डॉप स्टार है सन स्टार है लेकिन सन जो है बहुत बड़ा नहीं है सन के बहुत बड़े बड़े जो उस्ताज बैठे हुए हैं सूर्य के बहुत बड़े 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 जो उस्ताज हैं वो सारे के सारे उस्ताज जो हैं वो बैठे हुए हैं सूर्य के मैं आपको बता देता हूं ये तो बहुत छोटा सा इसीलिए इसको येलो डो बोलते हैं इतना चमकीला भी नहीं है सूरज से तेजस्वी बहुत सारे बहुत सारे हाई एनर्जी रेडिएटिंग स्टार्स जो हैं वो हमारे पास में उपस्थित होते हैं ये पृथ्वी से इसकी डिस्टेंस कितनी है दोस्तों दो दोस्तो, मिलियन अर्थ ईयर्स ठीक है इसकी लेंथ ऑफ ईयर्स है ठीक है मतलब इसके ईयर के लिए ये भी किसी के चारों तरफ घूम रहा है पता है आपको सूर्य भी किसी चारों किसी सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है

अगर आप अपने सोलर सिस्टम की बात करोगे तो अपने सोलर सिस्टम का निन्यानवे सन जो है अपने सोलर सिस्टम के सेंटर पर लोकेटेड है आपका दोस्तों है ना एंड द अर्थ ऑर्बिट नाइंटी थ्री मिलियन मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ ठीक है डेढ़ मिलियन किलोमीटर हम इससे क्या है दोस्तों दूर है ठीक है ये बहुत मैसिव है बहुत बड़ा है अपने सोलर सिस्टम का तो 99.08 99 है 98.8 भाग बट स्टिल अगर मैं बात करूं इट्स अ स्टार एक बोना स्टार है बोना तारा है ठीक है याद रखेंगे दोस्तों और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी पाया जाता है दोस्तों और वो मैग्नेटिक फील्ड कभी कभी हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ सोलर विंड्स है ना उस सोलर विंड से हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम जो होते हैं वो काफी प्रभावित होते हैं अगर आपको पता हो तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे सन के बारे में हिंदी वाले छात्रों के लिए अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स तो मैंने बताया था आपका दोस्तों ये प्लैनेट्स है हमारे पास ये डवाफ प्लैनेट है हमारे पास और ये हाइपोथेटिकल प्लैनेट है जिसको हम बोलते हैं प्लैनेट एक्स डॉ प्लैनेट मतलब बोना ग्रह बोना ग्रह क्या होता है दोस्तों देखो मैंने बताया ग्रह बनने के लिए कुछ कंडीशन की आवश्यकता होती है कुछ चीजें चाहिए होती है दीज आर द थ्री कंडीशन जो आवश्यक है ग्रह बनने के लिए अब इनमें से कोई अगर किसी के पास नहीं है तो उसको बोल देंगे ड्वाप प्लानट ठीक है समझ में आ रही बात आपको ठीक है और हाइपोथेटिकल प्लान प्लैनेट एक्स है तो ये हमें देख लेना ये लास्ट क्लास में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ड्वाप प्लैनेट क्या होते हैं यहां तक हमने पढ़ा दिया अब मैं एक एक करके ना आपके जो है प्लैनेट्स के ऊपर वाऊंगा मैं ठीक है कौन कौन से प्लैनेट्स हैं उनकी मैं कैटेगरी आपकी वो बताऊंगा सारी की सारी सबसे पहले बात करते हैं मरकरी ठीक है मरकरी जो है बुद्ध

जो हमारा चंद्रमा है ना उसे थोड़ा सा साइज में क्या है बड़ा है तो लगभग ये चंद्रमा के समान है उसे थोड़ा सा क्या है बड़ा है मरकरी इज द फास्टेस्ट द्लैनेट सबसे तेज घूमता है फास्टेस्ट है सबसे तेज चलता है एंड जिपिंग अराउंड द द सन ओनली इन 88 अर्थ डे और पृथ्वी के चारों तरफ बच्चों ये सिर्फ अट्ठासी दिन के अंदर में सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर देता है ठीक है तो इसका जो साल का टाइम है मतलब यहाँ पर जो ईयर्स हैं वो सिर्फ कितने दिन का होता है अठासी दिन का मतलब यहाँ एक साल अठासी दिन का होता है सूर्य से सिर्फ और सिर्फ 0.4 पॉइंट फोर यूनिट दूर है ए इतना दूर है यह आपका और जो मरकरी है इसको रोमन माइथोलॉजी के अंदर में रोमन गोड ऑफ स्पीड कहा जाता है ठीक है रोमन जो है ना उनमें वहां पर इनको इसका स्पीड का गोड जो है वो कहा जाता है ठीक है समझ में आई बात दोस्तों आपको अरे मून तो सैटेलाइट है यार मून डॉप प्लान बोना ग्रह थोड़ी ना मून इज अ सैटेलाइट ग्रह हद होगी भाई अरे मून ग्रह है भाई ग्रह नहीं है बोना ग्रह थोड़ी ना है कल को मून को कुछ और मत बना देना अरे चंद्रमा क्या है चंद्रमा अपने पृथ्वी जो है उसकी गर्लफ्रेंड है सेटेलाइट है उसकी उपग्रह है उसका ठीक है इसके जो अगर मैं मून की बात करूं तो इसके पास मून नहीं है कोई भी गर्लफ्रेंड है नहीं इसके पास गर्मी बहुत है ना तो गर्मी में कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं इसकी मतलब बेसिकली इसकी कोई सेटेलाइट नहीं है इसका कोई ग्रह उपग्रह जो है इसका है नहीं अब मरकरी के बाद में पर चर्चा करते हैं किस पे वीनस वीनस का मतलब होता है शुक्र इसको हम बोलते हैं शुक्र अब शुक्र जो होता है ना दोस्तों इसका नाम है रोमन गॉड ऑफ लव के नाम पे गॉडेस ऑफ लव ठीक है रोमन की एक रोमन एम्पायर जो है उसमें एक देवी हुआ करती थी रोमन देवी होती थी प्यार की उसके नाम पर इसका नाम है वीनस उसके नाम पर इसका नाम है दोस्तों वीनस ये सूरज से जीरो दशमलव सात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है दूर है 225 सौ अर्थ डे जो है इसकी लेंथ है लेंथ ऑफ द ईयर जो है इसके साल अगर मैं देखूं जैसे पृथ्वी के मुकाबले इसका जो साल है अपने यहाँ तीन दिन में होता है इसका 225 दिन में होता है मतलब ये सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के 225 दिन के बराबर में एक अपना चक्कर पूरा कर लेता है दोस्तों इसका भी कोई चंद्रमा नहीं है जीरो मून्स है इसके पास भी वीनस पिन स्लोली इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द प्लान्स जैसे मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं सर वेस्ट टू ईस्ट लेकिन ये भाई साहब कैसे घूमता है दोस्तों इट घूमता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट ठीक है अथिक एटमोस्फेयर द हीट इसके अंदर में क्या पाया जाता है इसकी खास बात है इसके अंदर में एक एटमोस्फेयर पाया जाता है एटमोस्फेयर का मतलब क्या है वायुमंडल और इस वायुमंडल की वजह से क्या होता है प्यारे बच्चों इस वायुमंडल की वजह से इसके अंदर में आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट और इस ग्रीन हाउट इफेक्ट की वजह से दोस्तों ये प्लैनेट बहुत गर्म है यहाँ पे वार्मिंग होती है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं पता है आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार क्या बोलते हैं इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार इसको कहा जाता है इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द हॉटेस्ट ऑफ आवर प्लान अपना सोलर सिस्टम आप कहोगे सर हॉटेस्ट तो मरकर ही होना चाहिए क्योंकि सूर्य के सबसे पास है हाँ

पृथ्वी पे आ जाते हैं दोस्तों टेरेस्ट्रियल प्लान है ठीक है ये भी अर्थ जो है अपना होम है आप लोग पता है सबको अर्थ अब ये कोई मत कहना कि हम अर्थ पे रहते हैं क्या ऐसा सवाल मत कर देना जैसे अभी पूछा था कि मून इज अ डॉप प्लान तो ऐसा सवाल मत कर देना अर्थ जो है दोस्तों ये अपना होम प्लानट है एट इज द ओनली प्लेस वी नो सो फार दैट इनिटेड इनहेबिटेड बाई द लिविंग थिंग्स मतलब अभी तक जो हम जानते हैं ना केवल और केवल हम ऐसा ही जानते हैं कि एक ही चीज है जहां पर हम रहते हैं दैट इज ऑन द अर्थ इट इज ऑल्सो द ओनली प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम विद लिक्विड वाटर ऑन द सर्फेस हमारे प्लैनेट का हमारे अगर पूरे सोलर सिस्टम का अगर मैं बात करूं तो ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर लिक्विड वाटर पाया जाता है पानी जहां पर तरल अवस्था में पाया जाता है दोस्तों और इस पर अगर हम बात करें ईयर की लेंथ की तो वो ईयर कितना है तीन सौ पैंसठ पॉइंट टू फाइव यानी कि तीन सौ पैंसठ सही एक बड़ा चार इतने दिन का यहाँ पर एक साल होता है अगर मैं इसकी सूरत से दूरी बात करूँ तो कितनी है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसके अलावा इसका मून कितना है? एक चंद्रमा कहते हैं उसको मून ही कहते हैं हम बेसिकली एंड वेरिएशन ऑफ दी वेरिएशन ऑफ दी ग्राउंड इन मैनी लैंग्वेज और इसका जो नाम है ना अगर हम बात करें नाम किसके नाम पे इसका नाम रखा तो इस पर बहुत सारी अटकलें हैं ठीक है जैसे उस पर मैंने बताया रोमन गॉडेस ऑफ लव रोमन गॉड ऑफ स्पीड तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं इसमें एक नहीं है इसमें बहुत हैं वेराइटी है इसमें बहुत सारी तो पृथ्वी के बारे में हम पता चल गया नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मार्स मार्स जो है ना ये आपका जो अगर हम बात करें तो इसके अंदर में इसको रोमन गॉड ऑफ वॉर कहते थे रोमन माइथोलॉजी के अंदर में इसको रोमन गॉड ऑफ वॉर कहते थे युद्ध का देवता ये सूर्य से डेढ़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है इसके पास दो चंद्रमा है अपने दो गर्लफ्रेंड है इसकी पृथ्वी के पास एक ही है इसके पास दो गर्लफ्रेंड है एक का नाम है फोबोस एक का नाम है डीमोज बोथ हीट मोमोज ठीक है बहुत हीट मोमोज ठीक है फोबोस एंड डीमोस दो यहाँ पर क्या है दोस्तों आपके बेसिकली अगर मैं बात करूं तो दो यहाँ पे चंद्रमा है रोमन गोड ऑफ वॉर इसको कहते हैं और पृथ्वी का अगर मैं इसका लेंथ ऑफ ईयर बताऊं मतलब इसका साल कितने समय का होता है तो पृथ्वी का जो एक साल होता है उसका 1.88 परसेंट ऑलमोस्ट दुगुना लगा लो तो पृथ्वी के साल के लगभग लगभग 1.88 टाइम्स जो है मार्स की लेंथ आपकी होती है ठीक है

कर दोगे ना तब भी मतलब बहुत बड़ा साइज का है the giant planet, great red spot is a बड़ा है सदियों पहले यहाँ पे एक तूफान आया था उसका प्रतीक है ये और ये डॉट डॉट जो ना ये पृथ्वी के साइज से क्या है दोस्तों आपका बड़ा है अगर मैं बात करू दोस्तों आपका पृथ्वी का जो एक साल है ठीक है इसका एक साल जो है वो पृथ्वी के साल के इलेवन पॉइंट एट सिक्स जो पृथ्वी का जो एक साल है ना और इसका जो एक साल है तो ग्यारह दशमलव छियासी गुना ज्यादा है इसका लेंथ ऑफ ईयर साल ये से फाइव पॉइंट टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे पाया जाता है भाई साहब इधर मौज कर रखी इसने गर्लफ्रेंड उसी गर्लफ्रेंड सेवेंटी नाइन गर्लफ्रेंड मतलब है जो इसके आस भटकती है और गाइनोमीडा इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है कई कई ग्रहों से भी बड़ी है वो इतनी बड़ी है गाइनोमीडा ठीक है इसकी सैटेलाइट का नाम है जो उसकी सबसे खासम खास गर्लफ्रेंड है उसका नाम है इसका और जुपिटर जो है इसको किंग ऑफ द रोमन गोड्स कहा जाता है जो रोमन देवता थे ना उनका एक किंग था राजा था गोड ठीक है गॉड का भी किंग था किंग ऑफ द रोमन गोड इसको कहा जाता है टॉक अबाउट की अगर बात करें तो ये भी गैस है ठीक है यह सुंदर सा दिखता है बहुत है ना दिखने में बड़ा अच्छा है तो इसलिए दिखने में अच्छा है तो इसकी भी गर्लफ्रेंड कोई कम नहीं है बासठ गर्लफ्रेंड है मतलब सिक्सटी टू मून्स है इसके पास में नाइन पॉइंट फाइव एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ये दूर है पृथ्वी से उसे सूर्य से पृथ्वी के और इसके अगर मैं ईयर का कंपेरिजन करूँ तो इसका जो साल है पृथ्वी के साल से उनतीस गुना क्या है बड़ा है इसको फादर ऑफ जुपिटर कहते हैं सैटर्न इज नोन एज द फादर ऑफ जुपिटर और जुपिटर कौन है दोस्तों ये किंग ऑफ रोमन गॉड है रोमन का जो देवता है उनका भग, उनका जो रोमन के जो देवता है, उसका राजा और ये क्या है दोस्तों राजा का भी बाप है कौन आपका सैटर्न शनि ठीक है शनि ग्रह जो है ये कई दशा लगाता है ठीक है मुझे लग रहा है मेरी और मेरी पूरी टीम की दशा चल रही है शनि वाली चल रही है तुम्हारा आज छोड़ दे पीछा सो आई विद द डेज़लिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ आईसी रिंग्स के चारों तरफ आप देखोगे ना तो बर्फ़ की ताज़ा ताज़ा रिंग दिखाई देगी आपको इसके चारों तरफ बहुत अच्छी दिखती है बहुत प्यारी दिखती है the other अदर जाइंट have हैव रिंग्स बट नन आर एज स्पेक्टिकुलर एज द Saturn. मतलब और भी ऐसे ठीक है जिनके आसपास पास छोटी छोटी ऐसी रिंग छले टाइप की पाई जाती है बट सेटर्न के चारों तरफ बहुत अच्छे तरीके से वो रिंग विजिबल है और इसी की वजह से बहुत अलग और बहुत यूनिक जो है वो हमें ये दिखाई देता है

मैंने बताया जैसे पृथ्वी है पृथ्वी ऐसे घूमती जाती है ऐसे भी घूमती है और इस ऑर्बिट में भी घूमती है ये भाई साहब ऐसे नहीं घूमता ठीक है ये क्या करता है ये रोल करता हुआ जाता है ऐसे ठीक है जैसे अगर ये ग्रह है तो ये ऐसे घूमता है ठीक है रोल करता हुआ जाता है ऐसे ठीक है गुड़ता हुआ जाएगा ऐसे 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 तो इसकी खास बात है दो हमने ऐसे यहाँ पर पढ़े पहला अगर मैं बात करूं आपका दोस्तों तो पहला कौन सा था शुक्र ग्रह शुक्र ग्रह सॉरी हाँ शुक्र जो है वो टोटली अपोजिट चलता है और दूसरा अगर मैं यूरेनस की बात करूं तो ये like रोलिंग प्लैनेट बात करूं, साल, ये की अगर मैं बात करूं तो ये सूर्य के चारों तरफ जो एक चक्कर है वो से इसका जो अर्थ ईयर है उसके मुकाबले चौरासी गुना बड़ा है ठीक है मतलब इसका जो एक साल है वो कितना होगा बताए तीन सौ चौसठ मल्टीप्लाई बाई एटी फोर ये सूर्य से नाइन पॉइंट पास, पास में और इसको the, कहते थे। जो ग्रीक का है, इसके नाम से इनको जाना जाता था अब ये चीजें आपको याद नहीं करनी है यार बट क्या करूं अब ठीक है टॉपिक आप पढ़ने लगे तो बस मैं बता रहा हूं ठीक है अब छोड़ नहीं सकता मैं ये चुरकुट चीजें कभी नहीं पढ़ाता मैं ठीक है किसको क्या कहते हैं किसको क्या नहीं कहते बट ठीक है अब एनसीआरटी में दिया था तो मैंने पढ़ा दिया एन में इतना नहीं दिया बट मैंने पढ़ा दिया आपको उसके अलावा लास्ट है हमारे पास नेपच्यून नेपच्यून जो है ये एट प्लानट है एंड ये सबसे ज्यादा दूर है ठीक है सबसे ज़्यादा दूर है बहुत डार्क है बहुत कोल्ड है अब ऑब्वियस बात इतनी दूर आएगा तो कोल्ड तो होगा ही ठीक है एंड यहाँ पर सुपरसोनिक विंड जो है वो आपकी चलती है ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है यहाँ पर जो साल का टाइम है इसका एक साल का जो ड्यूरेशन है वो पृथ्वी के मुकाबले एक सौ चौंसठ गुना बड़ा है इसको रोमन गोड ऑफ स्काई के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों सूर्य से इसकी डिस्टेंस जो है वो 30.1 पॉइंट वन यूनिट है और इसके नंबर ऑफ मून्स जो हैं वो कितने हैं दोस्तों आपके फोर्टीन नंबर ऑफ मून्स कितने हैं दोस्तों इसके फोर्टीन आप समझ रहे हैं मेरी बात ठीक है तो ये आप इसका पूरा सिस्टम जो है याद रखना है आपको इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के मतलब हमारा एक ईयर कितना होता है 365 दिन तो इसका एक ईयर कितना होता है इसका एक ईयर होता है तीन सौ पैंसठ गुणा में हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर पॉइंट एट वन इतना बड़ा होता है ये बताना चाह रहा है ठीक है चलिए ये सब राम कहानी खत्म हुई है हमारी अब आते हैं दोस्तों एक नई चीज़ के ऊपर वो चीज़ क्या प्लूटो अब प्लूटो जो है ना दोस्तों इट इज बेसिकली अ डॉफ प्लान ठीक है पहले हम इसको प्लैनेट मानते थे बट नाव हम इसको प्लैनेट नहीं मानते अब इसको हम डॉप प्लैनेट कहते हैं ठीक है ये पृथ्वी से अगर मैं इसकी लेंथ ऑफ ईयर की बात करूँ मतलब ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर मारता है ऑब्वियस बात है लेकिन इसका जो टाइम है वो कितना है पृथ्वी के एक साल के मुकाबले ये पृथ्वी से 248.89 टाइम्स ज़्यादा टाइम लेता है सूर्य के चारों चक्कर लगाने में ये सूर्य से 39 नाइन एस्ट्रॉमिकल यूनिट दूर है इसके भी अपने चार पांच चंद्रमा है इसकी भी पांच जीएफ है इसकी सोच रहे हो आप

ग्रह बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं अगर वो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन जो है अगर वो फुलफिल नहीं है तो फिर हम उसको क्या कह देते हैं दोस्तों हम उसको बोल देते आगे हम बात करेंगे दोस्तों किसके पास बाद सीरस के बारे में ये भी डॉप प्लैनेट है और ये भी अगर हम बात करें तो इतना ईयर्स है लेंथ ऑफ ईयर इसका इतनी है चंद्रमा इसके पास है नहीं और इसको रोमन गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट के नाम से जाना जाता है सीरस ठीक है इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों अपने सेटेलाइट पे बहुत हो गया यार ये ठीक है बकवास देखना नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेटेलाइट ठीक है जिसको हम बोलते हैं उपग्रह ग्रह, ग्रह खत्म ठीक है अब आते हैं दोस्तों किस पे उपग्रह पे अच्छा सेटेलाइट दो प्रकार की होती है ठीक है सेटेलाइट दो प्रकार की होती है आपने यहाँ आप पर देखा कि हमारे पास एक सन है सन के चारों तरफ कौन चक्कर मारता है दोस्तों कोई भी प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ चक्कर मारेगा अब जो प्लैनेट है इसके चारों तरफ भी कौन चक्कर मारता है दोस्तों इसके चारों तरफ चक्कर मारती है सेटेलाइट जैसे अगर ये हमारी अर्थ है ठीक है अगर ये हमारी अर्थ है तो ये कौन है दोस्तों फिर मून तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर मारती है और मून जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ आपका क्या करता है दोस्तों चक्कर मारता है 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 ना तो उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट सैटेलाइट दो प्रकार की होती एक तो होती है नेचुरल सैटेलाइट जैसे चंद्रमा अपनी नेचुरल सैटेलाइट है और एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे जो हम छोड़ते हैं पृथ्वी से ना बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है दिस दिज ऑल सैटेलाइट वर नॉन एज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट

आदमी ने जो बनाई है जैसे अगर हम बात करें तो इनसेट आईआरएस उसके बाद सॉरी एडोसेट ये सब की सब क्या दोस्तों? है दोस्तों दीस आर द सैटेलाइट मून भी हमारी सैटेलाइट है दोस्तों ठीक है मून हमारी क्या है मून इज बेसिकली आवर नेचुरल सैटेलाइट प्राकृतिक सैटेलाइट है ठीक है अर्थ के पास केवल और केवल एक ही सैटेलाइट है और उसका नाम है मून इसका डायमीटर जो है ठीक है इसका जो डायमीटर है मतलब जो व्यास है अगर मैं इसके व्यास की बात करूं तो पृथ्वी के व्यास का ये क्या है दोस्तों वन क्वार्टर मतलब एक चौथाई है जो पृथ्वी का व्यास है इसका एक चौथाई मतलब पृथ्वी का जो साइज है ठीक है वो चंद्रमा से चार गुना ज्यादा है दैट ऑफ द अर्थ इट अपियर सो बिग बिकॉज ऑफ इट्स नियरेस्ट टू अवर प्लान ये हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि हमारे ग्रह के सबसे पास में ये पाया जाता है सबसे पास हमारे जो ग्रह है उसके सबसे पास अगर कोई खगोलीय बॉडी है कोई खगोलीय पिंड है तो वो चंद्रमा ही है अगर आप देखोगे धरती से इसकी दूरी तो वो तीन लाख चौरासी हजार चार सौ किलोमीटर दूर है ठीक है आप समझ सकते हो दोस्तों इस बात को इतना ये ये दूर पाया जाता है है मून जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और सत्ताईस दिन में पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर लेता है ठीक है मतलब जो चंद्रमा है उसका एक साल किसके बराबर है आपका 27 साल के बराबर 27 दिन के बराबर है सो मून जो है ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और 27 दिन में

ठीक है ये मून का वन ईयर और वन डे क्या है दोस्तों आपका दोनों का दोनों बराबर है ये बात आपको क्लियर हुई बताइए जल्दी ये बात आपको समझ में आई मेरी मैं क्या बोल रहा हूं आई बात समझ में ठीक है तो ये हो गया अब ये ये बातें ना वास्तव में बहुत चुरकुट बात है यू इज़ नॉट नेवर गोइंग टू आस्क दिस थिंग देन सर वाई आर यू पढ़ाइंग दिस थिंग आई एम पढ़ाइंग दिस थिंग बिकॉज दिस इज गिविंग गिवन इन द एन फर्स्ट चैप्टर सिक्स क्लास अब मैं सो कह रहा हूँ एन सी पढ़ाऊंगा तो एन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इनको छोड़ कैसे सकता हूँ है ना तो इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ भाई ठीक है सिक्स से ट्वेल्थ क्लास तक की एन मैंने पढ़ाने का आपको वादा किया है तो आई विल डू दैट तो इसीलिए ये पढ़ाना हमारी पढ़ना और पढ़ाना हमारी क्या है मजबूरी है कंपल्शन है बट इससे कभी सवाल नहीं आएगा ठीक है यूपीएससी इज नेवर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस अच्छा इसमें दो टर्म्स हम सुनते हैं फुल मून और न्यू मून वैसे मून के बारे में डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे थोड़ा सा टाइड के अंदर पढ़ेंगे टाइड जो होता है ना अभी आएगा आगे टॉपिक तब जब वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे बाकी अभी मैं बता देता हूँ चंद्रमा की विभिन्न कलाएं ठीक है फेज ऑफ मून है ना कभी चंद्रमा कैसा दिखता है कभी कैसा दिखता है तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फुल मून जिसको हम बोलते हैं फुल मून क्या बोलती है पूर्णिमा ये तो पता होगा ना फुल मून मतलब पूर्णिमा शिवाशु यार फर्स्ट टाइम तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं कभी पढ़ाता ही नहीं हूं ये टॉपिक मैं कभी नहीं पढ़ाता सच बता रहा हूँ बिकॉज यार ये टॉपिक नहीं होते यूपीएससी नहीं पूछता मैंने एक बार पहले ही पढ़ाया था बट जब भी मैंने ऐसे ही मन मार के पढ़ाया था ठीक है आता नहीं यार इससे क्या आएगा इसे मतलब चुरकुट चुरकुट बातें हैं लाल ग्रह पीला ग्रह हरा ग्रह नीला ग्रह ठीक है और ग्रहों की स्थिति मेरी बहुत खराब चल रही है तो ग्रहों के बारे में मैं और मुझे लगता है मेरी स्थिति ग्रहों की इसीलिए खराब चल रही है क्योंकि मैं ग्रह पढ़ाता नहीं हूँ अभी जस्ट इस क्लास के पहले हम मैं बात कर रहा था अभिषेक सर से ठीक है तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे कि यार अभी चैनल पर क्लास अपनी चल ही नहीं रही तो मैं उनको कंडीशन बता रहा था कि प्रशांत सर के भी घर में इशू चल रखा है कोविड के दौरान उनके फैमिली से कम से कम तीन से चार डेथ हो गई थी प्रशांत सर के घर में तो उनको भी इशू रहता है उसके बाद अर्चित सर छोड़ गया अर्चित सर ने क्योंकि उनको एग्ज़ाम देना है ठीक है जो मुझे लगा गलत बात है यार कभी कभी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया जा सकता था बच्चों को ऐसे टाइम पर छोड़ के जाना मुझे उनका मतलब मुझे खुद थोड़ा सा खटक रहा है अच्छा नहीं लगा मुझे प्रवीण सर जो है वो दूसरे चैनल पर चले गए हैं प्रमोद सर आए हैं तो प्रमोद सर के घर पे भी यार कोई ऐसा इशू हो गया है पंकज सर के वहाँ पे भी इशू है उनका स्टूडियो कैमरा वैमरा चोरी हो गया उनको अभी सस्पेंशन पे हैं वो तो मैं सोच रहा था मैं और अर्चित मैं और वो बचे हैं अभिषेक सर बचे हैं और मुझे भी यार दो तीन दिन के लिए मुझे आज जाना था छुट्टी पे ठीक है बिकॉज मेरी एक सर्जरी है यार माइनर सी तो वो सर्जरी जो है वो करानी भी थी ठीक है तो सर्जरी तो खैर मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ दस तारीख के बाद ही कराऊँ बट मुझे एक जगह और भी जाना था जो पोस्टपोन नहीं हो सकती सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक की ऐसे ही बात कर रहे थे तो अभिषेक सर ने ना बड़ा ज्ञान दिया मेरे को मतलब और वो वास्तव में उनकी बात मुझे वैलिड लगी मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह को मानता नहीं था सही बता रहा हूँ भाई मॉडर्न साइंस बेस्ड व्यक्ति है ना लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया तर्क दिए मेरे को कह रहे यार सुमित मानना पड़ेगा मैं क्या सर ऐसा क्यों बताओ मैं तो नहीं मानता कहते एक बात बताया यार सूर्य से एनर्जी आती है तो जोग्राफी पढ़ाता है मैं जी इकोलॉजी पढ़ाता है म कहाँ जी एक बात बता ये पूरा इको, इको जो पूरी इकोलॉजी है वो किस पे बेस्ड होती है आप भी बताइए सन की एनर्जी अगर सोचो सूर्य की एनर्जी पृथ्वी पर जो जीवन है वो किससे प्रभावित होता है सूर्य की ऊर्जा से अब जब सूर्य की ऊर्जा से चीजें इतनी प्रभावित हो सकती है तो क्या बाकी सेलेस्टियल बॉडी है उनकी एनर्जी पड़ रही होगी तो क्या उनसे हमारा जीवन या पृथ्वी प्रभावित नहीं हो रही होगी ऑब्वियस बात है हो रही होगी तो फिर मैंने कहा कि सर अभी क्लास है तो इस बात पे एक दिन डिटेल में विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूंगा और मैं सर को इसके ऊपर लेके आऊंगा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ठीक है अपने चैनल पे जो मेरा पर्सनल चैनल है सुमित राठी वाला उसके ऊपर कभी इस बात पे खूब ढेर सारी बकवास की जाएगी ठीक है सर को मैं आमंत्रित करूंगा और सर से मैं कहूंगा कि आपको उसके बारे में सारा का सारा ज्ञान जो है वो प्रोवाइड कराएं ज्ञान जो है वो उपलब्ध कराएं ठीक है चलिए कोई बात नहीं नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग फुल मून मतलब पूर्णमासी पूर्णिमा ठीक है इसको चौदस भी बोलते हैं ठीक है गाँव की भाषा में पूर्णिमा फुल मून चंद्रमा पूरा दिखाई देता है एकदम फुल टू फटाक और एक होता है दोस्तों न्यू मून न्यू मून का मतलब होता है अमावस्या की वो काली शक्तियां है। है भूत, भूत का एक ही भूत है इंडिया में एक ही वेरायटी पाई जाती भूत बाहर जाओगे हॉलीवुड के अंदर में कई प्रकार के भूत मिलते हैं ठीक है तुम्हें वेम्पायर वोलवरीन ठीक है ये वो ठीक है मतलब पचहत्तर तरीके भूत में भी कई वेराइटी है अपने यहाँ सिंपल फंडा है इससे ज्यादा कुछ है नहीं किसी ने किसी को मार दिया अब वो आत्मा बन गई और आ रही है बदला लेने बस सिंपल बात है इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है ना अपने इधर चाहे कोई तुम पिक्चर उठा के देख लो ठीक है कुछ भी उठा के देख लो ये तो आजकल हम थोड़ा बहुत कॉपी करने लग गए इधर नागिन पागिन ऐसा वैसा है ना लाइक दैट बट इतना अपना इधर एक ही भूत पाया एक ही तरीके का पाया जाता है भूत एंड दैट भूत इज लाइक सिंपल ठीक है कि किसी ने किसी को मार दिया और भाई उसकी मृत्यु आनी थी नहीं अब वो आत्मा बन के भटक रही है और अब वो आ रही है बदला लेने आप बीती कोई है रात होने को है ऐसे सीरियल आते हैं ना सब में एक ही कहानी है ठीक है तुम अमेरिका वाले देखो सुपर नेचुरल ठीक है ओरिजिनल्स वहां देखो यार तुम कितनी वैरायटी के भूत है तो तुम्हें पता चलेगा यार इंडिया में तो एक ही वैरायटी के भूत है अब तुम्हें वास्तव में पता चलेगा कि अच्छा इतने प्रकार के इतने किस्म के भूतों की बहुत नस्ल है अपने इंडिया में कम दिखती है बाहर इन्होंने बहुत नस्ल बना रखी है मजाक नहीं कर रहा बताओ आहट देखो ये भी ये, सीरियल मुझे पता है तुमने सारे देख रखे हैं तुमने सारे देख रखे हैं मुझे पता है फियर फाइल वो लद्दाख वाला एपिसोड देखा कि नहीं देखा है भाई अरे वो लद्दाख वाला एपिसोड किस-किस नहीं देखा बताओ देखा लद्दाख वाला एपिसोड कंचन टू वाली भूत कंचना टू ये मेरा दादा बहुत देखता था ये एपिसोड ये पिक्चर कंचना वाली ठीक है चलिए अब ये चंद्रमा की विभिन्न कलाएं तो दो वर्ड यहाँ पे बताए गए थे फुल मून और एक होता है न्यू मून तो फुल मून का मतलब ये होता है और न्यू मून का मतलब ये होता है बाकी इसके बारे में डिटेल तो हम टाइड वाले टॉपिक में देखेंगे ठीक है इसके अलावा दोस्तों अब कुछ और टॉपिक कुछ और चीजें हैं जो हमें देखनी है एक होती है एस्टीरोइड ठीक है एक क्या होता है दोस्तों हमारे पास एस्टिरोड इसको बोलते हैं शुद्ध ग्रह क्या बोलते हैं इसको शुद्ध ग्रह तो ये भी ग्रहों की बात ही होता है शुद्ध ग्रह ठीक है बट ये इसका फिक्स्ड ऑर्बिट वो सब चीजें नहीं होती इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों शुद्ध ग्रह बोलते हैं सो so, एस्टीरोइड जो होते हैं ये भी माइनर प्लैनेट्स होते हैं छोटे छोटे प्लैनेट्स जैसे टाइप के ही होते हैं और ये कह सकते हो कि प्लैनेट का ही टूटा हुआ भाग होता है सोलर सिस्टम के रेमिनेंट्स होते हैं ये भी रॉक की होते हैं एयरलेस रेमिनेंट्स लेफ्ट ओवर फ्रॉम अर्ली फॉर्मेशन ऑफ अवर सोलर सिस्टम अबाउट फोर पॉइंट सिक्स बिलियन ही एगो जब हमारा सोरमंडल बन रहा था ना तब इनका निर्माण हुआ था शुद्ध ग्रह जो थे दे आर ऑल्सो लाइक ग्रह दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन ये भी सूरज के चारों तरफ घूमते हैं बट इनके पास ग्रह बनने की वो सारी क्वालिटी नहीं होती हम क्या बोलते हैं ठीक है ये भी हमारे सोलर सिस्टम जब बन रहा था उसके रेमिनेंट्स हैं आज अगर आप देखोगे ना तो आपके पास लगभग लगभग दस लाख इकतीस हजार चार सौ अट्ठासी हैं जिनके बारे में हम जानते हैं ठीक है हमें पता है मोस्ट ऑफ दिस एंशियंट स्पेस रूबल्स कैन बी फाउंड ऑर्बिटिंग द सन बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर बिटवीन मेन एस्टीरोइड बेल्ट ज्यादातर जो आपको ही मिलेंगे ना वो कहा मिलेंगे दोस्तों मैं एक बार बता देता हूं आपको ज्यादातर जो ये मिलेंगे ना आपको दोस्तों ज्यादातर ये आपको यहाँ पे मिलते हैं जो हमारी मेन एस्टेराइड बेल्ट है ठीक है आप देख लो दिस इज द एस्टेरॉइड बेल्ट दिख रही है आपको किस किस के बीच में है दोस्तों मार्स और जुपिटर ग्रह के बीच में यहाँ पर ये पाए जाते हैं इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट तो जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं बेसिकली शुद्र ग्रह जो होते हैं दे आर प्रेजेंट द शुद्र ग्रह बेल्ट जो आपकी कहां पाई जाती है जो आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है यह बात क्लियर है ये हमारे हिंदी के खगोलवादियों के लिए हिंदी में जो हमारे खगोलवादी एस्ट्रोलॉजर हैं उनके लिए ठीक है समझ में आई बात आपको दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब होता है मीटोर मिटोर और मीटरॉइट ठीक है उल्का उल्का पिंड ये सब सुने होंगे ना आपने अब ये क्या होते हैं सर देखो कई बार आपने क्या देखा होगा कोई जो आपकी सेलेस्टियल बॉडी है जब वो आपके एटमॉस्फेयर में एंटर करती है ना तो पृथ्वी में जो आपकी गैसेस पाई जाती है एटमॉस्फेयर उसके फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है वो आग हमें दिखती रहती है दिखती रहती है तो कई बार तो क्या है कि वो आग लगने की वजह से वो जो मिटोराइड्स है ना ठीक है वो जो उल्का उल्का है वो ऊपर ही नष्ट हो जाती है लेकिन कई बार उसका एक टुकड़ा जो है वो धरती पर आके भी गिर जाता है तो तीन बातें हुई यहाँ पर ठीक है उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं मीटोर मिटोरइड्स और मीटोर मिटरॉइड मिटरॉइड क्या होता है दोस्तों मिटरॉइड्स आर द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस ये स्पेस के अंदर में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग साइज होता है ये आपके धूल के कण से समान भी हो सकते हैं और इनका सा, जो साइज है वो शुद्र ग्रह के बराबर भी आपका हो सकता है ठीक है तो ये भी आप ऐसा सोच सकते हो कि आपका स्पेस में पाई जाने वाली चट्टाने होती हैं ठीक है जब ये चट्टाने पृथ्वी के अंदर में पृथ्वी के उसमें एंटर करती है एटमोस्फेयर में तो इनमें आग लग जाती है ठीक है तो ये जलने लगती है फिर ये टूटते हुए तारे की भांति आपको दिखाई देती है तो वो जो टूटता हुआ तारा जो है ना उसको हम बोलते हैं मीटर मीटोर्स याद रखिएगा जो टूटता हुआ तारा सा आपको दिखता है ना उसको बोलते हैं मीटोर्स ये तो हमें दिखाई नहीं देती ये तो आपके स्पेस के अंदर में प्रेजेंट है और इस मीटर मिटोर का जब यह आग जलने लगती है ठीक है इसका कुछ हिस्सा जब पृथ्वी से टकरा जाता है उसको हम बोल देते हैं द मीटरॉइड ठीक है जब ये मीटरॉइड जो होता है ये सरवाइव कर जाता है मीटोर था आग लगी थी इसमें लेकिन सर्वाइव कर गया और इसका कुछ भाग जो है पृथ्वी को हिट कर गया फिर हम इसको बोल देते हैं मीटरॉइड तीन चीजें हैं दोस्तों मेरे पास पहला है मिटरॉइड दूसरा है मिटोर और तीसरा है मिटरॉइड

और जब ये पृथ्वी पर गिर जाती हैं प्यारे बच्चों जब ये ग्राउंड को हिट कर जाती है तो इनको बोल दिया जाता है मीटरॉइट ठीक है मीटरॉइट बोल दिया ऐसे दिखता भी आपको देखो इस तरीके से ठीक है इस तरीके से दिखता है ना आग वाग लगी हुई वो पृथ्वी पर नीचे आती है तो उसको हम ऐसे कह देते हैं ये हिंदी भाषा है आपके पास हमारे हिंदी भाषा के अंदर में क्या क्या बोलते हैं वो मैंने आपको बता दिया इसको ठीक है उल्का पिंड जब ये उसमें आसमान में रहेगा उल्का और टूटा हुआ तारा जो टूट के नीचे गिर गया उसको उसको कहते हैं तो ये हम इसको बोलते हैं अब आते हैं दोस्तों कॉमेट कॉमेट का मतलब होता है पुच्छल तारा ठीक है जैसे हेली कॉमेट है कॉमेट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों दे आर द फ्रेजन लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम ठीक है जो सोलर सिस्टम हमारा बन रहा था ना तो उस टाइम पे कुछ पार्ट था जो रह गया अब वो जो पार्ट है वो सूर्य से बहुत दूर है ठीक है धूल डस्ट ये सारी चीज है तो वो जम गया आइस के फॉर्म में अब वो जो है सूरज की तरफ जब वो आता है दोस्तों तो उसके अंदर में क्या होता है जैसे सूरज की तरफ जाता है तो उसमें आग लग जाती है वो जो जमा हुआ पार्ट है वो आपका क्या लगता है पिघलने लगता है वो बर्न होता है और फिर ऐसा दिखाई देता है एक आगे हेड दिखता है और पीछे पीछे बड़ी सी टेल बनती हुई दिखाई देती है क्योंकि जो जमा हुआ था वो पिघलने लगता है तो उसको बोलते हैं पुछल तारा द कॉमेट्स आर फ्रोजन लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम बेसिकली ये आपके बहुत, मतलब, जब होते हैं। वैसे तो होते हैं सब जगह लेकिन हमें दिखाई तभी देते हैं जब ये सूरज के पास होते हैं और जब ये सूरज की ओर गिरते हैं क्योंकि तभी इनमें आग लगेगी तभी ग्लो करेंगे तभी हमें दिखेंगे ठीक है कैन बी लार्जर देन द प्लैनेट्स इनका जो प्लैनेट्स होता है एक तो हेड होगा ये आपका आगे ठीक है और ऐसे लंबी सी पूंछ आपकी दिखाई देगी तो ये जो हेड है ये कई बार प्लेनेट से भी बड़ा होता है अब ये दिखाई हमें तभी देता है जब ये सूरज की ओर गिरता है बिकॉज जब ये सूरज की ओर जाएगा तभी बिकॉज ये जमा हुआ है ना डस्ट रॉक और आइस से बना हुआ है तो जब ये पिघलता है तो इसमें से बहुत सारी गैसेज ऐसे निकलने लगती है फवारे से निकलने लगते हैं गैस के ठीक है और इसका जो हैड है मतलब ये आपका ग्रहों के बस समान भी होता है ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों दिस इज नोन एज कॉमेट्स द मेटीरियल फ्रॉम दैट स्ट्रेचेज मिलियंस ऑफ माइल्स ठीक है धूम केतु कहते हैं इसको ठीक है बेसिकली इसको क्या कहते हैं धूम केतु हिंदी में क्या बोलते हैं इसको धूमकेतु ठीक है छुट्टी जान इससे भी हैली जो है वो एक कॉमेट है पता होगा ना हैली जो है बेसिकली दैट इज अ कॉमेट वो भी एक इसी का रूप में पाया जाता है अब आती है दोस्तों क्यूपियर बेल्ट अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था मैंने नैपचून तक पढ़ाया था नेपच्चून बेसिकली ग्रह आठवां ग्रह हमारा वहाँ तक पढ़ाया था हमने ठीक है तो उसके बाद में अपने पास कुछ है नहीं प्लूटो बचता है प्लूटो को फिर हम क्या कहते हैं ठीक है प्लूटो जो है वो आपका ड्रॉप प्लानट हो गया नेपचून के बाद में ठीक है जो हमने देखा अभी एक बार फिर से देखेंगे जो नेपचून है हमारा ठीक है लाइक कहाँ पे है नेपचून ये रहा नेपच्चून ठीक है सो जो नेपच्यून है इसके बाद में यहाँ पर इसके बाद में इसके बाद में बहुत सारे छोटे 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 ऐसे हमारे पास में खगोलीय पिंड पाए जाते हैं ठीक है एक जगह होती है जैसे एस्टीरोयड बेल्ट है ना अपनी ऐसे ठीक है इसमें बहुत सारे एस्टीरोड पाए जाते हैं दस लाख इकतीस हज़ार के आसपास ऐसे ही नेपच्चून के बाद में भी एक बेल्ट पाई जाती है जिसमें बहुत सारे खगोलीय पिंड आपके उपस्थित होते हैं विद्यमान होते हैं और वो भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं और प्लूटो जो है वो उसी में से एक है प्लूटो सीरस उसी में से एक है नहीं आई बात समझ में मैं, मैं कह रहा नहींप्च्यून के बाद में जैसे इधर है ना आपका मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है ऐसे ही नेपच्यून के बाद में भी एक ऐसी बेल्ट होती है जिसमें बहुत सारे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं है. वो जो बेल्ट होती है ना हमारी उस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं क्यूपियर बेल्ट क्या बोलते हैं क्यूपियर बेल्ट और उस क्यूपियर बेल्ट में नेपच्यून प्लूटो सीरस ये इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडी है इंपॉर्टेंट खगोलीय पिंड है जो उसके अंदर में पाए जाते हैं ठीक है सो क्यूपियर बेल्ट की बात में यही कर रहा था अब उसकी डिस्टेंस क्या है कितनी है सूरत से वो सब अभी हम देख लेंगे वो सब हम अभी कंफर्म कर देंगे आपको कल क्लियर बता देता हूं मैं आपको उसके बाद ये भी अपना क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा ठीक है सो सिमिलर टू द एस्टेरॉइड बेल्ट द क्यूपियर बेल्ट इज अ रीज़न लेफ्ट ओवर फ्रॉम द सोलर सिस्टम दोस्तों ये भी सोलर सिस्टम का लेफ्ट ओवर भाग है मतलब जो सोरमंडल बन रहा था तो उसमें से जो बच बच गया तो वही भाग है ये ठीक है एंड अर्ली हिस्ट्री पुरानी हिस्ट्री की बात है ये भी क्यूपियर बेल्ट जो होती है इसको हम एक नाम और से भी जानते हैं और वो क्या है दोस्तों? ये भी भी नाम नाम होता है इसका Belt को हम Edgeworth Belt के नाम से भी जान लेते हैं और जो Belt है दोस्तों ये हमारे सोलर सिस्टम से beyond पाई जाती है जो हमारे आठ मेजर प्लैनेट्स हैं मुख्य मुख्य ग्रह हैं उसके बाद में पाई जाती है दोस्तों आपका नेपच्यून के बाद में पाई जाती है आपका ठीक है तो मतलब ये आपकी तीस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर पचास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूरज की तीस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर फिफ्टी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में क्या पाई जाती है आपकी क्यूपियर बेल्ट ठीक है ये आप देख रहे हो सूर्य है तो सूर्य से 30 से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपसे कोई पूछे तो कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर पूछता है तो सर प्लूटो रहा सर सीरियस हो गया ठीक है तो ये है तो ये आपकी जो दिख रही है आपको दिस इज नॉन एज द इसको क्या बोलते हैं हम क्यूपियर बेल्ट

तारामंडल होते हैं रात के अंदर जब हम सोते हैं द माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पीपल्स ऑब्जेक्ट्स एंड ठीक है और उनको फिर हम अलग अलग नाम दे देते हैं तारों का एक समूह होता है, एक अलग से एक पर्टिकुलर शेप बना लेता है और जो वो शेप होती है फिर हम उसको एक नाम दे देते हैं जैसे हमने नाम दिए हुए देखो जैसे हमने बोला रखा है आपका ऊर्सा मेजर जो ग्रेट बियर उसके बाद ओरियोन जाइंट हंटर हाइड्रा सी सरपेंट लार्जेस्ट है सबसे ठीक है उसके बाद में आपका साइज आ, साइनस ठीक है उसके बाद में आपका हरकुलिस ठीक है ये आपके सारे के सारे नाम है कुछ मैं आपको शेप दिखा भी देता हूँ ठीक है जैसे ये रहा इसको बोलते हैं ग्रे, ग्रेट ग्रेट बियर्स ठीक है पहले वाला दिस इज ग्रेट बियर ये जो दूसरा है अपने पास ये ये वाला है ठीक है सेकेंड वाला जो है ना ये ये वाला है मैं नाम भूल गया औरियोन ठीक है ओरियोन विशाल शिकारी ओरियोन द ग्रेट हंटर नंबर दो है ना ये नंबर दो पे ये रहा ओरियोन द ग्रेट हंटर देखो ऐसी शेप बन रहा है इसकी ठीक है ऐसी शेप जो बनती है ये ओरियोन द ग्रेट हंटर को रिप्रेजेंट करती है ठीक है दिस इज द शेप ऑफ ओरियोन द ग्रेट हंटर ये आपका सप्तऋषि की मतलब उसकी ग्रेट बियर की शेप है ठीक है ऐसा मिलेगा आपको फिर उससे ऐसा बना देते हैं भालू है भालू तो मैंने दिखा दिया ठीक है लेकिन ऐसा शेप जो होता है उसको हम बोलते हैं ये आपका ग्रेट बियर इसके बाद हाइड्रा ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिलेशन पाई जाती है ठीक है हाइड्रा एक कैप्टन अमेरिका वाली पिक्चर तो नहीं देख ली हमने मार्वल ठीक है ये सबसे बड़ी है ठीक है दिस इज नॉन एज हाइड्रा ठीक है दिस इज हाइड्रा तो कॉन्स्टिलेशन के बारे में इसमें स्टार्टिंग में जब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा जिक्र किया तो मुझे लगा कि आपको मैं बता दूँ ठीक है गाइज एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है यार वीडियो को लाइक कर दे यार प्लीज ये टॉपिक है कुछ ऐसा दिख रहा है एनसीआरटी पे अच्छा एक चीज और बता दू मैं एनसीआरटी हिंदी जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ प्योर हिंदी ठीक है ये प्योर हिंदी होगी पूरी हिंदी में मतलब इंग्लिश का कोई शब्द भी नहीं होगा तो जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक दूसरे चैनल पे जिसका नाम है लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी ठीक है अभी इस पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये भी अकेडमी का ही अपना चैनल है सिर्फ हिंदी में होगी उस पर एनसीआर टी सिक्स क्लास सेवेंथ क्लास एट्थ क्लास जोग्राफी करूंगा पहले तो जिस बच्चों को प्योर हिंदी में करना है वो वहां से भी कर सकते हैं तो बट मैं ये चाहूंगा कि बाइलिंगुअल रहो तो बेटर है हिंदी में भी इसमें भी करो और फिर वहां पर भी करना है तो वहां पर भी आप कर सकते हो ठीक है चलिए सो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों मोशन ऑफ अर्थ तो ये बला 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 तरीके की आपको 50 बातें लिखी होंगी मैं आपको बहुत सिंपलीफाई तरीके से बताऊंगा ठीक है इसको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं जब आप मेरी बात सुन लोगे तो प्यारे बच्चों जैसा मैंने आपको बताया सर मोशन ऑफ अर्थ इज ऑफ टू टाइप ठीक है जब मैं लिखता हूं ना मोशन ऑफ अर्थ हिंदी भाषा में क्या बोलोगे आप पृथ्वी की गति सर दो प्रकार का होता है पहला और ये हो गया मेरे पास दूसरा पहला जो होता है ना उसको हम बोलते हैं रोटेशन क्या बोल देते हैं रोटेशन और दूसरा जो होता है ना उसको हम बोल देते हैं रिवॉल्यूशन ठीक है रोटेशन और रिवॉल्यूशन रोटेशन किसको कहते हैं इसका मतलब होता है परिक्रमण ठीक है और सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ठीक है रोटेशन का मतलब होता है परिभ्रमण या घूर्णन और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण ठीक है दो बातें होंगी इसको हम हिंदी में बोल देते हैं घूर्णन या आप कह सकते हो परिभ्रमण भय आएगा इसमें और इसकी अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो इसको हम बोलते हैं आपका परिक्रमण बहुत सिंपल सी बात है ना है ना बहुत सिंपल सी बात है सर अब होता क्या है सर इसमें देखो बच्चों इसमें कुछ ना होता भाई इसमें अपनी जो पृथ्वी है ना वो पृथ्वी चक्कर काटती है अपने अक्ष के चारों तरफ अब अक्ष क्या होता है बताना पड़ेगा मुझे नहीं तो कैसे जान पाओगे सो ये अर्थ है अपनी तो ये क्या करती है अपने एक्सिस के चारों तरफ चक्कर काटती है इसका एक्सिस है ठीक है तो ये एक्सेस के चारों तरफ चक्कर काटती अक्स के चारों तरफ चक्कर काट रही है ठीक है ऐसे चक्कर काटेगी और जो भाग इधर है सूर्य महाराज जो भाग सूर्य के सामने होगा प्यारे बच्चों वहां पर होगा दिन और जो भाग पीछे होगा वहां पर रात सो यहां पर होगी डे और यहां पर क्या होगी नाइट ठीक है सिंपल है ना सो एक भाग हो गया दिन और दूसरा भाग क्या हो गया इधर इधर हो गया सर आपका रात ठीक है अंधेरा कायम रहे सारे तमराज क्लबिस भक्त तो तुम ठीक है देखा होगा ना शक्ति माना करता सो ये वही चीज है रोटेशन है ना अब दिस इज रोटेशन चलो मैं रिवोल्यूशन को अगले उस पर लूंगा ठीक है तो ताकि इसमें जगह बचे अब जो रोटेशन होता है ना इसके कुछ नियम है ठीक है मतलब क्या क्या है कुछ बातें इसमें याद रखनी है देखो पहली पहली आपको याद रखनी है सर ड्यूरेशन कितना होता है इसका ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है टाइम पीरियड कितना समय लगता है इसको पूरा होने में तो इसके ड्यूरेशन है सर ट्वेंटी थ्री आवर्स एंड फिफ्टी सिक्स मिनट ये क्यों लिखा मैंने कई आइंस्टीन बनते हैं ठीक है मतलब कई होते हैं ऐसे बच्चे नॉर्मल बात मानते नहीं मैं लिख दू ना अगर इसको चौबीस घंटे अप्रोक्सीमेट ट्वेंटी फोर आवर्स कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मेरे पे केस कर सकते हैं कि सर आहा आप तो गलत पढ़ा रहे हो तेईस घंटे छप्पन मिनट और कुछ सेकेंड भी है तो भाई सुनो क्लियर करना है तुम्हें Einstein का और नहीं बनना मेरी बात समझ रहे तुम्हें ठीक है सो तो तो so, ये बात ध्यान देखें ड्यूरेशन मतलब कार्यकाल अवधि कितनी है इसकी है ना तो ये हिंदी में बोल सकते हैं हम अवधि तो दोस्तों अवधि रहेगी इतनी अच्छा अवधि के बाद आते हैं सर दूसरा इसके ऊपर डायरेक्शन डायरेक्शन का मतलब क्या है सर दिशा ठीक है दिशा लड़कों को कुछ कुछ याद आ रहा होगा <laughs> ठीक है ड्यूरेशन कितनी है सर इसकी सर इसकी ड्यूरेशन जो होती है ऑलवेज इट विल वेस्ट टू ईस्ट ठीक है सर हिंदी में बताओ हिंदी से लो भाई पश्चिम से पूर्व ठीक है ऐसे घूमती है आप देख रहे हो ना इधर से इधर इधर से इधर चलने का मतलब क्या है दोस्तों दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट डन ठीक है सर ये भी समझ गए अच्छा तीसरी बात और मैं बताना चाहूंगा सर इसके इफेक्ट क्या है इफेक्ट समझते हो ना इसके सर प्रभाव सर इसका प्रभाव बता दू नाराज तो नहीं हो इसका प्रभाव है सर डे नाइट फॉर्मेशन डे एंड नाइट फॉर मिशन सर हिंदी में बता दो हिंदी में कहेंगे भाई दिन रात का बनना सो so, कुल cool मिला के अगर मैं बात करूं तो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको यहां से याद रखनी है ठीक है अब देखो ये पढ़ोगे ना तुम ये पढ़ोगे तो इसमें सब में यही लिखा हुआ है ठीक है बट मैं पढ़ के नहीं बता रहा क्योंकि पढ़ के बताऊंगा फिर वही है पढ़ तो हम भी लेंगे सर जी है ना एडवांस हो गए हो आजकल तुम तो मैं तुम्हें बिल्कुल शॉर्टकट समझा रहा हूँ ठीक है क्या लिखा है मैं उसका तुम्हें एकदम जो निचोड़ है वो बता रहा हूं ठीक है तो ये कह रहा है कि दो प्रकार के मोशन पहला मोशन है रोटेशन रोटेशन मतलब घूर्णन परिभ्रमण सूर्य भाई अपने अक्ष पे पृथ्वी अपने अक्ष पे अपने अक्ष पे घूम रही है बस ऐसे 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 ठीक है और अक्ष पे घूमती है ऐसे करके तो ये इसका टाइम पीरियड है तेईस घंटे छप मतलब ऑलमोस्ट इसे ही आपके दिन रात बनते हैं ये हमने यहां पर देख लिया गति हमेशा डायरेक्शन याद रखना वेस्ट टू ईस्ट अब इसमें भी सुन लो मेरी बात कुछ आइंस्टीन के फूफा मिलेंगे मुझे कहेंगे सोर ये वेस्ट से क्यों लिका, से वेस्ट से कर दो ना आप भाई तुम अपना कुछ भी कर लेना पूरी दुनिया यही मानती है ऐसे है ठीक है आप चाहो तो धरती को चंद्रमा भी बना सकते हो ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझ में आ रही बात आजकल का जमाना ऐसा चल रहा है ये बी पराग ने बारिश का डिपार्टमेंट यार को दे दिया है विष्णु जी का था उसका था ना ये तो इंद्र देवता का विष्णु जी ने इंद्र देवता को दिया हुआ था अब जब से बी पर आग के हाथ में गया उसने यार को दे दिया यार हंस रहा है बारिश की जब अभी तक बारिश हो रही है नवंबर आ गया बारिश हो रही है तो कुछ भी हो सकता है तुम भी ऐसे ही क्रांतिकारी हो तुम भी कुछ भी कर सकते हो सिंपल बात याद रखना है दोस्तों वेस्ट टू ईस्ट इज द डायरेक्शन ये खत्म ये पहली चीज खत्म हो गई अब मैं ना आपको एक दूसरी चीज और बताना चाहता हूं जल्दी से क्योंकि फिर हम और तरीके से उसको देखेंगे दूसरा होता है प्यारे बच्चों मेरा रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है परिकर्मण एक बार एक ट्रेंड आया था लड़कियों को सेल्फी लेने का बड़ा शौक आ गया था ठीक है वो टेडा मेढा मुंह बना के सेल्फी लेती थी यूं यूं यू करके ना ऐसे तो मतलब जिसको हम पाउट बोलते हैं <laughs> मैं बना के नहीं दिखाऊंगा बट ऐसे बनाते थे ना सेल्फी का बहुत ट्रेंड आ गया था मतलब अलग अलग तरीके से मुंह बना के ना ऐसे सेल्फी लेती तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी को भी एक टाइम का शौक था सो so, क्या हुआ हमने उसके चार फोटो खींचे देखो ये सन है अच्छा सन के चारों तरफ हमारी अर्थ ऐसे जब घूमती है ना ऐसे हमने ऐसे हमने चार जगह पे उसके फोटो ले लिए ठीक है ऐसे घूम भी रही थी अपने एक्सिस के चारों तरफ भी घूम रही थी और वैसे भी तो मैं ऐसे बता देता हूं देखो ये अपने एक्सिस के चारों तरफ भी घूम रही है अब मैंने एक्सिस को थोड़ा सा इंक्लाइंड बनाया तो अभी इस बात को आप भूल जाओ ठीक है बस अभी ये सोचो पृथ्वी है अपने अक्ष के चारों तरफ भी घूम रही है और इसके अलावा प्यारे बच्चों सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है ठीक है आप देख पा रहे हो ऐसे सूर्य के चारों तरफ घूम रही है ठीक है उसमें किसके चारों तरफ घूमती थी अक्ष चार के चारों तरफ एक्सेस के चारों तरफ इसमें किसके चारों तरफ घूम रही है प्यारे बच्चों अपने सूर्य के चारों तरफ और ये जिस

फिर इसने वेट कम किया तो पाउट और निकल के आया ठीक है सितंबर और ये बिल्कुल लीन गाना नीचे ना वो लक ट्वेंटी एट कुड़ीदा ठीक है तो वो वाली बात है यार वेट फोर्टी सेवन हो गया था तो फिर एक फोटो और ली हमने सो ये क्या हो गया दिसंबर सो मतलब मैं कह रहा हूं कि चार टाइम पे हम ऐसे फोटो लेते हैं ठीक है ये बारह महीने का साइकिल होता है ऐसे ठीक है तो अगर आप इसको बोले तो ऐसे जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है ना उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन ठीक है परिभ्रमण अच्छा अब इसमें भी तीन बातें वही याद रखनी है पहली दूसरी और तीसरी पहली क्या याद रखनी है सर पहला याद रखेंगे सर ड्यूरेशन कितना ड्यूरेशन होता है बताओ बताओ भाई ड्यूरेशन बताओ बताओ फटाफट से वट इज द ड्यूरेशन इसका कार्यकाल कितना होता है इसका कार्यकाल होता है सर तीन सौ पैंसठ सही एक बटा चार दिन थ्री सिक्स एंड क्या करता हूं ना इसको हम 365 ही मानते हैं डेज फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस लिखा हुआ इस किताब में हम एक बटा चार को ना छह घंटे को छोड़ देते हैं बट ये छोड़ा हुआ चार साल में एक दिन बन जाता है ठीक है तो फिर अपने को उसको ऐड करना पड़ता है एक दिन उसको हम बोल देते हैं फिर लीप ईयर अब एक बटा चार छोड़ दिया ना मैंने अब एक बटा चार एक साल में छोड़ा चार साल में कितना बन जाए एक तो आफ्टर एवरी फोर ईयर आफ्टर फोर ईयर वी विल एड थ्री सिक्सटी फाइव प्लस वन कितने हो गए मेरे पास थ्री सिक्सटी सिक्स डेज और इस थ्री सिक्सटी डेज वाले ईयर को हम क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों लीप ईयर क्या बोलते हैं इसको लीप ईयर तो ये बात भी समझ में आ गई ड्यूरेशन खत्म अब आते हैं प्यारे बच्चों डायरेक्शन के ऊपर सर दिशा देखो बिल्कुल साफ सुलझी बातें बताऊंगा मैं तुम्हें बिल्कुल दिमाग में चीजें क्लियर आप लोगों से पहले बहुत सारे लोग आए थे जिनका ज्योग्राफी एक नाइटमेयर था आज उनसे पूछ के देखो ज्योग्राफी यू यू करते हैं यू ठीक है मजाक नहीं कर रहा पूछ के देख लेना ठीक है पूछ लेना तभी पढ़ना डायरेक्शन क्या है दोस्तों डायरेक्शन है सर वेस्ट टू ईस्ट सेम पश्चिम से पूर्व अच्छा सर इसके इफेक्ट क्या है प्रभाव क्या है सर इसका भी प्रभाव है आपके सीजन फॉर्मेशन कई बच्चे इसमें थोड़ी गलती कर देते हैं सीजन फॉर्मेशन मतलब ऋतु परिवर्तन ऋतु बदलना ठीक है इसी की वजह से भारत के अंदर में चार सीजन होते हैं ये जो रिलेटिव मूवमेंट होता है ना इसी की वजह से इंडिया में चार सीजन होते हैं कौन कौन से होते हैं बताओ मुझे फोर सीजन सर समर गर्मी सर विंटर शीतकालीन ऋतु शर्द ऋतु उसके बाद सर स्प्रिंग और ऑटम ठीक है ये चार सीजन इसी की वजह से होते हैं क्योंकि ये चारों इसके चारों तरफ घूम रही है ऐसे ठीक है तो ये जो सीजन फॉर्मेशन है और कौन से सीजन फॉर्मेशन ये वाले तो कोई पूछे कि रिवॉल्यूशन के कारण क्या 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 होता है तो आप बोलोगे बोलोगे सर सीजन फॉर्मेशन होते हैं आवाज नहीं आ रही मुझे आवाज आएगी भी कैसे लिखोगे तब आएगी सीजन फॉर्मेशन होता है याद रखोगे ध्यान रखो जब हम रोटेट की होने की बात करते हैं रोटेशन की तो उससे डे नाइट बनते हैं जब हम रिवॉल्यूशन की बात करते हैं सूर्य के चारों तरफ घूमता है तो उससे आपके क्या होते हैं उससे सर सीजन चेंज होते हैं चार प्रकार के हमारे सीजन है बाकी मैंने तुम्हें बात बता दी लिपियर वाली बात भी बता दी कैसे घूमती है बात बता दी अब थोड़ा सा इसी को ना प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखते हैं ठीक है तो तुम्हें और भी मजा आएगा तो मैंने मोशन ऑफ अर्थ आपको पढ़ाना शुरू किया था मैंने आपको बता भी दिया कि देर आर द टू टाइप ऑफ मोशन है। ठीक है बट आप बोले सर बताओ मोशन ऑफ अर्थ तो मैंने आपको बताया देर आर द टू टाइप ऑफ मोशन फर्स्ट इज रोटेशन सेकंड इज द रिवॉल्यूशन यही पढ़ा है ना मैंने देख लो तुम पढ़ोगे तो यही मिलेगी तुम्हें रोटेशन किसके अलोंग होता है दोस्तों रोटेशन होता है इट्स एक्सिस मतलब अक्ष और रिवॉल्यूशन होता है की. मैंने बताया था अगर मान लो पृथ्वी आज ऐसे घूम रही है और कल ऐसे घूमने लग जाए तो हम फिर उसको ग्रह नहीं बोलते मैंने बताया था पीछे वाले चैप्टर देखना सोलर सिस्टम के अंदर वहां मैंने पढ़ाया हुआ था एन फॉर एन Uh, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को ग्रह अगर बनना है तो देर इज अ कंडीशन एंड देर इज अ क्वालिफिकेशन और वो क्या है दोस्तों कि उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों एक फिक्स ऑर्बिट में अच्छा बच्चों यार गलती से ना क्लास तीन बजे लगी मेरे को याद नहीं था मुझे लगा साढ़े तीन बजे दिमाग कमजोर हो रखा है मेरा बुढ़्ढा हो रहा हूं ठीक है तो अपन पहले साढ़े तीन तक इसको करेंगे और फिर साढ़े तीन बजे प्लस उस पर स्पेशल क्लास लगी हुई है तो उसको हम साढ़े तीन बजे निपटाएंगे ठीक है साढ़े तीन बजे निपटाएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को बताओ ठीक है साढ़े तीन बजे निपटा लेंगे ना उसको तो थोड़ा सा मतलब क्षमा कर देना उधर उधर जाके बता भी देना कोई बच्चा वेट कर रहा हो ना तो बोल देना कि गलती से तीन बजे लग गया तो अपन साढ़े तीन बजे उस क्लास को करेंगे ठीक है भाई अरे एक बार बता दो यार नाराज़ हो यार तुम मेरे से सारे के सारे हाँ भाई नाराज हो ना नाराज हो यार नाराज मत हो ना ठीक है कोई मैं मानता हूँ पिछले कुछ समय से मेरी क्लासेस लगातार नहीं हो रही और बहुत गैप चल रहा है मैं मानता हूँ ठीक है बट आई विल कंपनसेट दैट यार ट्रस्ट मी ठीक है मतलब आप मेरे पे इस पर भरोसा कर सकते हो और उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ यार कुछ ऐसे अनएक्सप्लेन रीज़न है कि मैं बता ही नहीं सकता मतलब कोई रीज़न है नहीं ऐसा ठीक है, है। बट अभी चल रहा था कुछ तो क्या था ब्रेक भी था यार बच्चे को पेपर वेपर दिया था एक सेशन था दूसरे सेशन पे आते हैं ना तो हम भी पूरे साल काम करके तो वो भी था एक यार थोड़ा थकावट ये वो ठीक है तो मे भी इसकी वजह तो मैं माफी चाहता हूँ नाराज मत होना बस आप लोग ठीक है नाराज मत हो ना दोस्त हो ना, यार सारे मेरे ठीक है चलिए सो मैंने बताया रोटेशन और रिवोल्यूशन अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैंने ऑर्बिट तो बता दिया आपको आप मुझे कोई भी बच्चा एक्सिस की डेफिनेशन अगर बता सकता है तो बहुत अच्छा होगा कोई भी बता सकता है जो मुझे एक्सिस की डेफिनेशन बताएगा ना उसकी मैं शादी करवाऊंगा बढ़िया रिश्ता घर पे भिजवाऊंगा उसके में अब मैंने मैरिज ब्यूरो भी खोल लिया है ठीक है तुम इसका जवाब दो मैं तुम्हें तो बढ़िया रिश्ता करवाऊंगा ठीक है लड़की भी आई की तैयारी कर रही होगी और आप भी आई की तैयारी कर रहे हैं ठीक है ना तो बढ़िया रिश्ता करवाऊंगा आपका मैं जो मुझे सही जवाब देगा इसका सो मैं डिस्कस कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों किसकी दोस्तों रोटेशन की रोटेशन मतलब सर

हमारे पास बहुत सारे लैटीट्यूड थे तो लैटीट्यूड होते क्या हैं सर देखो बच्चों ये मेरे पास पृथ्वी है है ना पृथ्वी ऐसी भाई ऐसी है या कैसी और है ऐसी है सर बस ठीक है थोड़ी स्टेडी मेडी बन जाती है है ना ऐसी ये पृथ्वी है अपनी ठीक है जियोइड शेप की अच्छा इसके अंदर में सर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन हम जब खींचते हैं ना एक एक डिग्री के डिफरेंस पे खींचते हैं हम ऐसे तो इन्हीं को हम बोलते हैं सर लेटीट्यूड बताया था मैंने आपको ठीक है so these lines are latitudes अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो लैटिट्यूड्स ला वाली लाइन होती ना, है ना ऐसी हमारी ठीक है इनमें से सारी लाइन हम नहीं लेते ये तो बहुत सारी लाइन खींचती है सर ऐसे हाँ तो हम इनमें से कुछ लैटिट्यूड को फिक्स करते हैं ठीक है फॉर द सेक ऑफ अवर कन्वीनियंस और वो लैटिट्यूड कौन कौन से हैं चलो मैं बताता हूँ तुम्हें देखो वो लैटिट्यूड इसमें से सारे नहीं लेंगे हम हम इसमें से कुछ लैटीट्यूड प्यारे बच्चों क्या करते हैं फिक्स करते हैं अब वो लैटीट्यूड कौन से होंगे सर देखो सबसे पहले ये वाला जो पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है दिख गया आपको इसको हम बोलते हैं जीरो डिग्री इसके ऊपर ये जो पूरा जाता है ना इसको हम बोलते हैं नॉर्थ हेमी उत्तरी गोलार्ध और इसको हम बोलते हैं साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध जीरो डिग्री इसके अलावा अब ये अकेली लाइन से बात नहीं बनती मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है इसके अलावा एक लाइन ये है मेरे पास दिस इज ट्वेंटी थ्री हाफ नॉर्थ दिस वन दिस इज सिक्सटी सिक्स एंड हाफ नॉर्थ एंड दिस इज नाइंटी डिग्री नॉर्थ ऐसे दिस इज नाइन्टी डिग्री साउथ दिस इज नाइन्टी डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज नाइन्टी डिग्री साउथ अच्छा सबका एक नाम है याद है ना आपको सर दिस जीरो डिग्री इज नथिंग बट नॉन एज इक्वेटर सर इन दिन बता दो हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों भूमध्य रेखा है ना क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा दूसरा इसको हम बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको क्या बोलते हैं हम हम कर्क रेखा इसको क्या बोलते हैं पता आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मटर रेखा अरे मकर कहते हैं मटर पनीर मक बना देना तुम यहां पे ठीक है भूख भी लग रही है सर लंच का टाइम हो रहा है दिस इज नॉन एज आर्टिक सर्कल ठीक है हिंदी में भी सेम कहेंगे एंड दिस इज नॉन एज एंटार्क्टिका सर्किल बस सर्किल को वृत्त कह देना बाकी सब सेम है दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज अवर साउथ पोल ठीक है यानी कि दक्षिणी ध्रुव और इसको क्या बोलते हैं हम बच्चों उत्तरी ध्रुव अब मैंने आपसे क्या पूछा है ये लैटिट्यूड थे अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सर व्हाट इज एक्सिस सो एक्सिस क्या होता है तो सर ऐसी कोई कोई भी काल्पनिक तो, कोई भी काल्पनिक काल्पनिक लाइन जो 90 90 डिग्री डिग्री है है जैसे नॉर्थ तो ऐसी रेखा जो 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से जोड़े ठीक है कोई भी ऐसी काल्पनिक रेखा जो नाइंटी नॉर्थ को किससे जोड़े साउथ से जोड़े क्या कहते हैं उसको एक्सिस so, आज के बाद कोई भी अगर आपसे पूछे एक्सिस क्या होता है अक्ष क्या होता है तो आपकी परिभाषा क्या होगी सर सर कोई भी ऐसी रेखा जो 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से जोड़े इसका मतलब सर जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़े वो इमेजिनरी लाइन उस काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं एक्सिस आप मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझे फिर समझाता हूं देखो फिर समझाता हूं फिर से समझाऊंगा देखो मान लो ये पृथ्वी है और अगर मैं कह रहा हूं ये एक्सिस है मैं बोल रहा हूं ठीक है मैं बोल रहा हूं ये एक्सिस है तो इसका मतलब क्या होगा सर इसका मतलब बड़ा साफ साफ है कि ये बिंदु क्या होगा बताओ जल्दी सर ये बिंदु होगा नब्बे डिग्री नॉर्थ और ये बिंदु क्या होगा सर नब्बे डिग्री साउथ आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट भाई बात मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे भाई मैंने बोला कि सर अगर एक पॉइंट है एक लाइन है मेरे पास जिसको मैं एक्सिस बोल रहा हूं अगर ये एक्सिस है ठीक है तो हम इसको क्या बोलेंगे सर सर ये 90 डिग्री नॉर्थ है तो ये 90 डिग्री क्या होगा साउथ आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों ठीक है? क्लियर है ना हाँ, आज के बाद बच रुकोगे रुकेगे नहीं ना कोई भी आपसे पूछेगा झट से जवाब दोगे आप ये नॉर्थ साउथ अच्छा सुनो ये नब्बे डिग्री नॉर्थ साउथ है तो बाकी लाइने भी खींच दोगे आप ये जीरो डिग्री हो गया सर ये साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ हो गया सर यह साढ़े नॉर्थ हो गया सर ये साढ़े तेईस डिग्री साउथ हो गया सर ठीक है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट मैं बता रहा हूं ये साढ़े छियासठ साउथ हो गया ठीक है सही है चलो ठीक है अगर मैं आपसे अब एक सवाल पूछता हूं मैं कहता हूं कि ये मेरी पृथ्वी है और मैं बोल दू ये एक्सिज है कैसा पॉसिबल है पॉसिबल है ऐसा हा है पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है और हमें पता भी आगे पढ़ेंगे पृथ्वी इनक्लाइंड है तो अगर ऐसा है अगर ये एक्सिज है तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ये पॉइंट क्या है तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं ये नब्बे डिग्री नॉर्थ है और ये नब्बे डिग्री साउथ है बस हुआ क्या है कि पृथ्वी अपने राइट साइड में झुक गई है थोड़ा सा है ना बस तो अगर ये 90 डिग्री नॉर्थ साउथ है, और ये क्या होगा सर ये होगा सर साढ़े छियासठ डिग्री साउथ हो गया ना सिंपल ठीक है तो ये दिस केस ये दिस केस ये नॉर्मल केस में होता है ठीक है जो हम समझने के लिए लेते हैं और ये कब होता है जब पृथ्वी इंक्लाइंड होती है ठीक है इंक्लाइंड अर्थ के केस में होता है और पृथ्वी वास्तव में ऐसे झुकी होती है तो ऐसा ही सिस्टम बनता है ठीक है ऐसा होता है पृथ्वी और ऐसे पृथ्वी घूम रही है वेस्ट से ईस्ट अपने एक्सेस के चारों तरफ ठीक है ना आ रही मेरी बात समझ में ठीक है आ रही ये एडवांस वर्जन है ये मैं इस टॉपिक में एनसीईआरटी में कवर नहीं है सिक्स क्लास में बट एट्थ या नाइन्थ क्लास में आएगा तब मैं वहां पे आपको पढ़ाऊंगा बाकी अभी पढ़ना है किसी बच्चे को तो ज्योग्राफी वन ओ वन मेरा लेक्चर है वहां पे जाके आप देखेंगे तो कंप्लीट आपको इतने डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा मैंने इतना पढ़ा रखा है वहां पे ठीक है तो वो मैंने कराया हुआ है समझ में आई बात ये दो चीजें होगी ऑर्बिट मैंने बताई दिया हमने एक्सिस भी पढ़ लिया बहुत अच्छे से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब रोटेशन कुछ ऐसे होता है प्यारे बच्चों ये अपनी पृथ्वी है घूम रही है ना कैसे मजे से घूम रही है सामने आ गया कौन ये सूर्य भगवान आ गया ना मस्त चमक रहा है भाई और यहां पर यह लाइन जो है इसको मैंने क्या नाम दे दिया दोस्तों दिस इज एक्सिस 90 डिग्री नॉर्थ एंड दिस पॉइंट शुड बी 90 डिग्री साउथ अब मैं सिर्फ पढ़ने के रेस्पेक्टिव से कर रहा हूं तो मैं ऐसा लेके चल रहा हूं अब वो 90 डिग्री नॉर्थ साउथ है तो आप बताओ मुझे सर ये जीरो डिग्री होगा सर ये ट्वेंटी थ्री हाफ नॉर्थ होगा सर ये 66 हाफ नॉर्थ होगा वो 90 डिग्री ये ट्वेंटी थ्री हाफ साउथ ये सिक्सटी हाफ साउथ ऐसे हो जाएगा जो भाग सूर्य के सामने होगा ठीक है आप देख लो अब एक्सिस को भूल जाओ अभी मान लो एक्सिस ना हो अब मैं आपसे पूछूं कितने भाग पर लाइट पड़ेगी सर हाफ पार्ट पे अब वो हमारी गलती नहीं है हाफ पार्ट एक्सिस से गुजर रहा है हमारी गलती नहीं है ये तो गुजर रहा है ठीक है इस केस में जब पृथ्वी को हम सीधा लेके चलते हैं ना मान के तो एक्सिस बीच से गुजरता है तो ये पॉइंट ये हाफ पार्ट हो गया ठीक है इसको ये क्या हो गया दोस्तों आपका हाफ पार्ट ये इसका आधा भाग हो गया तो इसके हाफ में आगे क्या होगा प्यारे बच्चों बताओ इसके इसके आगे होगा होगा सर डे और और पीछे क्या होगा? नाइट यस नो हाँ सर तो ऐसी काल्पनिक रेखा है ना जो दिन और रात को अलग कर रही है अगर मैं पूरी पृथ्वी कि आपको डे और नाइट को अलग कौन करती है तो ये काल्पनिक रेखा तो ऐसी काल्पनिक रेखा को हम बोल देते हैं लाइन या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हिंदी में बोलते हैं प्रतिवित रेखा इन दिस केस शॉर्ट में लिखते हैं एल आई इन दिस केस एल ओ आई इज इक्वल है लेकिन ये क्या हर बार बराबर होता है बच्चों नहीं सर ये हर बार बराबर होता है नहीं होता भाई ठीक है सो एल आई इन दिस केस इज इक्वल टू एक्सिस बट इन एवरी केस ऐसा नहीं है अगर मैं पृथ्वी को थोड़ा झुका दूंगा ना तो एलओ आई और एक्सिस कभी बराबर नहीं होंगे ये बात आप मेरी समझे दोस्तों यहां पर ठीक है डन ये बात समझ गए ना सारे के सारे बच्चे ठीक है सो दिस इज नॉ नॉन एज रोटेशन है पूरा ऐसे घूमता रहता है आप आप देख लो ठीक है ये मैंने पीपीटी से स्लाइड में आपको एनिमेटेड करके दिखा दिया है so सो तो वास्तव में एनिमेशन ऐसा होता है देखो जो भाग सूरज के सामने इस लाइन के सामने आता रहेगा जैसे ये आ गया देखो ये अब जो आता रहेगा दिन जो पीछे रहेगा वो रात अच्छा सुनो मान लो पृथ्वी ऐसे घूमती ना तो एक केस लेके चलते हैं आईपूथर टिकल के वैसे तो घूम रही है अगर मैं कह दू ऐसे घूमे ना तो क्या होगा बताओ अगर भाई पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा बताओ जल्दी से पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी हाँ वो भी कह सकते हो आप लेकिन इतनी एक्सट्रीम मत जाओ ठीक है पृथ्वी अगर ना घूमती ना तो पृथ्वी के आधे भाग पे हमेशा दिन रहता और आधे भाग पे हमेशा रात रहती ऐसा होता ना यस सर है ना फिर ऐसा होता सर तो ये बात आप याद रखना अगर पृथ्वी एक होती ना तो दिन रात नहीं बनते ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब दूसरा पार्ट है रिवॉल्यूशन देखो कैसे फर्राटेदार घूम रही है है ना और यहां पर भी अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों देखो झुकी हुई है इनक्लाइंड है ना थोड़ा सा ऐसे इनक्लाइंड है हमने ऐसे झुकाई थी इसमें ऐसा दिखाया हुआ है ठीक है तो वो कोई बात नहीं इसकी गलती है मैं आपसे इसके लिए माफी चाहता हूँ ठीक है तो आप देख रहे हो इनक्लाइंड है ना वास्तव में पृथ्वी झुकी हुई होती है और ऐसे देखो घूम रही है फर्राटेदार ठीक है ये जिस ऑर्बिट में देखो ये पाथ फिक्स है हर बार इसी पाथ से घूम के जाती है इस पाथ को हम क्या बोलते हैं पता है आपको इस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट ठीक है तो ऑर्बिट क्या है जैसे मैंने एक्सिस पढ़ाया था अब ऑर्बिट कोई आपसे पूछे तो क्या होता होता है है सर ऑर्बिट ऑर्बिट मतलब मतलब कक्ष मतलब कक्ष ये वो जिससे पृथ्वी रेगुलर सूर्य के चारों तरफ आपका घूमती रहती है इसको बोलते हैं ऑर्बिट ये ऑर्बिट इलिप्टिकल शेप का है ठीक है इलिप्टिकल का मतलब क्या है यहां पर अगर आप देखोगे ना तो डिस्टेंस क्या है सबसे ज्यादा है ना यहां पर ये मैक्सिमम डिस्टेंस है और यहां पर डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों आपका मिनिमम ठीक है तो जब डिस्टेंस मैक्सिमम होती है तो उसको हम बोलते हैं अपहिलियन और जब यहां पे मिनिमम होती है तो उसको हम बोलते हैं पेरीहिलियन ठीक है अपीलियन और पेरीलियन का कॉन्सेप्ट मतलब जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो कब होती है सर अधिकतम जून तीन जून और सबसे कम कब होती है सर जनवरी तीन या चार जून या कुछ ऐसा है जनवरी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है डेट याद नहीं है मेरे को ठीक है बट शायद चार चार जून को सबसे दूर होती है तीन जनवरी को शायद सबसे पास होती है पेरिलियन और अपीलियन बोलते हैं उसको ठीक है अपीलियन मतलब सबसे दूर और पेरिलियन मतलब जब पृथ्वी और सूरज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है ठीक है ये हमने पढ़ लिया अब रिवॉल्यूशन को थोड़ा सा हम और मतलब ये हो गया रोटेशन ये हो गया रिवॉल्यूशन ठीक है अब होता क्या है ना दोस्तों हमने अभी आपको बताया था पृथ्वी सीधी नहीं घूमती पृथ्वी क्या है इंक्लाइंड है पृथ्वी सीधी नहीं है थोड़ी सी इंक्लाइंड है देखो नॉर्मल केस में हम क्या मानते हैं कि पृथ्वी ऐसे है ये पृथ्वी का एक्सिस और ऐसे घूमती है बट वास्तविकता ये नहीं है पृथ्वी ऐसी नहीं है पृथ्वी वास्तविकता में ऐसे है ठीक है पृथ्वी ऐसे है और ऐसे का मतलब यहां पर घूम रही है तो दिस इज नॉट द केस इन रियालिटी बट दिस इज द केस वास्तव में पृथ्वी क्या इंक्लाइंड है इंक्लिनेशन है So, पृथ्वी कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जो प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट है ऑर्बिट और यहां पर क्या है प्लेन ऑफ ऑर्बिटल प्लेन तो याद रखना ऑर्बिटल प्लेन से हमेशा हमारा एंगल तेईस डिग्री का बनता है और अर्थ का जो ऑर्बिट है इससे हमारा एंगल कितना बनता है सिक्सटी सिक्स कुछ ना है? सिंपल सी बात है सुनो मेरी बात ये एंगल है साढ़े छियासठ डिग्री का तो ये कितना बचा साढ़े तेईस बस सिंपल सी बात है आप सिंपल याद रखो कि पृथ्वी जो है अपना द प्लेन ऑफ अर्थ एक्सिस एंगल बनाती है और जो ऑर्बिटल प्लेन है वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन तो उससे एंगल कितना है उसका 23 है? ये याद रखना तो ये है आपका तो सिंपल अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो आपका झुकी हुई है ठीक है अच्छा कितना झुकी हुई है सर अभी मैंने बताया आपको अगर आप ये एंगल चेक करोगे तो सर साढ़े तेईस डिग्री है बट ये एंगल कितना होगा एंड हाफ पर यूजुअली आप कितना मानते हो एंड हाफ अब सवाल आपसे पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाएगा ठीक है आपसे पूछा जाएगा कि आपको मैंने बताया अभी अभी बताया कि ये जो होता है ना इसकी वजह से क्या होता है प्यारे बच्चों डे नाइट फॉर्मेशन होती है होती है ना भाई इसकी वजह से दिन रात बनते हैं इसकी वजह से क्या होता है बच्चों सर इसकी वजह से हमारी सीजन फॉर्मेशन होती हैं अभी बताया ना मैंने अब मैं ये पूछ रहा हूं इससे क्या होता है ये किसी को नहीं पता होगा बताओ इससे क्या होता है सर बताइए तीन जनवरी को अर्थ सन के सबसे पास होता है किसने बोल दिया किसने बोला इसलिए बोल रहे ना आप क्योंकि उस दिन थोड़ा ठंड होती है तो इसलिए कह रहे हो आप सर ठीक है हाँ सबसे पास होता है वही मैं बोल रहा हूं सॉरी जनवरी को सबसे पास होता है इसीलिए उसको बोलता है बोला जाता है पेरीहिलियन और चार जून को शायद उसको बोला जाता है अपीलियन ठीक है थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है इसमें थोड़ी डेट ऊपर नीचे रखी है तो वो मैं एक बार चेक कर लूंगा एक बार आप भी कर लेना कोरियोलिस फोर्स यहां पे नहीं है भाई कोरियोलिस फोर्स को भूल जाओ अभी कोरियोलिस्ट फोर्स नहीं हो तो मेरे को ये बताओ सर इंक्लिनेशन मतलब झुकाव पृथ्वी जो अपने एक्सिस से झुकी हुई है ये जो झुकाव है इसके प्रभाव क्या होंगे वट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस इंक्लिनेशन जो बताएगा मुझे फिर से बता रहा हूं उसकी एक बढ़िया सा रिश्ता करवाया जाएगा उसके घर पर रिश्ता भेजा जाएगा लड़का होगा तो लड़की का और लड़की होगी तो लड़के का ठीक है डे नाइट फॉर्मेशन होगा एंड सीजन फॉर्मेशन बहुत होता है शिवानशु ने मौका मार लिया भाई <laughs> देखो सर इससे दोनों चीजें होती हैं। अगर मैं बात करूं रोटेशन से रोटेशन से क्या होता था प्यारे बच्चों डे नाइट तो इससे डे नाइट पर भी फर्क पड़ता है और इससे सीजन फॉर्मेशन पर भी फर्क पड़ता है डे नाइट में क्या फर्क पड़ता है पता है? आपको डे नाइट में इसकी ड्यूरेशन चेंज होती है ठीक है और सीजन फॉर्मेशन में भी इसका प्रभाव पड़ता है ठीक है जो ऋतु परिवर्तन है सीजन फॉर्मेशन जो है और उसकी जो इंटेंसिटी है इस पर भी प्रभाव पड़ता है जो कई बार आप देखते हो नहीं हो जैसे अभी आप, आप हम क्या देखते हैं ड्यूरेशन चेंज का मतलब क्या है जैसे हम बात करते हैं इक्वेटर पे कुछ नहीं होता इक्वेटर पे बराबर होता है बट अपने यहां देखते हैं ना कभी दिन क्या होते हैं बड़े दिन बड़े होंगी तो रातें क्या होंगी आपकी छोटी है ना और कई बार क्या होता है दोस्तों बताओ कई बार दिन छोटे होते हैं और ये लंबी लंबी राते है ना भाई रातें लंबिया है भाई इस उम्र में बहुत तो लंबी लंबी रातें हो रही होंगी हैं नहीं होती होंगी ना अरे बता दो यार अब फिर नाराज हो गए तुम फिर नाराज हो गए ना हाँ फोर्थ जुलाई होता है वो ठीक है अरे मैं उसमें थोड़ा कन्फ्यूज हूं तो मैं बताता रहा हूं। मैं अभी बाद में आगे बता दूंगा आगे वाले टॉपिक में अभी मेरे को याद नहीं है हाँ इकोनॉमिक्स की एनसीआरटी भी करवा देंगे ठीक है करा दूंगा कोई दिक्कत नहीं करा दूंगा एमडी खान रुको थोड़ा सा रुको यार रुको जरा जरा रुको भाव से मिलवा दूंगा अगर इतनी जल्दी करोगे तो जरा रुको भाई तो इसे दोनों चीज होती है डे नाइट का ड्यूरेशन जो दिन रात की अवधि बदलती है ना वो इसी की वजह से होता है और साथ साथ जो आपका सीजन फॉर्मेशन की इंटेंसिटी अब देखो कई बच्चों के मन में ना क्यू नाम का कीड़ा जन जन्म लेता है कि सर ऐसा क्यों होता है इससे दोनों चीजें क्यू कई होंगे ऐसे अगेन मैं बोलता हूँ कुछ तो आइंस्टीन के फूफा फूफी वो तो उनका तो अलग ही लेवल है लेकिन कुछ ऐसे यूपीएससी एक्सपेरेंट होते हैं जिनके अंदर क्यू नाम का कीड़ा होता है मेरे अंदर भी था तो उस क्यू नाम के की कीड़े की मेरे पास एक दवाई भी है कहोगे तो दे दूंगा अगर वो दवाई लेनी है ना तो यही टॉपिक जाके आप कहां पर देखोगे जोग्राफी 101 अपना ही चैनल है ये यूट्यूब चैनल है ठीक है यूट्यूब चैनल क्योंकि देखो यहां पर मैं वही पढ़ाऊंगा जो एनसीआर में दिया एनसीआरटी में इतना ही दिया है वहाँ पर आपको अगर पूरा पढ़ना है तो आपको उस वाले चैनल पे जाइएगा और एक बार देखिएगा ठीक है मैंने उस पर कंप्लीट कराया हुआ है ठीक है आपको कंप्लीट मिल जाएगा उस पर जाके एक बार देखोगे तो सही देख लोगे ना फिर नाराज हो गए तुम सारे के सारे हाँ भाई देख लोगे वहां जाके देख लेना हो जाएगा ठीक है आई एस बैसाखी हाँ वो जोग्रफी वन जीरो वन चैनल पे है मेरा ही चैनल है एक बार जाके उस पर देख लेना वहां पर मैंने कराया हुआ है ठीक है ये देखो इंक्लिनेशन से क्या होता है ना वास्तव में हम ऐसा सोचते हैं कि पृथ्वी जो है ऐसे अपने सीधे एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घूम रही है हम ऐसा मानते हैं कि जो पृथ्वी है ना वो कुछ ऐसे है मतलब ये एक्सेस है ऐसे घूम रही है हम ऐसा मानते हैं ठीक है हमारे मानने से थोड़ी कुछ होता है हम ऐसा मानते हैं कि ऐसे घूम रही है बट वास्तविकता क्या है दोस्तों वास्तविकता ये है पृथ्वी जो है ना ऐसे नहीं है ये देखो झुकी हुई है ठीक है कितनी झुकी हुई है ये एंगल अगर मैं लेता हूं तो ये एंगल है आपका ट्वेंटी थ्री एंड हाफ समझ में आ गई बात तो अर्थ जो है ऐसे झुकी हुई है ठीक है डन क्लियर है जल्दी से ओके की रिपोर्ट करते राघव तुम भूल गए हो, और वीडियो लाइक कौन करेगा यार देखो 500 लाइक भी ना पूछे अपने यार सारे के सारे वीडियो लाइक करो जितने बच्चे हैं कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने नहीं किया वीडियो लाइक करो फटाफट से अरे अरे आइएस वैसा थैंक यू थैंक यू थैंक यू अच्छा की हुई है ओके okay, ओके okay. शिफा इरफान ठीक है अगर आपने पहले से की हुई है तो जस्ट चार दिन दे दो मेरे को आठवीं क्लास की एनसीईआरटी अभी शुरू कर दूंगा चार दिन में इसको मैं खत्म कर दूंगा है ना मल्टीपल सेशन होंगे आज ही मैं कम से कम इसकी दो से तीन क्लास लगा दूंगा इसी क्लास मतलब एक अभी रात को नौ बजे भी करूंगा उसके बाद हो सकता है ग्यारह बजे भी क्लास कर दू तो वो हो जाएंगी तो मैं इसको चार दिन में खत्म कर दूंगा फिर एट्थ क्लास की एनसीआरटी से आप कर ले तब तक एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका ठीक है सो दिस इज इंक्लीशन है ना अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ये angle of illumination कह दो या आपका लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन मैंने बताया था क्या होता है आप देखो वास्तव में पोल और पोल हमारा ऐसा होता है अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था नॉर्थ पोल तो यहां है झुकी हुई है भाई साहब कह रहा है कि एक्सिस है तो मैंने बताया था अगर ये एक्सिस बोलेगा तो ये क्या हो गया नब्बे डिग्री नॉर्थ ये हो गया नब्बे डिग्री साउथ लाइन क्या होगी हमारे पास जीरो छियासठ डिग्री नॉर्थ है ना ऐसे ही सर ये क्या हो गया और इस केस में, अपना ये होता है दिस इज एक्सेस अक्ष लेकिन सामने सूरज महाराज है और सूरज भगवान कितने पे इस पे प्रकाश डालता है दोस्तों इसके हाफ पार्ट पे आधे भाग पर ठीक है सूर्य का प्रकाश आधे पे पड़ेगा और इसका आधा क्या है पृथ्वी का आधा ये नहीं है पृथ्वी का आधा पृथ्वी का आधा ये ठीक है हा भाई एक शराबी आदमी जो है वो दारू पीने से पहले आधा लेके आता है ठीक है तो आधा वही है अब शराब पीने के बाद में आधा लेने जाएगा तो आधा तो रहेगा उतना ही अभी थोड़े ना उसको नशा हो गया तो आधा बदल जाएगा तो मैं वही बोल रहा हूं पहले भी हाफ यही था और पृथ्वी झुक गई तो भी हाफ यही होगा लेकिन इन दिस केस बोल बोल दो दो तो in this case, मैंने बताया था ना ना हमेशा हमेशा बराबर नहीं होता के ये चीज़ आप आगे जो मेरा डिटेल है न, जो वन उन, उसमें जाके देखेंगे ठीक है तो उसमें आपको पता चल जाएगा तो आपको ध्यान रखना है दिस थिंग ठीक है तो ये चीज है एल इज नॉट इक्वल टू एक्सिस इन दिस केस तो ऐसा भी होता है ठीक है सो so, ये जो लाइन होती है एक ऐसी काल्पनिक रेखा एन इमेजनरी लाइन विच सेपरेट विच डिवाइड नाइट उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों ऐसी काल्पनिक रेखा जो दिन को रात से अलग करे उसको हम लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं यह बात कितने बच्चों को समझ में आई या नहीं आई आर एन पूछ रहे हैं सर ग्यारहवीं बारहवीं की एनसीईआरटी कब होगी देख पहले आठवीं की होगी फिर नौवीं फिर दसवीं फिर ग्यारहवीं फिर बारहवीं ऐसे होगी ठीक है ना सीक्वेंस में होगी दोस्त यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हो आप दोस्तों डिवाइड ऐसी काल्पनिक रेखा जो दिन को रात से डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन आर यू गेटिंग माय पॉइंट अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो फटाफट ओके की रिपोर्ट ठोक दो हां बारवी तक कराऊंगा एनसीआर बारह तक कराऊंगा ठीक है सो द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ग्लोब पर रात को दिन से विभाजित करने वाली सर्कल को रोशनी का सर्कल या इल्यूमिनेशन हम कहते हैं लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन इसको हिंदी में प्रतिभित्ति रेखा भी कहते हैं सो दिस इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ठीक है अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों इससे इससे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ये पृथ्वी जो है ना ऐसे देखो सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमती रहती है ठीक है अब अलग अलग टाइम पे इसका प्रकाश अलग अलग जगहों पर पड़ता है मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्बिट होता है और उस ऑर्बिट में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूम रही है ऐसे घूम रही है ना भाई है ना अब ये मेरे पास क्या है दोस्तों दिस इज एक्सिस ये एक्सिस है मेरे पास और एक्सिस ये है तो देखो टेढ़ा होगा ये एक्सिस हो गया मेरे पास और एक्सिस ये है इसका मतलब ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये नब्बे डिग्री साउथ ये इक्वेटर है जीरो डिग्री बनाया हुआ है इसमें तो वास्तविकता में ना वो ऐसे घूमती रहती है ऐसे घूमने से कुछ चीजें बनती हैं और वो कौन सी बनती है ना तो मैंने एक concept पढ़ाया है, LOI plus AOI का। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा पता होगा एलवाई प्लस एज इक्वल टू नब्बे डिग्री है ना याद है किसी बच्चों को फिर हम यहां से क्या करते हैं दोस्तों यहां से हम एलवाई की वैल्यू निकालते थे याद करो ठीक है लोई की वैल्यू निकालते थे और उससे हम बताते थे वही पढ़ाऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे जिन बच्चों को डिटेल में देखना है दिस इन दूट्यूब चैनल इस पे वीडियो है पहले आप ये देख लो उसके बाद देख लेना अब ये जो पूरा है ना इसके अंदर में कुछ स्पेशल डे बनते हैं उनको मैंने यहां बता दिया ठीक है पृथ्वी जो है ना ये सूरज के चारों तरफ देखो ऐसे चक्कर काट रही है ठीक है लाइक इन दिस वे

तो दो विश्व बनते हैं एक तो तेईस सितंबर को और दूसरा इक्कीस मार्च को मतलब इक्कीस मार्च और तेईस सितंबर को पूरी दुनिया में ऑल वर्ल्ड हर देश में दिन और रात बराबर होते हैं ठीक है अभी तेईस सितंबर गया है अपना गया लेटेस्ट तो उसमें दिन और रात क्या होते हैं दोस्तों आपके पूरी दुनिया में बराबर ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें दिन और रात बराबर नहीं होते हैं पूरी दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां हमेशा दिन रात बराबर होते हैं उसका नाम है इक्वेटर जीरो डिग्री जीरो डिग्री पे कभी भी ना दिन बड़ा होता है ना रात जो देश इक्वेटर पे है वहां दिन और रात की अवधि ऑलमोस्ट समान होती है बराबर बराबर होती है याद रखेंगे तो ऐसी ऐसा दिन 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 जिस दिन पूरी दुनिया में रात होते हैं हैं उसको बोलते है विश्व दो दिन होते हैं इक्कीस मार्च और तेईस सितंबर इसको बोलते हैं हम इक्विनॉक्स विश्व दो अलग दिन भी है मेरे पास जैसे एक तो है इक्कीस जून और दूसरा है दोस्तों मेरे पास बाईस दिसंबर याद रखेंगे 21 जून को क्या होता है दोस्तों 21 जून को ये होता है सर उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न में गर्मी होती है इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में इसको हम बोलते हैं समर सोलिस्टिक्स क्योंकि हम तो इंडिया में उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं इसीलिए हम इसको समर सोलिस्टिक्स कहेंगे क्योंकि हमारे यहां गर्मी होती है अगर कोई दक्षिणी गोलार्ध का देश है जैसे ऑस्ट्रेलिया होता तो वो बोलते हैं इसको so, इक्कीस जून को नॉर्थ हेमिस्पेयर में बोला जाता है समर सोलिस्टिक्स और साउथ हेमिस्पेयर में बोला जाता है विंटर सोलिस्टिक्स ठीक है याद रखेंगे अगर समर सॉलिस्टिक्स होगी तो क्या होगा दोस्तों आपका यहां पर हमारे पास सबसे बड़ा दिन होगा लॉन्गेस्ट डे और अगर विंटर सॉलिस्टिक है तो यहां पर क्या होगा दोस्तों बताओ विंटर में क्या होती है रात बड़ी तो यहां पर लॉन्गेस्ट नाइट अच्छा अगर लॉन्गेस्ट डे है तो क्या होगा बताओ शॉर्टेस्ट नाइट और अगर लॉन्गेस्ट नाइट है तो क्या होगा शॉर्टेस्ट डे दिन सबसे छोटा कहने का मतलब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हमारे यहां सबसे बड़ा दिन कब होता है इक्कीस जून और सबसे छोटी रात इक्कीस जून ऐसे ही 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाए तो सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन बात याद रखना ठीक है विंटर इन सदर्न एमोस्फेर विंटर सारे सर्दियों में रात बड़ी होती है अब जैसे अपने यहां दिसंबर आएगा अभी ठीक है अभी 22 दिसंबर को अपने यहां इंडिया में क्या होता है विंटर तो हम इसीलिए क्या बोलते हैं बाईस दिसंबर को विंटर सोलिस्टिक्स बोलते हैं इसको लेकिन इसी को ठीक है अगर मैं बात करूं इसको नॉर्थ हेमिस्पेयर में हम बोलते हैं क्या दोस्तों विंटर सोलिस्टिक्स लेकिन इसी को साउथ हेमिस में क्या बोला जाएगा बताओ समर सोलिस्टिक्स अब विंटर सोलिस्टिक्स का मतलब क्या होगा विंटर का मतलब है सर हमारे यहां पर लॉन्गेस्ट नाइट होगी सबसे बड़ी रात होगी और क्या होगा शॉर्टेस्ट डे यही तो होता है भाई सबसे बड़ा छोटा दिन हमारे यहाँ पे दिसंबर को होता है 22 दिसंबर को है ना और दक्षिण में इसका उल्टा अब दक्षिण में क्या है समर सोलिस्टिक्स हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क संक्रांति कर्क संक्रांति और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों इसको बोलते हैं मकर संक्रांति अब वो मकर संक्रांति नहीं है वो चौदह तारीख वो जनवरी वो संक्रांत होती है ये अलग है तो इस दिन क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि समर सोलिस्टिक्स है इसीलिए यहां पर लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट तो कई बार ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा दिन सबसे बड़ी रात क्या होगी तो आपको ये बताना है हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों बताओ और जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है ना बहुत डिटेल में पढ़ना है ज्योग्राफी 101 पे जाके मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है एल ओ आई प्लस ए नाइनटी डिग्री ये पढ़ लेना किस चैनल पे है दोस्तों अपना ये चैनल पे है ज्योग्राफी 101 तो यहां पर जाकर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए दोस्तों इसको मैं अभी समाप्त करूंगा अभी तुरंत हमारी एक क्लास होगी एनअमी की ऐप के ऊपर स्पेशल क्लास है उम्मीद करता हूं पांच मिनट में करूंगा उसको आप वहां पे ज्वाइन करोगे और इसी का एक सेशन रात में दोबारा होगा और आज करंट अफेयर भी अपना रात को हम करेंगे इसका सेशन होगा ठीक है मेक श्योर sure आप दोबारा आए और इसका सेशन मेरे साथ आप करेंगे और जुड़ेंगे ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग ठीक है मैप दिस इज द चैप्टर ये हम बात करने वाले हैं दोस्तों यार ज्योग्राफी में मैप की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है बहुत अलग भूमिका है डिफरेंट भूमिका है ठीक है मैप के बिना तो मतलब मैं बोलता हूं ज्योग्राफी क्या है दोस्तों पूरी की पूरी ज्योग्राफी इनकम्प्लीट है ज्योग्राफी अधूरी है तो सिक्स क्लास का चैप्टर चार हाफ की ज्योग्राफी को पूरा करता है है ना शरीर आत्मा के बिना अधूरा है है कि नहीं भाई प्रेमी प्रेमिका के बिना अधूरा है या प्रेमिका प्रेमी के बिना अधूरी है इसी प्रकार से ज्योग्राफी मैप के बिना अधूरा है ठीक है तो आज उसको पूरा कर लेते हैं गुड आफ्टरनून मोहित आई एस ट्विंकल अच्छा वो तो अनु को बोल रही हैं प्रज्ञा गुड आफ्टरनून सो so, आज मैं आपको बता देता हूं अरे यार मेरा आशीर्वाद तो सम, आप लोगों के साथ ही है भाई ठीक है मेरा आशीर्वाद नहीं यार मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है यार मेरा साथ आपके साथ है आशीर्वाद बड़े देते हैं ठीक है मैं तो आप ही लोगों में से एक हूं सो गाइज चैप्टर नंबर चार दोस्तों वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैप देखो आपने बहुत मैप पढ़े होंगे ना ठीक है आप कैसे कैसे मैप पढ़ते हो सर सर हम पढ़ते हैं इंडियन मैप ठीक है इंडिया का मैप पढ़ते हैं ठीक है हम पढ़ते हैं सर वर्ल्ड मैप पढ़ते हो ठीक है तो तो ये तो हो गया लोकेशन स्पेसिफिक इसके अलावा भी सर हम पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं सर फिजिकल मैप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते सर हम पढ़ते हैं सर पॉलिटिकल मैप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते सर हम पढ़ते हैं थीमेटिक मैप ठीक है पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते तो ये सारी चीजें हैं आपकी ठीक है तो बस आपको यही बताया गया है इस चैप्टर के माध्यम से कि मैप कितने प्रकार के होते हैं आपको वो पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो वही बातें निकलेंगी जो मैं बताऊंगा ठीक है वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ द ग्लोब लास्ट क्लास में हमने जो है ग्लोब के बारे में आपको बताया थर्ड चैप्टर जो लास्ट क्लास पर डिस्कस किया था ठीक है याद करो जो कल हमने डिस्कस किया था मैं उसकी बात कर रहा हूं उससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देखा लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको यार हमारी जो पृथ्वी है सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका तो हमारी जो पृथ्वी है इसकी शेप क्या है यह आपको पता होना चाहिए तो शेप आप सभी को पता है दोस्तों जियोइड सर हिंदी में क्या लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे इसको जियोइड ठीक है दिस इज द शेप जियोइड ऐसे बोलते हैं आप कहोगे सर जियोइड कैसी होती है तो मैं बता देता हूँ बच्चों दिस इज जियोइड होती तो गोल है बट गोल बोल देंगे तो फिर मैथ आएगा फिर ज्योग्राफी कहां से आई ना ठीक है तो सबको अपनी अपनी हवाबाजी करनी है ठीक है तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया दोस्तों जियोइड ठीक है कुछ ऐसे की है आप इसको अंडे की आकार की कोई संतरा कोई मौसम भी नींबू घिया कुछ कुछ कहते हो आप ठीक है लेकिन सब्जी मार्केट नहीं लगानी हमें फल की मार्केट नहीं लगानी इसलिए जोग्रफी में एक वर्ड हमने रखा है जीवाइड सो so, जीवाइड इंग्लिश में भी जीवाइड कहते हैं हिंदी में भी ये कुछ कुछ ऐसी शेप का होता है ठीक है बस आपको थोड़ा सा याद रखना है अच्छा इसके अंदर में जब इसकी मुझे स्टडी करनी मैं बिल्कुल बेसिक पे जा रहा हूँ फिर से है ना मैप की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको मैं वहां से बता रहा हूं अब देखो ये पृथ्वी है अपनी ठीक है तो जियइड शेप की ऐसे अब मैं कैसे पढ़ूंगा इसको देखो जोग्रफी जो है ना इट्स जोग्राफी का मीनिंग क्या है जब मैं वर्ड बोलता हूं आपके साथ में क्या जोग्राफी ठीक है जब मैं आपको कहता हूं कि दिस इज द वर्ड जियोग्राफी ठीक है वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों भूगोल है ना चलो मैं पीछे वाला एक स्लाइड अलग से लेता हूं तो वहां पे बेटर होगा हुँ? जब मैं वर्ड लिखता हूं ना जोग्राफी तो आप क्या समझते हो बताओ बहुत आसानी से समझाऊंगा ठीक है टेंशन लो बिल्कुल भी यहां मुझे दो वर्ड दिख रहे हैं दोस्तों एक वर्ड दिख रहा है जियो और दूसरा वर्ड क्या दिख रहा है ग्राफी आपको भी दिख रहा है हाँ भाई दिख रहा है कि नहीं जियो का मतलब क्या होता है सर जियो का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड विद अर्थ कोई ऐसी चीज जो पृथ्वी से संबंधित हो एंड ये जो ग्राफी है ना इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या स्टडी स्टडी मतलब अध्ययन ठीक है ऐसे ही एक शब्द हिंदी में भी हम यूज करते हैं हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों भूगोल कहते हो कि नहीं तो यहां पर भी दो वर्ड है तो भू और एक क्या है गोल तो भू जो है भू धरा धरती ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं पृथ्वी को बोलते हैं और गोल जो होता है ये हम इसके अध्ययन से तात्पर्य रखते हैं ठीक है सो ये क्या हो गया इसका अध्ययन अब अर्थ का अध्ययन ही जो है वो क्या होता है दोस्तों अपना भूगोल होता है ठीक है डन अब एक बात बताओ किसी चीज की मुझे स्टडी करनी है ठीक है स्टडी करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए भई मैं कह दूं कि आप एक कमरे में बैठे होंगे आप जिस कमरे में बैठ के अभी पढ़ रहे हैं मैं आपसे बोलूं कि आप उस कमरे की स्टडी करके बताओ मुझे ठीक है आप क्या बताओगे किसी आदमी को देखा मैंने बता बोला कि इसके बारे में बताओ आप बताओ इतनी हाइट थी इतना मोटा था इतना पा... ऐसा ही तो कुछ बताओगे ना तो जब मैं रूम की जब इस रूम में बैठे हो आप उसकी स्टडी कराऊंगा तो क्या बताओगे सर इतना लंबाई है इतनी चौड़ाई है ऐसा ही बताओगे ना एक आदमी है उसके बारे में बताओ सर मोटा इतना लंबा हाइट थी उसकी ठीक है इतनी उसकी मोटाई है इतना मोटा था ऐसा ही तो बताओगे ना एज इतनी थी अभी जो वर्ड यूज करते हो एज हाइट लेंथ वेडथ ये सब क्या है दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर भाई हमने अलग अलग परिमाण बना रखे हैं और इन्हीं परिमाणों के माध्यम से हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं किसकी जोग्राफी की सो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर जो हम सेट करते हैं टू स्टडी द जोग्राफी है ना मतलब टू स्टडी नॉट जोग्राफी एनीथिंग भाई आप मेरी बात समझ रहे हो मैं कह ये बोतल के बारे में बताओ तो आप कहोगे है, है तो बारे में कोई पूछे, हाँ कितनी तो हाइट पूछता है तो इसका मतलब क्या है कि पैरामीटर में पूछ रहा है ना तो सबसे पहले जब भी अपन किसी चीज की स्टडी करते हैं जब भी हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत होती है दोस्तों वी नीड पैरामीटर भाई हमें किसी ना किसी परिमाण की आवश्यकता होती है ठीक है परिमाण या परिमाप की आवश्यकता होती है जिसमें हम उसको मापते हैं ठीक है हमें उसको मीजर करना है तो भाई जैसे आपने कहा आप सिंपल एग्जाम्पल लो जिस कमरे में आप बैठे हो तो उस कमरे का एक परिमाप होगा कि नहीं भाई लंबाई होगी चौड़ाई होगी ऊंचाई ऐसा होगा कि नहीं होगा तो मैं वही बोल रहा हूँ जब भी किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो वी नीड सम पैरामीटर हमें उसका परिमाण चाहिए होता है अब आप जिस कमरे में बैठे हो दोस्तों पक्का आयत के आकार का है ठीक है रेक्टेंगुलर है इसीलिए आप उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ऐसे सब बता देते हो ठीक है अब लंबाई, जो आप ना तो देखो कैसा पैरामीटर डिसाइड होगा ये डिपेंड करेगा उसकी शेप के ऊपर ठीक है ये किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों उसकी आकृति पर निर्भर करेगा कि उसकी आकृति कैसी है आप बताओ मुझे पृथ्वी की आकृति कैसी सबसे पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ ठीक है तो जब मैं अर्थ की शेप के बारे में बात करूंगा दोस्तों ठीक है जब मैं इसकी शेप के बारे में बात करूंगा तो मैंने अभी बताया आपको दोस्तों शेप शेप कैसी है इज जियोइड अब यहां पर कई लोग बोलेंगे सर जी मौसमी की जैसी है नींबू की जैसी है कोई कहेगा जी अंडे के जैसी है कोई कहेगा जी खजूर के जैसी है कोई भिंडी तोरी घिया मतलब यही सब्जी मार्केट बना दोगे ठीक है बट ऐसा नहीं है द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड सर बचपन में तो हमने सुना था अंडे क्या भाई वो बचपन था ना यार बचपन में तुम्हें जियोइड पढ़ा देता तुम्हारे सर से बाउंस नहीं जाता बच्चों को सिखाया जाता कि डराया जाता है तो इसीलिए तो बचपन की बात है भूल जाओ अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप मतलब आप सिक्स क्लास में हो गए हो मैं छठी क्लास की एनसीआरटी पढ़ा रहा हूं दैट मीनस आप कौन सी क्लास में हो दोस्तों सारे के सारे आप सिक्स क्लास में हो तो आप समझो सिक्स क्लास में शेप ऑफ अर्थ क्या बोलोगे आप जियोइड ठीक है सर हिंदी में बताओ क्या होती है हिंदी में बता दू पक्की बात है सर हिंदी में बता दू क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसको ये जी ऐसे ही लिखेंगे इसको देखो नाम हिंदी में कई चीजों का सेम होता है ज्योग्राफी कैसी भाषा है जिसमें बहुत सारी चीज ऑस्ट्रेलिया को हिंदी में भी ऑस्ट्रेलिया ही कहते हैं इंडिया ही ऐसा है जिसको भारत कहते हैं ठीक है लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया कहेंगे है ना ऐसा तो नहीं ऑस्ट्रेलिया का नाम हिंदी में युगांडा हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका हिंदी में क्या लिखते हैं उत्तरी अमेरिका या पाकिस्तान बन जाता है सेम ही तो रहता है भाई इंग्लिश में, में मेरा नाम है सुमित राठी हिंदी में क्या हो जाएगा बताओ हिंदी में लुसिंडा हो जाएगा मेरा नाम इंग्लिश में लुसिंडा हो जाएगा ठीक है सेम रहेगा ना मैं हिंदी में सुमित राठी हूं तो इंग्लिश में मैं बराक ओबामा नहीं हूँ मेरा नाम सुमित राठी रहेगा है ना तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका नाम सेम ही है सो जियोइड इज जियोइड शेप जियोइड है तो जियोइड ही रहेगी तो मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों जब भी किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो शेप पता होनी चाहिए शेप क्या है जियइड अब ऐसे ही जब हम पृथ्वी की शेप हमें पता चल गया ठीक है हमें पता चल गया कि शेप दिए अब सेट किए हैं और वो मैंने पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूं। कौन से दो हमने इसके लिए हम दो पैरामीटर ऑलरेडी बना चुके हैं ठीक है इस पृथ्वी की स्टडी करने के लिए एक का हम नाम दे रहे हैं दोस्तों आपके सामने अक्षांश और दूसरे का नाम क्या दे रहे हैं दोस्तों देशांतर कैसे नाम दिया था बताओ हमने अक्षांश और देशांतर को हमने कैसे विभाजित किया सर कि ये हमारे पास पृथ्वी थी हमने इसके अंदर में अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई ठीक है जैसे थी जीरो डिग्री ठीक है उसके बाद ये था ठीक है ऐसे एक एक डिग्री छोड़ के ना हमने ऐसे लाइन खींची याद आया आपको कुछ अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा तो हमने एक एक डिग्री छोड़ के ऐसे यहाँ पे लाइनें खींची थी और इन लाइनों को हमने बोला था अक्षांश रेखाएं क्या बोला था अक्षांश सो ऐसे जो लाइनें मैंने खींची उनको मैंने बोल दिया अक्षांश रेखाएं ऐसे ही मेरे पास एक दूसरे प्रकार की रेखाएं भी बनी ठीक है जिनको मैं क्या बोल रहा था दोस्तों जिनको मैंने देशांत रेखा देशांतर बोला ये रेखाएं आपकी ऐसी थी ठीक है ये आपकी कैसी थी दोस्तों दीज रेखाएं आर वर्टिकल्स ठीक है इस प्रकार की लेकिन इन रेखाओं की खास बात क्या थी ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती थी और नीचे एक ही पॉइंट पे खत्म होती थी यहां पर ठीक है सो सो ये ये इस प्रकार से होती हैं डन so रेखाएं जो होती है इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड तो मेरे पास दो रेखाएं हुई यहां पर ठीक है जिनकी आपको स्टडी करनी है वन इज लैटिट्यूड एंड सेकेंड इज द लॉन्गिट्यूड है ना तो दो आ गया मेरे पास सेप ऑफ जियोइड ये अब देखो इस चीज को अगर मैं बोलता हूं ठीक है अब ऐसा आप कहां देखते हो अगर मैं इसी के नीचे वो छतरी से लगा दू तो ग्लोब नहीं बन गया ये क्या बन गया प्यारे बच्चों आपने देखा हुआ है ठीक है दिस इज नथिंग बट द ग्लोब ये ग्लोब है कि नहीं है है ना अब देखो ग्लोब के अंदर में वैसे हम ग्लोब देखते हैं लेकिन जब भी आप स्टडी करते हो तो आप मैप देखते हो या ग्लोब से ही काम चला लेते हो बताओ ठीक है वैसे ग्लोब अच्छा होता है लेकिन ग्लोब थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं होता इसीलिए हम क्या देखते हैं दोस्तों मैप देखते हैं ग्लोब एक हमें थ्री डी व्यूज दिखाता है हमें टू डी व्यू चाहिए हमें समान स्केल के अंदर देखना पड़ता है इसीलिए हम उसको मैप में बन... तो इसके अंदर में हम दो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों क्या इस्तेमाल कर रहे हैं पहला कर रहे हैं हम लैटीट्यूड का और दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं किसका दोस्तों लॉन्गिट्यूड का वो भी मैंने आपको बताया था लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में मैंने बोला था सारी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट भाई सारे लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको नहीं पढ़ने आपको सिर्फ कुछ ही लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या करने हैं आपको पढ़ने हैं और वो लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कौन से हैं चलिए उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं मैं एक बार फिर से ठीक है सर सबसे पहले ये था जिसको हमने नाम दिया था जीरो डिग्री उसके बाद ये था सर नाम मैंने दिया था इसको ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ सर इसके बाद ये था जिसको मैंने नाम दिया था सिक्सटी सिक्स एंड हाफ नॉर्थ सर इसके बाद ये था जिसको नाम दिया था नब्बे डिग्री नॉर्थ सर इसके बाद ये था जिसको नाम दिया था साढ़े तेईस डिग्री साउथ इसके बाद ये था जिसको नाम दिया था साढ़े छियासठ डिग्री साउथ इसके बाद ये था जिसको नाम दिया था नब्बे डिग्री साउथ अब इनके हमने नाम रखे थे याद आया आपको सर ये जो था ना इसको हमने नाम दिया था भूमध्य रेखा आप मेरी बात समझते जाना मैं किस तरीके से क्या बताऊंगा आपको इक्वेटर ये जो है ना सर इसको हम बोलते थे कर्क रेखा ठीक है हिंदी में क्या रहे इंग्लिश में क्या रहेगा सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सर इसको हमने नाम दिया था आर्कटिक सर्किल ठीक है आर्कटिक सर्किल आर्कटिक वृत्त दिस इज नॉर्थ पोल हिंदी में बोल दिया हमने उत्तरी ध्रुव दिस इज सर जी साउथ पोल हिंदी में बोल दिया हमने दक्षिणी ध्रुव ठीक है ये क्या हो गया मेरे पास सर सर दिस इज इस मकर रेखा इसको हमने नाम दे दिया सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये जो है दिस इज एंटार्क्टिका सर्किल ठीक है साउथ पोल और ये दक्षिण हिंदू ऐसे कर दिया तो ये कुल मिला के हमारे पास हाँ, ये जी लाइन एक ऐसी है जो इसको दो भागों में बांटती है नॉर्थ हेमिस्पेयर और ये क्या लिख दिया ये मैंने पहले ही बताया हुआ है ऐसे ही ना कुछ लॉन्गिट्यूड भी हैं जो हम इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं कौन से होते हैं बताओ सर सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड कौन सा होता है अपने पास ये ठीक है जीरो डिग्री इसको बोलते हैं जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड इसके दो लाइन है दो नाम है पहला नाम है इसका प्राइम मेरिडियन या इसको हम बोल देते हैं ग्रीनविच मेरिडियन ठीक है ये हो गया इसका नाम ओके जीरो डिग्री का एक लाइन ठीक इसके बैक साइड में होती है और वो लाइन को मैं थोड़ा टेढ़ा करके बना रहा हूं नहीं तो तुम्हें पता नहीं चल पाएगा इसको बोलते हैं 180 डिग्री ठीक है और ये जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है प्यारे बच्चों इसका नाम क्या होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन ठीक है याद रखना ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन डेट लाइन अब देखो यार ऐसे भी हम ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं बट ऐसा थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है तो हम क्या करते हैं ना हम ऐसा करते हैं कि ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए ही जो ये ग्लोब होता है ना हमारा इसको मैं स्प्रेड कर देता हूं जो, ये ग्लोब था हमारा जीरो डिग्री ठीक है ये अलग अलग लैटिट्यूड थे अक्षांश थे मेरे पास है ना देखो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है ना वो सिर्फ सिर्फ बात को उतना ही नहीं रखता जितनी उसमें लिखी है किताब में वो क्या करता है कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है तो मैं वही कनेक्शन बता रहा हूं अब देखो साधारणता अगर आप देखोगे तो ग्लोब आपको ऐसा दिखेगा लेकिन हम क्या कर रहे हैं दोस्तों इसी ग्लोब को हम थोड़ा सा स्प्रेड कर रहे हैं ठीक है टू डायमेंशन व्यूज दे रहे हैं हम वैसे ये भी टू डायमेंशन है बट ग्लोब थ्री होता है ना तो हमने क्या किया देखो अब ये यहां से तो चौड़ा है ठीक है आप देखोगे तो यार यहां से ये क्या है दोस्तों इतना चौड़ा है लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है दोस्तों आपका कम हो रहा है ठीक है ये वेरी कर रहा है यहां पर जाके और कम हो गया हाँ या ना कम हो रहा है ना सो ये थोड़ी सी सिमिट्री नहीं है इसमें तो सिमिट्री बनाने के लिए क्या किया हमने इसको ठीक है एक रेक्टेंगल उसमें बदल दिया ठीक है ऐसे बदल दिया हमने तो ये था हमारा ग्लोब अब ये स्टडी के लिए कर रहे हैं हम मतलब ऐसा नहीं है कि हमें मजा आ रहा है ऐसा करने में बट हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम स्टडी कर पाए अच्छे से तो ये था हमारे पास ग्लोब हमने इसको किसमें बदल दिया मैप में अब बस ये मैप ही पढ़ेंगे अब जब इसको मैं इसमें बदलूंगा तो मुझे कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है स्केल का डिस्टेंस का ठीक है सिंबल का है ना वो मैं अभी बताऊंगा वो मैप के तीन कंपोनेंट होते हैं बट जब ये मैप बनाते हैं ना तो इसको हम कई तरीकों के बना सकते हैं तो ये मैप पहला कैसा हो जाएगा भाई पॉलिटिकल ठीक है दूसरा मैप हो जाएगा सर फिजिकल सर पॉलिटिकल में क्या बताएंगे हम पॉलिटिकल फीचर राज्य राजधानियां देश के नाम ठीक है ये सब बताएंगे सर फिजिकल में क्या बताएंगे बताओ फिजिकल फीचर माउंटेन प्लेटू प्लेन रिवर इसमें बताएंगे ठीक है पॉलिटिकल बोलते हैं राजनीतिक को कॉम क्या बोलते हैं दोस्तों भौतिक भौतिक मैप, भोतिक में क्या करोगे भौतिक फीचर्स दिखाओगे नदी माउंटेन प्लेटू ठीक है ये सब चीज दिखाओगे होता है ना आपके एटलस में दो अलग अलग मैप नहीं होते हैं ठीक है वो हो गया उसके बाद में और भी मैप होते हैं जैसे पॉलिटिकल मैप क्या इसके अलावा होता है आपके पास थीमेटिक मैप अलग अलग थीम पे दिखाते हैं ठीक है थीमेटिक मैप जैसे पॉपुलेशन का हो गया सॉइल का हो गया वो थीम के ऊपर मैप बनता है कि कौन सी मिट्टी कैसी है तो उस थीम के ऊपर एक मैप बना के दिखा दिया हमने ठीक है so सो दैट इज थीमेटिक मैप उसको बोलते हैं हम है ना इसके अलावा और कितने मैप होते हैं सर कंट्री वाइज अगर हम बांटें तो हम ऐसा बोल सकते हैं सर पॉलिटिकल मैप के अंदर ही डिवीजन बना सकते हैं हम फिर ठीक है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे ये तीन ही प्रकार के होते हैं बट अगर मैं सब डिवाइड करूं तो आप कह सकते हो इंडिया का मैप हो गया इंडियाज मैप भारत का मैप इसके बाद में ऐसे ही हम कह सकते हैं सर वर्ल्ड मैप है ना ऐसे बट ये जो है ना ये कोई डिवीजन नहीं है अलग से इन्हीं की कैटेगरी में आता है तो बेसिकली मैप आर ऑफ थ्री टाइप है अब जब भी मैं मैप बनाऊंगा ना तो तीन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे मैप के लिए ठीक है और वो तीन चीज़ें क्या है सर सर हमें डिस्टेंस का हिसाब किताब रखना पड़ेगा क्यों भाई पृथ्वी कितनी बड़ी है ना इतनी बड़ी पृथ्वी को आप एक छोटे से पेज पे बना देते हो ठीक है पूरा बड़ा पृथ्वी है उसके छोटे पेज पे बना देते हो हाँ या ना तो आपको डिस्टेंस इस प्रकार से लेनी है कि जो मैप की डिस्टेंस है वो ठीक है और एक्चुअल डिस्टेंस जो है है उनके बीच में एक रिलेशन हो हो आप समझ रहे मेरी बात को है ना दूसरा आपको स्केल का ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है और ऐसे ही तीसरा आपको सिंबल का ध्यान रखना पड़ेगा यस और नो भाई आपको कोई चीज दिखानी है मान लो जैसे थीमेटिक मैप या छोटा मैप बनाते हैं तो आपको हाईवे दिखाना है ठीक है आपको नदी दिखानी है तो उसके लिए अलग अलग सिंबल यूज करते हैं सबको एक जैसे दिखा देते हो सबको एक जैसा दिखा दोगे तो पता नहीं चलेगा तो जब भी आप मैप देखते हो या पढ़ते हो तो आपको तीन बातों का ध्यान रखना है डिस्टेंस ठीक है स्केल आप देखो नीचे ना ऐसा लिखा होता है ठीक है ऐसे करके ना उसमें ऐसे ऐसे करके लिखा होता है ठीक है कि स्केल इज दिस ठीक है उसके अलावा डायरेक्शन देखनी होती है हमें ठीक है जब आप मैप देखते हो तो उसमें डायरेक्शन ऐसे दिखाता है कि ये नॉर्थ साइड में तो ये जो पॉइंट होता है ना एरो का हेड ये नॉर्थ साइड को इंडिकेट करता है तो ये बहुत सारी चीजें हैं जब आप मैप पढ़ते हो तो आपको स्टडी करना पड़ता है तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी तक ग्लोब पढ़ा अब मैं ग्लोब से आपको लेके आ रहा हूँ मैप पे मैप कई प्रकार के होते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के पॉलिटिकल फिजिकल थीमेटिक मैप है ना जब भी कोई मैप बनाते हैं हम तो मैप के अंदर में कुछ बातें होती हैं कि उसका डिस्टेंस किस रेशियो में लिया है स्केल क्या है ठीक है स्केल रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस का और जो हमने डिस्टेंस उस पर ली है उसका सिंबल ठीक है जैसे मान लो एक्चुअल में डिस्टेंस होगी वो पांच सौ किलोमीटर ठीक है बट हम हो सकता है मैप के ऊपर उस, उसको किसमें दिखाएं एक सेंटीमीटर में दिखाएं तो ये हम स्केल फिक्स करते हैं कि भाई ओरिजिनल 500 जो मैप पे एक सेंटीमीटर है दैट विल बी द 500 मीटर या मैं कह दूं भाई ओरिजिनल के पांच हजार ठीक है और इसका एक सेंटीमीटर ऐसा हमें स्केल क्या करना पड़ता है सेट करना पड़ता है और हर मैप का एक स्केल जो होता है दोस्तों वो गिवन होता है ठीक है आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं हाँ भाई समझ पा रहे हो तो हर चीज का एक क्या होता है दोस्तों स्केल होता है तो इसका भी अपना एक स्केल है तो मैं यही आज आपको पढ़ाऊंगा वैसे पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया यही इतना ही इसमें दिया हुआ है पिछली क्लास में आपने ग्लोब के बारे में पढ़ा था इस क्लास में आप मैप के बारे में पढ़ोगे ठीक है मैप इज आ रिप्रेजेंटेशन और आर ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑनटेंगुलर स्पेस प्लेन स्पेस ठीक है तो उसको हम क्या कह देते हैं दोस्तों उसको मैप बोल देते हैं आर यू गेटिंग पॉइंट है ना सो so, मैप्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ये ग्लोब है अपने पास कुछ ऐसा होता है ठीक है इस ग्लोब को जब हम ऐसे दिखाते हैं तो इसको मैप बोल देते हैं आप बोलोगे सर मैप की डेफिनेशन आप देखो यहां पे देखो ये दिखा हुआ है नीचे ये स्केल है यहां देखो नीचे स्केल लिखा हुआ है ठीक है दिस इज स्केल अब इसमें डायरेक्शन भी लिखी होती है ठीक है तो इसमें सब चीज़ें होती हैं आपका जैसे इसमें सारी चीज़ें आपको गिवन होती है तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो ऑब्वियस बात है ये जो ऊपर वाली डिस्टेंस है आप देखो वैसे देखने में देखो डेनमार्क कितना बड़ा दिख रहा है दिख रहा ना और इंडिया देखो कैसे छोटा सा दिख रहा है पिद्दा सा लेकिन वास्तविकता में इंडिया जो है वो डेनमार्क से तो बहुत बड़ा है लेकिन क्योंकि भाई ऊपर वाला पार्ट इसमें छोटा है ना तो उसको सिमिट्री मिलाने के लिए हमें ऊपर वाले पार्ट को फैला के दिखाना पड़ता है ठीक है मेरी बात समझ रहे हो है ना तो वो वाली बात है अब ये देखो कनाडा के छोट छोटे छोटे आइलैंड्स हैं हैं घने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं सेम रहे। यहीं से एक डेफिनेशन है कि मैप होता क्या है सो इज नथिंग इट इज रिप्रेजेंटेशन और अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सर्फेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल की क्या बोल रहा है आपका मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है और एक ड्राइंग है जिसमें आपने अर्थ की सतह को या उसके किसी भाग को आपने ड्रॉ कर रखा है किसी फ्लैट सरफेस पे ये पृथ्वी थी मान लो ऐसे ही गोल इसको आपने फ्लैट सरफेस पे क्या कर दिया ड्रॉ कर दिया लेकिन जब आप ड्रॉ कर रहे थे तो आपने एक स्केल का ध्यान रखा है ठीक है तो जब आप ऐसा करते हो तो उसी को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों मैप बोल देते हैं मैप के कई प्रकार होते हैं दोस्तों देर आर द वेरियस टाइप ऑफ मैप ठीक है हमारे पास बहुत प्रकार के मैप होते हैं पहला मैप होता है फिजिकल मैप फिजिकल मैप जो होता है ना दोस्तों इसके अंदर में हम नेचुरल नेचुरल फीचर्स फीचर्स को दिखाते हैं ऑफ अर्थ कैसे हो गया जैसे माउंटेन को दिखा दिया प्लेटू पठार को दिखा दिया प्लेन एरिया को दिखा दिया नदियों को दिखा दिया समुद्र को दिखा दिया ठीक है दे आर ऑल्सो कोल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप फिजिकल मैप को हम रिलीफ मैप भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं दोस्तों दे आर ऑल्सो नोन एज द रिलीफ मैप ठीक है ये भी बोल देते हैं अभी ऑप्शनल का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ बीस तारीख से ठीक है बीस नवंबर से दिवाली छठ के बाद में हम शुरू कर रहे हैं तो तब उसमें मैं दिखाऊंगा रिलीफ फीचर्स कितने हैं अपने तो वहां पर बताऊंगा रिलीफ मैप के द्वारा दूसरा होता है दोस्तों पॉलिटिकल मैप देखो पॉलिटिकल मैप के अंदर में मुख्यतः हम सिटीज को दिखाते हैं हम टाउन्स को शो करते हैं विलेजेस को शो करते हैं एंड द डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग देश को एंड द डिफरेंट स्टेट्स अलग अलग स्टेट को शो करते हैं ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पोलिटिकल मैप्स अब इंडिया को दिखाते हैं ना हम ठीक है इंडिया बनाते हैं हम ठीक है ऐसे करके सो so, इंडिया जो हम ऐसे करके बनाते हैं तो वो क्या है दोस्तों दैट इज द इंडिया मै इंडियन मैप ना ठीक है तो ये जब हम मैप बनाते हैं और जब हम इसके बीच के अंदर में बाउंड्रीज शो ये जो मैं बना रहा हूँ दोस्तों दीज आर द इंडियन बाउंड्रीज है ना ये इंडिया की बाउंड्री है और जब मैं यहाँ स्टेट बता दूंगा कि भाई ये जो है दिस इज लद्दाख इधर जम्मू कश्मीर ठीक है ये पंजाब ये राजस्थान ठीक है ये गुजरात उसके बाद में जब मैं ऐसा शो कर दूंगा सारा तो वो क्या होता है दोस्तों दैट इज़ द पॉलिटिकल मैप उसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों पॉलिटिकल मैप तो पॉलिटिकल मैप के अंदर में सिटीज़ को टाउन्स को गांवों को ठीक है ये दिखाया जाता है अलग अलग कंट्री को अलग अलग राज्यों को इनको दिखाया जाता है और जो इनकी बाउंड्री होती है जैसे ये आउटर बाउंड्री होती है इसे उस देश की उस राज्य की पर्टिकुलर पॉलिटिकल बाउंड्री हम कहते हैं तो पहला मैप हमारे पास क्या था पॉलिटिकल मैप दूसरा है हमारे पास फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप तीसरा होता है थीमेटिक मैप थीमेटिक मैप में मैंने बताया ना कोई थीम होता है जैसे मुझे सॉइल को दिखाना है मुझे पूरी भारत के अंदर या किसी एरिया के अंदर में रेनफॉल को दिखाना है ठीक है मुझे पॉपुलेशन को दिखाना है मुझे माइग्रेशन को दिखाना है मुझे क्लाइमेट चेंज को दिखाना है मुझे कुछ भी दिखाना है तो मैं इस प्रकार के थीम बेस्ड मैप का यूज करता हूं सम मैप फोकस ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये मैप केवल कुछ ही इंफॉर्मेशन पर ध्यान देते हैं जैसे रोड मैप हो गया रोड में सिर्फ रोड ही दिखाएंगे हम रेनफॉल में हम सिर्फ बारिश का दिखाएंगे कितने यहां पे इतनी हम ऐसा करके कलर करके दिखाते हैं ना कि इसमें इतनी सेंटीमीटर इसमें इतनी इतने इतनी ऐसा करके दिखाते हैं उसमें उसको थीमेटिक मैप बोलते हैं कहीं हम पेड़ों का या फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री

पहले इसको निपटा लेते हैं so, ये हो गया मैप हिंदी में ठीक है। हिंदी में फिजिकल प्राकृतिक दो दो तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं आपका क्या इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक विशेषताओं का मैप भौतिक मैप दूसरा पॉलिटिकल इसमें शहरों को कस्बों को गांव को और दुनिया के विभिन्न देश और राज्यों को दिखाया जाता है उनकी सीमाओं के साथ इसको हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं और तीसरा में ना तीसरे में किसी कुछ ही विशिष्ट जानकारियों को हम रखते हैं इस नक्शे में केवल कुछ विशिष्ट जानकारियों पर ही हम ध्यान केंद्रित करते हैं जैसे सड़क के नक्शे वर्षा के नक्शे जंगलों के वितरण को दर्शाने वाले नक्शे उद्योग आदि को विषयगत नक्शे के रूप में दिया बनाया जाता है तो इसको हम क्या करते हैं इसको हम थीमेटिक मैप या विषयगत नक्शे भी बोलते हैं ठीक है तो ये हो गया ठीक है हिंदी में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका लेना चाहो तो अब एक मैप के ना तीन कंपोनेंट्स होते हैं जैसे मैंने अभी बताया आपको कोई भी मैप बनाते हो ना आपको दोस्तों तो एक मैप के अंदर तीन अलग अलग कंपोनेंट बनते हैं पहला डिस्टेंस जो मैंने बताया जैसे अभी ये मैप था ठीक है तो इसमें ये जो लिया हुआ है ना ये स्केल है स्केल और डिस्टेंस ठीक है दूसरा हम उसके अंदर में क्या लेते हैं दोस्तों डायरेक्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया कोई भी मैप बनाते हैं ना तो उसमें ऐसे करके ना एक लाइन खींच देते हैं तो इसका मतलब है इधर नॉर्थ डायरेक्शन है ठीक है तो दूसरी चीज डायरेक्शन और तीसरा चीज होता है सिंबल सिंबल किस लिए दोस्तों भाई वहां पे कोई पर्टिकुलर चीज होगी ना उसको लोकेट करने के लिए हम सिंबल का भी इस्तेमाल करते हैं तो हम तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस डायरेक्शन और सिंबल ठीक है चलिए अब डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों मैप आर ड्राॅइंग्स बेसिकली कह रहा है कि मैप जो होती है नत... अरे डिस्टेंस डिस्टेंस ही होती है सर मैप एक ड्राइंग ही तो होती है Which reduce the entire world. देखो वास्तव में कितना बड़ा वर्ल्ड है उसको हम छोटे से भाग पे दिखा देते हैं ठीक है पेपर पे दिखा देते हैं ना फिट कर देते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता होगा इसके लिए हमें बड़ी डिस्टेंस को एक छोटी डिस्टेंस में कन्वर्ट करना होता है पेपर शीट के ऊपर में यस और नो हा या ना करना होता है ना वो डिस्टेंस किस अकॉर्डिंग में लेनी है वो डिस्टेंस हम एक पर्टिकुलर स्केल के आधार पर करते हैं मैप्स आर ड्रॉइंग विच आर रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ अ पार्ट ऑफ ऑफ इट टू फिट ऑन शीट पेपर और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस द स्केल अब ऐसे पूरी पृथ्वी को पढ़ने बैठ जाओ तो पढ़ लोगे क्या तुम कितनी बड़ी है यार हाँ भाई पढ़ लोगे क्या पूरी जिंदगी बीत जाएगी अरे ऐसे पूरी जिंदगी बीत जाएगी ना लेकिन आप क्या करते उसको मैप मैं बोलूँ कि चलो अभी जैसे मैप होता है तो हम बैठे बैठे पूरी अफ्रीका पढ़ लेते हैं कि सर यहां कोंगो है यहां युवांडा हैडा है ऐसे है। हम पढ़ लेते हैं ना पूरी उसको लेकिन सोच के देखो ऐसा ही अगर आपको जा जा कर देखना पड़ेगी युगांडा कहाँ है रवांडा कहाँ है पूरी जिंदगी बीत जाएगी ठीक है एक कॉन्टिनेंट नहीं पढ़ पाओगे तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तो जब बड़ी डिस्टेंस को हम छोटी डिस्टेंस में करके दिखाते हैं ठीक है उसी से तो मैप बनता है हमने मैप के अंदर पूरी बड़ी पृथ्वी को एक छोटे पार्ट में रिड्यूस कर लिया है तो उसी को हम बोल रहे हैं तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चूज करनी होती है बट दिस इज रिडक्शन इज रियल इट कैन ओनली बी पॉसिबल वेन स्मॉल डिस्टेंस पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस अब हम मैप पे इतनी डिस्टेंस लेते हैं वास्तव में इतनी डिस्टेंस कितनी कर बराबर है पांच हजार किलोमीटर दस हजार किलोमीटर वो उसमें लिखा होता है ठीक है वो मैप में क्या होता है सेव होता है ये जो डिस्टेंस हम रखते हैं ना दोस्तों ठीक है ये एक पर्टिकुलर स्केल के आधार पर होती है स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोज ऑन द मैप ये रेशियो होता है उसका ठीक है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है और उस पर हमने जो मैप बनाया उस पर डिस्टेंस तो ये दो चीजें होती है डिस्टेंस और आपका स्केल ठीक है तो ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज लेस दस किलोमीटर ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है इसको मैंने दस किलोमीटर का डिस्टेंस मान लिया ठीक है अब इस डिस्टेंस को मान लो मैं दो सेंटीमीटर से दिखा दूं मैं कह दू दो सेंटीमीटर तो स्केल कितने का ले लिया हमने दोस्तों टेन डिवाइडेड बाई टू तो हमारा स्केल का हो गया पांच सेंटीमीटर का ठीक है तो ऐसे ही हम स्केल डिसाइड करते हैं और स्केल के आधार पर हम ऐसा करते हैं ठीक है तो ये बात को आपको ध्यान रखना है ओके अब स्केल जो होता है वो एक रेशियो होता है जैसे मैंने बताया आपका घर से स्कूल ये आपका मान लो होम है एंड दिस इज योर स्कूल एक्चुअली मैं बताऊं तो ये सारा का डिस्टेंस कितना है मान लो दस किलोमीटर अब इसको मैं मैप पे दिखा देता हूं कितने का मान लो टू सेंटीमीटर का तो स्केल कितना हुआ टेन डिवाइडेड बाय टू ठीक है जो मैंने यहां पे दिखाया था आपको वन सेंटीमीटर सॉरी टेन किलोमीटर है और इफ यू शो दिस बाय टेन किलोमीटर डिस्टेंस बाय टू सेंटीमीटर ऑन अ मैप इट मीनस वन सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू फाइव किलोमीटर है ना तो वही मैं बोल रहा हूं कि आपका घर था ये ठीक है तो मतलब क्या हुआ एक सेंटीमीटर को आपने कितने से दिखा दिया पांच किलोमीटर तो ये आपका स्केल होता है ठीक है ना तो स्केल इज द रेशियो वास्तविक जमीन पे दूरी कितनी और मानचित्र पे आपने उसको दूरी को कितने से दिखाया उसी को हम क्या बोल देते हैं स्केल बोल देते हैं अब स्केल दो प्रकार के होते हैं एक तो होते हैं स्मॉल स्केल मैप मान लो आपको अपने गांव का मैप बनाना हो अपने गांव का लोकल का या स्कूल का मैप बनाना हो तो वहां पर स्केल कैसा होगा बताओ लार्ज स्केल यूज कर लेंगे हम लेकिन जो वर्ल्ड मैप होता है वर्ल्ड मैप हम बना लें या हम इंडिया का मैप बना लें ठीक है या किसी और कंट्री का मैप बनाएं तो जनरली वो मैप लार्ज स्मॉल स्केल में बनते हैं मतलब क्या हुआ इनका एक सेंटीमीटर आपका कम से कम नहीं तो एक हजार किलोमीटर के बराबर होगा लार्ज स्केल में क्या होता है कि वन सेंटीमीटर हो सकता है एक किलोमीटर के बराबर तो इसी आधार पे हम इसको स्केल को चेंज करते हैं स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल तो दो स्केल हम बना लेते हैं ठीक है तो याद रखेंगे डिस्टेंस क्या होता है ठीक है बता दिया मैंने ये तीन कॉम्पोनेंट होते हैं पहला है डिस्टेंस दूसरा है डायरेक्शन डिस्टेंस में हमने देखा स्केल देखा डायरेक्शन और सिंबल भी दिखाऊंगा मैं आपको स्केल हमने पढ़ लिया नाउ स्केल दो प्रकार के लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैंने बताया ना जैसे गांव का मैप बना या स्कूल का भी मैप बनाना होता है तो हम छोटा मैप बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं हम लार्ज स्केल रखते हैं कि वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन किलोमीटर ये क्या है लार्ज स्केल स्मॉल स्केल में एक सेंटीमीटर एक हजार किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा अब ये डायरेक्शन का भी देख लो जैसे ये बनाया हुआ है यहां पर देखो स्केल जो है एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू दस मीटर तो ये स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है बताओ ये स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है इस पूरे मैप में हमने एक सेंटीमीटर को दस किलोमीटर दस मीटर के आसपास लिखा है तो ये स्मॉल स्केल है आप अपने घर का नक्शा बनवाते हो मैप बनवाते हो तो वो क्या है दैट इज अ लार्ज स्केल मैप है ना तो ये लार्ज स्केल मैप है ठीक है अब ये बनाया हुआ है किसी के मतलब गांव का नक्शा बना है ठीक है ये नॉर्थ अब देखो ये डायरेक्शन है मतलब नॉर्थ डायरेक्शन इस साइड है तो नॉर्थ इस साइड होगी ठीक है इसका मतलब इधर क्या है वेस्ट इधर क्या है दोस्तों ईस्ट और नीचे क्या है दोस्तों साउथ ठीक है तो ये कह रहा है कि गांव है इसके इधर प्ले है उसके फिर इधर क्या पेड़ है यहाँ कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है ठीक है तो ऐसे लिखा हुआ है सब में ये बीच में इतनी स्कूल है स्कूल का यहाँ पर वेल well है मतलब ये सिंबल्स दिखा रखे हैं ना ये ऑर्चड्स है ये करीम का घर है ये शीला का घर है विकास का घर है यहाँ दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस है और ये सड़क है ठीक है आपको दिख रहा है ये सड़क है ये चौराया है ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा रहा है स्केल एक सेंटीमीटर इक्वल टू टेन मीटर तो ये बकायदा इस प्रकार से दिखाया जाता है तो इसमें जो ये यूज़ किया हुआ है ना हमने ये सिंबल्स हैं जैसे प्लेग्राउंड के लिए ये स्कूल के लिए ठीक है इसने ऑर्चर्ड्स के लिए किया हुआ है ठीक है तो ये सारे सिंबल्स का इसने इस्तेमाल तो डायरेक्शन भी हम देखते हैं तो इसमें नॉर्थ की डायरेक्शन ऊपर है अब देखो यहाँ पे सिंबल्स हम ऐसे यूज करते हैं आपने मैप पे देखे होंगे जैसे रेलवे लाइन हो रोड हो बाउंड्री हो किसी की जैसे इंटरनेशनल स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट अब जैसे मान लो ये बाउंड्री हमने ले ली किसके लिए दोस्तों ये हमने इंटरनेशनल बाउंड्री को शो कर दिया इससे फिर हमने कहा दिया कि जब ये मोटा होगा ना तो हमने बोल दिया इंटरनेशनल बाउंड्री इनको थोड़ा पतला कर दिया तो स्टेट बाउंड्री

अब रिवर है वेल है टैंक है कैनाल ब्रिज देखो अब नदी है तो ऐसे दिखाएंगे कोई अभी जैसे पीछे उसमें दिखाया मैंने आपको वेल कुआ था ठीक है तो कुए को ऐसे दिखा रखा है ठीक है उसके बाद ये टैंक को दिखा रखा है ये कनाल कोई नहर है उसको दिखा रखा है कोई ब्रिज है तो ऐसे दिखाएंगे तो ऐसे हम अलग अलग यूज करते हैं ये ऐसे मंदिर के लिए चर्च के लिए ये मॉस्क के लिए दोस्तों ठीक है और ये आपका चैत्र विहार के लिए पोस्ट ऑफिस है तो पीओ लिखेंगे पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ पुलिस स्टेशन को पीएस लिख देंगे सेटलमेंट्स को ऐसे दिखाते हैं ठीक है कौन कहाँ पे रह रहा है जैसे यहाँ पे घर दिखाए थे हमने ठीक है दीज आर द सेटलमेंट्स है ना इनको हम ऐसे दिखाते हैं ग्रेव यार्ड्स कबरे हैं कोई यहाँ पे दिखाते हैं कि लोग जहाँ पे जिंदा लोग यहाँ रहते हैं मरे लोग यहाँ रहते हैं ये ट्रीज को दिखाते हैं ऐसे हम घास है तो ऐसे दिखाएंगे तो बेसिकली हम ऐसे मैप्स का यूज करते हैं तो जब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं ना तो बढ़िया एक अपने पास मैप बन जाता है तो ये बात आसान सी थी कि समझ में नहीं आया जल्दी बताओ कोई ऐसा बच्चा जिसको भाई समझ में ना आया हो कोई चीज जल्दी बताओ बी और एम कहां है इसमें बी और एम तो कहीं है ही नहीं अच्छा इसकी बात कर रहे हो ये अलग चीज है ठीक है ये इसमें कुछ अलग ही बनाया हुआ है उसको शो कर रहा है अपने को इससे कोई लेना देना नहीं सिंबल से आप ऐसे बना दो गांव का नक्शा अब इसका मतलब क्या होगा बताओ इसका मतलब है मीटर गेज है ना इसका मतलब क्या है दोस्तों ये है गेज वाली लाइन ये पेड़ लगे हैं ये क्या है टैंक पेड़ लगे हैं ये डायरेक्शन नॉर्थ में है उसके बाद यहाँ लोग रहते हैं ये पेड़ लगे हुए हैं ठीक है यहाँ पर क्या पुलिस स्टेशन है या पोस्ट एंड टेलीग्राफ है ये कौन सा रोड है बताओ मेटल रोड पक्का रोड ये क्या है ये ब्रिज है ठीक है यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है यहां पर रेलवे स्टेशन है आपका यहां पर लोग रहते हैं ठीक है जगह का नाम है सुंदरपुर ओके यहाँ पर क्या बना हुआ है मंदिर बना हुआ है स्कूल है यहाँ कब्र है यहाँ गिरजाघर है ये कच्चा रोड जाता है यहां से है ना ये पक्का रोड है फिर ये कच्चा रोड आ गया यहाँ से नदी बहती है तो ऐसे करके मैप बनाया जाता है समझ में आ रही बात ये मॉस्क है है ना तो ऐसे सिंबल्स के माध्यम से बताया जाता है तो वैसे बच्चों वाली बात है आपको कुछ ऐसा होगा नहीं कि समझ में नहीं आया होगा ठीक है करंट अफेयर की क्लास रवि आज सात बजे करेंगे यार सेवन पी एम सेवन पी एम तो ये बात क्लियर है सभी को तो यही है बस इस चैप्टर में और कुछ था नहीं ठीक है चलिए दोस्तों आगे मैं बढ़ूंगा आज का ये टॉपिक है ठीक है फिफ्थ क्लास फिफ्थ क्लास का ये चैप्टर नंबर पांचवा है आप छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो अब जब मैं छठी क्लास की पढ़ाऊंगा ना तो आप बहुत हाई लेवल का एक्सपेक्ट मत करना जनरली क्या होता है ना जनरली बच्चा जब इन वीडियोज को देखता है तो वो सोचता है कि ठीक है सर जोग्रफी तो पढ़ा रहे हैं बट मैं जोग्रफी सिक्स क्लास की पढ़ा रहा हूं ठीक है और छठी क्लास की जोग्रफी में यू के नॉट एक्सपेक्ट मच ठीक है अब छठी क्लास के एन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तो गाइज बहुत कुछ मैं नहीं बता सकता मैं वही बताऊंगा आपको जो इसके अंदर दिया है बट डेफिनेटली आई गिव यू द वर्क ठीक है टू डू जब आप खुद से करोगे और आज मैं बहुत ज़्यादा काम आपको देने वाला हूँ ठीक है आज मैं आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला हूँ आज मैं आपको नक्शा पढ़वाने वाला हूँ दोस्तों पूरे वर्ल्ड का ठीक है और मुझे पूरा 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 पूरा, पूरा क्या बहुत पूरा पूरा विश्वास है कि आप उसको क्या करोगे दोस्तों पढ़ोगे आप उसको देखोगे आई हैव नो डाउट इन दैट ठीक है ओके चलिए नाउ लेट स्टार्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो दिस इज द चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ में लैंड फॉर्म्स ठीक है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ अर्थ की मेजर डोमेन्स क्या है अच्छा अर्थ पर अगर हम देखें तो पूरी पृथ्वी को ना हम कैसे बांट सकते हैं आपको क्या लगता है ठीक है बताइए सब लोग बताओ मैं ये पढ़ाने का कुछ है ही नहीं आप सोच सकते हो उतना ही पार्ट है इसमें जितना आप सोच सकते हो उतना भाग है इसके अंदर आप बताइए मुझे आर द डिफरेंट एंड मेजर डोमेन ऑफ अर्थ आपको क्या लगता है पृथ्वी की जो मुख्य मुख्य डोमेन है वो कौन कौन सी है मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि पृथ्वी को आप किन किन चीजों में बांट सकते हो बताइए सर आपने जो गुरुकुल 2.0 में में जो, जो जोग्रफी पढ़ाई थी वो क्या सी के लिए काफी है दोस्त मैंने गुरुकुल 2.0 में सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया था पूरी ज्योग्रफी के लिए आपको ज्योग्राफी 101 चैनल खगालना पड़ेगा जाके ठीक है मैंने पढ़ा सब रखा है जोग्राफी आपको थोड़ा थोड़ा ढूंढना पड़ेगा अलग अलग सी के लिए क्या यूपीएससी के लिए इनफ है डी बहुत अल मतलब कम बात हो गई मैं कह रहा हूँ यू के लिए इनफ है जितना मैंने पढ़ा रखा है ठीक है बट आपको थोड़ा चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी यू हैव टू मेक दम इन ऑर्डर क्योंकि एक मैंने किसी चैनल पे पढ़ा रखा है दूसरा दूसरे चैनल पे है तीसरा तीसरे चैनल पे है तो ऐसे थोड़ा सा मेरा अलग अलग जगह पे कंटेंट बिखरा पड़ा है तो आपको उनको जो तो है समेटना पड़ेगा बस और आप कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा चलिए बताइए महाद्वीप और महासागर जवाब आया है परमीला का ओके okay, मीनाक्षी रावत ने बोला है सर भूमंडल वायुमंडल और जलमंडल बहुत बढ़िया पर ठीक है पर्वत पठार क्रस्ट मेंटल कोर चलो ठीक है सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं देखो वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो हम तीन भागों में बांट सकते हैं ठीक है क्या क्या जैसे पृथ्वी जो है ना पृथ्वी पृथ्वी जो है उसको हम लिथोस्पेर कह सकते हैं कह सकते हैं हो गया पृथ्वी अगर ये है ठीक है तो इसके ठीक ऊपर क्या है दोस्तों हमारे पास एटमोस्फेयर है है ना भाई ये पृथ्वी का लिथोस्फेयर है ये एटमोस्फेयर है उसके बाद पृथ्वी पर कहीं कहीं भी जल भी भरा है पानी भरा है उसको क्या बोल रहे हैं हम जलमंडल या क्या बोल देंगे उसको जलमंडल को लिथोस्पेयर एस्थेनोस्पेयर वो अलग चीज है वो पृथ्वी को हम नीचे जाते हैं तो डिवाइड करते हैं बट जनरली हम पृथ्वी को तीन भागों में बांटते हैं लिथोस्पेयर मतलब भूभाग, भूमि वाला भाग हाइड्रोस्पेयर मतलब जल वाला भाग और बायोस्पेयर मतलब वो भाग जिसपे जीवन है ठीक है मैं तीन बातें बता रहा हूं पहला है लिथोस्पेयर वो भाग जिस पर भूमि है ठीक है जो भूमि है उसको लिथोस्पेयर कहते हैं हाइड्रोस्पेयर जलमंडल वो भाग जहां पानी भरा हुआ है समुद्र भी है ना अपने पास और तीसरा

जहां पर लिथोस्पेयर और जहां पर एटमोस्फेयर तीनों चीजें मिलती है ना उसको हम लिथोस्पेयर कहते हैं मैंने आपको तीन चीजें बताई है ध्यान से समझना ठीक है तीन कॉम्पोनेंट है लाइफ के जीवन जी अगर आपको शुरू करना है ना तीन चीजें बहुत जरूरी है पहली बात है पृथ्वी ठीक है चलो ये मेरी पृथ्वी होगी मैंने मान लिया ठीक है पृथ्वी के साथ साथ एक चीज और भी होती है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं ठीक जिसमें पानी भरा होता है ना वो वाला भाग और इसके बाद भी एक चीज होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एटमोस्फेयर तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अपने पास तीन अलग अलग भाग हो गए प्यारे बच्चों देखो पहला जो भाग हो गया ना वो हो गया लिथोस्पेयर यही तीन डोमेन है अर्थ की दूसरा भाग हो गया प्यारे बच्चों मेरे पास एटमोस्फेयर और तीसरा भाग जो हो गया ना मेरे पास दैट इज हाइड्रोस्फेयर ठीक है अब मैं इनको लिख देता हूं दोस्तों हाइड्रोस्पेयर का मतलब जलमंडल लिथोस्पेयर का मतलब भूमंडल फेयर मींस वॉट इट्स मीन्स भूमंडल उसके बाद क्या है दोस्तों मेरे पास सेकेंड इज दाइड्रो स्फेयर हाइड्रोस्पेयर का मतलब क्या है दोस्तों अपने पास इसका मतलब होता है अपने पास जल मंडल और तीसरा जो है ना दोस्तों दैट इज एटमोस्फेयर ठीक है और एटमोस्फेयर को हम क्या कहते हैं दोस्तों सभी बच्चे जानते हैं इसको हम बोल देते हैं वायुमंडल है ना अगर आप इसमें देखोगे तो एक जगह ऐसी है है जहां तीनों क्या कर रही रही हैं हैं दोस्तों मिक्स हो रही वो कौन सी जगह देखो यहां पर. यहां पर पर ऐसी ये ऐसी जगह है जहां तीनों है जहां पर हाइड्रोस्फेयर भी है मतलब जलमंडल भी है जहां पर एटमोस्फेयर भी है और जहां लिथोस्फेयर भी है भाई यही जो भाग होता है ना दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज दर इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों बायोस्फेयर यानी कि जैव मंडल जैव मंडल वो भाग होता है दोस्तों जहां पर जीवन होता है जहां पर जीवन होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों आपका जैव मंडल अब फर्दर अगर मैं जैव मंडल को भी बात करूं तो इसको भी हम फिर दो भागों में बांट देते हैं ठीक है अब जीवन दो चीजों का हो सकता है एक तो प्लांट का ठीक है भाई जीवन दो चीजों में हो सकता है ना एक तो प्लांट में हो सकता है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं प्लांट किंगडम और एक आदमी एनिमल्स का तो उसको हम बोलते हैं एनिमल किंगडम ठीक है तो ऐसे हम इसको क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं अब आपने पढ़ा होगा सर लिथोस्फीयर फिर एस्थेनोस्फीयर वो पृथ्वी के अंदर का वो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो है बट हम इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हम डोमेन ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं सो दीज आर द दीज थ्री आर द डोमेन ऑफ अर्थ ठीक है नहीं नहीं दिस ए, दिस फोर थिंग्स आर डोमेन ऑफ अर्थ चार चीज होगी ना अपने पास ये चार चीज जो हैं दीज आर द डोमेन ऑफ अर्थ समझ में आई बात आपको दोस्तों और ये अलग अलग पढ़ते हो आप देखो जोग्रफी में ना आगे जब जाओगे तो आप इनको अलग अलग करके पढ़ोगे मैं बता देता हूं अब एक और हो गया हमारे पास बायोस्फेयर यानी कि जैव मंडल अब इन तीनों डोमेन को आप अलग अलग जगह पढ़ते हो जैसे लिथोस्पेयर के बारे में आप कहां पढ़ते हो जियोमोर्फोलॉजी में पढ़ते हो ना जियोमोरफोलॉजी हाइड्रोस्पेयर के बारे में कहां पढ़ते हो क्लाइम ओशियोनोग्राफी एटमोस्फेयर के बारे में कहा पढ़ते हो क्लाइमेटोलॉजी बायोस्फेयर के बारे में कहाँ पढ़ते हो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी है ना एन एनवायरमेंट सो ये अलग अलग भाग है अब आप देखो आपको अभी ये चीजें नहीं बताई जाएगी क्योंकि सिक्स क्लास में हो भी आप ठीक है छठी क्लास में बच्चों को इतना नहीं बताया जाता क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है बट रियलिटी यही है कि आप इनके माध्यम से क्या करने वाले हो कुछ और पढ़ने वाले हो और वो कुछ और क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ जैसे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट यू विल डिस्कस दियो मोर्फोलॉजी

गुरुकुल टू पॉइंट है उसमें बहुत डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया था किसके अंदर में इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेटोलॉजी और ये जो भाग है ये हम कहां डिस्कस करते हैं कहा बच्चों बताओ ये हम डिस्कस करते हैं सर ओशियोनोग्राफी गलत तो नहीं कह रहा हूं है ना तो देखो कितनी अलग बात को हमने आसान शब्दों में बोला यहां आसान शब्दों में बोला क्यों है दोस्तों बताओ ये आसान शब्दों में इसीलिए बोला है भूगोल अभी शुरुआत किए हैं क्या सर हां भाई ठीक है बिल्कुल शुरुआत ही की है भूगोल का समझ रहे हो छठी क्लास का भूगोल पढ़ा रहे हैं अभी हम बिल्कुल शुरू हुआ है तो तीन चीजें हो गई चार, चार चीजें हो गई अपने पास पहली दूसरी तीसरी और चौथी समझ में आ रही बात आपको दोबारा बता रहा हूं तो अर्थ की तीन डोमेन है ये पांचवा चैप्टर था अपने पास एनसीआरटी का सिक्स क्लास की एनसीआरटी मेजर डोमेन ऑफ अर्थ पृथ्वी की मेजर डोमेन अब मैंने कहा कि अब देखो लिखा तो बहुत सब कुछ होगा मैं लिखे हुए पर मैं भरोसा कम करता हूँ मैं क्या कहता हूँ कि आदमी को सोचना आना चाहिए जब मैं मेजर डोमेन ऑफ अर्थ की बात करता हूँ तो अपने पास अर्थ पे ना चार डोमेन आती है चार डोमेन कौन कौन सी है सर चार डोमेन मेरे पास कुछ ऐसी हैं पहली डोमेन है लिथोस्पेयर भूमंडल भूमि वाला भाग ठीक है दूसरा आता है सर हाइड्रोस्पेयर जलमंडल मंडल जल, जल जहाँ पे पानी भरा हुआ है जलमंडल तीसरा एटमोस्फेयर वायुमंडल जहाँ पे वायु है चौथा बायोस्फेर जैवमंडल जहां जीवन है और जीवन कहां पर है दोस्तों जहां पर एस, और वायुमंडल और जलमंडल जहां तीनों मिलते हैं ना वहां पर जीवन होता है तो हो गया क्या बायोस्फेयर ठीक है सर ज्योग्राफी में जब आगे बढ़ोगे आप मतलब ग्यारहवीं क्लास बारहवीं क्लास की ज्योग्राफी देखोगे या जब आप ऑप्शनल जाओगे जब ग्रेजुएशन करते हैं तो यही चीजों को अलग अलग सेगमेंट में बांट दिया जाता है जियो शियनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस एंड बायोडावर्सिटी दिस ऑल आर पार्ट ऑफ द ये सब किसके भाग हैं दोस्तों ये सारे के सारे जोग्रफी के भाग है तो लेट्स डिस्कस दिस थिंग तो मेजर डोमेन ऑफ अर्थ एज आई टोल्ड यू देर आर द थ्री कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ पहला है लिथोस्पेयर ठीक है लिथोस्पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ मुझे भूमंडल दूसरा है मेरे पास एटमोस्फेयर इसका मतलब बताओ मुझे आप सर इसका मतलब है वायुमंडल और तीसरा भाग बताओगे आप मुझे क्या हाइड्रोस्फेयर सर इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब है जल मंडल ठीक है अब ये तीनों काम मीट कर रहे हैं दोस्तों यहां कर रहे हैं ना मीट तीनों तो ये क्या हो गया दोस्तों बताओ अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जहां ये तीनों आपके मीट करते हैं ठीक है ये मिल रहे हैं बस ये भाग क्या होगा दोस्तों हमारा बायोस्फेयर क्या बोलेंगे इसको बायोस्फेर यानी कि जैव मंडल तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भूमंडल के बारे में यानी कि लिथोस्पेयर के बारे में क्या कह रहा है लिथोस्पेयर के बारे में वो ठीक है कि द सोलिड पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव पृथ्वी का वो ठोस भाग जिस पे आप हम सब लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव्स ऐसे पे तो जल में तो नहीं रहते हो जल परी तो नहीं हो तुम लोग जल परी या जल परा, है भाई कोई है भाई बताओ कोई जल परी या जल परा नहीं है हो सकता है सर बताइए आप में से कोई है क्या जल परी या जल परा नहीं होगा ना सी बात है सब कहाँ रहते हो धरती पे तो रहते हो अर्थ पे रहते हैं सर हम है ना और अर्थ पे जो रहते हो तो आप ठोस भाग पे रहते हो हवा में तो नहीं लटकते घोंसला बना रखा हवा में सर जी हमने तो हैंगिंग गार्डन है अपने पास तो ऊपर उसी में लटके रहते हैं ऐसा तो नहीं है ना है भाई ऐसा नहीं है सर तो हम कहां रहते हैं लिथोस्पेयर पे द सॉलिड पार्ट द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर वी लिवज इज नोन एज द लिथोस्पेयर पृथ्वी का वो ठोस भाग हिंदी में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम रहते हैं क्या कहलाता है दोस्तों भूमंडल क्या कहलाता है भूमंडल इसके अलावा दूसरा एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर मतलब वायुमंडल अभी मैंने बताया था अब वायुमंडल क्या है दोस्तों इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस जो पृथ्वी के ऊपर आप नजर उठा के ऐसे देखते हो ना तो जो दिख रहा है वो वायुमंडल है वायुमंडल में बहुत सारी गैस होती है अलग अलग प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन ठीक है चार बड़ी गैस कौन सी है नाइट्रोजन सबसे पहले उसके बाद में सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन थर्ड नंबर पे आर्गन एंड फोर्थ नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड बाकी छुटमुट गैस तो बहुत है ठीक है तो ये मुख्य मुख्य गैस हैं जो एटमोस्फेयर में पाई जाती है इसके अलावा सर धूल के कण मिलते हैं डस्ट पार्टिकल इसके अलावा सर जलवाष्प मिलते हैं वाटर वेपर ये जब सारे मिल जाते हैं ना तो इन्हीं से वायुमंडल का निर्माण होता है तो वायुमंडल कोई पूछे तो क्या होता है ये चीजें अभी सिखाऊंगा बाद में जब मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें ना बताऊंगा फिर तो मामला हाई लेवल पे चलेगा फिर कभी कहो सर हमें समझ में नहीं आ रहा इसीलिए ये फाउंडेशन है बेस है इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सो so, वायुमंडल का मतलब क्या है वायुमंडल इज नथिंग बट इट एक मिक्सचर है ठीक है एक डायनामिक मिक्सचर है ऑफ द वेरियस गैसेज डस्ट पार्टिकल एंड दॉटर वेपर जलवाष्प ठीक है वॉटर वेपर जलवाष्प धूल के कण डस्ट पार्टिकल और बहुत सारी गैसों के मिश्रण को ही हम वायुमंडल कहते हैं दोस्तों ठीक है सो वायुमंडल क्या है एटमोस्फेयर द गैसियस लेट सराउंड अर्थ ठीक है पृथ्वी को चारों तरफ से जो गैसियस ढकी हुई है गैसियस एनवल गैस का जो लिफाफा जो पृथ्वी के चारों ओर है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों आपका एटमॉस्फेयर। सो so, दो चीजें हमने पढ़ ली द वेरी फर्स्ट थिंग इज द लिथोस्फेयर एंड द सेकंड थिंग इज द एटमॉस्फेयर जो हमने डिस्कस किया अब मैं आता हूं दोस्तों तीसरी चीज पे दैट थिंग्स थर्ड थिंग इज द हाइड्रोस्फेयर तीसरी चीज क्या है प्यारे बच्चों मेरे पास तीसरी चीज है सर हाइड्रोस्पेयर हाइड्रोस्पेयर मतलब जलमंडल अरे अपने पास पानी भी तो बहुत सारा है कि नहीं है बताओ पृथ्वी का सत्तर प्रतिशत भाग जो है वो क्या है दोस्तों ऑलमोस्ट वाटर है समुद्र है ना प्रशांत महासागर हिंद महासागर ठीक है अटलांटिक ओशियन आर्कटिक ओशियन ठीक है ये सब क्या है दोस्तों ये सब क्या है सर दीज आर द हाइड्रोस्फेयर पानी से ढका हुआ भाग उसको हम हाइड्रोस्फेर बोलते हैं जल उसको कहते हैं सो दिस इन ऑल इट्स फॉर्म्स पानी किसी भी फॉर्म में आपका प्रेजेंट है तो उसको हाइड्रोस्फेयर आप बोलोगे ठीक है पानी जिस भी फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट है आपके आसपास प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों हाइड्रोस्फेर गाइज एक रिक्वेस्ट है यार जो वीडियो अभी देख रहा है और जो बाद में देखेगा गाइज एक छोटा सा लाइक बनता है यार बस और आपसे कुछ मैं मांगता नहीं हूँ बस मैं एक बात बोलता हूँ कि वीडियो लाइक कर दो यार ठीक है इतना सा ही है और मैं क्या हर एक वीडियो जो आप देखते हो ना गाइस यार लाइक करना बनता है आपको ठीक है क्योंकि कोई भी है अगर क्योंकि ये कॉन्टेंट आपको हेल्प कर रहा है ऑब्वियस बात है मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ आप ही लोगों लिए कर रहा हूँ अपने लिए तो नहीं कर रहा बट फिर भी आपको इससे फायदा अगर मिल रहा है तो गाइज़ एक लाइक बनता है सो आपसे सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और अगर आपको लगता है कि एक काम की है वीडियो तो बाकी लोगों के साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं इसको तो हाइड्रोस्पेयर जो है इट वाटर इन सॉल फॉर्म जितने भी पानी धरती में प्रेजेंट है ठीक है किसी भी फॉर्म में उसको हम हाइड्रोस्पेयर की श्रेणी में रखते हैं लास्ट होता है बायोस्फेयर बायोस्फेयर मतलब दोस्तों जैव मंडल ठीक है इसको हम बोलते हैं जैव मंडल देखो नाम से स्पष्ट है कि जहां जीवन उपस्थित है पृथ्वी का वो भाग जहां पर जीवन है उसको हम क्या बोलते हैं जैव मंडल द पार्ट ऑफ अर्थ जहां पर जीवन होता है दैट इज जैव मंडल यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों वेयर वी फाइंड लैंड वॉटर एंड एयर टूगेदर ऐसी जगह जहां भूमि जल और हवा तीनों एक साथ मिलती है ना वहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और उसी एरिया को हम क्या बोल देते हैं उसी एरिया को हम दोस्तों बायोस्फेर कह देते हैं ठीक है जैसा मैंने इसके केस में बताया था कि ये हमारे पास बायोस्फीयर है क्यों बायोस्फीयर है भाई ये? क्योंकि सर यहाँ पर तीनों चीज़ें आपकी एक साथ प्रेजेंट है आपका भूमि जल सब एक जगह प्रेजेंट है और इसी जगह को हम क्या बोल रहे हैं सर इसी जगह को हम बोल रहे हैं आपका दोस्तों बायोस्फीयर सो दिस इज आवर बायोस्फीयर ठीक है ये मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों दिस इज़ माई बायोस्फीयर ठीक है सो so, ये जीवन है ये यहीं पर जीवन मिलेगा इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बताइए आप मेरी बात को समझे सारे बच्चे है ना आसान है यार ठीक है मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आसान है तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना है कि मैं कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स बताऊंगा यहाँ पे क्योंकि जो छठी क्लास के बच्चों को एन पढ़ाई जाएंगी वो तो इसी लेवल की होगी ना अब सिक्स क्लास का बच्चा है आप, आप मुझे पता है साहब इंटेलिजेंट हो आपको लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हो ठीक है अब अप, अपने लेवल पर भी आएंगे बट पहले ये इसको छोड़ नहीं सकते ना इनको भी करना पड़ेगा है ना

यूरोप एशिया और ऑस्ट्रेलिया और नीचे क्या है अपने पास एंटार्क्टिका तो कुल मिला कितने कॉन्टिनेंट हो गए सात अच्छा ऐसे ही अपने पास पांच महासागर भी होते हैं बड़े बड़े उनका भी नाम याद होना चाहिए कि जैसे सर पहला है पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर एटलांटिक ओशियन एटलांटिक महासागर इंडियन ओशियन हिंद महासागर नीचे इसको एटलांटिक ओशन भी कह एंटार्क्टिका ओशन भी कह सकते हो या सदन ओशन दक्षिणी महासागर एंड दिस इज दर्कटिक ओशियन यानी कि आर्टिक महासागर सो so and वी हैव द डिफरेंट कॉन्टिनेंट एंड पास अलग अलग महाद्वीप भी हैं और अलग अलग महासागर भी हैं तो so, हमने इसमें महाद्वीप और महासागर की एक संरचना देखी जो आपके सामने है ठीक है तो ये भी हमारा हो गया अब मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों आपके साथ लिथोस्पेयर जो है इसको हम बात करें तो लिथोस्पेयर के अंदर में दो चीजें हम यहाँ पे रख रहे हैं पहला चीज रख रहे हैं कॉन्टिनें और दूसरा रख रहे हैं oceans. अब आप कहोगे तो के नीचे भी तो धरती है ठोस भाग नहीं है समुद्र के नीचे समुद्र के नीचे क्या है भाई समुद्र के नीचे क्या जोहड़ है तालाब है आपने देखा होगा ठीक है तालाब में पानी भर जाता है वो पानी तो है ठीक है दैट इज हाइड्रोस्फेयर पानी को हाइड्रोस्पेयर कहेंगे हम लेकिन वो जिस जगह पे भरा है भाई उसके नीचे तो जमीन है ना वो तो वो जो जमीन है उसके नीचे वो तो लिथोस्पेर ही कहोगे उसको ऐसे ही कुछ भी बोल दोगे समझे या नहीं समझे मेरी बात बताओ 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 भाई मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जो पानी भरा हुआ है वो तो हाइड्रोस्पेयर है जलमंडल है लेकिन उस पानी के नीचे भी तो धरती है और धरती भू भाग को सॉलिड भाग को हम क्या कहते हैं हाइड्रोस्पेयर ठीक है सॉरी उसको क्या कहते हैं हम तो के अंदर में, यानी कि भूमंडल के अंदर में अपने पास दो चीजें होती हैं पहली चीज होती है, है कॉन्टिनेंट हिंदी में कहते हैं महाद्वीप और दूसरी चीज होती है ओशियन बेसिन जिनको हम बोलते हैं महासागर ठीक है अब सर जी कॉन्टिनेंट अपने पास सात होते हैं महाद्वीप सात होते हैं पहला एशिया दूसरा यूरोप हिंदी में यही होगा एशिया को हिंदी में एशिया ही बोलेंगे ठीक है इनको हिंदी में पेशवा नहीं कहेंगे एशिया ही बोलेंगे दूसरा यूरोप ठीक है तीसरा मेरे पास आ जाता है अफ्रीका चौथा मेरे पास आ जाता है नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका हिंदी में भी सेम रहेगा पांच नंबर पर मेरे पास आ जाता है साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका छह नंबर पे मेरे पास आ जाता है ऑस्ट्रेलिया और सात नंबर पे मेरे पास आ जाता है दोस्तों क्या एंटार्क्टिका सो वी हैव दी सेवन डिफरेंट कॉन्टिनेंट सात अलग अलग कॉन्टिनेंट है मतलब सात अपने पास क्या है महाद्वीप अच्छा आपको पता है यूरोप प्लस एशिया को मिला के हम यूरेशिया कह देते हैं कितने बच्चों को पता है बात यूरोप प्लस एशिया कंबाइंडली दे नोन एज द यूरेशिया गुड इवनिंग आई एस ट्विंकल गुड इवनिंग कोई बात नहीं लेट वेट चलता रहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सो कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन ठीक है सो so, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं दोस्तों कॉन्टिनेंट्स आर 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 नथिंग नथिंग बट दे दे महाद्वीप एंड ओशियंस द महासागर तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है यहां पर है ना अब मैं महासागर के बारे में बताना चाहता हूं आपको महासागर कौन से हैं दोस्तों मेरे पास पांच महासागर है पहला है पैसिफिक पैसिफिक को क्या कहते हैं पता है आपको प्रशांत महासागर मैं हिंदी बता देता हूं आपको

और अगर डाउट नहीं है तो मूव वी अहेड वी 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 आगे बढ़ते हैं भाई बताओ जल्दी से kind of the इफ को कोई दो भागों में बांट दिया महाद्वीप और महासागर महाद्वीप के अंदर में प्रशांत महासागर एटलांटिक महासागर इंडियन ओशियन महासागर आर्टिक ओशियन ठीक है और उसके बाद एंटार्क्टिका ओशियन सदन ओशियन सो ये पांच अपने पास क्या है दोस्तों फाइव ओशियंस ठीक है ये पांच अपने पास क्या है दोस्तों दीज आर महासागर सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों पैसिफिक सबसे बड़ा है दोस्तों इसमें पैसिफिक और सबसे छोटा है दोस्तों इसमें आर्कटिक ओशियन यहां पर सबसे बड़ा है एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों इसके अंदर में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है दैट इज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इज दी स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट सो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी या है भाई बताओ साउथ ओशियन परमिला इसको कहते हैं ठीक है तो ये देखो ये जो है ना ये देखो यहां पर ये है सदन ओशियन इसको एंटार्क्टिका ओशियन भी कह दो आप इसको हम एंटार्क्टिका ओशियन भी कह सकते हैं और चाहो तो आप इसको सदन ओशियन भी कह दो एक ही बात है अच्छा कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती बट एक मैं बात बताता हूं मैं ये नहीं कह रहा तुम इंग्लिश सीखो और इंग्लिश में ही पेपर दो लेकिन हाँ किस चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये जरूर सीख लो ठीक है क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ में ये गड़बड़ बाद में बहुत होती है बट मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल पे जो बच्चा है इंग्लिश में पीछे रहे या हिंदी में पीछे रहे आज जो है हिंदी हमारी मातृभाषा है ठीक है और जो है इंग्लिश आज की रिक्वायरमेंट है जाने अनजाने में इंग्लिश को फेवरिज्म मिल रहा है ठीक है इस बात को मान लो ठीक है जाने अनजाने में क्योंकि यूपीएससी जो है ये अंग्रेज लोग बना के गए थे सिस्टम को अंग्रेज लोग छोड़, छोड़ के गए थे अब अंग्रेज लोग होंगे तो अंग्रेजी को तो प्राथमिकता दी ही जाएंगे ना तो ये आज भी वो जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो हमारे इस इंस्टीट्यूशन में बना हुआ है इसीलिए इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्राथमिकता मिल रही है सिलेक्शन भी ज़्यादा और हिंदी मीडियम का इस बार सिलेक्शन रेट बहुत कम है यार तो मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे को हिंदी में भी वो पीछे रहे मैं चाहता हूँ हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो वो आगे एक कदम आगे रहे सबसे ठीक है तो ये मेरा मानना है और ऐसा मैं चाहता हूँ इसीलिए मैं आपके साथ में मैं दोनों टर्म्स को यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो आपको दोनों सीखनी है ठीक है मुझे हिंदी से कोई परहेज नहीं है बट मैं चाहता हूं आप इंग्लिश भी सीखें ठीक है, है? इसीलिए मैं दोनों चीज यहां पे रखूंगा आप देखो सबसे पहला कॉन्टिनेंट पे आ जाते हैं एक एक कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं जैसे सबसे पहला कॉन्टिनेंट है एशिया आप देखो कुछ काम आपको करने हैं और कुछ काम मुझे करने हैं ठीक है दोनों हम करेंगे ठीक है सो so, दोनों को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कुछ काम आप करोगे और कुछ काम क्या करूंगा दोस्तों कौन करेगा मैं ठीक है आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट सब बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे जल्दी बताओ ठीक है अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी एशिया की ठीक है लेट्स टॉक अबाउट द द एशिया एशिया जो है ना दोस्तों दिस इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ठीक है है दुनिया का सबसे क्या है दोस्तों एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है इट कवर अबाउट वन थर्ड ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ पृथ्वी का एक तिहाई भाग इसके अंदर में आता है कितना दोस्तों हाँ आप सही समझ रहे हैं वन थर्ड पार्ट ऑफ द अर्थ इट कम्स अंडर दिस एक तिहाई भाग जो है पृथ्वी का वो इसके अंदर में आता है ठीक है द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिसफेयर पूरा कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिसफेर में ईस्टर्न हेमिसफेर पता है ना आपको क्या होता है दोस्तों ये अगर पृथ्वी है हमारी ठीक है ये पृथ्वी है तो मैंने बताया था ये जीरो डिग्री लॉन्गीट्यूड होता है और ये क्या होता है दोस्तों जीरो डिग्री लैटीट्यूड तो इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध इसके इधर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पश्चिमी गोलार्ध और इसके इधर क्या है पूर्वी तो हमारा जो ये है एशिया ये पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध के अंदर में स्थित है तीसरा अगली बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट के मध्य से यानी कि कर्क रेखा इसके मध्य से पास होती है किसके किसके मध्य से पास होती है एशिया के मध्य से है ना इसके अलावा क्या कह रहा है एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरो माउंटेन अब यूरोप को एशिया को अलग करने वाले पर्वत हैं अपने पास माउंटेन है अपने पास उस माउंटेन को हम बोलते हैं यूराल माउंटेन यूराल नदी ठीक है यहां पे है वो इसको क्या करती है एशिया से अलग करती है द कंबाइंड लैंड लैंडमार्क जो मैंने बताया आपको एशिया और यूरोप को हम क्या कह देते हैं दोस्तों यूरेशिया ये बात आप मेरी समझे या नहीं समझे जल्दी बताइए ये बात आप मेरी समझे या नहीं समझे कि किसको क्या कहते हैं ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द योर एशिया अब आपको क्या करना है देखो इस छठी क्लास की एनसीईआरटी में तो इतना ही दिया हुआ है मैं ये चाहता हूं कि आप एशिया का एक अच्छा सा जो है एक अपने घर में मैप होगा वर्ल्ड मैप होगा मैं चाहता हूं कि आप एशिया की जितनी भी कंट्री है ना उन सब कंट्रियों को एक बार देख लें मैप में ये हो सकता हो सकता सकता है कि नहीं बताओ मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं या बहुत कम कह रहा हूं मतलब क्या आप इतना, बस, मैं इतना सा बोल रहा हूं. हो सकता है कि नहीं हो सकता हो हाँ जाओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं एशिया की सारी कंट्रीज को आपको देख लेना एक बार उसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों हिंदी में है सेम बात है जो मैंने बताई थी नाउ लेट्स टॉक अबाउट में आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप बस उसको देख लो जाके उसमें कौन कौन से देश हैं उनका मैप देख लो जाके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा ना और एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा और अगर आपने उस सब्जेक्ट को उतना कर लिया गाइज मेरी बात मान लेना तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है को तुम्हें कोई थका नहीं सकता है तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है अगर आपने जो मैंने काम बता दिया उतना कर लिया तो ठीक है अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी यूरोप की ठीक है यूरोप कॉन्टिनेंट पे चलते हैं अब यूरोप जो है ना दोस्तों देखो ये रहा यूरोप ठीक है अब यूरोप में ये हमारी एक रेखा है जिसको हम बोलते हैं जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड जीरो ग्रीनविच रेखा ग्रीनविच लाइन बोला था ये हमारे पास पृथ्वी है इसके ठीक बीच से एक लाइन पास होती है जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड इधर है पश्चिमी गोलार्ध इधर है पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर जीरो डिग्री यहां से पास होती है आपको इक्वेटर बोलते हैं इधर होता है नॉर्थ हेमिस्पियर इधर क्या होता है दोस्तों साउथ हेमिसपेयर दक्षिणी गोलार्ध अब यूरोप कहां है अगर यूरोप में देखोगे दोस्तों तो जीरो डिग्री यहां से गुजर रहा है देखो ये रहा जीरो डिग्री तो जीरो डिग्री वैसे तो उत्तरी गोलार्ध में है लेकिन अगर आप वैसे देखोगे तो ज्यादातर ये कौन से गोलार्ध में है दोस्तों ईस्टर्न हेमिसपेयर में थोड़ा बहुत है पश्चिमी गोलार्ध में लेकिन ज्यादातर ये भी कहां है दोस्तों आपका ईस्टर्न तो यूरोप पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध दोनों में है ठीक है तो यूरोप बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है एशिया से बहुत छोटा है यहां पर आप देखोगे ना यहां पर यहां पर एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत यूराल फिर नीचे यूराल नदी है ठीक है इधर माउंटेन है 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 ठीक ठीक उसके बाद ये ये कैस्पियन सी है, है, ये इसको क्या करता है, एशिया से अलग करता है तो एशिया इधर हो गया इसको एशिया से क्या करता है दोस्तों अलग करता है तो यूरोप इज द मच स्मॉलर देन द दे एशिया एशिया से बहुत छोटा है द कॉन्टिनेंट लाइज टू तो द वेस्ट ऑफ द एशिया ये एशिया है एशिया के पश्चिम में ये कॉन्टिनेंट आपका क्या करता है दोस्तों लाइक करता है ये बात क्लियर है सभी बच्चों को ठीक इट लाइज द वेस्ट ऑफ एशिया ये एशिया के किधर लाई करता है दोस्तों वेस्ट में लाई करता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट भाई समझ पा रहे हो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहे समझ पा रहे बताओ सभी बच्चों से पूछ रहा हूं मैं चलिए आगे बढ़ता है दोस्तों ये कह रहा है कि इससे आर्कटिक सर्कल पास होता है यहां से देखो ये लाइन जो है ना ये लाइन आर्कटिक सर्कल की है। तो यहां से नॉर्थ पास होता है अब आप देखोगे किस किस देश से आप मुझे क्या देख के बताओगे ना विच कंट्री कौन सी कंट्री से यह पास हो रहा है कर सकते हो कि नहीं विच कंट्री ठीक है जोन कौन सी कंट्रीज है कंट्रीज दो लाइज ऑन दिस पर्टिकुलर सर्कल आर्टिक सर्कल है ना इसके ऊपर में कौन सी कंट्री करती है दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा भाई अरे समझ पा रहे आप यहां से आप देखोगे ना तो ये जो लाइन है ना इसको बोलते हैं साढ़े छियाठ डिग्री नॉर्थ तो किन किन देशों से गुजर रही है ये आपको अपने उसमें नोट्स में लिख लेना है ये लाइन है जीरो डिग्री नॉर्थ जीरो लॉन्गिट्यूड है ना ये किधर से गुजर रही है आपको ये भी देखना है, किन किन देशों से गुजर रही है आप देखोगे तो आपको तो चलेगा इंग्लैंड से गुजर रही है स्पेन से गुजर रहे फ्रांस से गुजर रही है और स्पेन से तो आपको पता होना चाहिए वैसे मैंने बता दिया साढ़े छियासठ कहाँ से गुजर रहा है आपको पता होना चाहिए और आपको एक बार यूरोप के देश भी पता होना चाहिए सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है और इधर मैं बता रहा हूँ ये यूराल माउंटेन है फिर यूराल नदी है फिर ये कैस्पियन सागर हो गया आपका ये कै कैसूज माउंटेन हो गया ये इसको एशिया से अलग करते हैं इधर है अपना एशिया ठीक है इधर एशिया है और एशिया के पश्चिम में आपका क्या है यूरोप है छोटा कॉन्टिनेंट है बहुत बड़ा नहीं है ठीक है इट इज बाउंडेड बाय द वाटर बॉडीज ऑन द थ्री साइड्स आप देखोगे ना तो नॉर्थ में इसके आर्कटिक सर्कल है है ना आर्कटिक ओशियन है नॉर्थ में इसके इधर अगर आप देखोगे तो इधर क्या है दोस्तों इसके एटलांटिक है एटलांटिक ओशियन नीचे अगर आप देखोगे तो इसके क्या है मेडिटेरेनियन सी तो कुल मिला के एक दो और तीन साइड से पानी से गिरा हिंदी में आर्कटिक महासागर इसको बोलेंगे एटलांटिक महासागर और इसको बोलेंगे भूमध्य सागर हिंदी में So, तीन साइड से किससे गिरा है दोस्तों आपका ये पानी से घिरा हुआ इसलिए हम इसको यूरोपियन पेनिनसुला भी कह सकते हैं ठीक है तीन साइड पानी से गिरा है दैट्स वी वी कैन कैन से से इट यूरोपियन प्रायदीप आगे पढ़ाऊंगा तो इसको हम वो भी कह सकते हैं ट द मैप ऑफ दी द वर्ल्ड एंड लोकेटेड ठीक है so, आप मैं चाहता हूं कि आप मैप में और ये सारी चीजों को लोकेट करने का कोशिश कीजिएगा कि कहां पर अटलांटिक है कहां पर आर्टिक है कहां भूमध्य सागर है छियासठ डिग्री कहां से गुजरता है ठीक है जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड कहां से गुजरता है यूराल पर्वत कहां है अरे कर लोगे या नहीं कर लोगे यार कर लोगे कि नहीं कर लोगे देखो फिर मैं फिर से एक बात बता देता हूं अगर आप मेरी बात मानोगे दोस्तों तो ज्योग्राफी तो मैं इतनी तुम्हारी इतनी स्ट्रॉन्ग करा दूंगा तुम्हें ज्योग्राफी से डर नहीं लगेगा और ना बोरियत महसूस होगी लेकिन आज जो मैं बताऊं हर दिन वो काम आपको करना है ठीक है जो मैं आपको बताऊंगा वो काम आपको करना है ठीक है चलिए आगे बढ़ना हैं तो ये दोस्तों अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन है नाइन मंथ का सब्सक्रिप्शन यू कैन अवेल इट ओनली एट फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स फाइव सेवन सिक्स सेवेंटी फाइव मतलब पैंतालीस हज़ार के आसपास नौ महीने का इसीलिए दोस्तों क्योंकि अभी कोई बच्चा सिर्फ प्रिलिम्स तक का लेना चाहे तो प्रिलिम्स तक के लिए नौ महीने बचते हैं और नौ महीने में बहुत कुछ हो सकता है पता है ना नौ नौ महीने में क्या क्या होता है ठीक है तो आप नौ महीने में यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हो उसके लिए जो है ये सब्सक्रिप्शन और अच्छी बात है इसमें किताबें भी फ्री मिल रही हैं आपको ये ऑफर इकतीस अक्टूबर तक वैलिड है ये तो मैं कहूँगा मत ही करो यार तीन महीने के लिए इतना पैसा खराब करना वेस्ट है इससे अच्छा तो यूट्यूब से पढ़ो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों सो दिस इज द वन ईयर सब्सक्रिप्शन एक साल का दो साल का मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा बच्चा एक या दो का दो देखो यूपीएससी की तैयारी में डेढ़ से दो साल लगते हैं भाई तू मानो या ना मानो। कई वा अपने वा अपने शाणे बनेंगे वो कहेंगे मैं तो दो महीने का लूंगा एक भाई तू एक महीने का भी मत ले सब्सक्रिप्शन कोई जरूरत नहीं है लेकिन क्यों पैसे भी खराब कर रहा है लेकिन आपके मानने ना मानने से कुछ ना होता तैयारी कम से कम यूपीएससी की दो साल लेती ही लेती है डेढ़ से दो साल लेती है आप मानो चमत्कार मानो तो यूपीएससी के एक साल का फीस ये है अभी रिवाइज है पह, पहले इतना था अब इतना है और दो साल का फीस जो है वो इतना था पहले अब इतना है ठीक है लेकिन इसके ऊपर में आपको टेन परसेंट ऑफ मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करने के लिए मेरा मेरा कोड कोड यूज करोगे मेरा है सुमित 10। सुमित दस परसेंट ऑफ मिलेगा और मेरा गाइडेंस आपके साथ रहेगा इसी प्रकार से ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें पर्सनल गाइडेंस मिलता है ये भी कर सकते हो ठीक है बट जो बच्चा मेरा कोड लगाएगा सुमित टेन वो मेरे साथ रहेगा मैं उसको गाइड करूंगा और इसमें ना आपको बता दूं मैं आपको पैंतालीस हजार रुपए की टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है अगर आप ये करते हैं ना मान लो ये बावन हजार रुपए का सब्सक्रिप्शन है इस पर पैंतालीस हजार रुपए की तो आपको सब्सक्रिप्शन पे टेस्ट सीरीज ही फ्री मिल रही है किताबें अलग से फ्री मिल रही है तो और क्या चाहिए दोस्तों जाओ और फटाफट आज ही जाओ कोड लगाओ सुमिट टेन और साथ ही साथ अभी मेरे दो कोर्स भी तो आ रहे हैं एनसीआर का कोर्स आ रहा है बेसिक से करेंगे और मेरा जोग्राफी ऑप्शनल आ रहा है तो दोनों चीजें भी आ रही है तो बस देर किस बात की यार जाओ और लग जाओ तो ये यूरोप है हिंदी वाले बच्चों के लिए कि यूरोप एशिया की तुलना में बहुत छोटा है महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है आर्कटिक सर्कल इसके मध्य से गुजरता है यह तीन तरफ से जल निकायों से घिरा हुआ है अब ये तीन तरफ से से जल निकाय कौन कौन हैं मैंने आपको बता भी दिए बट मैं चाहता हूं एक बार आप मैप में देखें और इनका पता लगाएं अगला कॉन्टिनेंट है हमारे पास दोस्तों अफ्रीका दिस इज अफ्रीका ठीक है बड़ा कॉन्टिनेंट इसको हम डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं अफ्रीका इज ऑल्सो नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट ठीक है अफ्रीका इज ऑल्सो नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट ठीक है इसको ये भी कहते हैं हम इसके मध्य से एकमात्र है जिसमें से जीरो डिग्री भी गुजरती है जिसमें से साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ भी गुजरती है और जिसमें से साढ़े तेईस साउथ कर्क रेखा मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती हैं यह महाद्वीप से आपका जीरो डिग्री भी गुजरता है जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड तो आप देखोगे तो ये महाद्वीप का कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में बट अधिकतर भाग इसका भी पूर्वी गोलार्ध में है ईस्टर्न हेमीस्फेयर के अंदर है ठीक है ज्यादातर तो अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया एशिया के बाद दोस्तों ये पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है महाद्वीप है इक्वेटर जीरो मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है ना जीरो डिग्री लगभग इसके ठीक बीच से जारी मैं चाहता हूं कि आप जीरो डिग्री में से कौन कौन से देश हैं जो जीरो डिग्री पे स्थित है कंट्री मैं चाहता हूं आप अपना नोट्स बनाए उस पर नाम लिखें हो जाएगा कर लोगे मैं चाहता हूं आप बनाए नोट्स की आप जाके मैप में देखे कि कौन कौन से देश हैं जो जीरो डिग्री के ऊपर स्थित हैं जो जीरो डिग्री जिनसे गुजर रहा है ठीक है मैं चाहता हूं आप ये जाके देखें कि साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ किन देशों से गुजर रहा है मैं चाहता हूं आप ये देखे जाके साढ़े डिग्री साउथ किन किन देशों से गुजर रहा है ठीक है ज्यादातर अगर मैं देखूं तो लार्ज भाग जो है इस हैमिस्पेयर का ठीक है इस इस, इस महाद्वीप का वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है क्योंकि इसके नहीं ऊपर आपके नॉर्थ हेमिसपेयर है ये साउथ है तो अधिकांश भाग इसका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और थोड़ा भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध में ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं आपकी गुजर रही हैं एकमात्र ऐसा महाद्वीप है इसके अलावा ऐसा कोई भी महाद्वीप नहीं है सारा डेजर्ट ये देखो यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सारा डेजर्ट आपका वो यहीं पर लोकेटेड है सबसे बड़ा डेजर्ट ठीक है अल अजीजिया जहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है वो भी यहीं पे लोकेटेड है लीबिया के अंदर सो so, बहुत वेरिड कॉन्टिनेंट है डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि इस कॉन्टिनेंट का बहुत सारा भाग जो है ना वो अभी अनएक्सप्लोर्ड है पता ही नहीं है लोगों को उसके बारे में ठीक है देश वाइट्स ऑल्सो नॉन्स द डार्क कॉन्टिनेंट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नील नदी भी इसी से बहती है आपको पता है ठीक है इधर विक्टोरिया लेक से निकलती है दो नदियों से मिलकर बनती है ब्लू नाइल और दूसरी है आपकी वाइट नाइल ब्लू नाइल एक इथोपिया से एक विक्टोरिया लेक से तो नील नदी भी यहां है तो मैं चाहूंगा आप मैप में नील नदी को भी लोकेट करें ठीक है इसको भी आप मैप में क्या करो लोकेट करो देखो जाके देखो ज्योग्रफी ऐसे ही चलती है भाई अगर आज तुम जोग्राफी मेरे कहने पर ऐसे ही चला रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बट अगर ऐसा नहीं किया आपने तो दिक्कत हो जाएगी समझ में आई बात दोस्तों आपको ठीक है अंकिता ज्योग्राफी बहुत आसान है ठीक है बहुत आसान है डियर आगे बढ़ रहा हूं मैं ये हिंदी भाषा में है अब अगला कॉन्टिनेंट है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका देखो ये उत्तरी अमेरिका ये उत्तरी अमेरिका की इधर अगर आप देखोगे तो यहां पर है पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर इधर अगर आप देखोगे तो यहां पर है Ocean, हिंद महासागर ऊपर अगर हम देखें तो यहां पर है हमारे हम तो पास गल्फ ऑफ मैक्सिको ये है हमारे पास कैरेबियन सी कैरेबियन सागर ठीक है और इससे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये लाइन गुजर रही है इस लाइन का नाम है दोस्तों साढ़े तेईस डिग्री मतलब कर्क रेखा और एक ये लाइन गुजर रही है जिसका नाम क्या है दोस्तों साढ़े छियासठ डिग्री आर्टिक सर्कल साढ़े अलास्का से और कनाडा से होके गुजरता है ठीक है है तीन ही मेन कंट्री इसमें कनाडा ऑस्ट्रेलिया सॉरी कनाडा यूएसए और मैक्सिको तीन ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, है यहां पर जो आपको ध्यान रखनी है जीरो डिग्री यहां से गुजर रहा है इसका मतलब क्या है दोस्तों क्लियरली आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में है

दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं ऑफ पनामा पनामा अरे पनामा नहर ठीक है यही बोलते हैं इसको ऑफ इस पनामा इसके अलावा द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में आपका ये स्थित है हिंदी भाषा में उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एक बार देख लेना इसको भी ठीक है बस ज्यादा कुछ नहीं है बस कंट्री है वो मैंने बता ही दी है आपको फिर भी एक बार आप मैप में मैं चाहूंगा कि आप इसको देख लें अब आते हैं दक्षिण अमेरिका ये रहा दक्षिण अमेरिका ठीक है ये जो भाग है ना इसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका

दक्षिण में और पश्चिमी गोलार्ध ये बात याद रखना वेस्टर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ओके सो तो से जीरो डिग्री पास हो रही है अब मैं चाहूंगा तो ये इक्वाडोर है ये देश है पेरू ठीक है उसके बाद में ये देश है आपका ब्राजील ठीक है तो किन किन देशों से पास होती है मैं चाहता हूं कि आप एक बार इनमें देखें जाके ठीक है सो तो चलिए दोस्तों साउथ अमेरिका जो है ये दक्षिण गोलार्ध में आपका लाई करता है एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला यहां से शुरू होता है और यहां तक नीचे तक ये यहां से लेकर यहां तक फैला है तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों वो आपका दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है और ये पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है इसके अलावा द साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर एमेजोन नदी पानी की टर्म्स में ठीक है सबसे लंबी नदी तो कौन सी है लंबी है नील नदी अफ्रीका में और लंबी के बाद लार्जेस्ट नदी की बात मैं कर रहा हूं तो लार्जेस्ट नदी जो है यहां पर है जैत इज नोन एज द एमाजोन नदी ठीक है क्या बोलते हैं एमाजोन नदी वो भी यहीं पर है जहां पर आंडाकोंडा पाया जाता है ना कोंडा हमारे साथ एक दोस्त पढ़ता था छोटे टाइम पे ना नाउ ही इज इन इंडियन आर्मी क्लर्क है इंडियन आर्मी में तो उससे बोलने में प्रॉब्लम होती थी तो एनाकोंडा कोई दिन उसने बोल दिया आंडाकोंडा ऐसे ही वेस्ट इंडीज रिकी पाउटिंग को पता नहीं क्या बोल दिया था उसने ठीक है रिकी पाउंटिंग बोला क्या बोला पता नहीं तो कुछ कुछ ऐसे ही बोलता रहता था ठीक है ना अनुकृति बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे सर पीछे का भी रिवाइज कराओ सो दैट्स वाई मैं इसको दोबारा करा रहा हूं जल्दी ही आठवीं क्लास का भी शुरू हो जाएगा अब ऑस्ट्रेलिया तो देखो ये रहा छोटा सा है ठीक है आप देखोगे दक्षिणी गोलार्ध में है यहां से एक लाइन पास हो रही है जिसका नाम साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ साउथ ये डिग्री पास होता है अगर आप इसके आसपास में वाटर बॉडी स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है ये चारों तरफ से ओशियंस और सी से घिरा हुआ है चारों तरफ से इसमें ओशियन और सीज हैं इट इज कॉल्ड एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों ठीक है एंटार्क्टिका एरा साउथ में कंप्लीटली इन द सदर्न कॉन्टिनेंट बड़ा कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया से तो बड़ा ही है और साथ ही साथ में पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है द साउथ पोल इज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट ये दिख रहा है आपको ये साउथ पोल है ठीक है ना एज इट इज लोकेटेड द साउथ पोल रीजन इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस पर अब से ढका हुआ है ठीक है कंप्लीटली आइस कवर्ड है ये कंप्लीटली बर्फ से ढका। देर दर इज नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ कोई आदमी रहता नहीं है यहाँ बस हमने रिसर्च सेंटर्स बना रखे हैं अलग अलग और रिसर्च सेंटर्स किसके कौन से सेंटर्स हैं इंडिया के भी सेंटर्स हैं तो आपको उनके नाम पता होना चाहिए यूपीएससी पूछता है मनी कंट्रीज है इन एंटार्क्टिका इंडिया ऑल्सो हैव रिसर्च स्टेशन देयर कौन से है बस मैं नाम जानना चाहता हूँ बट मैंने बता ही दिया है यहाँ पर मैत्री दक्षिण गंगोत्री ये नाम है जो इंडिया के रिसर्च स्टेशन है यहाँ कोई रहता नहीं है अंटार्क्टिका पे कोई ना रहता भाई ठीक है यहाँ कोई ना रहता अच्छा एक काम आप कर लेना यार ठीक है मैंने बोला ना ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से वाटर बॉडीज से और सी से घिरा हुआ है तो आपको नाम देख लेना कौन से महासागर है वाटर बॉडीज है मैप उठाना ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ जैसे ये है ठीक है? है, है? है ये क्या है ये गल्फ ऑफ कार्पेंथ्रिया है आराफूरा सी ठीक है ये क्या है ठीक है इधर ये क्या है ये क्या ये सारी चीजें एक बार देख लेना मैप में वैसे तो मैं आपको वर्ल्ड जोग्राफी में पढ़ाऊंगा बट फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार आप ये देख लें सब ये हमने कर लिया अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नाउ कम टू द दाइड्रोस्पेयर हाइड्रोस्पेयर क्या है दोस्तों देखो पूरा जो जलीय भाग है जल किसी भी फॉर्म में होता है तो उसको हम हाइड्रोस्फेयर है कहते हैं आपको पता है पूरी धरती पे जो पानी है ना सत्तानवे प्रतिशत पानी जो है वो आपका किस में आता है ओशियन वाटर मतलब वो काम का ही नहीं है हमारे कोई काम का नहीं सत्तानवे परसेंट पानी साढ़े सत्तानवे सिर्फ ढाई परसेंट पानी है जो फ्रेश वाटर है और ये भी अलग अलग जगह पे स्टोर्ड है नदी की फॉर्म में ग्लेशियर के फॉर्म में ग्राउंड वाटर के फॉर्म में और इसी पानी का हम क्या करते हैं दोस्तों यूज करते हैं पता है आपको इस बार इससे ऐसे इससे भी सवाल आया था ठीक है इस ऐसे टॉपिक से भी यूपीएससी ने इस बार सवाल पूछा था सो so, ओशियन में सत्तानवे पॉइंट पांच परसेंट जो है वो आपका हाइड्रोस्फेयर जो है वो आपका कैसा है दोस्तों so, ए, समुद्र का पानी केवल ढाई परसेंट पानी है जो फ्रेश वाटर है द अर्थ इज कॉल्ड एज अ ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द वाटर ये पानी है ना इसके ऊपर इकहत्तर प्रतिशत पूरी पृथ्वी का भाग जो भागेंटी वन परसेंट इट इज कवर्ड विद द विदर ओशियन वाटर एंड ट्वेंटी भूमि वाला भाग अब इसीलिए पानी है तो वो नीला दिखता है इसलिए ब्लू प्लैनेट कहते हैं हाइड्रोस्पेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म जो हाइड्रोस्पेयर है उसका मतलब क्या है जब पानी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ जो पानी होता है उस वाले भाग को हम हाइड्रोस्पेयर या भूमंडल कहते हैं रनिंग वाटर इन द एंड रिवर्स एंड इन द लेक्स सारी चीजों को हम किस में रखते हैं दोस्तों हाइड्रोस्पेयर के अंदर में आप देखो ऐसे हम डिवाइड करते हैं जैसे ये पहला है ये पहला हमारा हमाराफेर की ना लेयर होती हैं अलग अलग ठीक है लग -लग। वैसे मैंने आपको पढ़ाई भी है बट फिर और भी पढ़ाएंगे जैसे हम यहां रहते हैं तो जो पहली लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर दूसरी को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर मिजोस्फेर थर्मोस्फेयर एक्सोस्फेयर हिंदी में ट्रोपोस्फेयर छोभ मंडल इधर दिखाते हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है उसके बाद आती है, फिर एग्जोस्फेर आता है हमारा, फिर फिर आता आता है, फिर आता है, ठीक है इनके नाम भी हैं। इसको हम क्या बोलते हैं पहली लेयर ये वाली जो है ना इसको हम नाम क्या देते हैं प्यारे बच्चों दिस इज नोन एज छोभ मंडल छोभ मंडल आपको पता है धरती से कितनी ऊपर है जीरो से लेकर दस किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है धरती से भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है भूमध्य रेखा पे जीरो से लेकर अठारह किलोमीटर तक पाई जाती है जबकि पोल पर ध्रुवों पर ये जीरो से लेकर सात किलोमीटर तक पाई जाती है छ किलोमीटर तक पोल एंड इक्वेटर सर ऐसा क्यों आगे वाली आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे आप स्टेटोस्पेयर जो होता है ना इसको हम बोलते हैं समताप मंडल ठीक है इसमें तापमान समान होता है वायुदाब समान इसलिए समताप मंडल कह देते हैं बट वो भी एक पर्टिकुलर एक्सटेंड तक ये लेयर होती है हमारी 10 से लेकर कितना दोस्तों 30 किलोमीटर ठीक है इसी लेयर में आपकी ओजोन गैस पाई जाती है ओजोन गैस ना इसी में पाई जाती है स्टेटोस्पेयर के बाद आता है मीजोस्पेर. मीजोस्पेर मतलब मध्यमंडल ये कितना है आपका दोस्तों सॉरी यह 50 तक है ठीक है ये अप फिफ्टी डिग्री किलोमीटर ये 50 से लेकर आपका 80 किलोमीटर है ठीक है इसके ऊपर है थर्मोस्फेयर ठीक है और एक्सोस्फेयर को बोलते हैं बाह्यो बाह्य मंडल थर्मो को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता इसका है आपका 80 किलोमीटर से लेकर साढ़े चार किलोमीटर और ये साढ़े चार से प्रभु की इच्छा तक इसमें आप जाओगे हाइट के साथ हाइट को लिखते हैं ऑल्टीट्यूड हाइट के साथ साथ तापमान आपका डिक्रीज करेगा ठीक है में जाओगे तो इसके अंदर में हाइट के साथ साथ तापमान आपका इंक्रीज करेगा इसमें हाइट के साथ साथ आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा इसमें हाइट के साथ साथ आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ये प्रॉपर्टी है आगे पढ़ोगे बस मैं अभी यहीं पे बता रहा हूं आपको सो दीज आर द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर ठीक है अब इसके अलावा आता है दोस्तों बायोस्फेयर देखो बायोस्फेर तो वो भाग है ना जहां पर जीवन है मैंने क्या बोला अगर पृथ्वी एक सेब है ना तो उसका जो छिलका है ना वो है क्योंकि वहीं पे जीवन है तो वो भाग जहां पर तीनों जोन जोन में रहते हैं हैं उसको हम कहते नैरो ऑफ द द बिटवीन लैंड वाटर एयर उसको हम बोलते हैं ठीक है समझ में आई बात और इसको भी हम क्या बोल देते हैं दोस्तों दो भागों में बांट देते हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम देखो यही था इस टॉपिक में आप मैं चाहूंगा कि एक बार इसको पढ़ें सारे के सारे बच्चे ठीक है सभी बच्चे इसको पढ़ें और जब आप पढ़ लें अगर किसी बच्चे को पढ़ने के बाद कोई डाउट आता है ना तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख दें कि सर मुझे ये डाउट आ रहा है ठीक है कमेंट को बॉक्स को मैं पर्सनली चेक करूंगा और अगली क्लास आने से पहले मैं उस डाउट को क्या कर दूंगा दूर कर दूंगा तो कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ज़रूर सो so दैट मैं आपके डाउट को दूर कर सकूं ऑन दिस नोट एम दिस सेशन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया अभी एक छोटा सा पढ़ने का है 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 सेम बात जो जो मैंने अभी बताई आज चैप्टर चैप्टर दोस्तों दिस इज मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ अब देखो मैं ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा नहीं भाई ठीक है वो अपना स्टाइल नहीं है ठीक है मैं इसको पढ़ा दूंगा उसके बाद आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेना ठीक है आपको लगे कि कोई चीज छूट गई है तो बताना ठीक है फिर बात करते हैं सूरज सिंह नमस्ते यार आपको लगे कोई चीज छूट गई है तो बता देना ठीक है बाकी कुछ बचेगा नहीं मैं इस तरीके से आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं तो सबसे पहले मैं लैंडफॉर्म्स की बात करूं देखो ये लैंडफॉर्म्स हैं आपको दिख रहे हैं अलग अलग जैसे इसमें यहां पर देखें तो ये पर्वत ये माउंटेन है पर्वत है ठीक है ये पर्वत है अब ये इतना पूरा देखो पर्वत कंटिन्यू है तो इसको हम बोल देते हैं पर्वत श्रृंखला दिस इज द माउंटेन रेंज है ना कंटिन्यू है माउंटेन अब छोटे छोटे बनते हैं दोस्तों इनको हम हिल्स कह देते हैं ठीक है ये प्लेन एरिया इसको मैदान कह देते हैं ठीक है इसके अलावा डेल्टा पेनिनसुला लेक ये सब क्या है दोस्तों दीज ऑल आर लैंडफॉर्म्स ठीक है ये अलग अलग क्या है दोस्तों लैंडफॉर्म्स हैं इन लैंडफॉर्म्स को हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इनको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं स्थलमंडल सो so, लैंड आर नथिंग दे आर द स्थल मंडल इनको हम स्थलमंडल बोलते हैं और इन स्थल मंडलों का निर्माण कैसे होता है दोस्तों पृथ्वी पर लगने वाले अलग अलग बलों के कारण या पृथ्वी पर होने वाली अलग अलग घटनाओं के कारण कुछ घटनाएं पृथ्वी के अंदर से प्रेरित होती हैं पृथ्वी के अंदर कुछ होता है ठीक है जैसे आपको चोट लगती है मतलब आपकी बॉडी में कोई दिक्कत होती है तो दो प्रकार से होती है ना या तो अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है कुछ खा लिया था ठीक है आप पेट में गड़बड़ हो रही है और दूसरा आपको कोई बाहर से चोट लग जाए तो ऐसा ही पृथ्वी भी डिफॉर्म्ड होती है पृथ्वी का जो लैंडफॉर्म है वो तो भी आज क्या हो रहा है बदल रहा है दोस्तों ठीक है अब बदल दो प्रकार से रहा है या तो कुछ अंदर से हलचल हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है एक भाग आपका ऊपर उड़ जा रहा है दूसरा भाग आपका नीचे धस जा रहा है पृथ्वी के अंदर से कुछ ऐसा होता है कि एक भाग ऊपर उड़ जाता है अपलिफ्ट दूसरा भाग नीचे चला जाता है सिंक ठीक है उठे हुए भाग को क्या बोल देंगे माउंटेन और धसे हुए पार्ट को क्या बोल देंगे दोस्तों रिफ्ट वैली ठीक है सही है और दूसरा जो पृथ्वी पर बाहरी बल है जैसे हवा पानी बर्फ इनसे क्या होता है पानी अब बहेगा ना नदी बहती है तो क्या करती है जो ढलान वाले एरिया है पहाड़ वाला वहां तेज गति से बहेगी तो वहां पे कटाव करेगी और उस कटे हुए भाग को ले जाके कहां जमा करेगी दोस्तों प्लेन एरिया में मैदानी भाग के अंदर है ना और उसी से किसका निर्माण होता है दोस्तों प्लेन्स का मैदानों का निर्माण हो जाता है जैसे उत्तर भारत के मैदान ये बताया हुआ है आपको मैंने ठीक है बाकी डिटेल के अंदर में हम और भी पढ़ेंगे बट अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगा बिकॉज यही आपको करना है ठीक है ओके तो ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है आर यू गेटिंग माई पॉइंट दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं लैंडफॉर्म्स क्या है दोस्तों दे आर द फीचर्स फीचर्स का मतलब है जैसे पर्वत हो गया पठार हो गया मैदान हो गया सो लैंडफॉर्म्स आर जस्ट द फीचर्स ये ऐसे ही फीचर्स हैं जो पृथ्वी की सतह पे पाए जाते हैं और जिनसे पृथ्वी की सतह का निर्माण होता है विच फॉर्म्स द टेरेन टेरेन मतलब स्थलमंडल स्थितकृतियां ठीक है सो so, ये पृथ्वी का वो भाग है जो जिससे पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है स्थलाकृति जो है उनका निर्माण होता है जैसे आपको पता होगा पर्वत हो गया पठार बन गया मैदान बन गया ये सब इन्हीं से बनते हैं जैसे माउंटेन वैली प्लेन प्लेटू ये सब क्या है दोस्तों दीज आर द लैंडफॉर्म तो लैंडफॉर्म समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों लैंडफॉर्म कुछ नहीं है दे आर द फीचर्स एक भाग है एक स्थलाकृति है दोस्तों जो पृथ्वी के ऊपर बनती है पृथ्वी के भूभाग पे पृथ्वी के स्थल पे, मंडल पे भूमंडल पे इनका निर्माण होता है और इनका निर्माण दो प्रक्रियाओं से होता है दो प्रकार के फैक्टर एक्सटर्नल और इंटरनल आंतरिक और बाह्य ठीक है।, है दो प्रकार के फैक्टर है मेरे पास दोस्तों अंदर का यानी कि आंतरिक और बाहरी ठीक है बाह्य बल अच्छा इनको हम वैसे ज्योग्राफी में इंटरनल एक्सटर्नल नहीं होता इंटरनल के लिए हम यूज करते हैं एक वर्ड एंडोजेनिक एंडोजेनेटिक और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दोस्तों एक्सोजेनेटिक ठीक है अभी लेकिन अभी इसमें है नहीं सिक्स क्लास के बच्चों को इतना नहीं पढ़ाया जाएगा छठी क्लास की एनसीआर तो ये चीजें यहां पे नहीं आएंगी तो बस आप यही याद यहां से यही याद रखोगे कि आंतरिक होता है और बाह्य और इन आंतरिक और बाह्य बलों के कारण ही दोस्तों आपका जो लैंडफॉर्म है ठीक है इनका निर्माण होता है स्थल मंडलों का निर्माण सीधी सी बात क्या है हमारे पास है सर लिथोस्पेयर लिथोस्पेयर मतलब पृथ्वी का भूभाग ठीक है अब इस पे बल लगते हैं दो प्रकार के पहला और दूसरा सर पहला बल है इंटरनल जो पृथ्वी के अंदर से आता है और दूसरा बल है सर एक्सटर्नल जो पृथ्वी के बाहर से आता है और इन्हीं बलों की वजह से दोस्तों आपके अलग अलग लैंडफॉर्म्स का क्या होता है निर्माण होता है और ये लैंडफॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों दे आर द थ्री टाइप कौन कौन से सर पहला बोल रहा है आपसे माउंटेन ठीक है दूसरा बोल रहा है सर आपसे प्लेटू और तीसरा बोल रहा है सर आपसे प्लेन सो दीज आर द थ्री डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे समझ पा रहे हो आगे बढ़े भाई ठीक है चलिए आगे बढ़े ओके डन अरे कई होते हैं ऐसे वो क्या करेंगे सर चैप्टर कौन सा चल रहा है सर क्लास कब शुरू होगी उस पर लिखा हुआ है नौ बजे मतलब जब आप क्लास देखते हो तो नीचे टाइटल में तो लिखा हुआ कुछ पढ़ते होंगे ना आप उसमें लिखा है क्लास नौ बजे शुरू होगी बट सर क्लास कब शुरू होगी उसमें कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं अब नौ बजे का लिखा हुआ है तो नौ ही बजे शुरू होगी ना ठीक है So, पहले तो होगी नहीं से लेट ही हो सकती है पहले तो नहीं होगी इतना पंचवल में होनी कि पहले क्लास शुरू कर दू ठीक है तो ध्यान दिया अगर आप ये पूछ रहे हैं कि चैप्टर कौन सा चल रहा है ये चैप्टर ये चल रहा है बीसवा चैप्टर छठी क्लास की अनुसार लिखा हुआ है देख उसमें ठीक है इंडेक्स में छठी क्लास का छठा चैप्टर ठीक है और क्या होता है ठीक है तो ये हमने भू आकृतियां जो है वो पढ़ ली अब बात करते हैं इंटरनल प्रोसेस आंतरिक ठीक है अब आंतरिक में पृथ्वी के अंदर में जो होता है इससे दो प्रकार की चीजें होंगी ठीक है आंतरिक चीजों से क्या या तो अपलिफ्टमेंट होगा अपलिफ्ट मतलब ऊपर उठना ठीक है होगा क्या कि कोई भाग है पृथ्वी का जैसे ये है तो पृथ्वी के अंदर कुछ हुआ तो ये भाग ऊपर उठ गया अब दोस्तों जो भाग ऊपर उठता है ठीक है उससे क्या बनते हैं आपके कॉन्टिनेंट्स और जो नीचे धस गया जैसे ये भाग है नीचे धस गया तो इससे क्या बन गया दोस्तों आपके पास ओशियन ठीक है जिसको हम क्या बोल देते हैं महासागर तो आप समझिएगा पृथ्वी के अंदर जो बल लगते हैं अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा एपीरोजेनेटिक, ठीक है इन, इन बल को ना ठीक है इस मूवमेंट को हम बोलते हैं अपीरोजेनेटिक मूवमेंट ठीक है मूवमेंट ठीक है अब जिसको देखनी है यू कैन गो एंड वॉच इन द वॉच्राफी जीरो पर जाकर देख सकते हो बट मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा यहां पर भी पढ़ाऊंगा छी क्लास के एनसीआर टी में जितना दिया है पहले वही पढ़ेंगे सो so, ये क्या कह रहा है पृथ्वी के अंदर जो होता है ना कुछ कुछ पृथ्वी है ठीक है अब इसके अंदर जो भी है इसके पेट में दर्द हो रहा है, है. तो इससे क्या होगा दोस्तों इससे दो प्रकार की चीजें होंगी ठीक है दो प्रकार की चीज या तो एक भाग इसका ऊपर उठ जाएगा और दूसरा भाग नीचे जो भाग ऊपर उठेगा महाद्वीप बन जाएगा ठीक है जो भाग ऊपर उठेगा दोस्तों महाद्वीप और जो भाग नीचे धसेगा ठीक है जो भाग नीचे जाएगा दोस्तों सिंक करेगा नीचे जाएगा इससे किसका मैदान निर्माण होगा दोस्तों नीचे भरे नीचे गए हुए भाग पे पानी भर जाएगा और उसमें महासागर पानी भरेगा तो क्या बन जाएगा महासागर तो गाइज यहां पर दो चीजें बनेंगी आपका ठीक है दो चीजें इंटरनल प्रोसेस से ठीक है अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग अपलिफ्टमेंट से कॉन्टिनेंट्स बनेंगे और यहां से क्या बन जाएंगे दोस्तों आपके उशियन ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आई समझ में आ गई सो इंटरनल प्रोसेस जो है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द टू थिंग्स पहला है अपलिफ्टमेंट एंड दूसरा है सिंकिंग अपलिफ्टमेंट से कॉन्टिनेंट्स बनते हैं और सिंकिंग से किसका निर्माण होता है प्यारे बच्चों ठीक है यहां से ओशियन का निर्माण आपका होता है उत्थान और डूबना उत्थान से महाद्वीप बनते हैं और इससे आपके महासागर बनते हैं ये सब आंतरिक प्रक्रियाओं का नतीजा है जो पृथ्वी के अंदर कुछ कुछ होता है अब हम बात करेंगे सर एक्सटर्नल प्रोसेस एक्सटर्नल प्रोसेस में तीन प्रकार की प्रोसेस का मैंने नाम लिया है पहला होता है कटाव भाई पानी बहता है ठीक है हवा चलती है तो क्या होता है इससे कटाव एक जगह से चीजें कटती हैं और दूसरी जगह पर वो कटी हुई चीजें

और ये एजेंट एजेंट का मतलब है कारक कौन कौन सी चीजें इसके लिए जिम्मेदार हैं? अब कटाव और जमाव के लिए पानी जिम्मेदार है हवा जिम्मेदार है और बर्फ ठीक है आइस ग्लेशियर मेल्टिंग आइस मेल्ट होती है तो, तो ये तीन चीजें हैं जिनसे दोस्तों आपके वेरियस टाइप ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट ठीक है मैं आपको क्या बोल रहा हूं सर मैं बोल रहा हूं जो एक्सटर्नल प्रोसेस है हमारे पास पृथ्वी में जो बाहरी प्रकार के बल लगते हैं इससे आपका मुख्यतः तीन चीजें बनती हैं पहली जो चीज बनती है दैट इज इरोजन दूसरी चीज जो होती है दैट इज डिपोजिशन और तीसरी जो चीज होती है दैट इज नोन एज द थर्ड चीज जो है मैं मतलब एजेंट सो बेसिकली व्हाट वी वी आर आर डिस्कसिंग डिस्कसिंग अबाउट द टू थिंग्स जो पृथ्वी के बाहरी बलों के कारण जिनका निर्माण होता है आंतरिक बलों के कारण महाद्वीप और आपका महासागर का निर्माण और बाहरी जो चीज है उनसे क्या हो रहा है या तो कटाव हो रहा है या जमा हो रहा है या तो इरोजन और या डिपोजिशन इरोजन का मतलब क्या होता है इरोजन का मतलब होता है दोस्तों वियरिंग ऑफ ऑफ द लैंडफॉर्म ठीक है यहां पे लिखा हुआ है वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस जब पृथ्वी की सतह का कटाव होता है वो तो नाम से ही समझ गए आप कि इरोजन में कटाव होगा डिपोजिशन में क्या होगा इसमें जमा होगा ठीक है इसमें नए प्रकार का लैंडफॉर्म्स बनेगा लैंडफॉर्म तो दोनों में ही नए प्रकार का बनेगा चाहे कटाव हो चाहे जमाव हो दोनों में नहीं नए प्रकार का ही लैंडफॉर्म्स बनेंगे दोनों में स्थलमंडलों का इसमें हो इसमें इरोजनल कटाव वाले स्थलमंडल बनेंगे आगे पढ़ेंगे आप लोग दोस्तों जब ऑप्शनल जिसके पास है वो पढ़ेगा इसमें जमाव वाले स्थलमंडल बनते हैं उदाहरण दो मुझे सर उदाहरण में यहां पर देखो सर कटाव वाले जलमंडल में बताओ मुझे सर इसमें वैली बनती है ना घाटी बनती है और जमाव में सर डेल्टा बनता है है ना तो डेल्टा क्या है जमाव वाले स्थलमंडलों का उदाहरण है सिंपल बताया ना आपको बहुत ज्यादा आपको ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई ठीक है एनसीआरटी का पीडीएफ चाहिए देखो मैं देता हूं एनसीआरटी का पी तुम्हें अभी ये लो जिसको एनसीआरटी का पीडीएफ चाहिए यहां से डाउनलोड कर लो ठीक है यहां से डाउनलोड कर लो एनसीआरटी का पी ओके बाकी प्लस वाले बच्चे टेंशन मत लो उनको जब प्लस पे कराऊंगा तो ये सारी की सारी ये की पीडीएफ आपको मिलेंगी ठीक है जब प्लस पे आप करोगे ये पूरा कोर्स तो ये सेम पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा आपके साथ ऑन प्लस प्लेटफॉर्म दस तारीख को अपना कोर्स जो है वो आपके सामने आ जाएगा उसकी पूरी रूपरेखा उसका पूरा समय आपको पता चल जाएगा ठीक है अभी थोड़ा सा छुट्टी उट्टी की वजह से आपको नहीं दिख पा रहा बट दस तारीख को यू विल कंफर्मड अबाउट दैट आपको सारी चीज दिख जाएगी तो वहां पर मैं पूरी पी आपको दे दूंगा ठीक है तो आपको पी की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं बाकी जिन बच्चों को पढ़ना है इंटरनेट से वो यहां से देख सकते हो जो मैंने आपको ऊपर शेयर कर दिया है ठीक है वहां से आप देख लीजिए वहां से हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं सर एजेंट मैंने बता ही दिया तीन एजेंट हैं अब ये हिंदी वाले छात्रों के लिए है ठीक है हिंदी वाले छात्रों के लिए ना मूव टू द नेक्स्ट पार्ट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स यार सर कितने प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते हैं स्थल मंडल प्यारे बच्चों मैं बात कर रहा हूं स्थल मंडल की सर कितने प्रकार के स्थल मंडल बनते हैं इस पृथ्वी पर इस भूभाग पर इस भूमंडल पर सो देर आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स देर आर ऑन अर्थ और इनमें तीन प्रकार के लैंडफॉर्म्स में कौन कौन से आते हैं सर पहला आता है माउंटेन दूसरा आता है प्लेटू एंड द थर्ड इज द प्लेन सो तीन प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं जो यहां पर बनते हैं और वो तीनों लैंडफॉर्म्स कौन कौन से मैंने आपको बता दिए पहला लैंडफॉर्म जो बनता है सर माउंटेन माउंटेन क्या होता है सर सर कोई भी उठा हुआ भाग है ना भाई ऐसा कोई भाग उठा हुआ हो है ना जिसकी क्या हो दोस्तों पीक हो चोटी हो मैं आपको बताता हूं एवरेज हाइट मस्ट बी ग्रेटर देन 90 नौ सौ मीटर भाई ऐसा कोई भी भूभाग है ना जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से ज्यादा हो ठीक है ऐसे खड़ा हो भूभाग पृथ्वी के उससे और एक चोटी हो ठीक है बेस जो है इसका चौड़ा होता है और चोटी क्या होती है पीक जो होता है थोड़ा सा नैरो होता है इसको हम माउंटेन बोल देते हैं ठीक है अब सर क्या होता है सर भूमि का उठा हुआ भा, भूभाग ठीक है भूमि से उठाओ जिसकी हाइट जो है इट शुड बी मोर देन 600 मीटर 600 मीटर से ज्यादा इसकी हाइट हो है ना एंड साथ ही साथ में जो टॉप सरफेस है इट मस्ट बी फ्लैट ये क्या होनी चाहिए दोस्तों फ्लैट समतल होनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए दोस्तों आपकी समतल अगर आपने ऐसा देखा ठीक है कि किसी ऐसे सर्फेस है जिसकी टॉप सर्फेस आपकी फ्लैट है तो वहाँ पर आप मान के चलिए उसको हम पिठार बोल लेंगे एवरेज हाइट मस्ट बी मोर देन सिक्स हंड्रेड फीट और प्लेन तो प्लेन ही होता है ठीक है मैदानी भाग समतल ठीक है तो आप मेरी बात समझे क्या होता है पर्वत क्या होता है मैंने आपको नॉर्मली बताया ठीक है पर्वत भूमि से स्थल से उठा हुआ भाग जिसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से ज्यादा होती है जिसकी चोटी होती है ठीक है इसी प्रकार से प्लेटू क्या होता है सर प्लेटू सर पृथ्वी का उठा हुआ भूभाग स्थलमंडल का उठा आपका भूमंडल का उठा हुआ भूभाग जिसकी ऊपरी सतह समांतर समतल हो ठीक है और साथ साथ जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो और प्लेन तो आपको पता ही है प्लेन के बारे में क्या ही बताऊं ठीक है सो दीज आर प्लेन यहां पे दिखाया हुआ प्लेन, है प्लेन ठीक है इसके अलावा so ये प्लेटू है ठीक है सो दिस इज प्लेटू वाला पार्ट एंड दिस इज माउंटेन वाला पार्ट ओके डन पहाड़ पठार और मैदान लैंडफॉर्म्स के तीन प्रकार होते हैं अब हम एक एक करके बात करते हैं सर सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन्स सो दीज आर माउंटेन्स ये हमारे पास माउंटेन है अच्छा ये सारा जो मैंने बनाया है ना ये कंटेंट ये एनसीआरटी से ही बनाया है है ना तो ये कोई भी कंटेंट एन से बाहर का नहीं है एन से ही बनाया गया है आप जब एन का ये चैप्टर देखोगे पढ़ के तो ये सारी चीज़ें इमेज वगैरह सब आपको मिल जाएगा हाँ कुछ मेरा एक्स्ट्रा इनपुट है जो चीज़ें मान लो आप कुछ बेसिक बातें हैं जो मान लो उसमें नहीं दी गई थी वो मैंने ऐड की है जैसे अभी पीछे देखा ना आपने अभी एन में ये नहीं बताया गया जो अभी मैंने पढ़ाया आपको ये नौ मीटर छः मीटर ऐसा नहीं बताया एन में बट ये मैं आपको एक्स्ट्रा इनपुट दे रहा हूँ ठीक है तो आप जब भी इनमें नोट्स बनाएं तो ये चीज़ें अपनी लिख लेना अब बढ़ते हैं दोस्तों माउंटेन की तरफ सर माउंटेन का मतलब पर्वत क्या होता है सर अ माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस देखो पृथ्वी की सतह का कोई भी उठा हुआ भाग है ना इसने क्या बोला एलिवेशन एलिवेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों इसका मतलब होता है उठा हुआ भाग ठीक है सो so, पृथ्वी के सतह का कोई भी उठा हुआ भाग उसी को हम क्या कहते हैं माउंटेन यानी कि पर्वत कहा जाता है है ना और इसकी ऊंचाई मस्ट बी मोर देन 900 मीटर 900 मीटर से क्या होनी चाहिए ऊंची तो तो पृथ्वी का कोई भी ऐसा भूभाग है 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 जो आपको दिख रहा है जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से ज्यादा तो आप कह दोगे कि ये क्या है? पर्वत है माउंटेन है ठीक है अभी जो माउंटेन्स होते हैं दोस्तों इनका क्या होता है इनकी जो चोटी होती है वो छोटी होती है स्मॉल पीक समिट छोटी होती है इनका बेस बड़ा चौड़ा होता है जैसे अभी मैंने बताया जैसे ये इस प्रकार के पर्वत इस प्रकार के होते हैं ठीक है तो पीक जो है समिट कम होती है समिट मतलब छोटी चोटी होती है और जो बेस है दोस्तों बहुत ब्रॉड होता है बेस बहुत चौड़ा होता है अब इसी में हम कहते हैं रेंज रेंज मतलब होता है श्रृंखला माउंटेन मतलब पर्वत और रेंज मतलब दोस्तों श्रृंखला तो श्रृंखला क्या होता है जब बहुत सारे माउंटेन ऐसे अरेंज हो जैसे हिमालयन रेंज है हम बोलते हैं ना हिमालयन रेंज रेंज क्यों बोलते हैं दोस्तों में हिमालयन बताओ सर क्योंकि हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है बहुत सारे पर्वत हैं वो जो पैरल समानांतर एक दूसरे के आपके क्या हैं दोस्तों स्थित हैं ठीक है सो पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं उत्तरी भारत के अंदर ठीक है सो किस प्रकार से आपके हैं आप देखोगे ठीक है तो यहां से हिमालय जो है दोस्तों ये आपका इस प्रकार से स्टार्ट होता है ठीक है और यहां से देखो पैरल है यहाँ पे ठीक है यहाँ पर अभी इतना बड़ा है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों दिस इज दैट्स वाई दिस इज नोन्यन रेंज सो रेंज का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों रेंज का मतलब हुआ कि जब माउंटेन्स हो एक लाइन के अंदर में अरेन्ज हो एक समान रेखा में अरेन्ज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम मिलते हैं रेंज रेंज का मतलब क्या होता है सर उसको हम बोल देते हैं श्रृंखला ठीक है क्या बोल देते हैं श्रृंखला तो उसको बोलते हैं श्रृंखला जैसे हिमालय की श्रृंखला अल्प्स की श्रृंखला एंडीज की श्रृंखला एंड रॉकीज की श्रृंखला ठीक है सो so, दीज आर द श्रृंखला ये हम आपका जानते हैं यहां पर so, सो श्रृंखला बेसिकली तीन प्रकार की होती है पहली दूसरी और तीसरी सबसे पहली जो श्रृंखला है दोस्तों इसको हम बोलते हैं हिमालय उसके बाद में सर हमारे पास है अल्प्स इसके बाद में सर राकी और इसके बाद है सर हमारे पास एंडीज ठीक है So, ये चार हमारे पास एग्जाम्पल है पर्वत श्रृंखला के तो, तो देखो सिंपल सी बात है पर्वत क्या होगा सर सिंपल सी बात है सर पृथ्वी का वो भूभाग जो उठा हुआ हो एलिवेटेड हो ठीक है अब हाइट शुड बी ग्रेटर देन हंड्रेड मीटर अपनी तरफ से लिख रहा हूं और एक क्या हो दोस्तों इसके अंदर में चोटी हो पीक पीक को हम समिट भी कहते हैं ठीक है सो ऐसा अगर कोई भूभाग है तो उसको हम क्या बोल देंगे पर्वत और श्रृंखला कब बोलोगे सर श्रृंखला मतलब जब माउंटेन और वो आपकी एक सर, एक लाइन के अंदर में रेंज हो जैसे हिमालयन श्रृंखला है हिमालयन बोलते हैं तो हिमालय को हम श्रृंखला बोलते हैं तो ये दो चीजें अपने पास हो गई माउंटेन एंड द रेंजेस रेंजेस के एग्जांपल मैंने दे दिए जैसे हिमालय है अल्प्स है एंडीज है रॉकीज है दे आर द रेंज ठीक है ये क्या है दोस्तों दीज आर द रेंजेस इनको हम श्रृंखलाओं के नाम से जानते हैं अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो आप यहां पर बोलोगे क्या एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ओके okay की रिपोर्ट लिखोगे और साथ ही साथ प्यारे बच्चों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी करोगे सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ठीक है कम कैन कम एंड ज्वाइन द सेशन सारे बच्चों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है बाइक गाइस एक बार फटाफट से आप क्या करोगे इसको शेयर करोगे ठीक है चलिए तो ये हो गया हमारे पास हिंदी के अंदर एक पर्वत पृथ्वी की सतह पर कोई भी प्राकृतिक ऊंचाई होती है ठीक है कोई भी प्राकृतिक ऊंचाई पृथ्वी की सतह पर जो पाई जाती है उसको हम पर्वत कहते हैं पहाड़ों का जो आपका शिखर है वो छोटा होता है और जो आधार होता है वो व्यापक होता है बड़ा होता है व्यापक बड़ा होता है ठीक है आधार व्यापक होता है जब पर्वत एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं तो उसको श्रेणी कहते हैं हम उदाहरण के लिए हिमालय आल्प्स एंडीज और रॉकीज ये एक श्रेणी है इनको हम एक श्रेणी बोलते हैं अब टाइप ऑफ माउंटेन्स की जब मैं बात करता हूं ठीक है पर्वत हमने पढ़ लिया क्या है सर भूभाग उठा हुआ अब पर्वतों के भी तीन प्रकार होते हैं पहला प्रकार जो होता है उसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन ठीक है

इसको सर आप विभ्रंश पर्वत भी कह सकते हो जो भी कहना चाहो आप इसको बोल सकते हो श्रद्धा है आपकी ठीक है आप कुछ भी कह सकते हो और लावा माउंटेन को दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ लावा पर्वत ही कहते हैं ठीक है अब लावा माउंटेन तो बहुत सिंपल है ऐसे पर्वत जो लावा से बनते हैं लावा पर्वत कहलाते हैं मैं उदाहरण भी दे दूंगा एक दो हाँ इनमें थोड़ी सी अलग चीज़ है अब अगेन दोस्तों यहां पर जो एन में दिया गया है सिर्फ आज वही पढ़ेंगे ऑब्वियस बात है उतना सफिशियंट नहीं होता बट अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं क्लास के वाइज के हिसाब से ठीक है क्योंकि अभी अगर मैं पूरा ब्लॉक माउंटेन फोल्ड माउंटेन पढ़ा दूंगा तो फिर वो एन बचेगा नहीं फिर आप कहोगे सर एन में तो दिया ही नहीं है तो हम बिल्कुल वो पढ़ रहे हैं जो एन में गिवन है तो लेट्स टॉक अबाउट दी फोल्ड माउंटेन ठीक है फोल्ड माउंटेन की बात करते हैं तो फोल्ड माउंटेन कुछ ऐसे होते हैं ठीक है थीके? इस प्रकार से अब फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं सर दो ये भूमंडल है ठीक है ठीक है अब इस भूमंडल को मैं क्या करूं मैं इधर से उधर से क्या करूं दोस्तों इस पे बल होगा तो बल लगाऊंगा तो ऐसे मुड़ जाएगा ऐसा ही तो रखा है ये सीधा था आपने इस पे बल लगाया ठीक है और जैसे ही आपने बल लगाया तो ये क्या होगा दोस्तों डिस्ट्रॉट होगा ऐसे मुड़ जाएगा और जब ये ऐसे मुड़ेगा दोस्तों जब ये ऐसे मुड़ेगा तो ये मुड़ने से ही कोई हम क्या बोलते हैं फोल्ड ठीक है तो जब भी पृथ्वी का जो भूभाग है उसके ऊपर बल लगता है दोस्तों तो वो क्या करता है मुड़ जाता है जिससे एक भाग ऊपर उड़ जाता है दूसरा भाग नीचे धस जाता है उठे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं यहां पर भी इनको नाम इनको बोलते हैं आपका एंटीक्लाइन और इसको बोलते हैं सिंकलाइन बट मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा आप ऐसा समझो कि जब भी पृथ्वी का भूभाग फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग ऑफ लिथोस्पेयर टू बी बाई द कंप्रेशनल फोर्सेस

वलित पर्वत बनते कैसे हैं उनके बारे में जिक्र नहीं किया गया बस इसमें बताया गया कि वलित पर्वत क्या होते हैं तो वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन वो माउंटेन होते हैं जो पृथ्वी के, के स्थल मंडल के फोल्ड होने से बनते हैं फोल्ड कैसे होंगे सर जब पृथ्वी के लिथोस्पेर पर दोनों तरफ से आप कंप्रेशनल फोर्स डालोगे ठीक है जैसे ये है इसमें मैं इधर से उधर से कंप्रेशनल फोर्स डाल रहा हूं तो ये आपका क्या हो रहा है दोस्तों फोल्ड हो रहा है दूसरा सर जब दो अलग अलग प्लेट आपस में टकराती है तो उनसे भी स्थल मंडल का निर्माण आपका होता है ये बात समझ में आई अच्छा सर कितने प्रकार के होते हैं फोल्ड माउंटेन अब इसमें नाम दिया गया जैसे हिमालय फोल्ड माउंटेन बहुत ही यंग फोल्ड माउंटेन है बहुत जवान है आज के टाइम का है ठीक है इनको हम अल्पाइन माउंटेन भी बोलते हैं ठीक है और ये बहुत ही यंग एज के माउंटेन है फोल्ड माउंटेन जो है हिमालय सो दिस इज वेरी यंग हिमालय हो गया अल्पस हो गया दे आर वेरी यंग याद रखना हिमालय एंड अल्प अल्प जो है दे आर वेरी यंग और यंग है इसीलिए दोस्तों इनका जो रिलीफ है ठीक है मतलब जो इनका ऊंचाई देखोगे वो बहुत रग्ड है आप हिमालय में जाके देखो बहुत स्टीप स्लोप है खड़ी ढलान है क्योंकि नए पर्वत है अब इनका कटाव नहीं हुआ है लेकिन जब इनका कटाव हो जाएगा जब बहुत पुराने हो जाएंगे तो हो सकता है अरावली पर्वत अरावली भी किसी समय का फोल्ड माउंटेन था अब अरावली क्या रहा है अरावली उतना ऊंचा नहीं रहा है क्यों क्योंकि बहुत पुराना माउंटेन है एंशियंट वन ऑफ द एंशियंट फोल्ड माउंटेन और ये इतना बुढ्ढा हो चुका है कि अब ये देखोगे तो आप इतना ऊंचा नहीं दिखता यंग फोल्ड माउंटेन आर वेरी लॉफ्टी बहुत बड़े बड़े होते हैं जैसे हिमालय को देखो आप कितना बड़ा अल्प्स लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों जो माउंटेन पुराने होते हैं उनका कटाव हो जाता है और कटाव की वजह से उनकी ऊंचाई इतनी नहीं होती लेकिन हिमालय जो अभी बहुत ऊंचा है इसलिए मैं हिमालय को क्या बोल रहा हूं यंग फोल्ड माउंटेन बिकॉज अभी भी ये जो है काफी ऊंचा है और अभी जस्ट बना हिमालय और अभी बने ऐसे अरावली जो है इंडिया का इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड दुनिया के अंदर सबसे पुराना अच्छा अरावली से भी पुराने आप देखना चाहो तो अपला चेन नॉर्थ अमेरिका के अंदर होते हैं अपला चेन याद है किसी को किसी को भी याद नहीं होगा जो मेरे साथ प्लस में थे उनको याद होगा बट आपने तो ऑब्वियस बात है आप प्लस पे नहीं थे तो आपको कैसे बताओगा? चेन जो होती है वो ना यहां पर, so, पर अपला चेन माउंटेन है ठीक है यहां पर पाई जाती है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं अपला चेन ऐसे इसी की रेंज है आपका ऊपर यूरोप में जिसको हम हरेशियन बोलते हैं वो भी पर्वत है अभी ये माउंटेन जो मैं नाम ले रहा हूं ना एक बार मैप में देख लेना ठीक है अब मैं ये मानता हूँ कि आप ये काम खुद से कर लेंगे ठीक है जो मैं माउंटेन्स के नाम बता रहा हूँ ना मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप अपने आप से इन माउंटेन्स को मैप में देख लेंगे कि मैप में कहाँ कहाँ पर है सो so, अरावली रेंज जो है इट इज इट इज द इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन अपला चेन नॉर्थ अमेरिका में है यूराल माउंटेन रशिया के अंदर है आपको ना यूराल माउंटेन ही एशिया को यूरोप से अलग करता है माउंटेन अब ये इतने बड़े नहीं है ठीक है इनका इतना कटाव हो चुका है इतने पुराने हो चुके हैं इनका इतना कटाव हो चुका है कि आज अगर आप देखोगे तो अपला पर्वत को प्लेटू की श्रेणी में रखा जाता है ठीक है पहले ऐसा था बड़ा ठीक है माइटी उसके बाद क्या हुआ दो, बहुत सारे जो है इरोडिंग एजेंट ने इस पर काम किया ठीक है एयर ने इस पर काम किया इसके बाद इसने विंड ने सॉरी हवा हो गया इसके बाद वाटर ने इस पर काम किया उसके बाद तीसरा आइस ग्लेशियर एक्टिविटी ने काम किया तो अब ये ना कुछ ऐसा हो रखा है ठीक है इस प्रकार का पहले ऐसा था अभी ऐसा हो रखा है तो लाइक नाव नाव डेज अपला चेन जो है इनको हम माउंटेन्स नहीं बोलते हैं पेनीप्लेन टाइप्स इस प्रकार के हो गए हैं ठीक है थेके? तो लगातार जब इरोजन होता है तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूं कि जैसे हिमालय है यंग माउंटेन है तो बहुत लॉफ्टी है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जब इनका कटाव हो जाता है तो ये आरावली बन जाते हैं जो पुराने माउंटेन में से क्या और भी पुराना होगा तो अपला चेन जैसा हाल देखोगे आप और इनमें अगर आप देखोगे तो बहुत राउंडेड फीचर्स हैं यहां आपको स्टीप फीचर नहीं मिलेंगे एकदम एजेस नहीं मिलेंगे यहां राउंडेड मतलब गोल गोल टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा प्लेन एरिया ज्यादा मिलेंगे फ्लैट सरफेस मिलेगी और वो क्यों क्योंकि बिकॉज ऑफ द इरोजन कटाव की वजह से वो ऐसा हो गया है ठीक है ये बात आपको समझ में आई तो सारे के सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ओके okay की रिपोर्ट लिखें और जिन जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया वीडियो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन ठीक है फटाफट कर दीजिए चलिए आगे बढ़े ठीक है हिंदी में है ये आप देख लेना उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों ब्लॉक ब्लॉक माउंटेन माउंटेन भी ऐसा ही बनता है क्या होता है ये पृथ्वी का कोई भूभाग है है ठीक अब मैं ये कोई भूभाग था पृथ्वी का अब इसमें होता क्या मान के चलो दरार आ गई अब दरार आने के बाद बल लगते हैं एक भाग मान लो ऊपर उड़ जाए दो भाग क्या हो नीचे धस जाए ठीक है तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको सर स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस ऐसे ठीक है जो उठा हुआ भाग है इसको हम बोल देंगे पर्वत और जो धसा हुआ भाग है घाटी बोलते हैं रिफ्ट वैली। है? रिफ्ट वैली, नहीं बोलते है इसको। इस चैप्टर में अभी पर्वतों का निर्माण कैसे होता है वो नहीं बताया इसमें सिर्फ परिभाषा बताई है कि ब्लॉक पर्वत क्या थे हमने देखे फोल्ड माउंटेन क्या था ब्लॉक आ जाओ तो ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड लार्ज वर्टिकली ठीक है मैंने क्या बोला ये भाग टूटा ये डिस्प्लेस हुआ ये ऊपर गया अब मान लो ये नीचे चला जाता सर तो नीचे चला जाता तो ऐसा बन जाता ठीक है भाई नीचे जाता ऐसा मैं एक अलग से उसमें दिखा देता हूं आपको भाई ये मेरे पास क्या था ये भू भाग था ठीक है एक लैंडमार्स था इसमें मान लो यहाँ पर दरार आ गई और यहाँ पर भी दरार आ गई अब दो केस है या तो ये ऊपर उठेगा ठीक है और या ये नीचे जब ये ऊपर उठेगा तो कैसा बनेगा दोस्तों जब ये ऊपर उठेगा सर तो इट विल बी इट विल बी लाइक दिस ठीक है ये ऐसा बन जाएगा और जब ये नीचे धसेगा ठीक है तो नीचे धसेगा तो सर ये कैसा ये था ये था जब ये नीचे धसेगा दोस्तों तो विल दिस, ठीक है? सो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा आप मेरी बात समझ रहे हो ठीक है अब यहां पर ये कुछ ऐसा बन जाएगा अब इसमें आप देखोगे तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों दिस विल बी लाइक रिफ्ट वैली ठीक है और ये जो होगा दिस विल बी लाइक ब्लॉक माउंटेन ठीक है अब ऐसा इसमें ये ऊपर उठा हुआ भाग है तो ब्लॉक माउंटेन क्योंकि आपको पता उठा हुआ भाग ये ब्लॉक है ना ब्लॉक ऊपर उठ गया तो ब्लॉक माउंटेन और ये जो है दोस्तों हम क्या बोलते हैं रिफ्ट वैली इसको हॉस्ट और गैब्रॉन भी बोलते हैं ठीक है वो भी है वो भी अभी देख लोगे आप ठीक है सो द अफलिफ्टेड ब्लॉक आर टमडेज आपका हॉर्स्ट ठीक है जो भाग ऊपर उठता है ना ठीक है यहां पर आपको दिख रहा होगा उसको हम हॉर्स्ट बोलते हैं उठा कैसे दशा कैसे मैंने बता दिया ठीक है अब उठे हुए भाग को हम हॉर्स भी बोल देते हैं लिखा हुआ है और धसे हुए पार्ट को हम ग्रेबोन भी ग्रेबन भी बोलते हैं ठीक है यही माउंटेन है और यही आपकी क्या है दोस्तों दिस इज नथिंग बट द वैली एग्जाम्पल दे रहा है दोस्तों अब माउंटेन जो बनता है इस प्रकार से उसका एग्जाम्पल है दोस्तों आपका वोगस वोगस कहां पर है दोस्तों फ्रांस के अंदर में ठीक है वोगस इज द माउंटेन विच इज लोकेटेड इन फ्रांस मैं चाहता हूं आप एक बार इसको मैप पर जाकर देखें ठीक है इज लोकेटेड इन द फ्रांस ऐसी एक वैली है जिसका नाम है राइन वैली ये इंटरनेशनल रिवर है ठीक है राइन रिवर और इसी से आपकी राइन नदी बहती है जैसे हमारी पवित्र नदी है ना गंगा ऐसे यूरोप की पवित्र नदी है राइन तो मैं चाहता हूं एक बार आप मैप में इसको देख लें कि जो राइन वैली है वो कहां पर है डन ठीक है कर लोगे बच्चों ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं कि जब कोई भी लैंडफॉर्म का एक ब्लॉक ऊपर खिसक जाए

अब बात करते हैं सर प्लेट टू के बारे में ठीक है अच्छा एक लावा माउंटेन छूट गया इसके अंदर में ठीक है लावा माउंटेन अरे मैंने रखा तो था कहाँ गया भाई ओहो लावा माउंटेन छूट गया उसमें सिंपल है यार जब लावा से बनता है वो ठीक है दैट इज लावा माउंटेन अब इसमें शायद वो मिस हो गया यार ठीक है मैंने डाला तो था बट मे भी वो शायद मिस हो गया कोई बात नहीं ठीक है कोई बात नहीं लावा माउंटेन सिर्फ लावे से बनता है जब पृथ्वी के अंदर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है ठीक है होता क्या है दोस्तों आपको पता है पृथ्वी के अंदर में लावा है ये ये पृथ्वी पृथ्वी की सतह है 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 अब इस के अंदर में लावा भरा पड़ा होता है। ये लावा भरा भरा पड़ा पड़ा होता ठीक है ठीके? अब ये जो लावा होता है ना ये अंदर इसको भी चुल रहती है ठीक है ये अंदर रुकता नहीं है इसका मन नहीं लगता अंदर तो ये क्या करता है दोस्तों ये सतह पे आने का प्रयास करता है ठीक है ऐसे गर्म चीज कोई भी है वो ऊपर जाती है आपको पता है ठीक है और जब ये ऊपर जाता है तो यहां पर जाकर ये दोनों डायरेक्शन में ऐसे बट जाता है फिर यहां पे ठंडा होकर फिर से आपका दोस्तों नीचे की ओर आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं कन्वेक्शन करंट अब देखने की बात है यहां पर इस एरिया पे आप देख पा रहे हो प्यारे बच्चों इस एरिया पे लगातार ये क्या कर रहा है फोर्स लगा रहा है ठीक है इस एरिया पे लगातार ये क्या कर रहा है दोस्तों ये बल लगा रहा है और इस बल की वजह से दोस्तों होगा क्या कि जो ऊपरी भाग है सतह जो है पहले ऐसी थी लेकिन अब इस बल की वजह से ये भाग टूट जाता है है ठीक और जब ये भाग आपका टूट जाएगा दोस्तों तो इसी भाग से ये जो अंदर लावा बैठा था ये लावा क्या करेगा झट से इसके क्या आएगा बाहर और बाहर आके क्या होगा लावा ठीक है फैल जाएगा ऐसे जम जाएगा और इस प्रकार का पर्वत का निर्माण कर देगा इसी को हम बोल देते हैं लावा माउंटेन क्या बोलते हैं लावा सिंपल एक लाइन इसमें लिखी हुई है लावे से बने पर्वत को हम लावा पर्वत कहते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों अगर इसका एग्जाम्पल आपसे मैं कहूं तो इसका एग्जाम्पल है जैसे माउंट किली मंजारो ठीक है केन्या के अंदर में है ठीक है सॉरी तंजानिया के अंदर में है माउंट किली मंजारो माउंट केन्या बोथ आर द लावा माउंटेन दे आर फॉन्ड बाय द लावा दोनों दोनों लावा से बने होते हैं ठीक है यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम बोलते हैं वोल्केनिक पाइप जिसमें से निकलता है इसको वोल्केनिक पाइप बोलते हैं ठीक है यहां पर ये जो भाग होता है ठीक है ये इसको बोलते हैं हम वोल्केनिक पाइप इसको हम बोल देते हैं क्रेटर हिंदी में भी इसको क्रेटर ही बोलते हैं वोल्केनिक पाइप को बोलेंगे ज्वालामुखी नली ठीक है डन ये हो गया अब आते हैं दोस्तों किसके ऊपर में हम प्लेटू के ऊपर प्लेटू मतलब पठार सर पठार क्या होता है ये दिख रहा है आपको देखो ये ये उठा हुआ भूभाग है ठीक है अब ये उठा हुआ है लेकिन भाग आप देख रहे हो दोस्तों, क्या ऐसा है? है, है ही तो होता है और जिसकी एवरेज ये एक्स्ट्रा एडिशन है ग्रेटर देन 600 मीटर 600 मीटर से ज्यादा हो 600 फीट से ज्यादा हो नॉट उसमें भी 900 मीटर नहीं है वो फिट है यार उसको चेंज कर लेना ठीक है क्या हो दोस्तों ज्यादा हो ठीक है और ये ऊपरी भाग जो है ये क्या हो दोस्तों तो आपका समतल हो ठीक है क्या हो दोस्तों आपका फ्लैट हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं ठीक है तो अपने आसपास से उठा हुआ भाग ठीक है कोई भी उठा हुआ भाग जिसका टॉप एरिया फ्लैट हो ठीक है फ्लैट टॉप वाला हो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों उसी को हम बोलते हैं प्लेटू उसी को हम बोल देते हैं पठार तो पठार क्या होता है आपको समझ में आया भाई भूमि का वह भाग जो अपने आसपास के इलाकों से उठा हुआ हो जिसकी ऊपरी सतह समतल और क्या हो दोस्तों आपकी उठी हुई हो ठीक है बाकी जगहों से उसको हम पठार कहते हैं एग्जाम्पल देख लो जैसे भारत के अंदर में है डक्कन का पठार है ना ये ओल्डेस्ट प्लेटू में से एक है जैसे माउंटेन पुराने नए होते हैं ना बुढ़्ढे और जवान होते हैं इसी प्रकार पठार भी जो है वो बुढ्ढे और जवान होते हैं आप यहां पर देखोगे ठीक है तो दक्कन का पठार जो है दिस इज द ओल्डेस्ट प्लेटू सबसे पुराना पठार है आपका एंड इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तिब्बत का पठार सो दिस इज ऑल्सो द हाइएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कहते हैं किसको हम तिब्बत के पठार को ठीक है समझ में आई बात आपको तो पठार क्या है समझ में आ गया भूमि का उठा हुआ भाग जो अपने आसपास से उठा हुआ हो और साथ ही साथ में जिसका ऊपरी भाग टॉप सरफेस फ्लैट हो समतल हो सतह समतल हो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम प्लेटू का नाम देते हैं ठीक है सो ये हो गया प्लेटू ठीक क्लियर ठीक है सर अब प्लेटू जो होते हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है सर प्लेटू का महत्व तो क्या होता है क्यों प्लेटू इतने इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों सुनो प्लेटू आर यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन द मिनरल डिपॉजिट्स बहुत प्रकार के मिनरल डिपॉजिट खनिज जो हैं यहां पर पाए जाते हैं दैट्स दे आर ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इनमें बहुत प्रकार के खनिज जो हैं वो पाए जाते हैं इसलिए हम इनको इंपॉर्टेंट बोलते हैं एज अ रिजल्ट दे मे the माइनिंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेटेड located इन uh, द located plateau एरिया दुनिया में बहुत सारे प्लेटूज ऐसे हैं जहाँ पर हम माइनिंग करते हैं खनन करते हैं ठीक है माइनिंग जहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों खनन तो दुनिया में बहुत सारी जगह खनन होती है जैसे अफ्रीका प्लेटू जो अफ्रीका का पठार जो है वो गोल्ड के लिए बहुत फेमस है गोल्ड निकाला जाता है वहाँ से इंडिया के अंदर में बहुत सारे पठार है जैसे छोटा नागपुर का पठार हो गया ठीक है और ये फेमस है किसके लिए आयरन के लिए कोल के लिए ठीक है मैगनीज के लिए ये सारी चीजें यहाँ पाई जाती हैं तो दोस्तों जो पठार होते हैं ना द रिजर्वायर ऑफ द मिनरल्स बहुत सारे खनिज उनमें पाए जाते हैं कई सारे प्लेटूज जो होते हैं ना उन उनपे बहुत सारे वाटरफॉल बनते हैं ठीक है झरने जलप्रपात और इनमें अगर मैं उदाहरण बताऊं आपको जैसे हुंडरू फॉल जो है कहाँ बनता है छोटा नागपुर के पठार में कौन बनाती है सुब्रण रेखा नदी जो है बनाती है कौन सा फॉल है हुंडरू फॉल इसके अलावा जॉग फॉल जो है दोस्तों ये भी भारत के अंदर में कर्नाटक में बनता है ठीक है ये कहाँ बनता है दोस्तों जॉग फॉल कर्नाटक में और ये भी कर्नाटका के पठार पर डेक्कन के पठार पर ऐसी प्रकार का तो दो सिग्निफिकेंस हो गए पहला कह रहा है जलप्रपात बनता है और दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं यहां पर खनिज पाए जाते हैं इसीलिए जनरली जो आपका प्लेटू वाला एरिया होता है वहां पर आप बहुत सारी माइनिंग्स देखते हो बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटी वहां पर होती है द लावा प्लेटूज आर रिच इन द ब्लैक सॉइल मैंने आपको बताया ये जो आपका लावा प्लेटू होता है पठार जो होता है ये भी कई बार लावे से बनता है ये लावा पठार में ब्लैक सॉइल्स होती हैं और ब्लैक सॉइल जो होती है वो काफी उपजाऊ होती है और कॉटन उगाने के लिए काफी जो है इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सारी ये प्लेटू वाली जगह हैं जो बहुत सीनिक हैं जहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो भी बहुत जाते हैं ठीक है सो ये इसका सिग्निफिकेंस है हिंदी भाषा में भी देख सकते हो लावा पठार काली मिट्टी से समृद्ध होता है जो उपजाऊ और खेती के लिए अच्छा है कई पठारों में दर्शनीय स्थल होते हैं और पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षक हो होते हैं लोग जाते हैं घूमने जलप्रपात पाए जाते हैं जैसे छोटा नागपुर के अंदर में में हुंडरू फॉल फॉल जोग कर्नाटक के अंदर पाया जाता है है ठीक अब आते हैं दोस्तों प्लेन एरिया पे प्लेन मैदान मैदानी भाग अब आज जो मैदान है ना दोस्तों हो सकता है किसी समय हो सकता है क्या है अब उत्तर भारत का मैदान आज मैदान है लेकिन किसी समय पर यहाँ पर वैली होती थी घाटी होती थी अभी तो हिमालय से आने वाली नदियों ने जो हिमालय को काटा है ना उसको यहां पर लाके जमा कर दिया तो यहां पर क्या बन गया दोस्तों यहां पर प्लेन एरिया बन गया मैदानी भाग बन गया तो याद रखना जो प्लेन बनते हैं ना इनको बनाने में नदियों का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है आज जो मैदान आप देख रहे हो ना दोस्तों तो वास्तव में किसकी है दोस्तों ये नदियों की करामात होती है नदी ही बनाती है सो so, प्लेन जो होते हैं दे आर द लार्ज स्ट्रेच ऑफ द फ्लैट लैंड जो समतल भूभाग होते हैं ना अपना उसको हम प्लेन मैदान कहते हैं प्लेन एरिया कहते हैं दे आर जनरली नोट मोर देन दो सौ मीटर मीन सी लेवल जो समुद्र का भूभाग होता है इसे 200 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं ठीक है इनकी औकात 200 मीटर तक ही है 200 मीटर से ज्यादा अगर होंगे ये ठीक है तो फिर ये फिर प्लेटू की कैटेगरी में आने लगेंगे ना 600 मीटर के आसपास जब ये जाएंगे 600 फीट नहीं वो 600 मीटर है यार फिर से मैं करेक्ट कर रहा हूँ उसको सो प्लेन्स कैसे बनते हैं दोस्तों मैंने बताया भाई नदी होती है वो माउंटेन को क्या करती है रोड करती है रोड मतलब कटाव करती है उसका और यहां से काटा हुआ भाग डिपॉजिट करती है वो कहां पर जाकर घाटी के अंदर और इसी से किसका निर्माण होता है दोस्तों मैदानी भागों का निर्माण होता है तो याद रखोगे प्लेन जो होते हैं 200 समुद्र के स्थल से 200 मीटर तक ये मैक्सिमम ऊंचे होते हैं मैक्सिमम बता रहा हूं और ये बहुत बड़े स्ट्रैच होते हैं फ्लैट होते हैं कोई ज्यादा रिलीफ इसमें होता नहीं है ऊंचाई बहुत ज्यादा इसके अंदर में होती नहीं है इनका निर्माण नदियों के द्वारा होता है तो प्लेन आर बेसिकली फाउंड बाय द रिवर और यहीं पे खेती की जाती है दुनिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है दुनिया के दोस्तों जो ज्यादातर पॉपुलेशन है जो ज्यादातर लोग हैं प्लेन एरिया में रहते हैं जैसे दुनिया के जो सबसे जो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया दोस्तों वो यहीं पर चाहे आप पे एशिया में बात कर लो यूरोप में बात कर लो ठीक है सिविलाइजेशन नदियों के किनारे ही शुरू हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन ठीक है इजिप्ट के अंदर में इजिप्टियन सिविलाई सिविलाइजेशन मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन ठीक है तो ये सब के सब कहाँ हैं नदियों के आसपास ही शुरू हुए हैं भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है दोस्तों इन्हीं प्लेन एरिया के अंदर उत्तर भारत के मैदान जिसके अंदर में गंगाटिक गंगाटिक प्लेन और आपका ब्रह्मपुत्र के मैदान है इसी प्रकार से आप चाइना के अंदर में भी बात कर सकते हो तो वहाँ तो जो मैदान होते हैं दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा होता है क्यों प्लेन एरिया है फर्टाइल ज़मीन होती है लोग यहाँ खेती कर पाते हैं दोस्तों ठीक है और खेती से पैदावार अच्छी होती है तो रिसोर्सेज हैं उनके पास में ठीक है रिसोर्सेज हैं उस पर वो काम करते हैं तो लाइवलीहुड का सोर्स उनके पास में रहता है तो इसीलिए दोस्तों दुनिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है दोस्तों दे आर प्रेजेंट इन द प्लेन एरिया वो आपका प्लेन एरिया के अंदर में ही पाए जाते हैं ठीक है यही बात यहाँ पर लिखी गई है आप यहाँ पर देख लेना ठीक है इसीलिए ज़्यादातर एरिया इसी में पाया जाता है ठीक है ये हिंदी वाले छात्रों के लिए मैंने करा दिया So, इसको भी आप लोग देख लोगे कोई दिक्कत हो तो आप बता देना और आज का जो टॉपिक है अवर कंट्री इंडिया ये हम डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक का इस पूरे चैप्टर का सार मैं आपको बनाऊंगा पढ़ाऊंगा ठीक है और मैं लाइन बाय लाइन इस प्रकार से तो मैं पढ़ाने में भरोसा कम ही रखता हूं आपको भी पता है ठीक है मेरा तरीका जो है पढ़ाने का वो थोड़ा सा अलग है मैं किसी भी चीज को ज्यादा कोशिश करता हूं कि मैं आपको फ्लो चार्ट से या की से ज्यादा समझाऊं तो ज्यादा बेटर होता है अदरवाइज तो फिर उसमें मजा आता नहीं ठीक है ऐसा तो किताब में लिखा ही हुआ है अगर मैं किताब का लिखा पढ़ाऊँ तो आप पढ़ ही सकते हैं वहाँ से सो अवर कंट्री इंडिया चलिए लेट स्टार्ट भारत देश महान शुरू करते हैं उसको हमारे देश का किसान और एक हमारे देश का जवान दो की वजह से भारत देश बना है बहुत महान चलिए तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है इंडिया के नॉर्थ में क्या है ठीक है अगर आप देखोगे सो यहां पर देखो आपको प्रोटेक्ट करता हिमालय इधर अपने हिमालय ठीक है सर नॉर्थ में है अपने पास हिमालय इधर है अपने पास अरब सागर इधर अपने पास बंगाल की खाड़ी और नीचे अपने पास हिंद महासागर है ना तो अगर आप भारत को बीच में रख दो तो आप देखोगे उत्तर में आपको मिल रहा है हिमालय सर हिंदी में क्या कहेंगे हिंदी में ये कहेंगे भाई इसको हिंदी में क्या बोलेंगे ये बोलेंगे इसके अलावा इधर क्या है दोस्तों इधर है अपने पास सर देखो क्या है इधर अपने पास हिंदी में देखो इसको क्या लिखेंगे अरब सागर बेओ बंगाल को हम क्या लिखते हैं सर यहां पर हम कहते हैं इसको बंगाल की खाड़ी सो so, यहां पर है अपने पास बंगाल की खाड़ी और नीचे है अपने पास इंडियन ओशियन बोले तो हिंद महासागर सो गाइज वी हैव दीज थिंग्स ठीक है ये अलग अलग चीजें हमारे पास भारत देश महान ठीक है और इसके नॉर्थ में अगर बात करें तो हिमालय साउथ में बात करें तो हिंद महासागर पश्चिम में बात करें तो आपका क्या है दोस्तों अरब सागर और पूर्व में बात करें तो है बंगाल की खाड़ी सो so, ये है हमारा भारत देश ठीक है चारों तरफ से चलिए बाकी और फिजिकल फीचर्स में बताऊंगा बट धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं ठीक है अब मैं कुछ आपका इंडिया में लोकेशन की सेटिंग्स आपको बताना चाहता हूँ भारत किस एरिया पे है कैसी लोकेशन है ये सब अच्छा आपको एक बात तो बताई ही थी मैंने ठीक है कि पृथ्वी जो है वो गोल है थोड़ी सी थोड़ी सी क्या बहुत गोल है ठीक है तो ये है अपनी अर्थ है ना ये अर्थ है और इस अर्थ के अंदर में कुछ मैंने आपको बताया था कि देर आर सर्टेन लैटिट्यूड्स जो इंपॉर्टेंट हैं जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ये रहा शून्य जीरो डिग्री क्या बोलते हैं इसको इक्वेटर भूमध्य रेखा इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों हेयर वी हैव सेकेंड लाइन इंपॉर्टेंट लाइन दैट इज ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हेयर वी हैव थर्ड लाइन दैट इज 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ हेयर वी हैव द अदर लाइन जिसका नाम क्या है दोस्तों दैट इज 23 एंड हाफ साउथ यहां पर एक और नेक्स्ट है अपने पास जिसका नाम है 66 एंड हाफ डिग्री साउथ ठीक है यहां पर है मेरे पास 90 डिग्री साउथ और यहां पर मेरे पास क्या है दोस्तों नाइन्टी डिग्री नॉर्थ अब सवाल आता है दोस्तों एक तो ये है दूसरा अपने पास एक लाइन और भी है ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों दैट इज जीरो डिग्री देशांतर ये है जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना भाई वो लैटिट्यूड थे लॉन्गिट्यूड इसको हमने क्या नाम दिया था प्यारे बच्चों इसको हमने नाम दिया था सर ग्रीन विच मेरिडियन हिंदी में भी सेम नाम लेंगे ठीक है या प्राइम मेरिडियन इसको कह देंगे हिंदी में भी सेम नाम था इसका प्राइम मेरिडियन को प्राइम रेक मैरिडियन ही लिखते हैं हम ठीक है अब होता क्या है दोस्तों ये दो भागों में इसको बांट रही है इसके इधर आप जाओगे तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमीस्फेयर पश्चिमी गोलार्ध इसके इधर जाते हो तो इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमीस्फेयर पूर्वी गोलार्ध ऐसे ही ये जो भाग है इसके जब आप ऊपर जाओगे तो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फेयर उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे आते हो तो इसको बोलते हैं सदर्न हेमीस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध ठीक है So, ये इसके क्या हो गया अलग अलग भाग हो गए ठीक है किसके हो गए दोस्तों आपके पृथ्वी के अब भारत कहां पर है इसमें अगर इंडिया की मैं लोकेशन आपको दिखाऊं ठीक है सो so, इंडिया इज लोकेटेड हियर ठीक है भारत कुछ यहां पर आपका लोकेटेड है इंडिया इज लोकेटेड हियर तो सबसे पहले बताओ भारत कौन से गोलार्ध में है तो अगर मैं गोलार्ध की बात करूं दोस्तों तो ये अगर हमारे पास पृथ्वी है ठीक है सो so सो यहां पर अगर आप देखोगे दिस इज नॉर्थ दिस 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 इज 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 साउथ वेस्ट एंड ईस्ट सो इंडिया लाइज इन दिस हेमिस्पेयर मतलब भारत कौन से हेमिसफेयर में है नॉर्थ ईस्ट तो पहली बात क्लियर है आपको भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में किस बच्चे को ये बात क्लियर नहीं है फटाफट बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है बताओ नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में ठीक है पहली चीज क्लियर होगी हमें इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर नाउ कम टू द सेकंड पार्ट अगले पार्ट पे आता हूं ठीक है हेमिस्फीयर हमने डिसाइड कर दिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर है अब मैं एरिया की बात करता हूं ठीक है एरिया का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्षेत्रफल अब अगर आपसे कहूं मैं क्षेत्रफल कितना है भारत का ठीक है तो बत्तीस लाख सतासी हजार कुछ है बट थर्टी थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में आप ऐसे स्टैंडर्ड करके लिख सकते हो सो दिस इज द एरिया अच्छा भारत की एक उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ना भाई ये है और ये ठीक है भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई है ये वाली आपको क्या लगती है कितना लंबा है दोस्तों भारत नॉर्थ साउथ एक्सटेंड बोलते हैं इसको सो नॉर्थ साउथ एक्सटेंड इंडिया का कितना है बत्तीस किलोमीटर ऐसे ही भारत का ईस्ट से लेकर वेस्ट का एक्सटेंट देखना हमें ठीक है दिस इज द ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट इसको हम बोलते हैं ठीक है ये है हमारे पास आपका कितना उनतीस सौ किलोमीटर अप्रोक्सीमेट किया है बाकी है नाएं, टू नाइन थ्री थ्री के समथिंग है और वो बत्तीस सौ किलोमीटर के आसपास है ठीक है कई जगहों पर इसको लिखा हुआ है कितना टू नाइन थ्री थ्री अब सर आपने क्यों लिखा भाई मैं एनसीईआरटी में जो लिखा है मैंने वो लिखा है ठीक है नहीं तो उस पर भी एक आपका मतलब बबाल बन जाता ठीक है हाँ ये बत्तीस सौ किलोमीटर ना होके ये कितना है थ्री टू वन फोर किलोमीटर ठीक है बट ये मैं डेटा क्यों लिख रहा हूँ बिकॉज दिस इज गिवन इन द ये आपकी सिक्स क्लास एनसीआरटी में दिया हुआ है एंड एनसीआर टी इज अ गवर्नमेंट सोर्स तो मुझे लगा कि आप उसी की डेटा अगर मैं यूज करूँ तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा तो ये आपको ध्यान में रखना है उसके अलावा पॉपुलेशन कितनी है दोस्तों भारत की 140 करोड़ लगभग देखो हमारे यहाँ पर जनगणना हुई थी 2011 में जो 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार भारत में 120 करोड़ जनसंख्या है कितनी है 120 करोड़ लेकिन ये आंकड़ा तो हमने बहुत पुराना है पार कर दिया ठीक है ये आंकड़ा तो हमने कब का लपेट दिया है सो इसीलिए राइट नाउ अगर मैं बताऊँ आपको तो भारत की जनसंख्या जो है वो कितनी है सो राइट नाउ इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है लाइक आपका लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड अप एंड फोर्टी करोड़ बट अब जनगणना हुई नहीं है तो अपने बा, जनगणना अपने हुई नहीं है अब बात करते हैं लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ठीक है प्यारे बच्चों अभी हमने यहां पर देखा कि भारत यहाँ पर लोकेटेड है अगर इंडिया यहाँ लोकेटेड है तो यहाँ पर कोई तो लैटिट्यूड होगा ना जिससे मतलब इंडिया टच करता होगा ठीक है मैं क्या समझ कह रहा हूं आप समझ पाए मेरी बात मतलब देर मस्ट बी सर्टेन लैटिट्यूडिट्यूड होगा से जैसे जीरो डिग्री है एक, दो, कोई latitude इससे पास हो रहा होगा ऐसे लॉन्गिट्यूड भी होंगे so, है? है? हो ना जिसके बीच में भारत है जैसे ये लॉन्गिट्यूड होगा ऐसे ये भी होगा आपका तो ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कौन कौन से हैं सवाल ये भी आता है हमारे पास में इसको हम बोलते हैं लैटीट्यूडनल एक्सटेंट अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार तो बच्चों इंडिया नॉर्थ हेमिस्पेयर में बेसिकली तो अगर मैं इंडिया की स्टार्टिंग देखूं यहां से तो इंडिया स्टार्ट होता है आठ डिग्री चार मिनट नॉर्थ से और कितना लिखा हुआ है, 36 डिग्री। लिखा हुआ है, रहा है आपको थर्टी सिक्स से ऊपर है सैंतीस पॉइंट सैतीस डिग्री छ मिनट तक भारत फैला हुआ है तो अगर मैं देखूं से, तो इंडिया फैला है सैंतीस डिग्री छ मिनट नॉर्थ ये है अब ऐसे ही अगर मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाना चाहूं तो देखो यहां से अगर हम ये लाइन सीधी लेके आएं दोस्तों यहां पर तो इंडिया लगभग 82 के आसपास है 72 के आसपास है इधर ठीक है बट इधर अगर मैं देखूं तो 82 से पहले यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री तक ये आपका फैलाव हुआ है ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करें तो 68 डिग्री से स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक आपका फैला हुआ है आप दोनों में देखोगे तो अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग 30 डिग्री के आसपास है ठीक है 30 डिग्री के आसपास ये डिस्टेंस आपकी होती है 30 डिग्री के आसपास और आपको पता डिग्री इक्वल टू है किलोमीटर वो भी आप लोग जानते हो तो ये हो गया इनका लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है ना इधर से भी आप बात कर सकते हो कि ये जो है ऊपर से नीचे तक यहां पर अगर हम बात करें तो ये आठ डिग्री चार मिनट नॉर्थ से शुरू होता है यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये सैतीस डिग्री और छह मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है इधर इधर मैं ईस्ट ईस्ट में स्टार्ट करूं तो ये डिग्री मिनट से शुरू होता है और यहां तक ये नाइनटी सेवन डिग्री ठीक है तक आपका फैला हुआ है ठीक है अब बात करते हैं सर सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट किसका है कौन सा है इसका सर सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है ये जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये के अंडर में आता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इसको बोलते हैं इंदिरा कोल क्या बोलते हैं इंदिरा कोल कोलो so, इंदिरा कोल पॉइंट जो है इट इज डिस्प्यूटेड ठीक है मतलब हमारे पास नहीं है पाकिस्तान के साथ हमारा क्या है ये पॉइंट डिस्प्यूटेड है है ठीक उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर में है ये पीओके के अंदर में अच्छा सबसे सदन मोस्ट पॉइंट कौन सा है दोस्तों इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु अच्छा जब मैं दक्षिणी बिंदु की बात करता हूं तो दो दो बातें आती हैं मेरे पास ठीक है वी टॉक अबाउट द सदन पॉइंट जब भी मैं आपका सदन मोस्ट पॉइंट की बात करूंगा ना अपने यहां पे दो बातें आएंगी ठीक है पहला क्या आएगा पहली बात और दूसरी बात देखो पहला तो सदन मोस्ट पॉइंट हो निकालना हमें मेनलैंड का और दूसरा अगर हम बात करें तो टोटल इंडिया का अगर मैं मेनलैंड की बात करूं मेनलैंड बोले तो मुख्य भूमि अगर मैं मुख्य भूमि की बात करूं दोस्तों तो मुख्य भूमि जो है मेनलैंड जो है इसका सबसे सदर मोस्ट पार्ट होता है आपका मेनलैंड का मतलब है ये वाला भाग सिर्फ ये वाला भाग ठीक है ये वाला तो फिर ये आता है और इसको हम बोलते हैं केप कॉमोरिन लेकिन टोटल इंडिया का देखें ना तो फिर ये अंडमान निकोबार भी अपने उसी में है और यहां पर सबसे दक्षिण के अंदर में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट तो याद रखना जब भी हम बात करते हैं तो मेनलैंड का है केप कॉमोरिन केप कॉमोरिन ये कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में है और टोटल का अगर हम बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट ये याद रखना ठीक है एक है इंदिरा पॉइंट इसे इंदिरा पॉइंट को हम और नाम भी देते हैं पिगमेलियन पॉइंट भी कह देते हैं इसको है ना और ये कहां पर है दोस्तों सर ये आपका है ग्रेट निकोबार पर स्थित है स्थित था अब तो ये डूब चुका है सुनामी आई थी तो डूब गया ये ठीक है ठेके? इसको बोलते थे हम इंदिरा पॉइंट सो so, याद रखेंगे मेन लैंड और टोटल का तो यहां पर मैंने टोटल का बताया बिकॉज हम टोटल की बात कर रहे हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट पॉइंट क्या है है भारत का इंदिरा ठीक डूब चुका है अच्छा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है इधर ऑफ कच्छ के अंदर है आपका ठीक है और उसको हम बोलते हैं गुहर मोता गुहर मोता कई जगह गुहर मोती भी लिखा होता है

भारत के ठीक बीच से एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन पास होती है जिसका नाम क्या है दोस्तों आपका दैट इज दी एम जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो जीएमटी से पांच घंटे आगे चलती है मैंने जब टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा भी और इसे एनसीआर उस पे जोग्राफी वन जीरो वन पे पढ़ा भी रखा है तो यहां पर ही इलाहाबाद से पास होती है यूपी मिर्जापुर ठीक है सुना होगा ना तो ये वहां से ये रेखा आपकी पास होती है सो दीज आर द इंडिया की लोकेशनल सेटिंग्स उट द लोकेशनल सेटिंग्स ऑफ द कंट्री भारत की लोकेशनल सेटिंग्स क्या है फैक्ट्स हैं दोस्तों जो हर हर बच्चे को भी पता होनी चाहिए मतलब सिक्स क्लास में जब बच्चा आ जाता है ना तो ऐसा सोचा जाता है भारत सरकार के द्वारा कि उसको सारी बातें पता होनी चाहिए इसीलिए एनसीआरटी में इसको कवर किया गया ठीक है ओके <coughs> okay? चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं इंडियाज नेबर अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की ठीक है कि भारत के अड़ोस पड़ोस में कौन सा देश है तो कुल मिला के बात करें तो अड़ोस पड़ोस में सात कंट्री है अपने याद होनी चाहिए अभी और ये सात कंट्री कौन कौन सी है देखो ये सात कंट्री है अपनी जो अपने आस-पड़ोस में आपका फेवरेट पाकिस्तान देखो इसकी शेप कुत्ते जैसी है ना ये कुत्ते की पूंछ है ये पिछली टांग उसकी ऐसे कुत्ता ऐसे ही तो बैठता है लगभग ठीक है तो ये बेसिकली क्या है कुत्ते की कुत्ते जैसी शेप है इसकी तो ये है हमारा एक पड़ोसी देश दूसरा पड़ोसी देश है हमारा द गुड पड़ोसी देश अफगानिस्तान बट यहाँ पर भी तालिबान आ गया है ये भी बैड हो गया अब इसके अलावा अगर हम बात करें इधर चाइना नेपाल भूटान बांग्लादेश ठीक है और म्यांमार तो कुल मिला के अगर हम बात करें दोस्तों तो वी हैव सेवन डिफरेंट कंट्रीज ठीक है जो भारत के चारों तरफ है पहला है पाकिस्तान दूसरा अफगानिस्तान तीसरा नेपाल चौथे नंबर पर भूटान फिर बांग्लादेश फिर है म्यांमार और फिर क्या है दोस्तों चाइना अच्छा एक काम आपको खुद से करना है और वो काम क्या करना है सुनो मेरी बात जैसे पाकिस्तान है ना अब ये देख लो पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के लिखने हैं आपको ये ठीक है जैसे पाकिस्तान के साथ कौन कौन से लगेंगे इधर से शुरू करो आप ठीक है कौन सा लगेगा गुजरात लगेगा हाँ सर लगेगा राजस्थान लगेगा हाँ सर लगेगा पंजाब लगेगा हाँ सर लगेगा उसके बाद में ये दो यूनियन टेरिटरी है पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर और फिर कौन सी है दोस्तों ऊपर वाली दैट इज लद्दाख सो ये दोनों यूटी हैं अब आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा एरिया किसके साथ लगता है यहाँ पर तो सबसे बड़ा एरिया किसके साथ लगेगा राजस्थान तो यहाँ लिख देंगे हम लार्जेस्ट

बिहार के बाद में ई हो गया हमारे पास सिक्किम एंड ई हो गया हमारे पास बेस्ट बंगाल ठीक है सो so, कौन कौन सा हो गया भाई यूके यूके के बाद में ऊपी बिहार बिहार के बाद में बेस्ट बंगाल और क्या हो गया सिक्किम आप बताओ सबसे बड़ा कौन सा होगा दोस्तों सबसे बड़ा ऊपी तो ऊपी की सीमा सबसे तो ऐसा काम कर रहे हैं कर लोगे श्रीलंका मैरिन टाइम बाउंड्री है पड़ोसी देश है हमारा बट वो लैंड बाउंड्री हमारे साथ शेयर नहीं करता ठीक है छोटी छोटी बातें इनको समझ लो समझ में आ रही बात ठीक है ये छोटी छोटी बातें मेरे से जोग्राफी पढ़ना चाहते हैं ऑप्शनल का तो मेरा बैच आ रहा है भाई अभी ठीक है अभी नवंबर में ही बैच आ जाएगा अनएकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर अन के ऐप के ऊपर आएगा वो यूट्यूब पे नहीं आएगा ठीक है सो so, आप चाहते हैं पढ़ना मेरे साथ तो आप कनेक्ट कर लीजिए जुड़ जाइए मेरे साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है है ना श्रीलंका से लैंड बाउंड्री हाँ नहीं लगती मैरीन टाइम बाउंड्री लगती फिर मालदीव भी ये भी मत बो श्रीलंका ही पता है बस है ना इसके अलावा मालदीव नहीं पता तुम्हें मालदीव सर पता नहीं है ना हमें इतना हम बस इतना ही सोचते हैं मालदीव भी है लेकिन मालदीव भी क्या है दोस्तों अलग है सेपरेट है मेरीन टाइम बाउंड्री से सो ये नहीं लिखेंगे दीज आर द कंट्री जो भारत से मेरीन टाइम समुद्री सीमा से लगता है ना कि स्थलीय सीमा से तो इनके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे ये हो गया अब चलता हूं मैं आगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भारत को ना कुछ इस प्रकार से हमने अलग अलग राज्यों के अंदर में और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बांटा हुआ है आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो भारत को कुल मिला हमने अट्ठाईस राज्यों में और सात शासित प्रदेशों में विभक्त किया है अब ये कौन से हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इनकी राजधानियां क्या है अब

मैं बोल रहा हूं अरुणाचल प्रदेश तो यहां कोई अरुणाचल प्रदेश यहां ढूंढने लग जाए कि सर अरुणाचल प्रदेश कहां से गए अरुणाचल प्रदेश दिख तो नहीं रहा तो ऐसा नहीं हो अरुणाचल प्रदेश उधर है ठीक है तो इनके कैपिटल और इनका जो है लोकेशन कैपिटल सबकी आपको पता होनी चाहिए ब्लैंक मैप में देख के अगर आपसे राजधानी भरवाऊं तो आप भर लो प्रैक्टिस करो ये यूपीएससी में पूछा जाता है ठीक है जिनके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल है दे हैव टू डू दिस थिंग मैप लेना है खाली और उसके अंदर में पूरे भारत की जो है? नहीं करोगे और उसके अंदर में कैपिटल फिल करोगे सब राज्यों की कहां पर है और कहां पर नहीं है अच्छा भारत के अंदर में जो 28 राज्य और सात शासित प्रदेश हमने बांटे हैं आपको क्या लगता है आधार क्या रहा होगा हमारा भारत के अंदर में बहुत सारे जो है कमीशन बने थे और इन कमीशन्स ने जो डिवीजन किया है भारत का वो राज्यों के आधार पर जो राज्यों का डिवीजन हुआ है वो लैंग्वेज के आधार पर हुआ है लिंग्विस्टिक आधार पर हुआ है यूपीएससी ये आपका सीधा इंटरव्यू में पूछे जाने सवाल है कि भारत का डिवीजन जो है किस प्रकार से हुआ है लिंग्विस्टिक आधार पे तो मैं अगर कहूं आपसे कि भारत का डिवीजन आप एक और आधार पे करो तो किस आधार पे कर सकते हो सर हम फिजिकल फीचर्स के आधार पे कर सकते हैं ठीक है कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हाँ कर सकते हैं सर तो ऐसा आपसे सवाल जो है पूछा जा सकता है तो आपको वहां आप पता होना चाहिए साथ ही साथ में दोस्तों दिल्ली भारत की क्या है दोस्तों नेशनल कैपिटल कैपिटल इट्स यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है दिस इज द नेशनल कैपिटल ये भी हो जाएगा ठीक है तो ये आपको हो गया गाइज एक रिक्वेस्ट है यार वीडियो लाइक भी कर दिया करो इट टेक्स नथिंग यार जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द लाइक लाइक बटन ठीक है जिन्होंने कर दिया उनका मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूं और जिन्होंने नहीं किया है और वो जो करेंगे कष्ट उठाएंगे लाइक करने वाला उनके लिए मैं प्लीज आग्रह करूंगा कि एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें सो so दैट क्या होगा ना सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्ट कर सकें ठीक है ओके चलिए तो ये हो गया हमारे पास अब नाउ मूव टू तो द नेक्स्ट पार्ट अग, अगले उसकी बात और बढ़ते हैं ये हिंदी में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए देश को अट्ठाइस राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जाता है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है हमारी और राज्यों का निर्माण हमने मुख्यतः भाषाओं के आधार पर किया हुआ है फिजिकल डिवीजन अगर मैं भौतिक आधार पर डिवाइड करूं ठीक है मैं फिजिकल फिजिकल को बोलते हैं क्या भौतिक तो अगर मैं भौतिक आधार पे अगर मैं इसको विभक्त करता हूं भारत को तो हम इसको पांच भागों में बांट सकते हैं भारत को कैसे कैसे सर सबसे पहला भाग होता है सर हिमालय सर हिंदी में क्या लिखते हैं हिंदी में ये लिखते हैं इसको दूसरा भाग है मेरे पास ये इसको सर हिंदी में क्या लिखते हैं सर इसको लिखते हैं ये उत्तर भारत का मैदान इसके बाद है पेनिंसुलर इंडिया सर इसको क्या लिखते हैं सर इसको लिखते हैं ये प्रायदीप भारत सर इसके बाद क्या कोस्टल प्लेन इसको हम क्या बोलते हैं सर इसको बोलते हैं हम तटीय प्रदेश सर इसके बाद क्या है? सर आइलैंड इसको क्या बोलते हैं सर इसको हम बोलते हैं सर द्वीप समूह ठीक है सो दीज आर फाइव डिफरेंट फिजिकल डिवीजन है ना ये पांच अलग अलग भाग है हमारे पास और इनके आधार पर हम इसको भी पढ़ेंगे ठीक है ये हिंदी में है हिंदी में जो है मैंने लिख दिया इसके सामने अब एक एक पार्ट जैसे हिमालय है ना इसको पढ़ेंगे हिमालय क्या है तो जनरली हिमालय देखो आप देख पा रहे हो यहां पर है ठीक है दिस इज द हिमालय यहां पे बना हुआ है ना दिस इज हिमालय नॉर्थ के अंदर है अब आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था फोल्ड माउंटेन के बारे में बताया था कि नहीं बताया था बताओ भाई पर्वत पढ़ाए थे मैंने पिछले चैप्टर के अंदर तो मैंने बताया था फोल्ड माउंटेन क्या होता है नाम ही नाम बताया था बनता कैसे है वो नहीं बताया मैंने ठीक है वो बताऊंगा तब जब एनसीआर मुझे अलाउ करेगी कि भैया आप बता दो जब एनसीआर में आ जाएगा उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा तो सबसे पहले समझिएगा दोस्तों क्या है मैं बोल रहा हूं हिमालय तो हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है फोल्ड का मतलब होता है पहले बताया मैंने वलित पर्वत ठीक है सो हिमालय इज अ फोल्ड माउंटेन हिमालय एक वलित पर्वत है इसको हम पांच भागों में डिवाइड कर सकते हैं हिमालय को भी हम पांच भागों में बांट सकते हैं वो पांच भाग कौन से पता है आपको सबसे पहला है ट्रांस हिमालय द वेरी फर्स्ट पार्ट इज द ट्रांस हिमालय द फर्स्ट पार्ट जिसको हिमालय को हम विभक्त कर सकते हैं दैट इज द ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट होता है सबसे ऊपर बनता है ऐसे ठीक है अब ये प्लेट व्लेट का ज्यादा चक्कर में बताऊंगा नहीं वैसे तो ये दो प्लेट से मिलकर बनता है इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन प्लेट और जो ट्रांस हिमालय इट इज अ पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट बट इसको अभी ध्यान मत दो आगे सब्सिक्वेंट क्लासेस के अंदर में जब हम बड़ी स्टैंडर्ड की ओर बढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा सो तो पहला ट्रांस हिमालय हिंदी में भी सर इसको हम ट्रांस हिमालय ही बोलते हैं दूसरा है, ग्रेटर हिमालय ग्रेटर हिमालय ये रहा दोस्तों ग्रेटर हिमालय की खास बात क्या है दुनिया की जो हाइएस्ट पीक है ना वो इसी पर है हाईएस्ट पीक है ये दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला याद है कल श्रृंखला पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में सैटरडे को ये क्या है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ठीक है आपको बताया था मैंने श्रृंखला क्या होती है जब माउंटेन रेंज में हो पैरल हो लाइन में हो सीधी रेखा में उसको हम श्रृंखला बोल देते हैं तो ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है मिडिल हिमालय इसको हम बोलते हैं हिमांचल इसको क्या बोलते हैं हिमाचल ये सबसे उपचार हाइएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट भी इसी पर ही है माउंट एवरेस्ट जो है ना माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा वो सब इसी पे हैं मिडिल हिमालय की बात करता हूं तो दोस्तों जितने भी आपके हिल स्टेशन है टूरिस्ट प्लेस नहीं है जितने भी आप घूमने जाते हो सब के सब मिडिल हिमालय हिमाचल के ऊपर में है ठीक है इसको हि हिमाचल भी बोलते हैं या मिडिल हिमालय कह दो ऑल टूरिस्ट प्लेस जहां पर भी आप घूमने जाते हो दोस्तों दे ऑल आर प्लेस्ड ऑन द मिडिल हिमालय सबके सब, सब मध्य हिमालय पर स्थित है ठीक है इसके बाद आ जाता है अपने पास चार नंबर पे शिवालिक ठीक है शिवालिक चार नंबर पे आ जाता है पांच नंबर पर अपने पास क्या आ जाता है दोस्तों पूर्वांचल पूर्वांचल बोले तो पूर्वांचल जो पूर्व में है भारत के ठीक है दिस इज द पूर्वांचल दूर्वांचल कुल मिला के ये पांच हैं अपने पास जिनको अपने को पढ़ना है ठीक है हिमालय को पांच भागों में डिवाइड कर दिया पहला है ट्रांस हिमालय दूसरा है दोस्तों ग्रेट हिमालय तीसरा है मिडिल हिमालय चार नंबर पर शिवालिक और पांच नंबर पर क्या है दोस्तों अपने पास पूर्वांचल सो दीज आर द फाइव डिफरेंट पार्ट ऑफ हिमालय हिमालय को मैं इन पांच अलग अलग भागों में विभक्त कर रहा हूं आप लोगों के सामने मैंने बांट दिया पांच भागों में सो इसको हम क्या कहते हैं हिमालय हिमालय वह एक, एक तह पर्वत है मतलब फोल्ड पर्वत है इसको पांच भागों में देखो ट्रांस हिमालय महान हिमालय मध्य हिमालय शिवालिक और पूर्वांचल इन पांच भागों में बांट दिया अब डिटेल में इनको पढ़ेंगे बाद में अभी आपके जब बड़े चैप्टर आएंगे एनसीईआरटी के अंदर तब हम पढ़ेंगे इसके बाद आता है उत्तर भारत के मैदान नॉर्थ इंडियन प्लेन अब देखो ध्यान दो यार यहां पर आपको दिख रही होंगी ना तीन बड़ी नदियां दिख रही है दोस्तों एक तो ये रही मेरे पास जिसका नाम है सर ब्रह्मपुत्रा ठीक है एक ये नदी है जिसका नाम है दोस्तों आपका दिख रहा है आपको दिस इज द गंगा ठीक है और उसकी सहायक नदी है सारी तो इसको हम इन गंगा रिवर सिस्टम बोलते हैं और एक है दोस्तों ये रही जो पाकिस्तान में चली जाती है एंड दिस रिवर सिस्टम इज द इंडस रिवर सिस्टम ठीक है ये कौन सी है दोस्तों इंडस रिवर सिस्टम है ना तो ये जो नदियां आपको लग रही है ना ये हिमालय से उतरती है हिमालय में ऐसा क्या है सर हिमालय में होते हैं ग्लेशियर ठीक है हिमालय में क्या होते हैं ग्लेशियर जिनको हम फ्रोजन रिवर कहते हैं जमुई हुई जमी हुई नदियाँ बोलते हैं उनको बहुत पानी है यार बहुत बर्फ वर्फ गिरती है वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है और वो बर्फ़ जो है वो पिघलती है तो उससे नदियाँ आती हैं ये नदियाँ जब नीचे आती हैं तो जब ये पहाड़ में से जब बहती है ना तो इस पहाड़ को काटती हैं वो हिमालय को काटती हैं जब हिमालय का कटाव होता है तो हिमालय के कटाव के बाद में वो जो माल लेके आती है ना वो सारा का सारा इधर जमा हो जाता है ठीक है इस भाग में इस भाग में क्या हो जाता है जमा और उसके इस भाग में जमा होने की वजह से ही किसका निर्माण होता है उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण होता है आपको समझना पड़ेगा कि यहां से जो नदियां जितनी भी ये सब क्या करती हैं दोस्तों कटाव करती हैं यहां पर सब क्या करेंगी दोस्तों इरोजन कल बताया था मैंने इरोजन क्या होता है यहां से कटाव होगा और यहां पर जाकर क्या होगा दोस्तों उसका डिपोजिशन होगा यहां पर क्या होगा डिपोजिशन जमाव और इसी जमाव की वजह से बनते हैं दोस्तों उत्तर भारत के मैदान जिसको हम गैंगेटिक प्लेन भी कहते हैं गंगा के मैदान और इसी में आता है अपना ब्रह्मपुत्र के मैदान ठीक है ये वाले तो खैर इंडिया से बाहर हैं तो इनकी हम बात नहीं करेंगे तो गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्रा के मैदान जो है दे और द पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन ये उत्तर भारत के मैदान का भाग होते हैं ठीक है अभी जो उत्तर भारत के मैदान है द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालय हिमालय के दक्षिण में है दे आर जनरली लेवल्स एंड फ्लैट आप देखोगे तो आपको लेवल प्लेन दिखेंगे फ्लैट दिखेंगे समान सतह वाले दिखेंगे समतल दिखेंगे आपको ये ठीक है दीज आर फॉर्मड बाय द एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स ये मुख्यतः आपके एलुवियल डिपॉजिट से बनते हैं ठीक है एलुवियल का मतलब क्या होता है पता आपको जलोड मिट्टी देखो जो नदियों द्वारा मिट्टी बनाई जाती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं अब मैंने आपको क्या बोला था ये पर्वतों को काटती है नदियां और ये पर्वतों को काट के नीचे आती है तो वो जमा करती है तो जो पर्वतों को काट के मटीरियल है बनाते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों दैट इज नॉन एज द जलोड मिट्टी ठीक है एलुवियल सॉइल दैट इज नोन एज द एलुवियल जो प्लेन्स हैं दे आर फॉर्म बाय द एलुवियल सॉइल इनका निर्माण आप जलोड़ मिट्टी के द्वारा होता है एंड मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो इंडस हो गया गंगा हो गया ब्रह्मपुत्रा हो गया इन नदियों के द्वारा और इनकी जो सहायक नदियां इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे इनका निर्माण आपका होता है दीज रिवर प्लेन प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन अब ये जो आपको मिला है ठीक है ये बहुत उपजाऊ जगह होती है ठीक है दिस इज वेरी फर्टाइल लैंड दिस इज वेरी फर्टाइल एरिया और इसी फर्टाइल एरिया पे फिर क्या किया जाता है दोस्तों एग्रीकल्चर और इसीलिए देखो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी एरिया में यूपी वेस्ट बंगाल बिहार बिकॉज दोस्तों जमीन बहुत उपजाऊ है और जमीन उपजाऊ है जमीन समतल है तो लाइफ जीना जीना आसान है जिंदगी आसान है लद्दाख वाले लोगों पे और ही बहुत सारी समस्याएं है उनको पता है क्लाइमेट से प्रॉब्लम अभी बर्फ गिर गई ठीक है अभी कुछ हो गया अभी कुछ हो गया वो बेचारे ने, नेचर से जूझते रहते हैं ठीक है अब ये मैदान वाले जो लोग हैं हम यूपी बिहार ठीक है हरियाणा वेस्ट बंगाल ये खाली बैठे हैं अपने और कुछ नहीं तो ठीक है अब अच्छा लाइफ अच्छा है प्लेन एरिया है रोजगार अच्छे हैं लैंड फर्टाइल है ठीक है तो खाली समय जब बचता है तो इसमें जनसंख्या बढ़ाने लग जाते हैं ठीक है तो इसीलिए इस एरिया में अपने इस एरिया में यहाँ पर जनसंख्या क्या है दोस्तों ज़्यादा है तो जनसंख्या भी क्यों ज्यादा आप समझ गए ना लद्दाख में इतनी जनसंख्या क्यों नहीं है उनको पता है भाई स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज है आधे से ज़्यादा दिन तो उनका खाना बटोरने में चला जाता है बिचारों का कि खाएंगे क्या ठीक है जिंदगी बहुत हार्ड है ना वहाँ पे और यहाँ जिंदगी आसान है थोड़ा बहुत तो और कुछ नहीं तो मेहनत मजदूरी करके आदमी कमा लेता है बाकी का समय सब जनसंख्या बढ़ाने पे दिया जा रहा है और इसीलिए आपको पता है इस एरिया में जनसंख्या क्या है ज्यादा सो बेसिकली लैंड एरिया में प्लेन एरिया के अंदर में जनसंख्या ज्यादा होती है तो हमारा गंगा का मैदान जो है ब्रह्मपुत्रा का मैदान जो है इसमें जनसंख्या ज्यादा इवन इंडस प्लेन जो है उधर पाकिस्तान में वो भी कम नहीं है ठीक है वो भी खाली टाइम पे और कुछ नहीं मिला तो जो कहते हैं ना जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है ये भी खाली टाइम में कमाल करते हैं ठीक है ये भी क्या करते हैं खाली टाइम में कमाल करते हैं ज्योग्राफी का मानसी मेरा ज्योग्राफी का फुल डिटेल कोर्स आएगा प्लस के ऊपर अभी आ रहा है नवंबर के अंदर में ठीक है और बाकी तो मैंने कोर्स पढ़ा ही रखे हैं इस पर बार बार ज्योग्राफी को मैं कितनी बार लपेटूँ यहाँ पे तो ऑलरेडी हम करा चुके हैं और जो नेक्स्ट टाइम आएगा 2022 के लिए जो कोर्स हम स्टार्ट करेंगे वो में, में, मोस्ट प्रोबेबली हम फरवरी से स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे प्लस पे उससे पहले ही आ जाएगा ठीक है सो so, ये सारी बात है दीज आर द रीजन फॉर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन यही कारण है कि इन एरियाज के अंदर में ना आपका इन प्लेन्स के अंदर में जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये उत्तर में अगर आप पश्चिम में जाओगे तो ये वाला भाग जो है इसको हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट ठीक है और ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है ना ये भी कुछ अलग नहीं है दोस्तों ये भी आपका

उपजाऊ जगह जो हमें मिलती है बाकी इसकी बात करें तो ये जो है ये हॉट है ड्राई है और यहां पर बहुत कम वेजिटेशन हमें मिलती है ठीक है हिंदी भाषा का मैं परिचय दूंगा यहां पर यहां बताऊंगा कि उत्तर भारत की मैदान के मैदान हिमालय के दक्षिण की ओर स्थित है सब बच्चे जानते हैं ना ठीक है दे आर सिचुएटेड साउथ ऑफ द हिमालय आमतौर पर समतल और सपाट होते हैं इनके अंदर मुख्य अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये कौन सी नदी है गंगा नदी यहां पर अगर आप बात करोगे दोस्तों तो इंडस नदी है यहां पर अगर आप बात करोगे दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र नदी नदी। तो ये नदियां हैं जिनके जो यहां पर बनी हुई हैं ये नदी के मैदान खेती के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या का उच्च संकेंद्रण होता है क्योंकि फर्टाइल एरिया है ना भारत के पश्चिमी भाग में आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट या ग्रेट इंडियन मरुस्थल जो है यहां पर मिलता है यहां पर शुष्क और गर्म और रेतीली भूमि होती है आपको मैंने बता दिया और यहां पर अगर रेतीली होगी पानी की कमी होती है एंड दैट्स वाई यहां पर कोई वनस्पति जो है वो ज्यादा नहीं मिलती ठीक है जो आपकी वनस्पति है वो नहीं मिलती और बहुत मतलब आपका ड्राई एरिया होता है कम वनस्पति वाला एरिया जो है आपका होता है वी हाई एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी एंड फॉर एग्रीकल्चर दिस एरिया इज परफेक्ट सो पॉपुलेशन इज वेरी हाई बिल्कुल एड कुमार आप सही कह रहे हैं मैं तो मजाक कर रहा था ठीक है मैं तो मजाक कर रहा था ऐसी बात नहीं है यार अरे पॉपुलेशन देखो मैं एक 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 आपको एक चीज और बताता हूं ठीक है मैनी इन द मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री पहले पुराने टाइम पे अगर बात करें तो एक होता ना एक प्रथा होती है जिसको हम बोलते हैं कि एक आदमी वन मैन यूज टू मैरी मैनी वेमेन्स एक आदमी की बहुत सारी वाइफ होती थी पत्नियां होती थी आज कहाँ पे देखते हो आप यूपी में वेस्ट बंगाल के अंदर ठीक है एक आदमी एक होगा और उसकी छः सात सात पत्नियां होती हैं उनसे बच्चे होते हैं एक से अगर दो भी निकाल दो भी अगर हम मतलब मान के चले ठीक है और सात है तो चौदह हो गया मतलब एक दर्जन बच्चे होते हैं कम से कम एक दर्जन मिनिमम बता रहा हूँ नहीं तो एक आदमी के एक से दो दर्जन बच्चे वो कर लेता है ठीक है क्यों कर लेता है पता उसको पता है कुछ और नहीं करेंगे तो कमाल करेंगे ये भी आगे जाके भाई ये भी कुछ नहीं करेंगे आगे जाके तो ये भी कमाल करेंगे मतलब ये भी दो दो दर्जन करेंगे कम से कम और इसमें क्या होगा ना और कुछ नहीं तो अगर मजदूरी करेंगे तो मजदूरी में भी आजकल चार सौ से पांच सौ रुपए मिलते हैं डेली के दिहाड़ी पाँच सौ चार सौ रुपये मिलती है तो इनको पता है ठीक है चलेगा काम अब ऐसे ही लद्दाख में सोचो लद्दाख में ना दिक्कत है लद्दाख में ऐसे एरिया में हाई ट्रेन एरिया में माउंटेन एरिया में वहां पर है नहीं मामला इस प्रकार का ठीक है आप नहीं कर सकते दो दर्जन एक दर्जन तो वहां पर क्या होती हैं भाई दो महिला एक महिला है ना वो दो दो, दो तीन तीन आदमियों से शादी होती थी उसकी क्योंकि पता था कि बच्चे जितने कम उतने ही अच्छे क्योंकि इस एरिया में रिसोर्स नहीं है उनका पेट कहाँ से भरेंगे ठीक है तो आपको पता है दोस्तों जो हमारी प्रथाएं हैं ना दे आर ऑल्सो स्लेव ऑफ जोग्रफी दे आर ऑल्सो द स्लेव ऑफ जोग्रफी ठीक है ये जो पता नहीं क्या बोलते हैं पॉलीगैमी और पोली एंड्री पोली एंड्री मतलब वन वेमन यूज टू हैव मैनी वैन मैरिड टू मैनी मैन ठीक है तो ये जो होता है ना ये प्रथाएं ये किसकी वजह से ठीक है प्रथाएं भी हमारे देश की किससे पूरी दुनिया में प्रथाएं भी जो है हमारे जोग्राफी से डिसाइड होती हैं आपको पता है इस बात का नहीं पता था ना मैंने बता दिया जीते रहो मैं ऐसी सी चीज पढ़ाता हूं आपको जो थिंग्स है भगवान ने बनाई है इसका मतलब क्या है मैं वो चीज पढ़ाता हूं आपको जो या तो भगवान ने बनाई है या भगवान ने जिसको बताया वही बता सकता है सोच लो मैं क्या हूं ठीक है जय हो जय हो बच्चो जय हो ठीक <laughs> है चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं ठीक है दिस इज द नॉर्थ इंडियन प्लेन उत्तर भारत के मैदान के बाद बढ़ते हैं दोस्तों दक्षिण में प्राय भारत उत्तर भारत के मैदान के नीचे ये जो आपको येलो येलो पार्ट दिख रहा होगा ठीक है ये, ये येलो पार्ट जो दिख रहा है ना दोस्तों ये इसको हम बोलते हैं भारत का मैदान अगर मैं रफली अगर बात करूं तो ये जो हिस्सा है ठीक है ये जो हिस्सा है ये ट्रैंगुलर शेप का इसको हम बोलते हैं प्रायदीप भारत पेनिनसुलर इंडिया सर एक वर्ड आप ध्यान दो ये पेनिनसुला क्यों लिखते हैं हम इसमें पेनिनसुला लिखते हैं ना इसको पेनिनसुलर इंडिया तो पेनिनसुला हिंदी में इसको कहते हैं सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ देखो भूमि का वो भाग ये भूमि है इसका वो भाग जो तीन और पानी से घिरा हो एक और पानी है दो और पानी है और तीसरी ओर पानी है भूमि का वो भाग जो तीन और पानी से गिरा हो प्रायदीप कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों प्रायदीप तो इसीलिए इसको हम प्रायदीप बोलते हैं दिस इज इंडिया सो so, ये प्रायद्वीप भारत है एंड रफली आप देख रहे हो दोस्तों ट्रेंगुलर शेप में है ठीक है इसके उत्तर भारत में क्या है दोस्तों नॉर्थ इंडियन प्लेन उत्तर भारत के मैदान इसके नॉर्थ में है आपका दोस्तों आप देख सकते हो दिस इज अ रीजन विद दिसन हिल्स एंड वैलीज बहुत सारी घाटियां हैं यहाँ पे बहुत सारे पर्वत हैं अब मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूं पर्वत देख लो आप देखो कितने सारे पर्वत है मैं दिखाता हूँ अभी आपको जैसे अगर हम देखें तो देखो विंध्यन पर्वत है उसके बाद सतपुड़ा पर्वत है ठीक है ये नर्मदा घाटी और तापी घाटी इधर है देखो ये जा रही है इसके अलावा

ठीक है इसके यहाँ पे वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है दुनिया का सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन बुड्ढो में से दुनिया के सबसे पुराने बुड्ढो में से एक है उसके अलावा विंध्यन और सतपुड़ा जो है ये इसके दक्षिण में है सो ये सब इसी का तो भाग है ठीक है हिंदी में है विंध्यन सतपुड़ा महत्वपूर्ण पर्वत पर्वतमालाएं हैं अरावली पहाड़ी दुनिया की सबसे पुरा, पर, पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है ठीक है यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारी नदियां भी इधर से बहती है जैसे नर्मदा और तापी नदी ठीक है ये रही आपकी नर्मदा दिस इज द नर्मदा एंड दिस इज द तापी बीच में फंस गया पापी सतपुड़ा बीच में इसके ठीक है ये पश्चिम में जाने वाली नदियां जो वेस्ट की ओर बहती है बाकी नदी आप देखोगे जब महानदी देख लो गोदावरी देख लो कृष्णा देख लो कावेरी देख लो ये सब किधर जाकर गिरती है ईस्ट में इसका क्या मतलब पता है? इसका मतलब ये जो पेनिन्सुला है ना ये नीचे वाला जो ट्रेंगल है ये कुल्फी जो है ना इंडिया की नीचे वाली वास्तव में ये एस प्लेन होनी चाहिए बट ये ऐसे उठी हुई है कैसे ऐसे उठी हुई है इसकी वजह सारी नदियां जाती है पढ़ाया था तो मैंने बताया था ना दो चीजें बनती है। एक तो और, मतलब और उन्हीं वैली को हम रिफ्ट वैली भी बोलते हैं और इन्हीं रिफ्ट वैली से अपनी दो नदियां जाती हैं एक तो है तापी एंड दूसरा है पापी नहीं सॉरी नर्मदा ठीक है पवित्र है बहुत सो ये दो नदियां जो है इसी से होकर बहती हैं ठीक है डन ठीक है So, हो गया सो दीज रिवर्स नर्मदा तापी जो है ये आपका इन्हीं रेंज से होकर बहती है दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो जाके अरब सागर में खाली होती है द वेस्टर्न घाट एंड सहयादरीज ये दिख रहा है आपको ये वेस्टर्न घाट इसको हम सयादरी बोलते हैं ठीक है ठेके? एरा इसको हम सह्यादरी बोलते हैं ये पूरे पश्चिमी भारत के भारत के पश्चिमी तट के समानांतर है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल समानांतर चलता है ये ठीक है इसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों दिस इज अपना ये क्या है आपका दिस इज वेस्टर्न घाट तो ये पूरा पश्चिमी घाट के समानांतर आपका चल रहा है तो ये भी आपको बता दिया मैंने वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड इवन ये क्या कह रहा है दोस्तों ये कह रहा है कि जो पश्चिमी घाट है ना ये वाला ये तो कंटिन्यू है आप देख सकते हो लेकिन ईस्टर्न घाट जो है ना वो ब्रोकन है बहुत जगह से टूटा हुआ है ठीक है गम में टूटा हुआ है तेरी प्यार ने मारा मोहब्बत में मारा बहुत है बेचारा अब ये क्यों टूटा हुआ है दोस्तों देखो नदियां कितनी सारी है ना ये नदियां तोड़ देती हैं इसको जैसे इधर गई कृष्णा फिर गोदावरी इधर है महानदी नदियों ने तोड़ दिया इसको बिल्कुल ठीक है नदियों ने क्या कर दिया तोड़ दिया इसको बना दिया बढ़िया हास्सी किसको ठीक है मतलब मजाक कर रहा हूं अब नदियां इधर जा रही थी दोस्तों तो इन्होंने वियर डाउन कर दिया इसको तोड़ दिया जबकि इधर कोई नदियां है नहीं तो ये क्या है दोस्तों समान तो याद रखना पश्चिमी घाट एकदम पश्चिमी तट के समानांतर है एकदम बढ़िया पोजीशन में है बढ़िया अपनी कंडीशन में है एकदम कंटिन्यूस माउंटेन रेंज दिखती है आपको जबकि पूर्वी घाट जो है ये जगह जगह से टूटा हुआ है ब्रोकन है एंड वाइट इज ब्रोकन ये टूटा हुआ क्यों है दोस्तों इट इज टूटा हुआ इट इज ब्रोकन बिकॉज ऑफ रिवर्स बहुत सारी नदी हैं, इन्होंने है इसको तोड़ दिया है like ये सारा जो एरिया है ना ये लोहे में और आयरन कोल और आयरन के अंदर में इसकी अधिकता है ठीक है दोनों में कोयला और लोहोस्क जैसे खनिज आपको इस पठार के अंदर में भरपूर मात्रा में मिलते हैं कोस्टल प्लेन की बात करता हूं मैं तटीय मैदान अगला भाग है मेरा सो so, देखो तट का मतलब क्या है? ये इलाका जो इधर से लेकर इधर तक समुद्र के समांतर है और ये इधर से लेकर इधर तक तो इसको बोलेंगे पश्चिम में है अरब सागर से लगता है इसको बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पश्चिमी तटीय मैदान और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों हम इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पूर्वी तटीय मैदान ठीक है तो ये जो तटीय मैदान है आपको दिख गए दोनों साइड में भाई इधर है पश्चिमी तटीय मैदान उधर है पूर्वी तटीय मैदान ये हमने देख लिया टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट के वेस्ट में एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन हमारे तटीय मैदान जो है यहां पर लाई करते हैं द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो पश्चिमी तटीय मैदान बहुत नैरो है बहुत पतले हैं जबकि ये थोड़े से ब्रॉड होते हैं पूर्वी तटीय मैदान थोड़े से ब्रॉड है जबकि पश्चिमी तटीय मैदान जो होते हैं दोस्तों वो थोड़े से छोटे होते हैं देर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बहुत सारी नदियां देखो ये जा रही महानदी गोदावरी कृष्णा इधर बहुत सारी नदियां हैं बल्कि पश्चिम में जाने वाली नदियां हमारे पास क्या है दोस्तों कम है द रिवर्स लाइक महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ड्रेन इंटू बेव बंगाल हमें दिख गया ठीक है इधर बनती है जब ये गिरती हैं तो ये डेल्टा का निर्माण करती है और इन्हीं में एक डेल्टा है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा जो इंडिया के अंदर में भी है और आपका बांग्लादेश के अंदर है बीडी के अंदर है और दिस इज़ द लाइक बहुत रिच फर्टाइल एरिया है दोस्तों पता है ना सुंदरबन के डेल्टा के बारे में कितने लोगों को नहीं पता था इसके बारे में अभी बता दूँगा छू मंत्र दो मंत्र मारूँगा अभी पता चल जाएगा तुम्हें जल्दी बता दो सर बायोडाइवर्सिटी पूरा है क्या एज में सेलेशर बायोडाइवर्सिटी पूरा ऑलमोस्ट थर्ट फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट है उसमें पचास परसेंट होगा एज क्यों देखते हो बहुत पुरानी बात होगी भाई एज छोड़ दो यार एज मत देखो कितना पुराना हो गया एज ठीक है चलिए एक बार वीडियो लाइक जरूर कर दें यार सभी बच्चों से अनुरोध रहेगा वीडियो लाइक करें और शेयर करें सारे के सारे बच्चे ठीक है चलिए सुंदरबन डेल्टा जो है इट इज फॉर्मड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टू द ये भी हमें पता है दोस्तों ठीक है यहां पे बना हुआ है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है पूर्व तटीय मैदान के लॉन्ग बनते हैं पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये वाले मैदान संकरे होते हैं जबकि ये मैदान जो होते हैं थोड़े विस्तृत होते हैं बड़े होते हैं ठीक है कई पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हमारे पास है देखने को मिलती है जैसे महानदी मिलती है हमें गोदावरी मिलती है कृष्णा मिलती है कावेरी मिलती है जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हमें नहीं मिलती ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां सारी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सब ये डेल्टा बनाती है एक सवाल जो पश्चिम की ओर जाएंगी वो क्या बनाएंगी वो बनाएंगी ज्वारनद मुख सर ये क्या बवाल है हिंदी में बोलते हैं ज्वारनद मुख इंग्लिश में बोलते हैं जो इधर जाके गिरेंगी ना देविल फॉर्म्ड एश्यूरीज और जो इधर जाकर गिनती हैं दोस्तों देविल फॉर्म्ड डेल्टा वो डेल्टा का निर्माण करती हैं ठीक है ये हमने देख लिया आगे बढ़ते हैं दोस्तों आइलैंड आपको पता है भारत के अंदर में दो आइलैंड के समूह पाए जाते हैं ठीक है एक को बोलते हैं हम अंडमान ग्रुप ऑफ आईलैंड और दूसरे को बोलते हैं निकोबार ग्रुप ऑफ आईलैंड सॉरी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आईलैंड और दूसरा लक्ष्यदीप ग्रुप ऑफ आईलैंड दिस इज लक्षदीप ग्रुप ऑफ आईलैंड एंड दिस इज अंडमान निकोबार

एंड हेयर इज द अंडमान एंड निकोबार सो ये दो चीज भी है जो हमें ध्यान में रखनी है और जिनके बारे में हमें पढ़ना है ठीक है आर यू गेटिंग सो दीज आर दू थिंग्स यू हैव टू कंसिडर दीज आर द आइलैंड ये हमारे द्वीप है तो द टू ग्रुप ऑफ आईलैंड आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया एक का नाम है लक्ष्यद्वीप आइलैंड जो आपको कहाँ मिलते हैं दोस्तों दे आर बेसिकलीकेटेड इन अरब सागर और दूसरे जो है मेरे पास दोस्तों ये आपका कोरल आइलैंड है और आप देखोगे तो रला के समीप केरला के तट के पास में ये आपका लोकेटेड है कोरल आइलैंड है ठीक है अभी कोरल रीफ बनते हैं दोस्तों कोरल रीफ में आपको कई बार पढ़ा चुका हूं बट आगे आने वाले उसमें भी मैं बताऊंगा एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड इन द बे ऑफ बंगाल और ये देख रहे हो आप ये बंगाल की खाड़ी में है ठीक है इंडिया मेन लैंड है उसके साउथ ईस्ट के अंदर ये लोकेटेड है दे आर लोकेटेड इन द इंडियन मेन लैंड भारत के मेन लैंड के अंदर में दोस्तों ये क्या है दोस्तों आपका लोकेटेड है तो ये हो गया हमारा दोस्तों आइलैंड वाला पार्ट ये बात आपको समझ में आई दोस्तों ठीक है आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट आप इस बात से सहमत हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे बताइए कोई भी बच्चा अगर आपको ऐसा लग रहा है सर मैं आपकी बात से सहमत ना हूं तो सामने आए भाई वो ठीक है सर जितना आपका करवाया है बायोडावर्सडी उसको कर लिया हूं बाकी बच्चे हुए टॉपिक्स कर लिए रेफर करूं के लिए रेफर करूं प्लीज सजेस्ट शैलेश अभी कराऊंगा यार ना मैं दोबारा कराऊंगा ना बचा हुआ पार्ट है वो होगा ठीक है हो जाएगा दोबारा करा देंगे अब थोड़ा सा सब्र करो थोड़ा सा सब्र तो कर शैलेश बाबू ठीक है कराएंगे उसको भी ठीक है रेफर वेफर कुछ नहीं है क्योंकि होता क्या है ना बच्चा एक ही किताब पढ़ता है उसके लिए ठीक है वो किताब सफिशेंट नहीं होती आजकल उस किताब से एक भी सवाल नहीं आते ठीक है ज़्यादातर सवाल जो होते हैं करंट अफेयर से बनते हैं करंट टॉपिक से बनते हैं करंट मुद्दों से बनते हैं करंट इश्यूज से बनते हैं तो वो इसीलिए थोड़ा सा डायनेमिक हो गया है काफ़ी वो बताऊंगा मैं टेंशन ना लूँ ठीक है अच्छा बच्चों इसका एक एन का अपन एक कोर्स भी लेके आ रहे हैं यहाँ पर क्या ना आपको पीपीटी मिलती नहीं है वहाँ पीपीटी भी दूंगा प्लस प्री और मेंस के क्वेश्चंस भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं ठीक है तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज में लेके चलने वाला हूँ ठीक है पूरा एनसीआर टी सिक्स टू ट्वेल्थ तक का हर सब्जेक्ट का ये हम दस तारीख को कोर्स जो है लॉन्च करा देंगे अभी दिवाली की यार छुट्टी वुट्टी चल रही थी ना थोड़ा सा उसकी वजह से इशू है तो दस तारीख को हम इसको लॉन्च करा देंगे यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया अबाउट द कोर्स ऑन द टेंथ ऑफ नवंबर आने वाली है शायद कल परसों ही है तो ऑलमोस्ट उसके आसपास आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा ठीक है और ये अपना आ रहा है तो इसको सारे के सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे सब के सब ज्वाइन करेंगे ठीक है तो ये टॉपिक है हमारा ये चैप्टर है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ठीक है एक ब्रॉड ओवर रिव्यू हम पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हम ठीक है बट जितना एनसीआर में दिया गया है वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हम वी आर गोइंग टू कवर दैट कंप्लीटली सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा देखो इसमें पहला वर्ड क्या है दोस्तों द फर्स्ट वर्ड इज द क्लाइमेट ठीक है अच्छा इस क्लाइमेट जैसा ही एक वर्ड होता है दोस्तों क्लाइमेट को हम क्या बोलते हैं इन हिंदी इट इज नोन एज जलवायु इसको हम जलवायु बोलते हैं एक ऐसा ही एक वर्ड और होता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों वेदर एंड वट इज द मीनिंग ऑफ द वेदर वेदर मीन्स नथिंग इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों मौसम ठीक है सो द टू वर्ड्स वन इज द वेदर एंड सेकंड इज द क्लाइमेट एक तो होता है जलवायु और दूसरा क्या होता है मौसम ठीक है इनके बीच में बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है पता आपको ठीक है बहुत छोटा एक अंतर होता है देखिए जैसे आपने बोला कि आज हम कहते हैं ना कि आज का मौसम बहुत खराब है कल से ठीक है कल का मौसम बढ़िया था या आज मैं <coughs> कहूं <coughs> कि आज का मौसम कल से बेटर था क्योंकि आप आज देखोगे तो धुआं इतना नहीं है ठीक है दिवाली के जस्ट बाद दो दिन भाई साहब क्या धुआं था उसे की मेहरबानी है कि आज इतनी दिक्कत हो रही है मेरे को तो वो जो धुआं था अब मैं आज कह सकता हूँ क्या कि आज का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है कल के मुकाबले अच्छा है तो मौसम की जब मैं बात करता हूं इसका मतलब मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं भाई हवा की हवा के में के अंदर में मैं देख रहा हूं जब मैं मौसम की बात करता हूं आज के और कल की कंपेयर करता हूं मैं ठीक है मतलब शॉर्ट टर्म में कंपेयर करता हूं लेकिन जब मैं बात करता हूं ऐसा तो नहीं बोलते कि आज का क्लाइमेट कल से अच्छा है ठीक है कोई बोलता है तो मतलब बेवकूफ है वो ऐसा बोलता है बट हम कभी भी आज और कल को क्लाइमेट से डिनोट नहीं करते और आज और कल को हम सिर्फ मौसम से ही डिनोट करते हैं ठीक है सो देर इज अ स्मॉल स्केल डिफरेंस अब ये स्मॉल स्केल डिफरेंस क्या होता है कितना होता है उसी के बारे में दोस्तों हम यहां पर क्या करेंगे करेंगे चर्चा सो टू डिफरेंट वर्ड वन इज द वेदर एंड सेकेंड इज द क्लाइमेट पहला ये है दूसरा ये है और इन दोनों के बारे में दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मौसम और सेकंड क्या है दोस्तों सेकंड इज नथिंग बट द जलवायु सेकंड मेरे पास है जलवायु जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपके साथ ना व्हाट इज क्लाइमेट एंड व्हाट इज वेदर सबसे पहले मैं वेदर के बारे में बताऊंगा

डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अर्थ पढ़े थे ना हमने जिसके अंदर में आपका एटमोस्फेयर आता था जिसके अंदर में लिथोस्फेयर आता था जिसके अंदर में हाइड्रोस्फेयर आता था जिसके अंदर में बायोस्फेयर आता था जैवमंडल भूमंडल हाँ, ठीक है जल मंडल वायुमंडल तो ये वायुमंडल की बात करनी है हमें एटमोसफेरी कंडीशन तो एटमोस्फेयर के घटक में बता रहा हूँ देर आर सर्टेन थिंग्स भाई कुछ चीजें हैं मेरे पास जिनसे मैं वायुमंडलीय जिनको मैं वायुमंडलीय कंडीशन के अंदर रखता हूँ जैसे सबसे पहला जो होता है ना मेरा पास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है टेम्परेचर टेम्परेचर का मतलब सर, क्या होता है सर तापमान इसके बाद दूसरा जो होता है ना उसको हम बोल देते हैं प्रेशर प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों वायुदाब इसके बाद जो तीसरा होता है ना दोस्तों मेरे पास द थर्ड थिंग इज द ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी को क्या बोलते देते हैं दोस्तों हम आर्द्रता ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दोस्तों उसको हम बोल देते हैं रेनफॉल रेनफॉल का मतलब क्या होता है दोस्तों वर्षा इसके बाद जो अगला है मैं कह दूंगा क्लाउडीनेस ठीक है क्लाउडीनेस का मतलब क्या है दोस्तों बादल है ना ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास और इन सबको मिला के मैं बोलता हूं एटमोस्फेरिक कंडीशन द ऑल थिंग्स कंबाइन एंड क्लब टूगेदर इज नॉन एज द कंडीशन समझ में आई बात भाई वायुमंडली अवस्थाएं आप किन को बोलोगे सर जो वायुमंडल की अवस्था है जैसे तापमान क्या है अभी का जैसे वायुदाब क्या है सर सर आदरता क्या है अभी वर्तमान में वर्षा का क्या हिसाब किताब है ठीक है बादल है कितने हैं कितने नहीं है तो इनका जो क्यूमेलेटिव अकाउंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों एटमोस्फेरिक कंडीशन अकाउंट ऑफ ऑल दिस कंडीशन इज नॉन एज ठीक है इज नॉन एज वॉट एटमोस कंडीशन इन सभी को हम एटमोस्फेरिक कंडीशन का नाम यहां पर देते हैं ठीक है सो आपको एटमोस्फेरिक कंडीशन क्लियर हुआ सभी को सो दीज आर एटमोस्फेरिक में बोलेंगे वायुमंडलीय अवस्थाएं इसका मतलब है जब तापमान वायुदाब आद्रता और वर्षा और बादल इनका एक हम अध्यन करते हैं इनके जो है पारस्परिक इनका एक अध्ययन करते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों उसी को हम बोल देते हैं सर जलवायु वा, ठीक है सॉरी वायुमंडलीय अवस्थाएं अब इन वायुमंडलीय अवस्थाओं की मुझे स्टडी करनी है अब सपोज मैं शॉर्ट टर्म के लिए स्टडी करता हूं जैसे मैंने बोला कल का मौसम और आज का मौसम ठीक है कल का आज से बढ़िया था या आज का कल से घटिया जो भी मैं बोलता हूं तो जब मैं दो इनकी बात करता हूं आज और कल की दैट मीन्स आई एम टॉकिंग इन द शॉर्ट टर्म मैं आज और कल में बात कर रहा हूं ठीक है सो आई एम टॉकिंग इन द शॉर्ट टर्म मैं शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूं तो वेन एवर वी विल टेक द शॉर्ट टर्म अकाउंट जब जब मैं शॉर्ट टर्म अकाउंट लूंगा ना दोस्तों जब मैं थोड़े समय के लिए अध्ययन करूंगा तो बस उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों उसी को बोलेंगे वेदर वेदर मतलब व्हाट वेदर मतलब सर मौसम वेदर का मतलब रहेगा मौसम और मौसम का मतलब क्या है स्टडी ऑफ शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब है वायुमंडलीय अवस्थाएं तो सीधा सा बन गया क्या कि आपके शॉर्ट टर्म थोड़े समय की वायुमंडलीय अवस्थाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं हम वेदर कहते हैं लाइक फुडर डे जैसे दिन के लिए एंड मैक्सिमम कैन बी फॉर द वीक मैक्सिमम एक सप्ताह फॉर दू डे हमेशा हम डे टू डे मीजर करते हैं मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो एक सप्ताह एक सप्ताह से ज्यादा का नहीं हो सकता इसमें इट्स अ डे टू डे फिनोमिना ठीक है और हम दिन प्रतिदिन के अंदर में ही इसको पढ़ते हैं दिन प्रतिदिन के अंदर में इसको <coughs> समझते हैं ठीक है So, हो गया अब आते हैं दोस्तों किस पे क्लाइमेट पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट क्लाइमेट का मतलब होता है प्यारे बच्चों जलवायु ठीक है इसका मतलब क्या होता है जलवायु जब हम जलवायु की बात करते हैं दोस्तों तो ये लॉन्ग टर्म कंडीशन है लंबे समय के लिए वायुमंडलीय अवस्थाओं का अध्ययन है बहुत लंबे टाइम के लिए मैं वायुमंडलीय अवस्थाओं को पढ़ रहा हूं तो जब मैं ऐसा करूंगा ना तो उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों उसी को हम बोलेंगे क्लाइमेट यानी कि जलवायु ये मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूं थर्टी ईयर होता है मतलब ये सालों में मापते हैं यार पैंतीस चालीस पचास साल अब जैसे हम हैं भारत की जलवायु एग्जाम्पल में लेते हैं अब इसमें भी यही पढ़ना है हमें बट इसके अंदर में हम यहां पर क्या कर रहे हैं दोस्तों वी आर टेकिंग अ लॉन्ग टर्म अकाउंट अकाउंट मतलब स्टडी या लॉन्ग टर्म हम स्टडी करते हैं तो जब जब आप लॉन्ग टर्म स्टडी करोगे सो उसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों उसको हम बोल देते हैं जलवायु ठीक है तो सिंपल बात याद रखेंगे सर वेदर इज अ शॉर्ट टर्म अकाउंट ऑफ वेरियस एटमोस्फेरिक कंडीशन एंड क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म अकाउंट ऑफ द वेरियस एटमोस्फेरिक कंडीशन ठीक है इन दोनों को ऐसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं ये जो है आपका दोस्तों इट इज टेकन फॉर द डे टू डे ठीक है ये दिन प्रतिदिन का मापते हैं एंड इट इज द मिनिमम फॉर द थर्टी फाइव ईयर इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें क्या कहेंगे सर कल का मौसम आज से खराब था कल ज्यादा गर्मी थी आज कम है कल ज्यादा ठंड थी आज कम है ऐसे आप बात करोगे ठीक है कल धूप ज्यादा थी आज धूप कम है ठीक है ये मौसम की बात कर रहे हो आप लेकिन जब हम बात करेंगे क्लाइमेट की तो हम क्या कहेंगे जैसे भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है ठीक है ऐसे हम बात करेंगे तो ऐसा जब हम बात करते हैं दैट मीनस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट सो क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना वाइल्डर इज अ शॉर्ट टर्म एटमोस्फेरिक फिनोमिना इन दोनों के अंदर में बेसिक डिफरेंस है अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप समझिए बताइए <laughs> विजय कुमार थैंक यू यार थैंक यू थैंक यू वेरी मच आफ्टर लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम क्यों लॉन्ग <laughs> टाइम क्यों देखते रहा करो यार ठीक है <clears throat> देखते रहा करो देखो यार एक बात बताता हूं मैं इस यूपीएससी की तैयारी में जुड़ते बहुत लोग हैं ठीक है बहुत लोग जुड़ते हैं एक लंबा भारी भरकम कारवा चलता है ठीक है जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो बहुत सारे लोग तो थोड़ा सा इससे फैंटेसाइज हो जाते हैं <laughs> वो भी अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं जब मैं कॉलेज में था ठीक है जब हम जाते थे तो मैं भी किसी को देख के ऐसे मतलब मैं देख के नहीं मैं तो सरकम की वजह से यू पी एस के प्रपरेशन में आया था बट काफ़ी सारे ऐसे बच्चे लोग थे जो मतलब देख के मतलब इस चीज़ से फैंटिसाइज होकर दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी और हुआ कि यार होना कुछ नहीं होता ऐसे जो लोग होते हैं ना उनको ज़्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाते बहुत भारी भरकम इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने जो एडमिशन लिया जहां की फीस दो दो तीन तीन लाख रुपए थी उस टाइम पे 2013-14 के अंदर में एंड अल्टीमेटली थोड़े टाइम के बाद में वो बाहर भी हो गए वहां से मतलब उनका वो मोटिवेशन रहा नहीं ठीक है और उन्होंने क्या किया अपना प्रिपरेशन बीच में ही छोड़ दिया यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैनी ऑफ यू गाई स्टार्टेड वॉचिंग द क्लास ये वो आप टाइम इन्वेस्ट करते हो ठीक है बट सडनली यू फेल्ट दैट कि यार अब पता नहीं हो नहीं पा रहा क्यों नहीं हो पा रहा पता नहीं कोई दिक्कत आ रही है ठीक है अब वो दिक्कत पता है आपको क्या है दैट इज द कॉन्टिन्यूटी ठीक है दैट इज द कंसिस्टेंसी दैट इज द दैट डिसिप्लिन दिस एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड यहां पर आप मोटिवेशन का तलाश में लगे रहते हो कि सर मोटिवेशन ना मिल रहा मोटिवेशन कुछ नहीं होता भाई मोटिवेशन सही में कुछ नहीं होता शॉर्ट टर्म मोटिवेशन इज मच लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इज मच 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 मोर बेटर शॉर्ट टर्म मोटिवेशन डिसिप्लिन जो है ना वो आप ढूंढिए मोटिवेशन मैं ढूंढिए अब डीमोटिवेट क्यों होते हैं आपको पता है कभी आप डीमोटिवेट इसलिए होते हैं कि कोई काम आपने टारगेट रखा और आप करते नहीं है ठीक है आपने पढ़ाई शुरू की और अल्टीमेटली बीच में आपने छोड़ दिया एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट की आपने बीच में छोड़ दी पढ़ना छोड़ दिया आपने नहीं देखते आप ठीक है काम कर तो आप आप क्या होगा कि थोड़े दिनों के बाद जब आपको वो चीज याद आएगी ना तो आपको लगेगा यार वो काम शुरू किया था हुआ नहीं you will feel discouraged with that. आपको डिस्करेज, आप डिस्करेज होगा आपको ठीक है आपको जानते हैं ना दूसरों को धोखा दे सकते हैं बट अपने को तो नहीं दे सकते है, हमें पता है हम कितने पानी में फिर धीरे 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 हमारी खुद के प्रति ऐसी ओपिनियन बन जाती है कि नहीं यार ये भी ना हुआ ये भी ना हुआ ये भी ना अब यूपीएससी भी ना होगा और दिर्ग दिर्ग करके हम इस पाथ से क्या हो जाते हैं? हो जाते जाते हैं, हैं। बाहर तो मैं एक बात देता हूं कि अपने आप को छोड़ ही बीच में लटकते मत रहो कि दो महीने पढ़ लिया फिर छोड़ दिया दो महीने मैं सभी को बोल रहा हूं क्योंकि ये कॉमन बात है दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करते तो सभी है एक भीड़ लगती है लेकिन उस भीड़ के दौरान आपको पता है सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है और सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो आखिरी तक जाते हैं अब वो लोग जो बीच में डिसाइड कुछ किया ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे और उनसे हुआ कुछ नहीं तो वो बीच में ही रह जाते हैं आपका ठीक है उनका जर्नी बीच में ही खत्म हो जाता है आप देख लो कि यार आप लंबे तेज मत दौड़ो ना यार आप 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं कर रहे हो आप एक मैराथन रेस मैराथन दौड़ के अंदर जा रहे हो आप स्टार्टिंग में आप तेज भागोगे तो बहुत जल्दी थक जाओगे और आप नहीं दौड़ पाओगे तो इसलिए बेटर क्या है धीरे 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 क्या करो आप दोस्तों आगे बढ़ो ठीक है हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करो हर दिन अपने अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करो और अल्टीमेटली एक दिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तब आपको किसी लोकल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी शॉर्ट टर्म मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है जो आदमी याद रखना मेरी बात जो आदमी डिसिप्लिन नहीं होता ना वो अपने मूड का शिकारी होता है ठीक है ये मेरे साथ भी रहा है जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे ना आप अपने मूड से कंट्रोल रहोगे ठीक है आपका मूड अभी पड़ रहा है करने का कर रहा है सर अब मूड खराब हो गया अब नहीं पढ़ूंगा ठीक है अब घर वालों ने बोल दिया मेरा मूड खराब हो गया आदमी तब तक मूड ही रहता है जब तक वो डिसिप्लिन नहीं है ठीक है इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन यू विल बी स्लेव ऑफ योर मूड ठीक है ये मेरी लाइन है अभी आज ही इन्वेंट की है जनरली अभिषेक सर ऐसी ऐसी लाइन बनाते हैं पर मैंने सोचा मैं अभी ऐसी ऐसी लाइन बनाऊंगा इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन देन यू आर यू विल बी द स्लेव ऑफ योर मूड आप अपने मूड के क्या रहोगे दोस्तों गुलाम रहोगे ये बात लिख लेना आपने महसूस भी की होगी तो अगर आपने उस गुलामियत जो है को छोड़ना चाहते हो ना तो आज से ही डिसिप्लिन में आ जाओ है ना और बहुत मुश्किल नहीं होता ठीक है धीरे 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 डेली थोड़ा 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 काम आपको करना है और हो जाएगा यार अदरवाइज आप देख लो फिर अब मूड के गुलाम रहना चाहते हो तो अलग बात है अगर इस जंजाल से बाहर निकलना है ना कि सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा एक मोटिवेशन क्लास दे दो ये वो ये कुछ नहीं है टेम्प्रेरी है मोटिवेशन ठीक है ये टेम्प्रेरी है शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म अगर आपको खेलना है ना तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन जब डिसिप्लिन रहोगे ना तो मोटिवेट आप खुद रहोगे आप दूसरों को मोटिवेट कर दोगे ठीक है चलिए लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट थिंग अभी ये बात अपने को समझ में आ गई अब मैं आगे बढ़ता हूँ एटमोस्फेरिक कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया था तो सबसे पहले हमने ये बताया अब मैं एटमोस्फेरिक कंडीशन वैसे मैंने आपको यहां बता दी थी अब एटमोस्फेरिक कंडीशन मतलब वायुमंडलीय अवस्थाएं इनको हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों वायुमंडलीय अवस्थाएं कोई भी ऐसी चीज जो आपको हिंदी में समझना है मुझे बता देना ठीक है आई एलिबरेट दैट फॉर यू तो वायुमंडलीय अवस्थाओं में क्या क्या आता है सबसे पहले आता है प्यारे बच्चों मेरे पास टेम्परेचर टेम्परेचर मीनस वॉट टेम्परेचर मतलब होता है सर तापमान ठीक है इसके बाद आता है मेरे पास प्रेशर प्रेशर का मतलब क्या होता है सर प्रेशर का मतलब होता है हिंदी में वायुदाब सर इसके बाद आता है ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है सर मेरे पास इसका मतलब होता है सर आर्द्रता बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मैंने 101 के ऊपर इसके बाद आता है सर रेनफॉल रेनफॉल का मतलब क्या होता है सर वर्षा ठीक है है इसके बाद आता है, सर क्लाउडीनेस क्लाउडीनेस का मतलब क्या होता है सर बादल तो ये सारी चीजें मिलके आपका क्या बनाती है दोस्तों ये सारी चीजें मिलके एटमॉस्फेरिक कंडीशन बनाती है और इन्हीं एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हमने दो तरीकों से बांटा पहला मैंने बोल दिया सर लॉन्ग टर्म करेंगे लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म स्टडी करेंगे ठीक है और दूसरा मैंने क्या बोल दिया कि सर इन्हीं की हम शॉर्ट टर्म स्टडी करेंगे तो जब लॉन्ग टर्म स्टडी और शॉर्ट टर्म स्टडी में ऐसे आप डिवाइड करते हो दोस्तों तो लॉन्ग टर्म स्टडी जो होती है ना दैट इज नॉ नॉन एज द क्लाइमेट ठीक है उसी को मैं जलवायु बोल रहा हूं और जब मैं शॉर्ट टर्म स्टडी कर रहा हूं दोस्तों तो इसी को मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों दैट इज नोन एज द वेदर मेरे हिसाब से अब ये बात आप कभी जिंदगी में ना भूलो तो बढ़िया है भूलने the in भारत, भारत के अंदर में मौसम की बात ठीक कर मतलब है। मतलब तो करूंगा मैं या कह सकता हूं भारत के अंदर में मौसम की बात करूंगा ठीक है अब जो ऋतु होती है दोस्तों भारत के अंदर मुख्यतः चार सीजन होते हैं ठीक है थीके? ये दिखा भी रखा है summer, ये ठिठुरती हुई ठंड ये रेनी सीजन एंड दिस इज द ऑटम ठीक है ये ऑटम सीजन हो गया तो ये अपने पास कितने सीजन है सीजन है है दोस्तों चार चार होती हैं हमारे पास सबसे पहले और सबसे मेन अगर मैं बात करूं दैट इज विंटर विंटर कब से कब तक होती है दोस्तों ये कोल्ड वेदर जो है सीजन होता है इसमें मौसम हमारा ठंडा होता है ठीक है वो जो आइस वाला दिखा रखा है तो ये ठंड होता है और भारत के अंदर में जो है इसमें भी बड़ी विविधता है ठीक है भारत के अंदर में इसमें भी बहुत विविधता है अगर मैं इंडिया की बात करूं आपको एज अ होल ठीक है सो अगर आप देखोगे भारत इतना विविध है इतना डाइवर्सिफाइड है कि भारत के अंदर एक एरिया ऐसा भी है जो सर्दी के अंदर में ना बिल्कुल जम जाता है ठीक है बताओ कौन सा एरिया है अरे हिमालयन एरिया ठीक है आपका हिमाचल और ये अगर बात करोगे हिमालयन एरिया ये जम जाता है ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया लगभग लगभग जम ही जाता है ठीक है लेकिन दूसरा एक ऐसा भी एरिया है जो समुद्र के इन्फ्लुएंस में होता है अरब सागर इधर है बेओ बंगोल बंगाल की खाड़ी और इधर है इंडियन ओशन ये जो हिस्सा है ना ये हमारा जो साउथ वाला हिस्सा है अगर मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों इसके ऊपर में सर्दी का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता इंटीरियर छोड़ दो ये वाला भाग थोड़ा सा छोड़ दो बाकी इस भाग के अंदर में अगर आप यहां पर कोस्टल एरिया के आसपास देखोगे तो यहां पर बहुत ज़्यादा कोई सर्दी का प्रभाव नहीं पड़ता ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूं दोस्तों ये वाला इलाका ठीक है पूरा जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख पूरा इधर ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों इट इज़ स्नो कवर्ड इवन दिल्ली भी यहाँ तक भी आप देखोगे तो बहुत बुरा हाल हो जाता है ठीक है टेम्परेचर कई बार तो जीरो के आसपास हो जाता है सो so, ये भारत की विविधता है दोस्तों ठीक है कि विंटर के अंदर में भी भारत में इतनी विविधता आपको देखने को मिलती है कि एक भाग जमा हुआ है दोस्तों और दूसरे भाग के अंदर में हार्डली यू विल फील एनी काइंड ऑफ कोल्डनेस ठीक है आपको शायद ही कोई जो है ठंड वहाँ पर क्या होती है दोस्तों महसूस होती है सो so, ये आपकी ब्यूटी है अपने देश की दोस्तों अगली मैं बात करता हूं समर के बारे में समर मतलब गर्मी गर्मी का भी बुरा हाल है ठीक है गर्मी में भारत में खूब विविधता देखने को आपको मिलती है दोस्तों सो वार्म वेदर होता है यहाँ पर गर्म एकदम मौसम होगा आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है इसके बाद गर्मियाँ जब होती हैं दोस्तों अच्छा सर्दी बताओ कब से कब चलती है सर नॉर्मली अगर हम बात करें तो वैसे अक्टूबर से शुरू हो जानी चाहिए बट होती नहीं है हम मान ले हैं नवंबर से लेकर सर गर्मियाँ चलती हैं सर्दियाँ चलती हैं फरवरी तक मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ ठीक है नवंबर से फरवरी तक उसके बाद गर्मियाँ आ जाती हैं समर ठीक है ये मार्च से चलती है ऑलमोस्ट आपका जून जुलाई मार्च मे ठीक है मार्च के बाद अप्रैल और मे जून के अंदर मानसून आ जाता तो मैं मार्च से लेकर ऑलमोस्ट इसको मई तक की बात कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा गर्मी हमारे यहां पे रहेगी ठीक है उसके बाद आ जाता है अपने पास रेनी सीजन अब इसमें साउथ वेस्ट मानसून आ जाता है ये भाई साहब कब आता है सर ये जून में आ जाता है ठीक है जून में आ जाता है एंड इट विल लास्ट अप अपर सितंबर तक ये रहता है हमारे पास ठीक है उसके बाद में सितंबर से ये रिट्रीट करने लगता है उसको ऑटम बोलते हैं बस इस बार सितंबर में नहीं इस बार तो अक्टूबर में भी रहा है पूरा अक्टूबर में झंडे गाड़ के रहा है इंडिया में ठीक है तो इसको हम रिट्रीटिंग और मानसून का सीजन बोलते हैं और ये सीजन बेसिकली आपका कब से कब चलता है चलता है सर सेप्टेंबर से नवंबर तक चलता है ठीक है So, ये इंडिया के अंदर में दोस्तों अलग अलग क्या है मौसम्स हैं ये अलग अलग आपके जो है सीज़न्स हैं चार अलग अलग सबकी अलग अलग खासियत है जब हम विंटर की बात करेंगे दोस्तों तो कोल्ड वेदर रहता है ठंडा मौसम रहता है जब मैं समर की बात करता हूं दोस्तों वार्म वेदर रहता है इंडिया के अंदर में एवरेज टेम्परेचर जो है कई कई इलाकों के अंदर अगर आप देखोगे तो कई इलाकों के अंदर में मैक्सिमम टेम्परेचर 45, 46, 47 तक चला जाता है ठीक है एवरेज टेम्परेचर इसके अंदर में 35 के आसपास जो है पूरे कंट्री के अंदर में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है रेनी सीजन के अंदर में भारत में साउथ वेस्ट मानसून आता है ठीक है भारत में दो प्रकार के मानसून इंपॉर्टेंट है साउथ वेस्ट एंड नाउ प्रेजेंट टाइम इज द नॉर्थ ईस्ट मानसून जिससे आप देख रहे हो चेन्नई के अंदर में लगातार बारिश हो रही है दर इज नो रिस्पाइट ऑफ द रेनफॉल ठीक है बिकॉज ऑफ दिस जो है सडन ये जो अभी <coughs> चेन्नई के अंदर में आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट मानसून आ रहा है साथ साथ में लो प्रेशर जोन है दोनों की वजह से चेन्नई में भारी बारिश हमें देखने को मिल रही है अब जब मैं इंडियन क्लाइमेट की बात करता हूं दोस्तों तो मैं इंडियन क्लाइमेट की जब भी आपसे बात करता हूं तो देखो भारत का क्लाइमेट कैसा है दोस्तों मानसून भारत की जलवायु को हमेशा हम कैसा बोलेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों इंडिया हैज अ मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट भारत की जलवायु एक मानसूनी जलवायु है ठीक है हम भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं आज मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं कभी आपने सोचा है

तो एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है ठीक है एक अरेबिक वर्ड होता है हमारे पास एंड दैट अरेबिक वर्ड इज नॉन एज द मोसिन एक अरेबिक भी होता है एक मलायन वर्ड भी होता है मलाया पेनिनसुला पता है ना जो ये मलेशिया वाला एरिया होता है उसमें मलायन बोलते हैं तो मलायन पेनिनसुला मलायन एक वर्ड है तो, तो उनसे लिया गया है मानसून वहां पर एक वर्ड होता है मोसिन मौसी, मोसिन का मतलब होता है सीजन ठीक है उसी से क्या वर्ग बना है आपका मानसून तो मानसून वास्तव में कुछ नहीं होता दे आर जस्ट हवाएं ठीक है दे आर जस्ट विंड ये सिर्फ हवाएं हैं विंड है अब विंड दो अलग अलग प्रकार से चलती है तो उनको हम अलग अलग बोल देते हैं जैसे अगर मैं आपके सामने बोलता हूं साउथ वेस्ट मानसून ठीक है आप लोग जानते भी हो सभी बातें मैंने आपको पढ़ा रखा है ठीक है जब आप बोलते हो सर साउथ वेस्ट मानसून वेन एवर वी टॉक अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून जब भी हम साउथ वेस्ट मानसून के बारे में बात करेंगे इन दिस केस विल हैपन तो इन दिस केस साउथ वेस्ट मानसून के केस में अगर मैं बात करूं तो इस केस में कुछ ऐसा होगा सपोज दिस इज इंडिया ये भारत है मेरे पास ठीक है यहां पर जब हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं तो विंड जो है दोस्तों दे विल मूव लाइक दिस वे ठीक है हवाएं ऐसे चल रही हैं यहां पे तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून ठीक है इसको हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं जनरली इसका टाइम होता है जून से लेकर सेप्टेंबर तक का इसका टाइम होता है और जनरली यहां पे समर गर्मियां ही होती हैं तो इसके लिए हम इसको समर मॉनसून भी कह देते हैं क्या कह देते हैं समर मॉनसून ठीक है अच्छा यही वो टाइम होता है दोस्तों जब भारत को हम कहते हैं कि इंडिया में रेनी सीजन है क्या है रेनी सीजन अब सिर्फ इसमें इतना ही बताया गया है कि इसको साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं क्यों बिकॉज विंड की आप डायरेक्शन देखोगे ना मैंने कई बार बताया आपको कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट विंड की डायरेक्शन क्या है दोस्तों साउथ वेस्ट, वेस्ट। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून यहां पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हवाओं का प्रस्थान कैसे हो रहा है ये तो समुद्र है तो विंड आर ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड मास ठीक है हवाएं कहां से कल चल रही है भाई समुद्र से धरती की ओर तो मैं यही आपको बोल रहा हूं कि जब विंड आपकी सी टू लैंड चलेगी ना तो उसी को हम बोलेंगे समर मानसून क्या बोलेंगे समर और ये कॉमन बात है यार अगर हवाएं समुद्र से आएंगी धरती की तो के के दोस्तों दोस्तो, तो वो क्या करेगी आपका दोस्तों तो इसको हम क्या कह देते हैं मानसून और नाम देते हैं क्योंकि हवाएं दक्षिण पश्चिम से आ रही इसलिए हम इनको बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून सेकंड जब विंड की डायरेक्शन चेंज होती है जब विंड दूसरे तरीके से आती है और उसके अंदर में कैसा होता है सर लैंड से लेकर सी की तरफ आती है धरती से समुद्र की धरती से समुद्र की ओर चलती है सर ये कैसे होता है ये हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ मानसून के अंदर होता है प्यार बच्चों सेकंड टाइप ऑफ मानसून का मतलब क्या है इसको हम बोलते हैं सर आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसका समय अभी चल रहा है नॉर्थ ईस्ट मानसून इसका बेसिकली समय अभी चल रहा है नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या हो रहा है वट इज है अगर मैं देखू दिस इज इंडिया दिस इज इंडिया सो यहां पर क्या हो रहा है आपको समझना पड़ेगा मेरे साथ वट इज हैपनिंग हेयर सो इन दिस केस जो विंड है आपकी <coughs> माफी चाहूंगा यार सुबह तो आज मतलब एकदम बोला ही नहीं जा रहा था गला ऐसा एकदम चौक जाम हो रखा था ना बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एक बार वीडियो लाइक कर दो यार सारे के सारे 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 ठीक है एक बार सारे के सारे वीडियो लाइक कर दो इन दिस केस क्या होता है दोस्तों यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आप बस ओवरव्यू ले रहे हैं हम बस तो यहाँ पर क्या होता है तिब्बत का पठार ठीक है ये तिब्बत का पठार है तिब्बत प्लेट है ये अब ये क्या होता है सर्दियों में ठंडा हो जाता है ठीक है सर्दियों में ठंडा मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा कम अच्छा टेम्परेचर कम तो प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा है ना ये हो जाएगा दूसरी और सर्दियों के अंदर में मैं बात कर रहा हूँ सर्दियों के अंदर हमारे जो ओशियन होते हैं ना हिंद महासागर ये गर्म ही होते हैं ये सी है यहाँ पर भी ठीक है ये कौन सा है दोस्तों अरब अरेबियन सी ठीक है अरेबियन सी है और ये क्या है दोस्तों हमारे पास बे ऑफ बंगाल अब इनका पानी जो है नॉर्मली यहाँ पर तापमान जो होता है धरती के मुकाबले धरती तो जल्दी ठंडी होती जल्दी गर्म तो यहां पर प्रेशर क्या होता है दोस्तों कम ठीक है और आपको पता है विंड हमेशा हाई प्रेशर से किधर चलेगी लो प्रेशर सो so, इसी वजह से विंड विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन हवा ऐसे चलने लगती है और जब हवा ऐसे चलती है दोस्तों तो यहां पर आपका इस एरिया के अंदर में बारिश होती है ठीक है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून क्योंकि विंड की डायरेक्शन कैसी मित्रों बताओ ये नॉर्थ है ये साउथ है ये वेस्ट है ये ईस्ट है सो विंड इज ब्लोइंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसीलिए मैं इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहता हूं इसका टाइम कब तक होता है सर ये आपका अक्टूबर से चलता है एंड इट विल लास्ट अप टू लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर ठीक है तो ये अक्टूबर से दिसंबर तक आप मान के चलो ठीक है इसका टाइम रहता है ये आपका चलता है ठीक है और इससे भी बारिश होती है यहां पर ठीक है अब इन दिस केस अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हो ना हवा किधर से किधर चल रही है दोस्तों इन दिस केस हवा जो है इट इज मूविंग फ्रॉम दिस इज लैंड ये धरती है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सी समुद्र की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही बताओ तो जब ऐसा होता है उसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कह देते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून कह दो या विंटर मानसून ठीक है इसी को हम विंटर क्योंकि इस समय विंटर होती है सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द विंटर मानसून तो ये भारत की जलवायु है जिसको हम क्या कहते हैं भारत की जलवायु अच्छा इस समय ना पूरे भारत के अंदर में ही वर्षा होती है ठीक है ऑलमोस्ट ऑल ऑल इंडिया के अंदर ठीक है ऑलमोस्ट ऑल इंडिया ठीक है

First is Andhra Pradesh and <coughs>

मानसून का अरेबिक भाषा में एक शब्द होता है मौसीन उससे इसको लिया गया और मौसीन का मतलब होता है सीजन तो मानसून इज ऑल्सो काइंड ऑफ सीजन ना मानसून कुछ नहीं होता एक हवाएं होती हैं ये जब हवा अलग अलग दिशा में चलती है जब गुँ, सी टू जब ही हवा सी टू लैंड चलेगी तो इनको हम बोलते हैं समर मॉनसून और जब ही हवा लैंड टू सी चलती है तो इनको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज द विंटर मॉनसून ठीक है तभी इसको हम क्या बोल देते हैं विंटर मॉनसून आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट इसको हम बोल देते हैं आपका विंटर मॉनसून सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में फटाफट से ओके की रिपोर्ट करोगे जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो बताएंगे जिनको समझ में आ गया दे विल गिव मी ओके की रिपोर्ट आया समझ में लेजेंड प्रो गर्ल इनाम पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है लेजेंड प्रो गर्ल भी मेरे ख्याल से आईफोन 13 थर्टीन प्रो है भाई <coughs> प्रो लगा दिया जाता है ना ओके की रिपोर्ट है चलो बहुत बढ़िया यार नाराज तो नहीं हो बता दो यार नाराजगी वराजगी है तो कुछ है भाई पक्की बात है ना नाराज मत हुआ करो यार तुम लोग नाराज़ हो जाओगे तो फिर <coughs> मेरे को फिर अच्छा से नहीं लगता जब आप लोग नाराज हो जाते हो ठीक है तो कोई नाराज नहीं होगा <coughs> देखो मेरे को थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं यार इट्स माय जॉब और मेरे को अच्छा लगता है इसलिए करता हूँ मैं ठीक है इट्स नॉट अबाउट कि मेरा कोई काम है आप लोगों ने खूब देख लिया है ठीक है जब मेरा मन नहीं करता मैं नहीं करता कुछ भी हो जाए चाहे तो मैं ये इसलिए नहीं करता कि, कि मेरा जॉब मतलब मुझे अच्छा लगता है यार ये काम करना ठीक है इनफैक्ट कभी मेरा जो ड्रीम है जब मैं उसको अचीव कर लूंगा ना जब मेरा एम है तो भी पढ़ाऊँगा यार मैं ठीक है पढ़ाना इज अ थिंग कि मैं इसको इंजॉय करता हूँ मैं इसको कभी छोड़ूंगा नहीं यार समझ रहे आप दिस इज द थिंग विच आई लाइक मोस्ट तो मैं ऐसी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं छोड़ ये मेरे को खुशी दे आप नहीं आप आप नहीं समझ पाओगे ठीक है इट्स लाइक ऑक्सीजन फॉर मी मान लो आज सुबह जैसे मेरी तबियत खराब हो गई थी तो मैं सुबह क्लास नहीं ले पाया आपको पता अगर मैं ये क्लास ना लेता तो उसके बाद क्या हाल होता इसके बाद मेरा मूड खराब हो जाता है पूरा ठीक है दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ हैप्पीनेस द काइंड ऑफ ऑक्सीजन द हैप्पी हार्मोन फॉर मी ठीक है क्लास लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है ना तो मेरे को थैंक यू करने की जरूरत थी थैंक्स आप बस पढ़ाई करो बढ़िया से ठीक है मैं ऑलवेज यहां पे रहूंगा तो प्यारे बच्चों ये हमने बताया तो यहाँ पे दो तरीकों से आपको दिखाया हुआ है एक तो नीली हवाएं और नीली हवाओं पे आप देखोगे तो एरो हेड इधर है तो ये कौन सी ये नीली है नीली हवाएं आपकी हैं ये आपका होता है आपका वेट समर मानसून और ये जो लाल हवाएं हैं जनरली ड्राई होती हैं जनरली बस इसमें बारिश अगर होती है तो यहाँ पे होती है ठीक है यहाँ पर भी क्यों क्योंकि हवा जब इधर से आती है ना तो फिर ये बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर उठा के फिर ये इधर बारिश करती है ठीक है जब ये यहाँ से आएंगी तो देखो सूखा सूखा ही आएगा इधर से भी सूखी सूखी तो बेसिकली इस भाग में विंटर मानसून से कोई बारिश नहीं होती ठीक है आप सोचो बट ये हवा जब यहाँ से चलती है ना तो कुछ हवाएं यहाँ से ऐसे आती है ठीक है आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम के अंदर में ठीक है ये हवाएं में हवाओं में क्या होता है कुछ हवाएं जो हैं वो ऐसे आती है ठीक है ये रूट लेती हैं और ये रूट लेके जब वो यहाँ से एंटर मारती है दोस्तों तो आपका आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु इस हिस्से में बारिश होती है इसलिए हम कहते हैं कि ये इसका प्राइमरी मानसून है ठीक है दिस इज द प्राइमरी मानसून निशा जिंजर से उससे कुछ नहीं होता ठीक है ये एलर्जी की खांसी है एलर्जी की खांसी के अंदर में क्या होता है कि आप जितना हल्दी और शहद लोगे ना ठीक है तो वो जो म्यूकस है वो और ज़्यादा पतला हो जाता है आपको और ज़्यादा सांस नहीं आएगा खांसी और ज़्यादा होगी इसकी सिर्फ एक ही इलाज है और वो है मॉन्टीलूकास्ट ठीक है एंड लिवोसिट्राजीन एक दवाई आती है ठीक है तो उसमें आपको पंद्रह से बीस दिन खानी पड़ती है ठीक है तब जैसे मेरे नाक के अंदर इरीटेशन जलन सी रहती है ठीक है आँखों के अंदर जलन रहती है कान के अंदर खुजली होती है मेरी बॉडी के अंदर रैशेज हो जाते हैं मेरे को खुजली होती है जब बहुत ज़्यादा होता है ना तो बॉडी में भी खुजली होने लगती है सो दिस इज एलर्जी इसके अंदर में आप हनी और वो नहीं जितना आप हनी और वो लोग हैं ना उतना परेशान हो जाओगे क्योंकि क्या होता है हनी से जो म्यूकस है वो क्यों आता है आपको पता है सर्दियों में आपकी नाक बहती है जिस जुकाम हो जाता है अब नाक जो बहती है ना वो जो माल होता है वो वास्तव में आपकी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो म्यूकस आपका आता है ना वो इसीलिए आता है ताकि आपकी जो वॉल्स हैं ठीक है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ दैट दैट पर्टिकुलर वायरस बैक्टीरिया और जो भी होता है ठीक है तो उसको प्रोटेक्ट कर जैसे जलन हो रही है अब जलन ना हो इसके लिए वो आता है ठीक है माल जो है आपका वो आता है बट आप जितना शहद और हनी खाओगे तो हनी और वो जिंजर लोगे वो उतना ही थिन हो जाता है और उसकी वजह से फिर और भी ज्यादा खांसी फिर उसकी वजह से और खांसी होती है तो नहीं कर सकते आप ठीक है वाह जी टी आर्स फ्री फायर बहुत बढ़िया बना रहा बना रहे तुम्हें ठीक है सुरेश आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ यू यार कर्नाटका वाह यार बताओ फैन तो मैं हूँ आप बताओ कर्नाटका से बैठ के पढ़ रहे हो ठीक है बताइए तो फैन तो मैं हूँ आपका मम्मी का मगरमच्छ <laughs> नहीं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा बट वो कहाँ से रखते हो ये नाम मम्मी का मगरमच ठीक है पापा का क्या होगा फिर है भाई अगर मम्मी का मगरमच्छ है तो पापा का क्या होगा चलिए तो ये बात तो समझ में आ गई आपको तो वी हैव टू टाइप ऑफ मॉनसून वन इज द साउथ वेस्ट मॉनसून एंड सेकेंड इज द नॉर्थ ईस्ट मानसून ठीक है अभी मैंने डिटेल के अंदर में आपको यहां पर दोनों के बारे में डिस्कस किया है ठीक है अब इस क्लास में इतना ही करना होगा मैं मतलब छठी क्लास में इतना ही दिया है तो इतना ही पढ़ाऊंगा नाउ वट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट आपको पता है बच्चों क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं जिन कारकों की वजह से आपकी जलवायु प्रभावित होती है मैं जानना चाहता हूं क्या आपको पता है कि वो कौन से कारक होते हैं जिनकी वजह से आपकी जलवायु प्रभावित होती है मैं आपको बताता हूं द वेरी फर्स्ट थिंग इज द लोकेशन सबसे पहली जो चीज आपकी जलवायु को प्रभावित करने वाली होती है ना वो होती है जलवायु लोकेशन कहीं आपकी जो स्थिति होती है वो उसके बाद दूसरी जो चीज होती है ना प्यारे बच्चों उसका नाम होता है ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है मित्रों इसका मतलब होता है ऊंचाई इसके बाद तीसरी जो चीज आती है द द डिस्टेंस फ्रॉम सी समुद्र से दूरी समुद्र से दूरी ये तीसरे नंबर पर आता है आपका ठीक है सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एंड फोर्थ इज द रिलीफ रिलीफ का मतलब होता है ऊंचाई ठीक है रिलीफ का मतलब क्या होता है दोस्तों ऊंचाई सो so, ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो आपका प्रभावित करता है दोस्तों किसी भी जलवायु को ठीक है तो किसी जगह की जलवायु कैसी होगी ठीक है इट इज गोइंग टू अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स आपसे कोई पूछे कि क्या क्या कारक हैं जिनसे जलवायु प्रभावित होती है तो आप क्या बोलोगे सर स्थिति लोकेशन कहां है उसकी ठीक है ऑल्टीट्यूड मतलब उसकी ऊंचाई क्या है डिस्टेंस कितना है उसका समुद्र से और उसका रिलीफ कैसा है ऊंचाई कैसी है मतलब कितनी हाइट के ऊपर में वो पर्टिकुलर जगह लोकेटेड है तो ये चार चीजें होंगी जो डिसाइड करेगी कि उस जगह की जलवायु कैसे होगी ठीक है समझ में आई ये बात समझ में आई ये बात सभी बच्चों बताओ ओके की रिपोर्ट कर दो अगर आपको समझ में आगी तो सो ये चारों चीजों से ही डिसाइड होता है कि किसी जगह का जो क्लाइमेट है जो जलवायु है वो कैसा होगा अब जलवायु के बाद में क्या आता है सर सर जलवायु से हमने देख लिया कि किस जगह का मौसम कैसा है गर्म है ठंडा है ठीक है कितनी बारिश होती है है ना कितनी बर्फ पड़ती है अब जो मौसम होता है ना उसी के अनुरूप आपके वहां पे क्या मिलेगी दोस्तों वेजिटेशन वनस्पति ठीक है अब जो वेजिटेशन है ना ये दो प्रकार की होती है एक तो नेचुरल वेजिटेशन ठीक है जो हम नेचुरली करते हैं और दूसरा होता है जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस आ जाता है ठीक है उसको हम कल्टीवेशन बोलते हैं ठीक है उसको हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं बोलते उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों कल्टिवेशन ठीक है अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है तो आपने देखा होगा आपके आसपास कई बार पेड़ उगाते हैं घास उगाती हैं झाड़ियाँ उगाती हैं ठीक है ग्रासेस झाड़ियों को बोलते हैं श्रब्स और ट्री तो पेड़ को पेड़ ही बोलते हैं ठीक है सो so, आपने देखा होगा अपने चारों तरफ सम टाइम यू विल सी यू रियलाइज दैट देर आर वेरियस काइंड ऑफ श्रब्स हैं वेरियस काइंड ऑफ है various kind of grasses, घास हैं एंड आर वेरियस काइंड ऑफ द ट्री बट दीज ट्री ग्रासेस एंड ग्रो विदाउट योर इंटरफेरेंस आपने कुछ किया नहीं है वो अपने आप उगाए हैं आपने कुछ नहीं किया दर इज नो यू है यू प्लेड नो रोल आपने कोई काम उसमें नहीं किया बट दे ग्रो ठीक है वो उगाए हैं तो जब आपके बिना इंटरवेंशन के कोई चीज ऐसे ग्रो करती है तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन क्या बोलते हैं दोस्तों उसी को हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन लेकिन अगर आपने रोल प्ले कर दिया आदमी का इंटरफेरेंस हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं फिर नेचुरल नहीं होता दैट इज द कल्टीवेशन जैसे हम कल्टिवेट करते हैं बहुत सारी चीजें उसको फिर हम प्लांटेशन भी बोल देते हैं कल्टिवेशन ठीक है बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है सो so, गाइज यही मैं आपको बता रहा हूं आपने अपने आसपास देखा होगा ठीक है कि आपके आसपास बहुत देखो क्या बता रहा है कह रहा कि आपने अपने बच्चा है ना ग्लास का तो खिला रहा है कितना अच्छा लगता है नाइस यू फील फील नाइस जब आप घास में खेलते हो ठीक है आपके आसपास देखा होगा अपने बहुत सारी घास के अंदर झाड़ियां भी हो जाती हैं बहुत सारे फूल के पौधे भी अलग जाते हैं वगैरह फलाना यही चीज बता रहा है तो बेसिक बात का हम की यही है द ग्रास श्रब्स एंड ट्रीज विच ग्रोज ऑन देयर ओन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस दैट इज गोइंग टू नोन एज द नेचुरल वेजिटेशन एक मात्र लाइन है इसमें पढ़ने की कि ऐसी कोई भी वनस्पति जो किसी व्यक्ति के किसी भी प्रभाव के बिना उगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं अब किसी भी जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है अलग अलग प्रकार की जो जलवायु की कंडीशन होती हैं उसकी वजह से दोस्तों हमारे यहां पर नेचुरल वेजिटेशन भी क्या होती है दोस्तों अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां भी हमारे यहां पर पाई जाती है तो नेचुरल वेजिटेशन ही डिसाइड जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन है यही डिसाइड करती है हमारे यहां पे नेचुरल कंडीशन नेचुरल वेजिटेशन कैसी मिलेगी किसी जगह पर बारिश ज्यादा होती है तो वहां पे ऐसे पोविड मिलेंगे जो ज्यादा पानी की जरूरत होती है इसको भाई किसी जगह पर बारिश ही ना होती जैसे राजस्थान में नहीं होती बारिश रेगिस्तान के अंदर में तो वहां पर कैक्टस मिलता है जिसको पानी की जरूरत नहीं होती तो आपका क्लाइमेट जो होता है दैट विल डिसाइड कि भाई किस प्रकार का वेजिटेशन होगा सो वेजिटेशन इज द स्लेव ऑफ क्लाइमेट मैं ऐसा कह सकता हूं हाँ कह सकते हैं सर आज स्लेव की बात बहुत बोल रहे हो अब ध्यान रखना वो बात इफ़ यू यू आर नॉट देन विल बी स्लेव ऑफ योर ओन मूड अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप अपने मूड के क्या होंगे गुलाम होंगे ठीक है मुस्कान गुप्ता मेरी क्लास का टाइमिंग के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ बाकी मेरी क्लास का टाइम होता है सुबह आठ एम अभी ग्यारह बजे भी एक क्लास होने वाली है फिर दो पी एम टू पी एम के ऊपर मैं क्लास कर रहा हूँ ठीक है तो जनरली ये अभी का टाइमिंग है ठीक है फिर एक मेरा नाइन पी एम का भी टाइमिंग होता है बट अभी लेटेस्ट टाइमिंग क्या होगा वो मैं बताऊँगा आपको ठीक है ये टाइमिंग है बट अभी मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाओ आप तो टेलीग्राम के ऊपर में मैं हर क्लास का अपडेट आपको देता हूँ जब भी कोई क्लास करते हैं तो पहले हम अपडेट देते हैं उसका ठीक है तो ये हो गया नेचुरल वेजिटेशन अब बात करते हैं सर आपको पता है पेड़ क्यों जरूरी है अब ये तो ऑब्वियस बात है पता होगा एनसीआर में भी दिया हुआ है वाई द फॉरेस्ट आर नेसेसरी देखो पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज मिलती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेड़ से हमें क्या मिलती है भाई ऑक्सीजन जिसका कोई कीमत नहीं है ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें मिलती है पेड़ों से दैट इज ऑक्सीजन जिसकी वास्तविकता में कोई कीमत है ही नहीं आप उसकी कोई वैल्यू आप लगा ही नहीं सकते अनमोल है वो ठीक है उसके बाद में बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो आपको जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बहुत सारे पेड़ ऐसे भी होते हैं हमारे पास जो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं पेड़ों से ही काट पीट के दोस्तों हम लकड़ी वकड़ी बनाते हैं तो आज के टाइम पे तो चल हम मतलब कंक्रीट का घर बनाते हैं बाकी पहले यार पेड़ों से ही हम शेल्टर बनाते थे अपना घर इसी से बनाते हैं ठीक है पशु अगर हमारे घर में है तो उसके लिए जो चारा मिलता है हमें फॉर्डर वो हमें इसी से मिलता है जो पेड़ होते हैं जब पेड़ सूख जाता है उसको काट लेते हैं तो लकड़ियाँ सूख जाती है तो उसको हम जला सकते हैं फ्यूल के रूप में ठीक है तो आप देख रहे हो कितनी वेरायटी है आप खेल कूद का सामान है जैसे बैट आपको बनवाना है क्रिकेट बैट या हॉकी स्टिक्स बनवानी है तो ये आप सिर्फ इसी से बनवाते हो आपके घर में बहुत सारे प्रकार का फर्नीचर आपको देखने को मिलता होगा ठीक है दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ द वुड्स ये भी इसी से बना होता है पेड़ का एक और अच्छा काम क्या होता है नेचर के अंदर में ये मिट्टी को बांध के रखता है जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता मिट्टी का कटाव नहीं होता ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके अलावा दोस्तों इनसे रबड़ भी बनता है तो रबड़ की आपको पता है एप्लीकेशन छोटा सा रबड़ आपकी पेंसिल को मिटाता है जबकि बड़े से बड़ा जो रबड़ है ठीक है ये टायर आपकी गाड़ियों को चलाता है इससे आपको लकड़ियाँ मिलती हैं टिम्बर मिलता है बहुत सारे प्राकृतिक जीव जंतु हैं जो आपके जंगल के अंदर में ही रहते हैं तो उनको वो फॉरेस्ट हैबिटेट प्रोवाइड करता है उनका निवास प्रोवाइड करता है हमें पेड़ से गम और लैक प्रोवाइड होता है पेड़ों से हमें फ्रूट मिलता है पेड़ों से हमें हनी मिलता है ठीक है इसी से हमें मक्खी तो ये मतलब आप देखोगे तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर अस सो so, नेसेसरी इसीलिए होते हैं दोस्तों बिकॉज बहुत सारी जो है हमारे पास यहाँ पर क्या होती है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी वैल्यू जो है जो जो चीज़ें हमें वो प्रोवाइड करते हैं दैट्स वाई हम इसको ऐसा बोलते हैं अब मैं आता हूँ दोस्तों वाइल्ड लाइफ अब वाइल्ड लाइफ भी अगर आप भारत में बात करोगे दोस्तों देर आर द वेरियस काइंड ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट इन द इंडिया भारत में बहुत प्रकार की वाइल्ड लाइफ है ठीक है टाइगर चीता पीता देख अब देख रहे हो कितने प्रकार की चीज़ें चीता तो खैर इंडिया में नहीं है ठीक है पर टाइगर एक सिंग वाला गेंडा हाथी ठीक है वो आप देख रहे हो तो हिरन बत्तख कई प्रकार के मिलते हैं ठीक है अब यहाँ एक बात बोली गई माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेटरी क्या होता है दोस्तों जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता है जो परमानेंट स्थान नहीं है उसका वो माइग्रेट करता रहता कभी है कभी इधर है माईग्रेट। कभी उधर है ऐसे माइग्रेट उसको माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं इसमें लिखा हुआ है सो so, माइग्रेटरी बर्ड्स एज आपका अब आप ये आती हैं सर्दियों में बहुत आएंगी अपने यहाँ पे ठीक है अभी आप देखोगे तो चिल्का लेक के अंदर आपको मिलेंगी बहुत सारी जोबे जो साइबेरिया से माइग्रेट करके क्योंकि उधर बहुत हार्श विंटर हो जाती है तो वो माइग्रेट करके इधर आ जाती है ठीक है उसके बाद आपका कर्ल्यूज फ्लैमिंग ठीक है ऑस्प्रे लिटिल

इट इज़ फाउंड व वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री भारत के बहुत सारे हिस्सों में पाया जाता है हमारे जो गिर के जंगल हैं दोस्तों उसके अंदर में एशियाटिक लाइन पाया जाता है होम ऑफ द एशियाटिक लाइन गिर का जंगल ठीक है उसके अलावा एलिफेंट्स भारत के अंदर में और एक सिंग वाले गेंडा आपको असम में मिलते हैं ठीक है एलिफेंट्स आपको बहुत सारे जो है राज्यों में मिलते हैं केरला के अंदर कर्नाटक बहुत सारे एलिफेंट्स आपको मिलते हैं जो कैमल है ठीक है ऊँट और जो जंगली गधा है वो आपको कहाँ मिलते हैं आपका डेजर्ट वाले एरिया में ग्रेट इंडियन डेजर्ट के अंदर में और रण ऑफ कच्छ के अंदर में आपको मिलते हैं ठीक है ये सब भी क्या देखो जो जीव कहां पर मिल रहा है वो भी उसका क्लाइमेट निर्धारित कर रहा है ठीक है वाइल्ड गोट ठीक है जो वाइल्ड गोट होती है उसके अलावा स्नो लेपर्ड ठीक है बियर भालू ये सब के सब आपको हिमालयन रीजन में मिलते हैं जहां पे ठंड ज्यादा होती है बिसाइड दीज बहुत सारे एनिमल्स हैं जो भारत में मिलते हैं जैसे मंकी वुल्फ जैकल नीलगाय चीतल ये सारी चीजें भारत में तो अलग अलग जगह पे तो इंडिया की बा, बा, जो वाइल्ड लाइफ है दैट इज वेरी डाइवर्सिफाइड तो इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है दैट इज ऑल्सो वेरी रिच ठीक है हिंदी में हमारे पास बाघ राष्ट्रीय पशु है उसके अलावा गुजरात में गिर के जंगलों में शेर का घर होता है हाथी केरल और कर्नाटका में पाए जाते हैं ऊंट और जंगली गधे क्रमशः ग्रेट इंडियन रेगिस्तान के अंदर पाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ में अगर मैं बर्ड्स में बात करूं तो इंडिया में बर्ड्स भी बहुत टाइप के हैं जैसे पिकॉक जो है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है इसके अलावा बहुत सारी बर्ड्स हमारे यहाँ पे पाई जाती है जैसे पैरट हो गया पिजन हो गया ठीक है उसके बाद ये मैना क्या होता है पता नहीं यार ठीक है हिंदी में मैना ठीक है दिस इज मैना सॉरी इसके बाद मैना हो गया हंस हो गया बुलबुल बुल हो गया बतख ये सब भारत में और भारत में सैकड़ों सांपों की प्रजातियां भी पाई जाती है जिसमें कोबरा और कैरेट ठीक है ये दो महत्वपूर्ण सांप हैं खतरनाक सांप है जहरीले सांप है ठीक है सो ये भारत की वाइल्ड लाइफ है तो आप देखोगे तो भारत के अंदर में वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी कहें दोस्तों डाइवर्सिफाइड है ये था दोस्तों आज का चैप्टर ठीक है चैप्टर नंबर आठ और सिक्स क्लास की एनसीईआरटी हमारी समाप्त होती है सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द एनसीईआरटी ऑफ द सेवेंथ क्लास सातवीं क्लास की एनसीईआरटी को मैं शुरू करूंगा आप लोगों के साथ में उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया बच्चों अगर लेक्चर पसंद आया वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना यार ठीक है आप मेरे साथ अन अकेडमी पर जुड़ सकते हैं अन अकेडमी पर आप मेरे साथ जुड़ के आप अन अकेडमी पर मेरी लाइव क्लासेज जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं सबसे पहले तो मैं बोल देता हूँ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ठीक है टेलीग्राम चैनल जो है उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी क्लासेज का लाइव शेड्यूल आपको वहीं पर मिलता है दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है दोस्तों जब आप मेरे साथ प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिन बच्चों को प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो पहले तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन बता देता हूं सबसे अच्छी बात जो है वो क्या है कि मैं एक लिंक दे देता हूं जिन बच्चों को वन टाइम पेमेंट करना है ठीक है जिनको वन टाइम पेमेंट करना है वो यहां से पेमेंट कर सकते हैं सीधा ठीक है यू कैन डू वन टाइम पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम देयर मैंने लिंक दे दिया आपको मैं इस लिंक को पेस्ट भी कर देता हूँ यहां पर ऊपर ठीक है मैंने पिन कर दिया है जिन बच्चों को लोन से लेना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है गूगल फॉर्म है उसको भर दो ठीक है मेरे साथ सेल्स टीम काम कर रही है ठीक है वो आपको कॉल करेगी और वो आपको हेल्प करेगी जो लोन आपको दिया जाता है वो इंटरेस्ट फ्री होता है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता आपको बिल्कुल जीरो परसेंट इंटरेस्ट पे आपको मिल जाता है बस फायदा ये होता है कि आपको बस ईएमआई में आप पैसा दे पाते हो वहाँ से आप आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है वो भी आप आराम से ले सकते हो उसमें भी आपको फायदा रहेगा इसके अलावा दोस्तों ठीक है आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए आज का जो टॉपिक है एनवायरमेंट एनवायरमेंट की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों तो एनवायरमेंट बेसिकली है क्या एक शब्द है पहला चैप्टर का नाम भी एनवायरमेंट है एनवायरमेंट एक बेसिकली शब्द है जो फ्रेंच भाषा के एक शब्द से आया जिसका मतलब होता है आपका एनवायरन ठीक है इसका मतलब होता है नेबरहुड अपने आसपास जो आप देख पाते हो ठीक है तो बस यही है वास्तविकता में एनवायरमेंट है भी ऐसे ही और चैप्टर की शुरुआत भी कुछ ऐसे होती है यहाँ कुछ बच्चे हैं ठीक है इनका नाम है रवि भाई साहब और कुछ और भी बच्चे हैं यहाँ पे ठीक है जैसे अगर मैं बात करूँ तो रवि है रवि के बाद परमजीत सिंह है ठीक है उसके बाद जैसी है बीच में जैसी के बाद में मुस्तफा है और मुस्तफा के बाद में जो है दैट इज आशा तो ये पांच बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं ठीक है जैसे आप पढ़ते हो आप तो खैर पढ़ चुके हैं सर आप तो बड़े हो गए हैं हम तो घर पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे आप बच्चे हो ऐसे ये भी बच्चे हैं दोस्तों और रवि भाई साहब जो है ये स्कूल की छुट्टियों के बाद आते हैं और देखते हैं कि इनके स्कूल के आसपास का जो प्ले है वो खुदा हुआ है ठीक है प्ले को खोदा हुआ है उखाड़ा हुआ है तो ये बड़ा दुख होता है कि यार बड़ी मखमली घास थी उसके ऊपर में ओ हो हो मैं खेलता था मैं लोटता था घासों में ओ हो हो सुंदर सुंदर तितलियाँ होती थी एक दो चीटियाँ होती थी मकोड़े होते थे उसके अंदर में वो हो हो मतलब ये ऐसे फील ले रहा है और अब कह रहा है कि ये तू खाड़ दिया तो अब ये बचेगा नहीं ठीक है ये जाके अपने टीचर को बताता है प्रिंसिपल को बताता है बट प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर सकता वो भी बस खड़ा होके देखता रहता है और वो बस ये आश्चर्य करता है कि देखो कल तक यहाँ प्ले था घास के मैदान थे पेड़ हुआ करते थे चीटी हुआ करती थी मकोड़े होते थे ठीक है और आज इसको खाड़ दिया गया है ठीक है आज कुछ नहीं है तो उन्होंने कहा कि देखो किस प्रकार से हमारे चारों तरफ का एनवायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है ठीक है बस रवि ने यही बात पकड़ ली एन्वायरमेंट ये किस चिड़िया का नाम है तो इसने जाके अपने टीचर से जाके पूछा कि ये एनवायरमेंट क्या होता है है ना इसने अपने साथियों से पूछा ठीक है इन्होंने अपने साथी परमजीत जस्सी मुस्तफ़ा और आशा से पूछा कि यह क्या होता है टीचर से पूछा एन्वायरमेंट क्या होता है तो टीचर ने इसको जवाब दिया कि बेटा जो अपने आसपास तू देख रहा है ना सब एनवायरमेंट है नेबरहुड तेरे आसपास जो दिखता है तेरे को वो सब क्या है वो एनवायरमेंट है जो भी तेरे को दिख रहा है आंख खोल तेरे सराउंडिंग में जो भी तेरे को दिख रहा है दैट ऑल आर एनवायरमेंट वो सारी ही चीजें एनवायरमेंट के अंदर आती है कर अच्छा सारी चीज एनवायरमेंट में आती है तो क्लास में बैठा था कहता है इसका मतलब टेबल कुर्सी पंखा चेयर मेज मेरे दोस्त ये सब एनवायरमेंट में आते हैं कहते हैं हाँ बेटा जो भी तेरे को आसपास दिख रहा है वो सब एनवायरमेंट में आता है ठीक है इस प्रकार से इस चैप्टर की शुरुआत की गई है तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारे पास बात आती है वो है एनवायरमेंट एनवायरमेंट है क्या तो एनवायरमेंट अगर मैं बताऊं दोस्तों तो एनवायरमेंट आपके नेबरहुड के अंदर आप अपने चारों तरफ जो भी देखते हो दैट ऑल देस कंसिडर द एनवायरमेंट वो सब एनवायरमेंट के अंदर आता है जो भी आप देखते हो अपने चारों तरफ कुछ भी हो ठीक है आपने जो भी दिख रहा है ना आपके चारों तरफ वो सब एनवायरमेंट के अंदर आता है बस बात सिर्फ इतनी है कुछ चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमन बींग ह्यूमन मेड है और कुछ ऐसी है जो नेचर नेचुरल है कुछ प्रकृति ने बनाई है और कुछ किसने बनाई है दोस्तों मनुष्य ने बनाई है मनुष्य भी उसका एक भाग है ये सारी चीजें किस में आती है दोस्तों एनवायरमेंट में ही आती है इस टॉपिक में मैं एनवायरमेंट के अलग अलग घटक के बारे में घटक के बारे में बताऊंगा तो सबसे पहला जो मुद्दा आता है दैट इज एनवायरमेंट तो एनवायरमेंट क्या है एनीथिंग यू सी अराउंड योर सेल्फ आप जो भी देखते हो अपने चारों तरफ दैट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट वो क्या है दोस्तों एनवायरमेंट का हिस्सा ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों नमस्कार भाई ठाकुर साहब नमस्कार ये बात आपको समझ में आई एक बार मैं चाहूंगा वीडियो लाइक करो यार देखो वीडियो लाइक जरूर हो जानी चाहिए समझ में आया कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट करोगे और वीडियो लाइक कर दोगे सर दो ईयर बाद स्कूल गया तो मुझे तो मजा आ गया था अब से ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में मजा आता है ठीक है ऑफलाइन करो अथर्व कोई दिक्कत नहीं अथर्व सोलंकी मजे लो ऑफलाइन में बस मजे ही तो लेने हैं हमें ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हम तो मजे के पीछे भाग रहे हैं ना मजे लो पढ़ाई मत करो ठीक है मजे लो मजे ठीक है सो ये सारी चीजें हैं आपको क्या लगता है ये हो भी तो यही रहा है अब ये कोचिंग के नाम पे भी ऐसा ही बच्चा घर रह के सैचूरेट हो गया है ठीक है अब वो पढ़ना तो चाहते हैं ठीक है बट वो पढ़ना चाहते हैं घर से दूर निकल के भाई घर से दूर निकलेंगे मुझे क्या पता नहीं है इस बात का घर से बाहर आओगे रूम लेके रहोगे ठीक है एक हो अभी फिर दो बनने का प्रयास करोगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया जाएंगे यही तो ज़िंदगी का मजा है सर तैयारी तो एक बहाना है बस मेन तो ये जो चीज़ है यही तो हमारा खजाना है तैयारी तो सर चलती रहती है तैयारी तो करते रहते हैं अब ठीक है ये मेन है लक्ष्य ये है कि घर से बाहर निकलना और ये जो चीज़ें हैं मैं बुरा भी नहीं मानता इस बात को ठीक है भाई सबके अपने अपने एम होते हैं सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं और अब नहीं तो कब है ना सही बात है अब नहीं तो कब एक से दो अब नहीं होंगे तो कब होंगे मैं आपकी बात से मैं मतलब बिल बुरा इस पूरा एतबार रखता हूँ इस बात में ठीक है लेकिन हाँ हर चीज़ों का एक संयम बैलेंस बना के काम करना ना बहुत ज़रूरी है ठीक है सो सिर्फ मज़े मज़े में ना कई बार जिंदगी चली जाती है ठीक है या तो अब तुम जिंदगी के मज़े ले लो ठीक है या बाद में तो जिंदगी भी तुम्हारे बहुत मज़े लेगी याद रखना सो इसीलिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है ठीक है आज जिंदगी के इतने ही मजे लेना कल जितने दे सको गड़बड़ मत कर देना कभी आज जिंदगी की ज्यादा ले लो और कल दे ना पाओ इतने तो एक बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर ठीक है समझ में आ गई सो एनवायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहां मैंने एनवायरमेंट की परिभाषा को बताया कि एनवायरमेंट इज नथिंग बट इट इज अ प्लेस पीपल्स थिंग्स नेचर जो भी तुम्हारे चारों तरफ है ना दोस्तों एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म कम्स आपके चारों तरफ, आप चारो तरफ से है वो सब किसके अंदर आती है दोस्तों पर्यावरण के अंदर ही आती है एवरीथिंग विच द दिन सीधी बात है ठीक है सीधी बात नो बकवास इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल्स एंड द ह्यूमन मेड फिनोमिना यार इसमें आपका प्राकृतिक और मानव निर्मित घटकों का एक संयोजन होता है आप देख रहे हो दोस्तों जब भी आप की बात कर रहे हो तो इसमें दोनों प्रकार की चीज होंगी इसमें मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों चीजों का संयोजन होता है जो मनुष्य ने बनाया है वो भी है इसमें ठीक है खुद मनुष्य भी इसी का भाग है और साथ साथ में जो प्रकृति ने बनाया वो भी तो दोनों के संयोजन से ही किसका निर्माण होता है दोस्तों एनवायरमेंट का निर्माण होता है अब यहां पर अगर हम देखिये जैसे हवा ये प्रकृति ने बनाई है पेड़ पौधे हाइड्रोस्फेयर पानी ठीक है लैंड लिथोस्पेयर लिविंग थिंग्स बायोस्पेयर तो ये जो चीजें हैं दीज आर एनवायरमेंट ये एनवायरमेंट के घटक हैं ठीक है और ये सब के सब किसने बनाए दोस्तों ईश्वर ने प्रकृति ने ठीक है तो बायोस्पियर लिथोस्पियर एटमोस्पेयर और हाइड्रोस्पेयर है ना आदमी ने क्या क्या बना दिया बिल्डिंग बना दी पार्क बना दिए ब्रिज बना दिए रोड बना दिए मॉन्यूमेंट्स बना दिए इंडस्ट्रीज बना दी ठीक है पॉलिटिकल सिचुएशन इकोनॉमिक ये सब चीजें क्या है दोस्तों दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू कम्स अंडर द ह्यूमंस ये सब की सब किसके अंदर में आती है दोस्तों ये सब एनवायरमेंट में आती है सर प्लीज मुझे बता दो कि डू यू हैव अ कंप्लीट डू यू हैव टू कंप्लीट द जोग्राफी इन फ्लो विदाउट ब्रेक नहीं मैं ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करता ठीक है ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करता ऐसी जो कमिटमेंट करे आप वहां पढ़ लो ठीक है मैं ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करता आप एग्रीमेंट कराओगे मेरे से पढ़ने हो या कोई मोल भाव करने हो पहले दिन तय यार आज से पहले नहीं कराया मैंने पहले जाके देखो कितना करा दिया मैंने एक जोग्राफी का चैनल बना चार चार चैनल चला रहा हूँ मैं यूट्यूब पे अकेले पढ़ाई के एग्रीमेंट लिख के दूँ साइन करके दू कि करके दूंगा है भाई उसके बाद तुम केस कर देना मेरे पे कोर्ट पे ना करूँ तो ना मैं क्या बात करते हो यार पहले दिन आगे मोल भाव करने आ गए हो ये करोगे तो ये करेंगे हम नहीं तो मत करो तुम्हारी इच्छा है भाई बस बिल्कुल मत करो मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल रेगुलर आदमी नहीं हूँ मेरे से मत पढ़ो वहाँ से पढ़ो जहाँ तुम्हें कोई रेगुलर पढ़ाए ठीक है रोज़ क्लास ले सही टाइम पे आ जाए सारी चीज़ करे उससे करो मेरे को सीता जी का श्राप है सीता माता का श्राप है मैं ना रेगुलर रहता हूँ ना मैं टाइम से क्लास लेता हूँ ठीक है और ना मैं पूरा पढ़ाता हूँ मैं आधा पढ़ाता हूँ ठीक है फिर मत कहना बाद में कभी कहोगे सर आपने आधा मैं आधा ही पढ़ाता हूँ पीछे देख लो छठी क्लास की एनसीईआरटी अभी पूरी कराई सब आधा आधा चैप्टर पढ़ाया मैंने पूरा मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ पूरा पढ़ा के मैं क्या करूँगा ठीक है मेरे को क्या बचेगा पूरा पढ़ा दूंगा तो मैं ठीक है ना यही तो करने आता हूं मैं आधा आधा काम करने आता हूं मैं पे भाई फिर एग्रीमेंट भर देता हूं तुम्हारे साथ में क्या यार आगे बढ़ते हैं दोस्तों सो आर एनवायरमेंट्स तो ये के घटक है अब देखो मैं एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स की बात करूंगा तो बेसिकली वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट वन इज बायोटिक कंपोनेंट सेकंड इज ए बायोटिक क्या होता है बायोटिक इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें जिंदा जीव है ना ठीक है जिसमें जिंदा जीव है जिंदा जिनमें जीवन है उनको बायोटिक कहते हैं इस एनवायरमेंट में दो कर, प्रकार के क्या है दोस्तों कॉम्पोनेंट हैं ठीक है दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं एनवायरमेंट में कुछ तो ऐसे हैं जिनमें जीवन है और कुछ ऐसे हैं जिनमें जीवन नहीं है आप मेरी बात समझ रहे हो कुछ ऐसे हैं जिनमें जीवन है और कुछ ऐसे हैं जिनमें जीवन नहीं है ये बात आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ रहे जिनमें जीवन है दे ऑल आर पार्ट ऑफ बायोटिक कॉम्पोनेट और जिनमें जीवन नहीं है दे ऑल आर पार्ट ऑफ एबायोटिक मेरी बात समझ रहे आप बायोटिक का मतलब होता है जैविक और इसका मतलब होता है अजैविक जैविक जिसमें जीवन होता है और अजैविक जिसमें जीवन नहीं होता यह बात आप मेरी बात समझ रहे हो ठीक है यह बात आप मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे ठीक है

भाई उसको हम जैसे प्लांट हो गए एनिमल्स हो गए उसको हम बायोटिक के अंदर रखते हैं एबायोटिक के अंदर किसके रखेंगे द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे आपका लैंड हो गया जमीन पानी ठीक है ये नॉन लिविंग है इनमें जीवन थोड़ी ना भाई जमीन में पानी जीवन है क्या जमीन को ठुक ठुका के देखो मार के देखो आवाज आती है उसको दर्द होता है क्या नहीं होता उसको ठीक है सो दीज आर लिविंग बायोटिक एंड दिस इज ए बायोटिक बायोटिक मीन्स वॉट बायोटिक मीन्स वॉट ठीक है जिसके अंदर में जीवन है और एबायोटिक बायोटिक का मतलब क्या है जिसके अंदर में जीवन नहीं है ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है ठीक है सो दिस इज द कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट ह्यूमन मेड नेचुरल दिस इज द ह्यूमन सो ये बात आपको ध्यान रखनी है अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो बायोटिक जो अभी मैंने पढ़ाया बायोटिक का सिंपल मतलब है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भाई जिसके अंदर में जीवित प्राणी पाए जाते हैं जिनके अंदर में जीवन होता है ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म ठीक है जिनके अंदर में जीवन पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बायोटिक जहां जीवित चीजें रहती हैं जैसे पौधे जहां रहते हैं ठीक है पौधा इज बायोटिक ह्यूमन से आदमी बायोटिक एनिमल जो है दैट इज बायोटिक मेरी बात समझे ठीक है बायोटिक मीन्स वॉट यार नहीं आई समझ में <coughs> बायोटिक मीन्स वर्ट दोस्तों बताओ बायोटिक मीन वॉट बायोटिक मतलब सिंपल है सर जहां जीवन है बायोटिक जैविक हिंदी में बोलते हैं इसको और जहां जीवन नहीं है वो है बायोटिक हाँ भाई जहां जीवन है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पर जीवन नहीं है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स जैसे लैंड हो गया टेबल चेयर बिल्डिंग ये कंपोनेंट है किसके एनवायरमेंट के एक जो है इसको बोल रहा हूं मैं जैविक और दूसरा जो है मैं इसको बोल रहा हूं अजैविक सिंपल है जिसमें जीवन है ठीक है जिसमें जीवन है वो है जैविक और जिसमें जीवन नहीं है जिसमें जीवन नहीं है वो हो गया है अजैविक खत्म बात ही खत्म ठीक है जैविक और अजैविक ये लो ठीक है जैविक अजैविक जिसमें सजीव तत्व है जिसमें सजीव चीजें हैं जिसमें जीवों की दुनिया है उसको बोलते हैं जैसे पौधे मनुष्य पशु और जो निर्जीव तत्वों की दुनिया है जिसमें निर्जीव चीजें पाई जाती हैं उसको हम एजेविक बोलते हैं इस बात को कितने लोग जो हैं वो समझ में नहीं पा रहे हैं भाई ठीक है कितने बच्चे हैं जो इस बात को समझ पे नहीं पा रहे कितने बच्चे हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे भाई समझ पा रहे हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख दोगे सर कि ओके की रिपोर्ट है आसान है ना अरे बहुत आसान चीज है यार बहुत आसान चीज है ठीक है अब आगे बढ़ेंगे ठीक है अब आगे बढ़ेंगे अब पर्यावरण के घटक ये हिंदी में है ठीक है जैविक और अजैविक आप देख सकते हो हिंदी में भी सारी चीजें मैंने रखी हैं कोई भेदभाव नहीं है आपके साथ में भाई दो प्रकार के होते हैं तो होते है, एक तो प्राकृतिक होते हैं एक मानव निर्मित होते हैं ना प्राकृतिक की बात करें तो वायु जलमंडल इसमें जिनमें भी जीवन है वो आता है किसमें जैविक के अंदर में और जिसमें जीवन नहीं है वो आएगा किसके अंदर में दोस्तों अजैविक के अंदर में सो दोनों चीजें यहाँ पर हैं आपकी अब बात करते हैं दोस्तों डिफरेंट डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट आपके पर्यावरण की अलग अलग डोमेन होती हैं और वो डोमेन कौन कौन सी होती है प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर ध्यान दो तो देखो हाइड्रोस्पेयर दिख रहा है पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको पिछली क्लास में मतलब छठी क्लास में सिक्स क्लास की एनसीआरटी में कि अपने पास हाइड्रोस्पेयर होता है इसको जलमंडल बोलते हैं लिथोस्पेयर को बोलते हैं भूमंडल सतह इसके अलावा बायोस्पेयर वो होता है जहां पर जीवन पाया जाता है और एटमोस्फेयर का मतलब क्या होता है वायुमंडल अरे पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया मैंने बताओ जल्दी बताओ ठीक है भाग मान सकते हो आप ठीक है अंजलि आप इसको भाग मान सकते हो ठीक है ये इसके भाग मान सकते हो कि कौन कौन सा जो है वो एनवायरमेंट के भाग हैं, ठीक है थीके? सो आप इसको भाग भी कह सकते हो डोमेन ऑफ एनवायरमेंट कि आपकी एनवायरमेंट की कौन कौन सी डोमेन है और कितनी डोमेन है सो so एनवायरमेंट की अपने पास डोमेन हुई पहली लिथोस्पेयर लिथोस्पेर को क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हमने बताया आपको बोलते हैं भूमंडल दूसरी आ गई मेरे पास हाइड्रोस्पेयर हाइड्रोस्पेयर का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों जल मंडल इसके बाद आ गई मेरे पास एटमोस्फेयर इसका मतलब हो गया मेरे पास वायुमंडल ये अलग अलग भाग है उसके और इसके पास आ गया बायोस्पेयर इसको हम बोलते हैं जैव मंडल ठीक है तो ये तीनों डोमेन है किसकी दोस्तों आपकी डोमेन ऑफ एनवायरमेंट आपके एनवायरमेंट की डोमेन है तीनों गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून अभी गुड आफ्टरनून ही चल रहा है भाई है हो गया गुड आफ्टरनून हो गया दोस्तों ठीक है एक सजेशन मेरा भी सुन ले भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले तेरी देख सुन ली मैंने एक सजेशन मेरा भी ले ले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले ठीक है पता चल जाएगा तेरे तो को कब क्या टाइम टेबल ही तो है दो बजे क्लास होती है और क्या करते हैं सुबह होती है दो बजे होती है दोनों टाइम पे तो ले रहा हूं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और थोड़ा पढ़ना है ना तो खुद अब ऐसा मत सोचियो कि मैं घर पे उठाने आऊंगा चल 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 अब तर क्लास कर रहे हैं अभी चलो चल आ चल, जाओ है ना भाई आप लोगों की मुझे पता है ये भी एक इच्छा है कि मैं घर आके आपको पहले उठाऊँ क्या रे छड़ा हो जा मैं क्लास ले रहा हूँ जाके चल भाई चल चलो उठो उठ उठो चलो चाय चाय बना दू चाय पिएगा नींद नहीं गुली चाय बना के दे दू देख ले क्लास करूँ अभी जाके पहुंच जाइए वहाँ पे ऐसा आपकी ऐसी भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि सारी चीज सुमित सर ही कर दें है ना बट ऐसा नहीं हो पाएगा यार पढ़ना आपको है ना मैं वही तो बोल रहा हूँ यू हैव टू केम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन अदरवाइज थिंग्स सीधा मैंने बताया हुआ है कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ यार कभी भी क्लास होगी तुम्हें पता चल ही जाएगा वैसे मैं सब बताता हूँ वीडियो चैनल के ऊपर में क्लास बनती है तुम्हें दिखती है चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा नहीं किया होगा तो अलग बात है पता चल जाता है वहां से अब इस पर क्या टाइम टेबल बना हुआ है टाइम टेबल आप थोड़े दिन करोगे तो आपको पता चल जाएगा टाइम टेबल क्या ठीक है हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो उसके बाद कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी ठीक है भाई अरे माफ़ी यार यार। <laughs> की बात नहीं यार तो मजाक कर रहा हूं तुम पूछ रहे थे मैं बता रहे थे मैं भी बता रहा हूँ यार इसमें क्या काय को टेंशन लेते तो? इतनी इतनी लोड ना लिया करो ठीक है मैं कोई माफी वाफी की बात नहीं होती यार तुम कोई बच्चे थोड़ी ना हो यार ना तुम इतने बच्चे हो ना मैं कोई इतना बड़ा हूँ समझदार आदमी आप भी और हम भी आराम से चिल करो बढ़िया से पढ़ाई करो कोई दिक्कत नहीं मैं कोई बुरा थोड़ी ना मान रहा हूँ मैं तो ऐसे ही आप मेरे से कह रहे थे मैं भी मजाक कर रहा हूँ यार थोड़ा बहुत अधिकार मेरे को भी है या नहीं है मजाक करने का तो मैं कर रहा हूं बस और कुछ नहीं है टेंशन न लो तो मैंने क्या बोला दोस्तों डोमेन ऑफ एनवायरमेंट सो ये डोमेन है अपने पास लिथोस्पियर हाइड्रोस्पेयर एटमोस्फेयर बायोस्फेयर आपको यहां से देखने को भी मैं पता चल रहा होगा ठीक है क्या पता चल रहा है सर लिथोस्पियर तो भूभाग होता है ठीक है सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इसको आप देखोगे तो ये मिट्टी की एक पतली लेयर से ढका हुआ है वहां पर घास वास उगाती है तो ये हो गया लिथोस्पेयर लिथोस्पियर के साथ हाइड्रोस्पेयर हाइड्रोस्फेयर का मतलब है जल जलमंडल जल वाला भाग ठीक है जहां पे भी पानी दिख रहा है आपको दैट इज हाइड्रोस्फेयर इसके बाद में अपने पास आ रहा है दोस्तों एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर का मतलब क्या एक पतली सी चादर है परत है जो पृथ्वी के चारों तरफ में ओढ़े हुए पृथ्वी अपने चारों तरफ ओढ़े हुए इसको बोलते हैं एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर मतलब वायुमंडल ठीक है तो वायुमंडल ये हो गया हमारे पास और एक बचता है हमारे पास बायोस्पेयर एटमोस्फेयर और लिथोस्पेयर जहां मिलते हैं ना वहां जीवन होता है उसको बोलते हैं बायोस्पेयर पृथ्वी की ऊपरी सतह मैं कह दू पृथ्वी एक सेब है तो सेब का छिलका क्या है दोस्तों आपका जहां जीवन पाया जाता है ठीक है जहां जीवन होता है उसको हम क्या कहते हैं अथर उसको हम बोलते हैं बायोस्पेयर ठीक है बायो पीडीएफ नहीं मिलेगी अथर नोट्स बना ले भाई पीडीएफ नहीं मिलेगी पीडीएफ के लिए यू हैव टू ज्वाइन द लाइक प्लस कोर्स वहां पर पीडीएफ कर इनके क्वेश्चन प्री के मेन्स के वो सब आपको वहां मिलेंगे डोमेन ऑफ अर्थ जैसे मैंने बताया हिंदी भाषा के अंदर में तो तीन होती हैं अपने पास सबसे पहले हम बात करेंगे स्थलमंडल लिथोस्पेयर जैवमंडल हाइड्रोस्पेयर वायुमंडल ठीक है एटमोस्फेयर जीव मंडल बायोस्पेयर सो ये तीन चार डायमेंशन हैं अपनी अलग अलग ठीक है सो पहली डायमेंशन ये है दूसरी डायमेंशन ये है तीसरी डायमेंशन ये है ये चौथी डायमेंशन सो दीज आर द फोर डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द एनवायरमेंट ये एनवायरमेंट की अलग अलग डोमेन है जो आपको पढ़नी है आर आर यू गेटिंग पॉइंट नॉट सी दीज द डोमेन ऑफ ठीक है जलमंडल स्थलमंडल जैवमंडल वायुमंडल तो ये चार आपकी डोमेन है आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट आप मेरी बात समझ पा रहे हो बिल्कुल ये देखो लेजेंड प्रो गर्ल ने छठी क्लास के पूरे नोट्स बना लिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त इसीलिए इनका नाम लेजेंड है ठीक है ना बहुत अच्छे गुड गुड सर प्लेन फ्लाई इन द और नो, अरे में प्लेन फ्लाई करवा हुए? अरे वो ज, जल पे उड़ता है उड़ने के लिए लैंडिंग के लिए यूज करते हैं हाइड्रोस्फेयर में नहीं भाई साहब वायुमंडल में करता है प्लेन वो एटमोस्फेयर की अलग से डिफरेंशिएशन है वो बताएंगे वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है ठीक है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है समताप मंडल बोलते हैं उसको ठीक है वो अलग चीज है वो बताएंगे वो भी बताएंगे ठीक है पहले अभी ये देख लो हाइड्रोस्पेयर में प्लेन नहीं उड़ता हाइड्रोस्पेयर तो पानी वाली चीज है यार जलमंडल जल पानी ठीक है अब एक एक करके चलो मैं तुम्हें समझा रहा हूं देखो सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्पेयर की लेट्स टॉक अबाउट दी लिथोस्पेयर क्या होता है सर लिथोस्पेयर लिथोस्पेयर इज द सॉलिड क्रस्ट जो ठोस भाग होता है ऊपर का पृथ्वी का जो हार्ड टॉप होता है पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर होती है जो सतह जो पृथ्वी की ठोस होती है ना ऊपरी सतह ठीक है तो उसको हम लिथोस्पेयर बोलते हैं तो लिथोस्पेयर पृथ्वी की ऊपरी सतह है लिथोस्पेयर इज सॉलिड क्रस्ट ऑन हार्ड टॉप कवर्ड बाय अ थी चट्टानों से बनी है ठीक है उसके बाद में मिनरल से बनी है और ऊपर से अगर आप देखोगे ना तो ये आपका एक सॉइल की मिट्टी की पतली सी चादर से ढकी हुई है इट इज ए रेगुलर सरफेस असमान है आप देखोगे कहीं पे ऊंची है कहीं पे नीची है कहीं पे पर्वत आ जाते हैं कहीं पे पठार आ जाते हैं कहीं पे मैदान आ जाते हैं कहीं पे वैलीज आ जाती हैं घाटी आ जाती हैं और ये सारी बातें मैंने ना आपको पढ़ाई हुई है पीछे सिक्स क्लास की एनसीईआरटी में याद है आपको तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज लिथोस्फेयर तो आप बोल दोगे सर लिथोस्पेयर का मतलब है भूमंडल ठीक है या आपको स्थलमंडल अभी हमने पढ़ाया सर इसका मतलब है स्थल मंडल क्या मतलब है इसका स्थलमंडल और सर स्थलमंडल का मतलब पृथ्वी का ऊपरी भाग पृथ्वी का हार्ड टॉप लेयर पृथ्वी की ऊपरी सतह जो चट्टानों से और खनिजों से मिलकर बनी होती है और ऊपर मिट्टी की हल्की सी एक परत एक चादर जो है उसके ऊपर इट इज इेगुलर सरफेस बिल्कुल रेगुलर नहीं होती इेगुलर होती है कहीं पे ऊंची कहीं पे नीची कहीं पे ऊंची कहीं पे नीची सो इट्स कंप्लीटली रेगुलर सरफेस इट इज कवर्ड विद माउंटेन पर्वत से ढकी है इट इज कवर्ड विद प्लेट टू प्लेन वैली इन सबसे आपका ये ढकी हुई होती है ठीक है आप मेरी बात समझ रहे हो भाई वाह इतनी भयंकर हिंदी लिख दी सूरज यार तूने। ठीक है कई कई बच्चे इतने इतने बढ़िया होते हैं कि मतलब ऐसा मतलब उनसे उनके कमेंट पढ़ के ऐसा मजा आ जाता है कमेंट वगैरह कर दिया करो यार ठीक है दीज आर द रियल मोटिवेट आपके लाइक्स और कमेंट्स दे आर द रियल मोटिवेशन नॉट फॉर मी एनी वर्ल्ड ठीक है जो भी आपके लिए काम कर रहा है यूट्यूब पे तो ये आपके रियल मोटिवेशन है थैंक यू यार थैंक यू चलिए लिथोस्फेयर हो गया नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइड्रोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर क्या है भाई हाइड्रोस्पेयर का मतलब है द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज दाइड्रोस्फेयर ठीक है जो आपकी डोमेन होती है ना वाटर की जिसमें पानी पाया जाता है बेसिकली ठीक है तो द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रोस्फेयर इट इज कंप्राइज ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ वाटर इसमें पानी के जितने भी सोर्स सब आते हैं इसके अंदर में ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज सब हाइड्रोस्फेयर में आती है जैसे नदी जैसे लेक होगी सी होगी ओशियंस हो गए सब इसी में आते हैं तो अगर आपसे कोई पूछे सर वॉट एग्जैक्टली इज द हाइड्रोस्फेयर इज तो आप बोलोगे सर कि जो पानी का हिस्सा होता है पानी जहां पर भी होता है वो हाइड्रोस्पेयर है पानी जहां पर भी होता है सर वो आपका जलमंडल है आप कह दोगे सर ये जहां पानी होता है वो जलमंडल है और जलमंडल का जो भाग होता है जैसे नदी लेक समुद्र ओशियन ये सब के सब किस के किसके अंदर आते हैं दोस्तों दे ऑल आर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्पेयर ये आपके जलमंडल के भाग हो गए ठीक है हिंदी में स्थलमंडल और ये हो गया हमारे पास जलमंडल लिथोस्पेयर पृथ्वी की ठोस परत या ठोस शीर्ष परत है यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी के एक पतली परत के द्वारा इसको ढका जाता जाता है 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 इसको कवर किया जाता है। यह अनियमित सतह जैसे पहाड़ पठार मैदान आदि घाटियां इस पे बनी हुई होती हैं दूसरा जलमंडल पानी के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है इसके अंदर में सभी प्रकार की झीलें सभी प्रकार की नदियां अलग अलग पानी के विभिन्न स्रोत जो हैं इसके अंदर में शामिल होते हैं तो दो बातें आपने पढ़ी पहली क्या पढ़ी बच्चों स्थलमंडल और दूसरा क्या पढ़ा बच्चों जलमंडल किसको यह बात क्लियर नहीं है फटाफट बताएंगे सर अरे हाँ हिंदी का तो एक अलग से स्टार्ट भी करवा दिया यार कल से हिंदी का स्टार्ट होगा भाई लव बॉय ये क्या है भाई नाम तूने लव बॉय रख रखा है हिंदी में लिखना चाहिए था ना प्यारा लड़का प्यारा लड़का खुद तो नाम इंग्लिश में रखता है मेरे को हिंदी के लिए बोलता है, है? बदतमीज हिंदी के लिए एक नई एनसीआरटी का प्रोग्राम शुरू कर दिया है कल से क्लास शुरू हो जाएगी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं छठी क्लास के एन छठी कक्षा की कल से शुरू कर रहा हूँ ठीक है वो वहां से पढ़ लेना ठीक है और ये जो प्रोग्राम है इसमें मैं सब कराऊंगा मतलब पहले जोग्राफी को लपेटेंगे फिर हिस्ट्री पॉलिटी सब कराऊंगा इसमें ठीक है so, देखा हमने और अब देखा क्या हमने जल मंडल अब आगे बढ़ना पड़ेगा हमें ठीक है आगे बढ़ेंगे तो अगली चीज चीज आती है मेरे पास वो आती है एटमोस्फेयर चार थे ना पहला क्या था सर लिथोस्फेयर दूसरा था सर हाइड्रोस्फेयर अब आता है एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर क्या होता है सर अभी तो बता पढ़ाया थोड़ी देर पहले आपको एटमोस्फेयर मतलब जो पृथ्वी है ना पृथ्वी के चारों तरफ एक गैस की चादर है आपकी पृथ्वी है ना उसके चारों तरफ गैस की चादर है जिसमें बहुत सारी गैस होती हैं धूल के कण होते हैं जल के वाष्प होते हैं ठीक है और वो सब पृथ्वी के गुरुत्वाक्षण बल की वजह से पृथ्वी से बंधे हुए होते हैं और चारों तरफ पृथ्वी के उन्होंने कवर बनाया हुआ है एक लेयर बनाई हुई है एक परत बनाई हुई है बस उसी को हम एटमोस्फेयर कह देते हैं उसी को हम पर्यावरण कह देते हैं तो एटमोस्फेयर मतलब क्या है दोस्तों उसी को हम वायुमंडल कहते हैं नॉट पर्यावरण एटमोस्फेयर जो होता है ना एक थिन लेयर होती है ऑफ द एयर विच सराउंड अर्थ जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए एटमोस्फेयर इज अ थिन लेयर विच सराउंड अर्थ ठीक है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है अरे भाई ये कौन आ गया ओ भाई साहब ये तो कोई जहर आदमी आ गया भाई आशिक आ गया है तो कोई है भाई ओहो ये तो आशिक आ गया भाई कोई <laughs> कोई बात नहीं वो भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है आप लोगों के साथ में है भाई वो बेचारा गम का मारा है कहीं से कहीं पहुंचा है भावनाएं व्यक्त कर रहा है करने दो देखो जीवन में अंदर अंदर जो चीज़ें रहती हैं ना जिसका मलाल रहता है वो बहुत दिक्कत करती हैं कम से कम उसको यहाँ बातें निकालने का मौका तो मिल रहा है कोई और सुनता नहीं होगा बेचारे की निकालने दो यार कई बार क्या होता है इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आप समाज के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे जाते हैं जाने अनजाने में आपने उनकी बात सुन ली तो उनको आपने बहुत ही अरे मैं इग्नोर ही कर रहा हूं मैं ऐसे ही ठीक है चलिए आगे बढ़े सो एटमोसफेयर हमने देखा तो पृथ्वी की चारों तरफ ठीक है मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ यार आर्यन शर्मा है भाई शर्मा जी मैं आपका दर्द समझता हूँ भाई ठीक है तो अब मेरी बात समझिए एटमोसफेयर का मतलब क्या है पृथ्वी जो है ना पृथ्वी के चारों तरफ एक चादर सी बनी हुई है और उसी चादर को एक थिन लेयर को जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं हम एटमोसफेयर कहते हैं अब आप कहोगे सर ये चादर फिर मतलब है कैसे अपनी जगह पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गुरु बल की वजह से ठीक है ये पृथ्वी पृथ्वी के चारों तरफ एकदम से डटी हुई है इसको होल्ड किए हुए दोस्तों द चेंज इन द एटमोस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट आप जब इस एटमोस्फेयर में आप चेंज करते हो जैसे अगर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है मतलब हवा में आद्रता ज्यादा हो जाती है ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तो बारिश हो जाती है ठीक है जब हवा के अंदर में नमी नहीं होती तो आपकी हवा बारिश नहीं होती तो जैसे ही एटमॉस्फेयर चेंज होता है ना जैसे ये ठीक है वैसे वैसे आप मान के चलो वेदर और क्लाइमेट भी आपका क्या होता है बदलता है तो वायुमंडल का जलवायु का और आपका मौसम का सीधा सीधा संबंध है ये बात आप मेरी सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे है? समझ रहे हो ना तो ये बात सीधी सी है तो एटमोस्फेयर क्या होता है सर वायुमंडल वायुमंडल का मतलब क्या होता है ठीक है वायुमंडल मतलब ऐसा है कि जैसे पृथ्वी की चारों तरफ एक चद्दर होती है ना ठीक है जैसे एक आशिक के चारों तरफ आशिक लिपटी हुई होती है इसी प्रकार से हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो है गुरुत्वाक्षण बल जो होता है उसकी वजह से है ना जो आशिक का प्रेम होता है ठीक है उसी की तरह जो गुरुत्वाक्षण बल <laughs> क्ष बल होता है उससे आपका पृथ्वी के चारों तरफ जो है ना हवाएं वगैरह है ना गैस पार्टिकल धूल के कण ये सब पृथ्वी से जुड़े हुए हैं पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं बस उसी को हम क्या बोल देते हैं एटमोस्फेयर ठीक है इसमें बहुत सारी गैसेस वगैरह होती है वो सब मैंने आपको बता दी और आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे है ना ओके मैं बता देता हूं अक्सवी अक्सवी नरवाल मैं बता देता हूं आपको कल 11 बजे लेट्स क्रैक यूपीएससी सी एस हिंदी चैनल के ऊपर और ये हिंदी यार क्या हिंदी हिंदी कर रहे हो ये क्या है ये अंग्रेजी भाषा है क्या ये फारसी लिख दी उर्दू लिख दी मैंने ये उर्दू लिख दी क्या यार अभी एटमोसफेयर पढ़ाऊंगा अब ये देखो हिंदी में ये एटमोस्फेयर ही तो है वायुमंडल वायुमंडल हवा की पतली परत है जो पृथ्वी को घेरे हुए है पृथ्वी का गुरुत्वाक्षण बल अपने आसपास के वातावरण को पकड़े हुए है वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन मौसम और जलवायु में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं और ठोको ताली पे आई हैव मेल्ड यू दोबारा मेल करना पड़ेगा एक्सपेरेंट वो बहुत पीछे चला गया दोबारा करो मेल ठीक है तब पढ़ा जाएगा वो एक बार दोबारा करो कॉपी कर दो उसको दोबारा से पेस्ट करो जल्दी से ये हिंदी हो तो क्या अब ये फारसी है क्या है भाई कहते रवीना टंडन बन रहे हो सारे के सारे हिंदी 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 है जीव मंडल जीव मंडल क्या होता है हिंदी से ही पढ़ाऊंगा जीव मंडल का मतलब है जहां जीवन पाया जाता है ठीक है जहां जीवन जिसमें पशु पौधे ये सब मिलके ना जीव मंडल का निर्माण करते हैं ठीक है ये पृथ्वी का एक संकरा सा क्षेत्र होता है जहां पर जमीन यानी कि हाइड्रोस्फेयर पानी और हवा एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन का समर्थन करते हैं वो जीवन प्रदान करते हैं ठीक है नरवाल साहब लव बॉय ये है हमारे पास एटमोस्फेयर पहले बताया था ये था हमारे पास लिथोस्फेयर और ये था हमारे पास बायोस्फेयर ठीक है अब जब ये जहां मिलते हैं ना ये देखो सारे मिल रहे हैं यहां पे तो जहां तीनों मिलते हैं ना ये जो जगह होती है यहीं पर जीवन आपका पाया जाता है और इसी जगह को हम बोलते हैं आपका दोस्तों दिस इज ठीक है इसको बोलते हैं हम जीव मंडल क्या बोलते हैं जीव मंडल सो एटमोस्फेयर लिथोस्पेयर बायोस्फेयर जहां मिलती है उसी को हम बोलते हैं दोस्तों क्या आपका बायोस्फेयर ठीक है नॉट बायोस्फेयर दिस इज लिथोस्फेयर ये हाइड्रोस्फेयर सॉरी ठीक है हिंदी भाषा में ये ये हो गया अंग्रेजी माध्यम में ये देख लो ठीक है हाइड्रोस्पेयर का मतलब ये प्लांट और एनिमल किंगडम से मिलकर बनता है जब एक साथ आते हैं तो इनसे बनता है इट इज जोन एक पतला सा जोन होता है जहां पर पृथ्वी जो है वो भूमि से पानी से हवा से मिलती है इंटरेक्ट करती है और जहां पर लाइफ पाई जाती है तो जैवमंडल वो है बायोस्फीयर वो है सिंपल सी बात मैं बता दूं तो वेयर लाइफ एग्जिस्ट ठीक है वेयर लाइफ इज प्रेजेंट जहां पर लाइफ आपकी प्रेजेंट होती है बस उसी भाग को मैं आपका क्या बोल रहा हूं बायोस्फीयर ये बात कितने बच्चों को समझ में ना आई मां कसम है सच सच बताना सर एस्पिरेंट बोल रहा है कि आपको उसने मेल सेंड किए सत्ताइस टाइम आप रिप्लाई नहीं कर तो क्या पूछा है तुमने भाई अब तीन अलग अलग मेल आईडी से भी किया तो मुझे कैसे पता किस मेल आईडी से आपने क्या मेल किया है देख लूंगा मैं ठीक है जवाब देने का हुआ जवाब भी दे दूंगा ऐसी बात नहीं है ठीक है ठीक है बस बस थम जाओ थम जाओ थम जाओ नहीं तो तीन दिन और जवाब नहीं दूंगा अगर ऐसे करोगे तो आप मैं देख लेता हूं कौन सा जवाब आया आपका किस नाम से है भाई है किस नाम से है मेल आई ओ महाराज किस नाम से आईडी बता जल्दी अभी देख लेता हूं मैं अरे जल्दी बता अभी देख रहा हूं मैं फटाफट बता फटाफट से ये देखो एग्जाम हेल्प आया सर डू यू वांट मीट डू यू वान मीट पीएम तू ही मिल ले। ही मिल ले अरे एस्परेंट क्या आईडी है किस आईडी से किया था जल्दी करे यार काम करना है मेरे को मैं यही नहीं देखता रहूँगा फिर इसमें लिखता रहेगा बाकियों को परेशान करेगा ओके नरवाल जी कोई बात नहीं मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ ना मैं तो वैसे यार तुम सीरियस ना लिया करो मेरी बात तो वो आई couldn't पुट माई ID हेयर यू कैन चेक लेटर ठीक है तो फिर आप इसी में लगे रहो मुझे कैसे पता चलेगा भाई कौन एस्पेरेंट है यार हैं भाई

जिन जिन चीजों में जीवन है ना जब वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो उससे एक, एक बनता है, क्या बोलता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी देखो क्या होता है ना जैसे बतक है अभी बतक क्या करती है पानी में, में मछली होगी इसको खाएगी अब पानी में जो मछली है वो किसको खाते हैं पानी के अंदर में छोटे छोटे जीव होते हैं वो छोटे छोटे जीव किसको खाते हैं छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनको बोलते हैं फाइटो तो फाइटो को जू प्लेंटन, जू प्लेंटन को मचली, मचली को मछली 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 लपेट रही है और जो फाइटो है वो एनर्जी फाइटोप्ल से ले रहे हैं वो डायरेक्ट सूर्य से ले रहे हैं सन से ले रहे हैं तो बेसिकली पूरा का पूरा जो आपका इकोसिस्टम होता है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रीशियस एलिमेंट है ना तो कहने का मतलब क्या है जब आपके अलग अलग जीव आपस आप में एक दूसरे के साथ में इंटरक्ट करते हैं और उसमें आपका जो फिजिकल है 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 वो भी इन्वॉल्व होता है, तो उसी को हम बोल देते हैं ठीक है? हिंदी भाषा में मैं आपको बता देता हूं हिंदी भाषा में भी आप देख सकते हो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी जिसमें जीवन होता है वो अपने आसपास में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन सभी भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ में परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों जैव मंडल ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों आपका सॉरी परितंत्र पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र तो एनवायरमेंट के बाद में इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो बनाते हैं ठीक है ये बात समझ में आ गई दोस्तों आपको ठीक है देर वॉज़ अ स्टोरी ऑफ मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ठीक है हमारे साथ में एक मित्र हुआ करते थे हमारे हबीबी सेवेंटी टू ठीक है हबीबी बहत्तर उनका एक मित्र होता था जिनका नाम था ए गुड मैन इट्स वेरी गुड ठीक है तो वो हमें एक बार प्रधानमंत्री जी से मिलवाया था उन्होंने जब दिल्ली में इलेक्शन थे तब म, 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 मैं मिलवाया था तो नया नया कपड़े सिलवाए नए नए सूट बनवाए ठीक है मतलब चाव चढ़ गया था तगड़ा की प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं ठीक है जब दिल्ली में इलेक्शन हुआ था ना लास्ट टाइम तब की बात है और ये एग्जाम हेल्प को कैसे पता है उसमें ये एग्जाम हेल्प को कैसे पता है ये गड़बड़ वाली बात है <laughs> चलिए कोई बात नहीं तो गाइस ये था अपने पास क्या इकोसिस्टम के बारे में ठीक है

आपकी परतें हैं एक परत हटाओगे दूसरी आ जाती है दूसरी हटाओगे तीसरी तीसरी हटाओगे चौथी परत दर परत जो है आपका पृथ्वी के अंदर में है तो उसी की मैं बात यहां पे करने वाला हूं कि पृथ्वी की जो अंदर है इनसाइड जो है उसका क्या सिस्टम है तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अगर आपने पढ़ा हो मेरे साथ ठीक है ज्योग्राफी के अंदर में तो ये वही चैप्टर है बस आपको वही बता रहा है कि पृथ्वी के अंदर क्या है बाहर अगर आप बात करोगे तो क्रस्ट है ठीक है और अंदर जाओगे वाला भाग तो मेंटल है और अंदर जाओगे दोस्तों एक कोर बाउंड्री आ जाती है और ये इंटरनल भाग क्या है दोस्तों आपका ये कोर है और उसके अंदर में भी आंतरिक भाग क्या है दोस्तों इनर कोर तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो यह चैप्टर कुछ नहीं है यह आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बता रहा है इट टॉक्स अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसके बारे में आपको यह बताएगा कि किस प्रकार से पृथ्वी की पूरी संरचना है किस प्रकार से पृथ्वी का अपने पूरा सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है उसके बारे में आपको बताएगा सो इट विल ओनली टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको बताएगा टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में दो मेन टॉपिक है यहां पे पहला इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पृथ्वी की आंतरिक संरचना और दूसरी जो चीज हम यहां से पढ़ेंगे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ रॉक चट्टान कितनी प्रकार की होती है दोनों के बारे में हम यहां से पढ़ेंगे ठीक है सो दिस इज फ्रॉम द सेकंड चैप्टर ऑफ द क्लास एनसीईआरटी सो ये आपको बताएगा यहां पे चलिए दोस्तों जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करता हूं जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं सो वी हैव थ्री थिंग तीन चीजें होती है अपने पास जो पहले सबसे बाहरी लेयर होती है प्यारे बच्चों उसको हम बोलते हैं क्रस्ट ये आपको पता भी होगा वैसे ठीक है सबसे बाहर ये जो लेयर होती है दोस्तों एक फर्स्ट लेयर उसके बाद सेकेंड इसके बाद में होती है और इसके बाद में क्या होती है दोस्तों अपने पास थर्ड लेयर लेयर तो इस प्रकार से तीन आपकी बनती है पहली जो लेयर होती है दोस्तों इसको हम बोल देते हैं क्रस्ट दूसरी लेयर जो बनती है इसको हम बोल देते हैं मेंटल और तीसरी जो लेयर बनती है दोस्तों इसको हम बोल देते हैं कोर आपको बात समझ में आई ठीक है वैसे एक बने और भी बताया था कि अगर मैं इस भाग को अलग से ऐसे काट लूं ठीक है और अलग से आपको दिखाऊं तो यहां पर भी कई सारे सिस्टम हम बना सकते हैं कैसे सर देखो ये जो हिस्सा हमने काटा अगर मैं इसको यहां पे रखता हूं तो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे ऊपर जो है मेरे पास ये जो भाग है दिस इज क्रस्ट उसके बाद ये जो भाग है मेंटल और नीचे आ गया कोर अगर मैं ये कहता हूं कि दिस इज क्रस्ट ये जो भाग है प्यारे बच्चों इसको हम क्या कह देंगे मेंटल और ये जो भाग है प्यारे बच्चों इसको हम क्या कह देंगे कोर तो तीन चीजें होगी हमारे पास है ना हिंदी के अंदर में इसको बोलते हैं परपटी। क्रस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों भू परपटी हिंदी में बोलते हैं इसको चटपटी नहीं है भूपरपटी है ठीक है चटपटी बहुत याद आ रहा है दूसरी बात करते हैं मेंटल देखो मेंटल को बोलते हैं प्यारे बच्चों आवरण ठीक है इसको क्या बोलते हैं हम आवरण और तीसरा होता है कोर कोर को हम बोलते हैं केंद्रीय भाग या नाभिक ठीक है आप कुछ भी कह सकते हो केंद्रीय भाग कह सकते हो या आप इसको बोल सकते हो नाभिक सो so, ये तीन चीजें हैं जो यहां पे हमें देखने को मिल रही हैं आवरण और तीसरा क्या है आपका नाभिक ठीक है तो ये हो गया अच्छा इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं आपको पता है ये जो है ये दो भागों में बट सकता है ये जो होगा इसको हम बोल देते हैं भाई आपका आउटर मेंटल ये जो होता है फिर इसको हम बोल देते हैं आपका इनर मेंटल ठीक है इसके बाद ये जो होता है इसको हम बोल देते हैं आपका दोस्तों आउटर कोर और ये जो होता है प्यारे बच्चों इसको हम बोल देते हैं इनर कोर तो इस करके अपने पास कुल इस प्रकार का डिवीजन बनता है तो यहां पर भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये जो भाग है क्रस्ट प्लस में आउटर मेंटल का ऊपरी भाग ये वाला आउटर मेंटल का ऊपरी भाग इस भाग को क्योंकि ये सॉलिड होता है इसको हम बोल देते हैं लिथो स्फेयर याद है ना यहां पर लिथो जो होता है लिथो का मतलब क्या होता है दोस्तों रॉक

ठीक है एक क्लासिफिकेशन और भी हो जाता है इसमें मेजोस्पेयर भी बोल देते हैं उसको ठीक है मेसोस्पेयर भी बोल देते हैं बट वो ठीक है अभी छोड़ दो अभी आप ये तीन ही बात याद रखो अदरवाइज बीच में एक मेसोस्पेयर भी आएगा वो मैं बाद में पढ़ा दूंगा आपको ठीक है दैट इज ऑल्सो पार्ट तो यही हम बात कर रहे हैं यहां से सबसे पहले आउटर पार्ट जो है दोस्तों दिस इज नथिंग बट द क्रस्ट इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों क्रस्ट को बोलते हैं मैंने अभी बताया आपका भूपरपटी इन In हिंदी इट इज भूपरपटी Second आता है मेरे पास मेंटल मेंटल को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों मेंटल इज इज नथिंग बट इट नोन एज आवरण और कोर जो होता है इसको हम क्या बोल देते हैं कोर नथिंग बट द तो मेरे पास तीन अलग अलग लेयर होगी पृथ्वी के अंदर टॉप मोस्ट लेयर इज नोन एज द क्रस्ट ठीक है उसके बाद बीच वाली ये जो ऊपर वाली है, क्रस्ट होगी मान लो ये ऊपर वाली उसके बाद ये जो है मेंटल हो गया और ये अंदर का क्या हो गया कोर ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही पृथ्वी की तीन लेयर क्रस्ट मेंटल कोर सबसे पहले ये बात आपको समझ में आनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों इससे और ज्यादा जो क्रस्ट होती है हमारी ये कैसी होती है सॉलिड आप देखो क्रस्ट जो है बाहरी भाग होता है तो और जो क्रस्ट देखने में आपको कैसी मिलेगी सॉलिड मिलती है साथ ही साथ में इसका जो मिनरल कंपोजिशन होता है किस किस खनिज से मिलकर बनती है तो जो क्रस्ट हमारी बनती है वो सियाल बोलते हैं इसको सियाल क्यों बोलते हैं दोस्तों क्योंकि दो मिलकर बनी है पहली जिससे बनी है उसको हम बोलते हैं सिलिकोन और दूसरी जिससे बनकर बनती है उसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सियाल चाची ठीक है तो क्रस्ट पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग सॉलिड होता है और इसका हम क्या कहते हैं सियाल क्योंकि ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर इसमें मेन कंपोजिशन होता है साथ ही साथ इसकी डेंसिटी घनत्व जो होती है दोस्तों यहां पर मैं बात करूं तो दिस इज डेंसिटी डेंसिटी का मतलब क्या है घनत्व मास पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है इसको भार प्रति का आयतन में कितना भार है तो यहां पर क्रस्ट जो होता है क्रस्ट की डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है टू पॉइंट सेवन ग्राम पर सीसी तो दोबारा देखेंगे क्रस्ट बेसिकली इट्स अ सॉलिड सॉलिड मतलब ठोस है इसको हम सियाल कहते हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इसमें होता है और यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसका घनत्व तो जो है डेंसिटी जो है वो है टू पॉइंट सेवन ग्राम पर सी सी दो दशमलव सात ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ये इसकी क्या है दोस्तों डेंसिटी है यहां तक आपको क्लियर है कमेंट बॉक्स में बताओगे सर कि ओके की रिपोर्ट है ठीक है यहां तक सही है अच्छा आगे बढ़ते हैं मेंटल के ऊपर जो मेंटल है हमारे पास सेकंड उसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड देखो होता क्या है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाते हो ठीक है जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाते हो दोस्तों वैसे वैसे तापमान हमारा बढ़ने लगता है जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं पृथ्वी के अंदर जा रहे हो तापमान क्या होगा बढ़ेगा आपका ठीक है वेर एवर यू मूव इन साइड द अर्थ जैसे जैसे आपका डेप्थ बढ़ेगी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा है ना टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ 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 आपका प्रेशर भी क्या करता है इंक्रीज करता है इसीलिए क्या होगा देखो ऊपरी भाग तो सॉलिड है ठीक है ये जो पार्ट है ये सॉलिड है ठीक है बट जैसे नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सेमी सॉलिड और नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों लिक्विड हो जाएगा इट इट हैपन बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ द द तापमान की वजह से होता है ठीक है एक एक्सेप्शन है इसमें वो क्या है जब आप बहुत ही स्कोर वाले यहां पे चले जाते हो ना तो ये लिक्विड होना चाहिए बट ये भी आपका सॉलिड मिलता है क्यों बिकॉज यहां तापमान तो ज्यादा होता है ये साथ साथ प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाता है ठीक है टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाता है और इसकी वजह से जो सेंट्रल कोर है जो बीच का कोर का जो हिस्सा है दोस्तों इट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म ये आपका सॉलिड में मिलता है ये बात आप मेरी बात समझ रहे हो भाई जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तापमान की वजह से पृथ्वी जो है वो अपनी स्टेट चेंज करती है जैसे सबसे पहले मेरे पास क्या थी दोस्तों सॉलिड सॉलिड से चेंज हुआ वो किस में बदल गया आपका सेमी सॉलिड के अंदर में सेमी सॉलिड से किस में बदलेगा दोस्तों आपका लिक्विड में बदलेगा तो ये जो है मेरे पास ये क्रस्ट का हाल है तो ये किसका हो गया दोस्तों मेरे पास मेंटल का हाल हो गया और ये किसका हाल है दोस्तों मेरे पास कोर का लेकिन जब इसके बाद जाए तो ये फिर से सॉलिड में बदल जाता है एंड इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर ये प्रेशर की वजह से होता है और कहा होता है दोस्तों ये आपका? ये आपका होता है इनर कोर के अंदर आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट समझ पा रहे हो मेरी बात को ठीक है ये बात आप मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे तो जो इनर कोर है दोस्तों उसको अगर मैं चेक करूं तो इनर कोर जो होती है हमारी दैट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म वो सॉलिड फॉर्म में आपकी हो जाती है सो so ये बेसिकली अपना स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको यहां पे पढ़ाया तो ये सेमी सॉलिड मतलब अर्ध ठोस अवस्था में मिलेगा इसके अलावा इसका मिनरल कंपोजिशन इसका सियाल था इसका मिलेगा दोस्तों सीमा एस आई एम ए सीमा का मतलब क्या हो दोस्तों सीमा में एस आई स्टैंड फॉर सिलिकॉन एंड एम ए जो है इट स्टैंड फॉर मैग्नीशियम ठीक है इसका मतलब क्या है मैग्नीशियम तो इट स्टैंड फॉर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम तो इसको हम बोल देते हैं सीमा ठीक है दिस इज नॉन एज द सीमा इसके बाद सीमा का जो डेंसिटी होता है मेरे पास वो होता है थ्री टू फाइव ग्राम पर सीसी तीन से लेकर पांच ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच में इसकी डेंसिटी आपकी होती है ठीक है समझ में आ रही बात दोस्तों तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है तीन से लेकर पांच ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ये मैं मेंटल में की बात कर रहा हूं ये मैं आवरण की बात कर रहा हूं ठीक है तो ये जो मेरे पास आवरण है आवरण इसको हम क्या बोलते हैं आपकी भू चटपटी ठीक है तो ये कैसी है प्यारे बच्चों ठोस है सेमी सॉलिड मतलब अर्ध ठोस सियाल मैंने बता दिया सिलिकॉन इसका बता डेंसिटी घनत्व है ना अब आते हैं दोस्तों अगली चीज पे कोर कोर मतलब नाभिक आंतरिक अवस्था में वो किससे बना होगा निफे. निफे का मतलब क्या है दोस्तों एनआई जो है इट स्टैंड फॉर निकिल एंड एफ जो है इट स्टैंड फॉर आयरन ठीक है तो ये किससे बना है निफे निकिल और आयरन से इसकी डेंसिटी अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी डेंसिटी है नाइन टू ट्वेल्व ग्राम पर सीसी नौ से लेकर बारह ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ये किसकी डेंसिटी है दोस्तों आई एम टॉकिंग अबाउट दी ऑफ द कोर ये कोर है अब इनर कोर में जाते हो तो लगभग डेंसिटी सेम है बट यहां पर ये जो है आपका मिनरल लिक्विड वो सॉलिड हो जाती है कोर आंतरिक कोर में इनर कोर में इनर कोर आपको कैसा मिलेगा दोस्तों सॉलिड मिलेगा और इसका मैं रीजन भी बता चुका हूं इसका रीजन क्या है प्यारे बच्चों इसका रीजन है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव प्रेशर भाई आंतरिक कोर में जब आप जाते हो तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है और उस प्रेशर की वजह से पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है और इसीलिए हम कहते हैं कि भाई वहां पर ठोस हो गया क्यों क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरनल प्रेशर जो है उसके ऊपर में बहुत ज्यादा लग रहा है ये बात आपको समझ में आई कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में आई हो अगर समझ में नहीं आई तो बता दो और बाकी आ गई तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट आप एक बार लिख दोगे थैंक यू अदिति एक बार सभी को प्लीज आप शेयर करती रहिए क्रस्ट वॉल्यूम वन परसेंट मेंटल वॉल्यूम एटी फोर परसेंट कोर वॉल्यूम फिफ्टीन परसेंट डिविजन बाई द वॉल्यूम देखो ऐसे ज्ञान भी देता रहे करो आप कमेंट बॉक्स में ना सारे सारे बच्चे एक बार अगर समझ में आ गया सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें यार सारे के सारे जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने नहीं किया उनसे पुनः आग्रह है मेरा कि कृपया करें बच्चों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें तो ये बात समझ में आई आपको मैंने क्या बोला दोस्तों इस चैप्टर के अंदर में जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू थिंग्स है ना हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर दो में और ये दो चीजें कौन सी हैं प्यारे बच्चों देखो सबसे पहले वी आर गोइंग तो टू डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पृथ्वी की आंतरिक संरचना एंड दूसरी जो बात होगी वो होगी टाइप ऑफ रॉक चट्टान कितनी प्रकार की होती है इस पूरे चैप्टर में दो मेन बातों का यहाँ पे जिक्र किया है जब मैं इनसाइड ऑफ अर्थ पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो यहां तीन चीजें हैं क्रस्ट मेंटल और कोर ठीक है क्रस्ट मतलब भूपरपट्टी मेंटल मतलब आवरण और तीसरा है, कोर मतलब नाभिक इन तीन चीजों से मिलकर ये बना हुआ है जब हम क्रस्ट की बात करते हैं दोस्तों तो क्रस्ट सॉलिड अवस्था में क्योंकि बाहर है सबसे तो ठोस मिलता है उसके अलावा इसका मिनरल कंपोजिशन सियाल सिलिकॉन और मैग्नीशियम साथ ही साथ इसका घनत्व दो दशमलव सात ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है इसके अलावा बोलते हैं और मैग्नीशियम होता है साथ ही साथ में तीन से लेकर पांच ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व होता है इसके अलावा जब मैं कोर की बात करता हूं दोस्तों क्यों है क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर जाते हो दोस्तों तापमान बहुत बढ़ जाता है and that's why it is presenting liquid state द्रव अवस्था में होता है और इसका मिनरल कंपोजिशन निफे तो मैं बोला ना सियाल चाची सीमा भाभी और नफे चाचा ठीक है मैं हमेशा से बोलता हूँ, ये सियाल चाची है ये सीमा भाभी है और ये नफे चाचा हैं अपने सो so, इस प्रकार से आपको याद रखना है और इसका जो मिनरल कंपोजिशन है दैट इज 9 टू 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तो so, यहां पर ये हमारा खत्म होता है ठीक है दिस इज कंप्लीट अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो जो क्रस्ट होती है अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से देखूं जैसे महाशय जी ने बताया था अभी तो जो क्रस्ट है आपका वॉल्यूम के हिसाब से पूरी पृथ्वी का अगर आयतन आप देखो तो क्रस्ट इज जस्ट ओनली वन परसेंट एक प्रतिशत है ठीक है अगर पूरी पृथ्वी का आप वॉल्यूम हम देखते हैं कंसिडर करते हैं आयतन देखते हैं हम तो उस आयतन का उस वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ एक भाग क्रस्ट से बनता है ठीक है सर आप पूछोगे मेंटल से कितना बनता है तो मेंटल जो इट कंसिस्ट 84 ज्यादातर भाग मेंटल के अंदर आता है ठीक है वी कैन अंडरस्टैंड दिस सियाल चाची सीमा भाभी नेफे चाचा इन दिस फॉर्म हाँ याद रख सकते हैं आप ठीक है इसके अलावा कोर जो होता है दोस्तों कोर जो होता है इट ओनली कंटेन्स 15 ऑफ दी अर्थ पूरी पृथ्वी का 15 भाग क्या होता है दोस्तों कोर तो दिस इज द अर्थ डिवीजन बाय द वॉल्यूम ठीक है अगर आप अर्थ का डिवीजन वॉल्यूम वाइज करते हो तो इस प्रकार से आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा सो आपका 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 क्रस्ट मेंटल एंड क्या होता है दोस्तों कोर ये बात भी समझ में आ गई अब जो क्रस्ट है ना हमारी क्रस्ट को प्यारे बच्चों दो भागों में बांट लेते हैं हम ठीक है क्रस्ट का मतलब क्या होता है सर क्रस्ट का मतलब है जिसपे हम खड़े होते हैं है ना आप जिस पे खड़े हो ना भी दैट इज क्रस्ट मतलब पृथ्वी का ऊपरी भाग पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या होगा दोस्तों क्रस्ट होगा ठीक है होना ऐसा ही चाहिए पृथ्वी का ऊपरी भाग क्रस्ट होता है लेकिन जो एक क्रस्ट है ना इसको दो भागों में हम बांटते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा ध्यान से समझना मेरे साथ ठीक है आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ठीक है थोड़ा कला का बेहतरीन प्रदर्शन मैं यहां पे करूंगा नाराज मत हो जाना आप लोग कभी आप गुस्सा करो मेरे से कि सर ये क्या कर रहे हो आप थोड़ा सा लिटिल बिट कला का जो प्रदर्शन है वो हमें यहाँ पर करना पड़ता है ठीक है अब जब हम बात करते हैं दोस्तों क्रस्ट की ठीक है तो क्रस्ट हमें पता कैसे दिखता है मतलब हम कहते हैं कि जहां पे हम हैं तो बेसिकली हम इन पे रहते हैं ये महाद्वीप है सबको पता है दोस्तों दीज आर द कॉन्टिनेंट्स ये कॉन्टिनेंट हमारा नॉर्थ अमेरिका इसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या आपका अफ्रीका इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों यूरोप दिस इज नथिंग बट एशिया दिस इज ऑस्ट्रेलिया ये अपने कॉन्टिनेंट है ठीक है एक दो तीन चार पांच छोटे और एक जो कॉन्टिनेंट है अपना दैट इज हियर एंटार्क्टिका ठीक है अब मैं बात करता हूं दोस्तों अपने पास ओशियन की तो ओशियन कितने अपने पास दोस्तों जैसे ये है इसको हम बोलते हैं पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर दिस इज नथिंग बट नोन एज द एटलांटिक ओशियन इसको हम एटलांटिक महासागर बोलते हैं ये जो है हमारे पास दिस पार्ट दिस इज नोन एज द इंडियन ओशियन ठीक है इसको हम बोलते हैं हिंद महासागर तो इस प्रकार से अपने पास ये है 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 दिस इज फिर अगेन पैसिफिक ये जो है, इसको हम सदन ओशियन कहते हैं ठीक है? दक्षिणी ओशियन इसको सदन ओशियन सदन ओशियन बोलने का वो क्या है क्योंकि दक्षिण का लगभग सारा एरिया इसी में आता है और ऊपर जो है यहां पर यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या है दोस्तों आपका आर्कटिक ओशन कुल मिला के पांच महासागर और सात महाद्वीप है

क्या आपके घर में क्रस्ट हो होगी होगी तभी तो बना हुआ है वो आपके घर में क्रस्ट है तभी तो आपका घर टिका हुआ है घर के नीचे क्रस्ट है तभी तो घर टिका हुआ है आपके बराबर में जो तालाब है क्या उसमें क्रस्ट होगी हाँ होगी होगी उसमें फर्क क्या होगा दोस्तों उसकी क्रस्ट नीचे होगी बस उसकी क्रस्ट नीचे है और ऊपर पानी भरा हुआ है फर्क क्या है जो घर वाली है ठीक है घर वाली जो है वो मोटी है और जो बाहर सॉरी घर वाली जो क्रस्ट है क्रस्ट बोलना जरूरी है नहीं तुम गलत दिशा में चले जाओगे जो घर वाली क्रस्ट है वो ऊपर है मोटी है और जो बाहर वाली है क्रस्ट वो पतली है घर वाली क्या है मोटी है और बाहर वाली क्या है पतली क्रस्ट अब ये घर वाली है क्रस्ट यहां घर है ना हम रहते हैं यार कॉन्टिनें पे घर 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 कॉन्टिनें अपने क्या होगी घर तो घर वाली क्रस्ट क्या होगी मोटी और बाहर वाली क्रस्ट यानी कि

ियस बात है कौन सी स्ट्रॉग है भाई रिश्ता किसके साथ ज्यादा बेहतर है आपका घरवाली के साथ या अनडाउटली घरवाली के साथ क्रस्ट के साथ यहाँ पे ज्यादा गहरा रिश्ता है 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 आपका है ना तो ये मजबूत भी है। आसानी से किसको तोड़ा जा सकता है घरवाली को क्रस्ट को या बाहर वाली क्रस्ट को क्रस्ट बोल रहा हूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है घर वाली क्रष्ट को आसानी से तोड़ा जा सकता है बाहर वाली को ठीक <laughs> है दोस्तों बाहर वाली को क्योंकि पतली है ना ठीक है तो इसीलिए बाहर वाली क्रस्ट ज्यादा जल्दी टूटती है जब पृथ्वी के नीचे से लावा आता है इसीलिए 70 प्रतिशत और ज्वालामुखी समुद्र के अंदर होते हैं महाद्वीपीय है, महासागर की क्रस्ट में होते हैं इस क्रस्ट को बोलते हैं हम क्रस्ट इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसी आधार पर मैंने क्रस्ट को दो भागों में बांटा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट घर वाली क्रस्ट ठीक है एंड ओशोनिक क्रस्ट मतलब बाहर वाली क्रस्ट एमोटी होती है पतली होती है भैया मोटी कितनी मोटी होती है बताओ सर ये कम से कम पैंतीस और ज्यादा से ज्यादा पचास किलोमीटर की होती है और ये सर कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा पांच किलोमीटर की होती है। होती है ये ठीक है सिलिम हाँ भाई सिलिम टिरिंग और यी, यी फैटवा है ठीक है थोड़ा सा फैटवा है फैट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटी होती है दोस्तों ओशोनी क्रस्ट क्या होती है पतली अच्छा इसमें भी अगर मैं पूछूं ये इसकी विड्थ होगी अच्छा मिनरल कंपोजिशन आपको उसे कोई पूछे तो इसका मिनरल कंपोजिशन देखो वैसे तो क्रस्ट का पूरा मिनरल कंपोजिशन सियाल होता है लेकिन आपको अलग अलग पूछे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का सियाल होता है और ओशोनी क्रस्ट का थोड़ा सीमा लिख सकते हो आप ठीक है सिलिकॉन और मैग्नीशियम ठीक है ध्यान रखना आपको तो ये कॉन्टिनेंट वाली है तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये ओशियन हो गया तो हमारे पास दिस इज ओशोनी क्रस्ट तो क्रस्ट है कौन तो है। है सिर्फ सिर्फ कितनी मोटी है उसके आधार पे हमने इसको दो भागों में बांटा है इज इट ओके टू यू और नॉट समझ में गई बात ठीक है तो घर वाली और बाहर वाली का कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना बाहर वाली को तोड़ना आसान है बाहर वाली को छोड़ना भी आसान है क्रस्ट को ठीक है घर वाली को तोड़ना थोड़ा सा क्या होगा मुश्किल होगा वाई सो बिकॉज वो मोटी है भाई ठीक <laughs> है वो मोटी है वो ऐसे आएगी नहीं ना वो ऐसे छोड़ नहीं सकते उसको ठीक है बहुत रीति रिवाज के साथ लेके आए हो तो इसीलिए दोस्तों उसको तोड़ना भी मुश्किल होता है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर में वोल्केनिक एक्टिविटी कम होती है ठीक है ज्यादा जल्दी से ब्रेक नहीं होती इसके अंदर वोल्केनिक और आल्थक्विक एक्टिविटी क्या होती है आपका ज्यादा होती है सो डिवीजन ऑफ अर्थ अगर मैं बोलूं आपको तो मैंने आपको बोला बताया कि जैसे अभी आपने जो डिवीजन पढ़ा था ना ये ये क्रस्ट मेंटल कोर ये हमने किसके आधार पर किया है ऐसे अभी आपको इसमें नहीं पता चलेगा जब आप आगे पढ़ोगे ना ठीक है आगे जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि डिवीजन ऑफ अर्थ क्या होता है ठीक है अभी तो इसमें तो नॉर्मल सीधा पढ़ा दिया वैसे हम अर्थ का डिवीजन दो प्रकार से करते हैं पहला केमिकल और दूसरा मैकेनिकल डिवीजन अभी जो आपने पढ़ा दोस्तों ये हमने केमिकल डिवीज़न किया था केमिकल तो होता है हमने तीन भागों में बांटा है इसको दूसरा अगर मैं मैकेनिकल डिवीजन करता हूं तो इसके आधार पर भी हम चार भागों में यहां पे बांटते हैं जो मैंने अभी बताया था आपको ठीक है कौन कौन सा सबसे पहले होता है सर लिथोस्पेयर फिर होता है सर जी आपका एस्थेनो फिर होता है सर आपका मेजोस्फेर फिर होता है सर आपका बैरो बैरी या बैरोस्फेयर ठीक है ऐसे होता है अभी आपने ये तो पढ़ लिया क्रस्ट मेंटल कोर तो वो याद रखना ये एनसीईआरटी भी नहीं दिया मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि जो ये भाग होता है जो आपने मेंटल कोर पढ़ाया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सियाल सीमा और नेफे ठीक है क्या होता है दोस्तों सियाल सीमा और नफे ठीक है निफे अब ये पढ़ेंगे केमिकल डिवीजन के बाद में मैकेनिकल मैकेनिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों मैकेनिकल का मतलब उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर ठोस कितना है ड्यूरेबिलिटी कितनी है उसके आधार पर हम यहां पर इसको डिस्कस करेंगे तो इसके आधार पर हम इसको तीन भागों में बांटते हैं लिथोस्पेयर एस्थेनोस्पेयर मीजोस्पेयर और ब्रायोस्पेयर कैसे कैसे बांटोगे दोस्तों चलो मैं बताता हूं देखो जो सबसे ऊपरी भाग होता है हमारा ठीक है ये क्रस्ट का हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों क्रस्ट ये हो गया मेंटल ये तो पता होगा ना आपको ठीक है मैं आपको लिख देता हूं पहले ठीक है कि ये जो है अपने पास दिस इज क्रस्ट और उसके बाद ये जो है सारा ये मेंटल है और ये जो सारा है ये क्या है कोर ये जो है दोस्तों ये हमारा है आउटर कोर ये है हमारा आउटर कोर ये है हमारा सॉरी यार गलत लिख दिया ये है हमारा आउटर मेंटल ठीक है यह है हमारा इनर मेंटल यह है हमारा आउटर कोर यह है हमारा इनर कोर और यह जो है ऊपर वाला दिस इज अवर क्रस्ट ठीक है ये मैंने बता भी दिया आपको ये है अब मैं यहां पर मैकेनिकल डिवीजन के आधार पर कैसे कहता हूं देखो जो क्रस्ट प्लस में ये ऊपरी भाग है ना ये वाला भाग ये ये सॉलिड होता है इसको हम लिथोस्पेयर बोलते हैं क्या बोलते हैं इज़ सॉरी क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल ठीक है क्रस्ट प्लस में अपर पार्ट ऑफ मेंटल यानी कि आप इतना कह सकते हो ये वाला जो भाग है लिथोस्पेयर इसके बाद ये जो बचा हुआ मेंटल का भाग है दिस इज एस्थेनोस्फेयर फिर ये जो बचा आपका दोस्तों दिस इज मिजोस्फेयर और ये जो बचा आपका दोस्तों दिस इज ब्राइस्फेयर ठीक है तो इस प्रकार से हम इसको चार भागों में बांटते हैं मैकेनिकल डिवीजन ऑफ अर्थ ये दिया हुआ नहीं है तुम्हारी एनसीईआरटी में बट मैं पढ़ा रहा हूं ये कब आएगा सर ये मे बी एट्थ क्लास की एनसीईआरटी में आएगा, आएगा आपका ठीक है एट्थ क्लास की एनसीईआरटी में ये आएगा वहां पे हम और डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद रखना है क्या आपको बच्चों याद रखना है कि पृथ्वी को हम दो प्रकार से डिवाइड दिव, करते हैं जो अभी आप पीछे पढ़ के आए हो ठीक है ये जो आप पढ़ के आए हो मेंटल कोर वाला भाग ये वाला भाग ये क्या है केमिकल डिवीज़न क्योंकि हमने सियाल चाची सीमा भाभी नफे चाचा देखा फिर हमने देखा ठीक है ये वॉल्यूम के हिसाब से फिर हमने देखा कि जो घर वाली और बाहर वाली का कॉन्सेप्ट है वो उसके बाद में मैंने क्या बताया आपको दोस्तों केमिकल डिवीजन और मैकेनिकल डिवीजन दो तरीकों से हमने बांटा ठीक है केमिकल डिवीजन के अंदर में हम तीन भाग में बांटते हैं सियाल सीमा नफे और इधर हम चार भागों में बांटते हैं लिथोस्पेर एस्थेनोस्पेयर मिजोस्पेयर और ब्रोस्पेयर सो दिस इज द कंप्लीट डिवीजन ऑफ द अर्थ तो एक केमिकल डिवीजन के आधार पर और दूसरा क्या होता है दोस्तों हमारे पास मैकेनिकल डिवीजन नाउ दिस इज मैकेनिकल मैकेनिकल मतलब उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर ठोस रिजिडिटी के आधार पर तो रिजिडिटी के आधार पर हम बांटते हैं ते, 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 आपका तीन भागों में जो ऊपरी क्रस्ट होता है प्लस आपका मेंटल का बाहरी भाग जो होता है उसको मिला के हम क्या कह देते हैं लिथोस्पेयर लिथो Litho मतलब सॉलिड रॉक ठोस तो उसको लिथोस्पेयर कहते हैं उसके बाद सेकेंड जो भाग बच जाता है उसको एस्थेनोस्पेयर उसके बाद में बच गया जिसको मिजोस्पेयर मध्यमंडल और उसके बाद लास्ट अपना आता है दोस्तों दैट इज ब्रायोस्पेयर ठीक है ब्रायोस्पेयर बैरी कुछ भी कह सकते हो तो ये हो गया हमारे पास पृथ्वी के बारे में

आप सुन ही नहीं रहे साइफ़ा इरफान क्या सुनूं मैं आपकी बात बताओ क्या लिख रखा है आपने देखो क्या ये कोई पूछने की बात है इसके बाद जिंदगी में सुनूंगा भी नहीं तुम्हें मैं सोच रहा हूं कोई डाउट पूछ रखा है ये कह रही क्लास नौवीं कब स्टार्ट होगी नाइन्थ क्लास कब स्टार्ट नाइन्थ पता कब होगी सातवीं सातवीं के बाद आठवीं आती है आठवीं के बाद नौवीं आती है मुझे गिनती भी सिखानी पड़ेगी अभी आपको पहले आठवीं सातवीं की खत्म कराऊंगा फिर आठवीं कराऊंगा फिर नौवीं आएगी पता चला आपको अब भाई साहब ऐसे लिख रखा था जैसे पता नहीं कितना भारी डाउट पूछ रखा था ओलंपियाड में आया हुआ डाउट पूछ रखा था कि आप सुन ही नहीं रहे हो ये बताने के लिए आपने कहा था कि सर सुन नहीं रहे हो ग्रो अप यार यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी और सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो अगर आप सिर्फ दिखावा दे रहे हो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हो तो ये सब चीज़ चलेगी लेकिन इफ यू आर अ सीरियस एस्परेंट ये चीज नहीं चलेगी ये चीज नहीं चलेगी स्टॉप डिमांडिंग ठीक है स्टार्ट डूइंग हर चीज का मांगने की कोशिश मत करो कि कब होगा डिमांड मत किया करो जब होगी तो तुम्हें पता चलेगी तब करना चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू करो यार इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो समझ रहे हो ऐसी स्टूपिड चीजें मत पूछा करो सिविल सर्विस यू आर अस्पिरेंट ठीक है सिविल सर्विस एस्पेरेंट और मतलब हाउ कैन यू थिंक यार की यह सब छोटी छोटी बातें सुगली सुगली बातें पूछ सकते हो छी छी कौन पूछता है ऐसी बात भाई अरे इट्स नॉट अबाउट इग्नोर साइफा मुझे पता है एक बात और बताता हूं मैं अगर कुछ ऐसा बोलता हूं ना तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग डिमोरलाइज हो मैं चाहता हूं आपके अंदर वो एटीट्यूड आए यार कि बाकी चैनलों पे बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं पता है सारे चैनल देखोगे ना चैट में बकवास से ही चलती रहती है मैं पहले मुझे कम बच्चे चाहिए लेकिन मुझे वो बच्चा चाहिए जो पढ़ने आया है यहाँ पे मुझे वो बच्चा मुझे एक माहौल क्रिएट करना है यार लोग बोलते हैं ऑफलाइन में माहौल होता है मैं ऑनलाइन में माहौल बनाऊंगा ना यहाँ पे मेरा एक पर्सनल एम्बिशन है भाई ये चाहता हूं मैं बस मैं आप लोगों का ना जब आप पहले दिन से तैयारी करने बैठ गए मैं चाहता हूं आपका माइंड सेट वही हो आपका माइंड सेट मुझे आई बनने से पहले आई वाला चाहिए तब है मजा नहीं आई बात समझ में मेरी मैं क्या चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं ना मैं चाहता हूं कि आई बनने से पहले आप आईएस वाला माइंड सेट रखें इतनी मेचोरिटी और एक दिन में नहीं आएगी कि बूम आ गई धीरे धीरे करनी पड़ेगी ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे ठीक है और देखो आई का गेम अलग है यार यहां अलग चीज है बाकी लोगों की सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करते हैं क्योंकि सर बहुत सेफ है एक बार आपको नौकरी मिल गई तो आप जॉब से कोई निकालेगा नहीं आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी के चक्कर में पड़े हैं वो सात साल आठ आठ साल धुन में लगे पड़े हैं तैयारी कर रहे हैं छोटे किसी किसी एग्जाम की आई का एग्जाम इज डिफरेंट अगर आपको ऐसी सेफ्टी के चक्कर में और ऐसा आप आसानी से कुछ चाह रहे हो ना तो गो टू दो गो फॉर एग्जामिनेशन आई एस एग्जामिनेशन इज समथिंग डिफरेंट इसमें अपना अलग टेम्परामेंट आपको चाहिए एक अलग सोच चाहिए एक अलग अप्रोच चाहिए एक अलग मेचोरिटी आपको चाहिए होती है इस एग्जाम के लिए और वो अभी से आएगी ठीक है एंड दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मुझे आपकी वो क्रिएट करानी है अभी से ठीक है सो डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे मैं आपको कुछ गलत नहीं बोलना चाह रहा ठीक है बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि यू आर प्रिपेयर फॉर दैट मोमेंट अभी से मुस्ते मोमेंट के लिए प्रिपेयर रहो ठीक है बाकी टेंशन ना लो क्लास के अंदर खूब मजे आएंगे इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं चलिए अब आते हैं टाइप ऑफ रॉक के ऊपर देखो तीन प्रकार की चट्टान यहां पे बोली गई है पहला बोला गया इग्नीशियस रॉक दूसरा बोला गया सेडिमेंटरी रॉक और तीसरा बोला गया मेटामॉर्फिक रॉक इग्निशियस का मतलब क्या होता है दोस्तों इसको हम बोलते हैं आग्ने चट्टान हो सकता है वही मैं थोड़ा सा गलत लिख दू इसमें ठीक है मतलब आगने कुछ ऐसा लिखा जाएगा हिंदी में लिख लेना आप आपने चट्टान बोलते हैं इनको सेडिमेंट्री को बोलते हैं कायांत्रित चट्टान और मेटामोर्फिक को बोलते हैं दोस्तों हम क्या सेडिमेंट्री को बोलते हैं औसादी चट्टान और इसको बोलते हैं कायांत्रित तो आग्ने चट्टान अवसादी चट्टान आग्ने अवसादी और कायांत्रित ठीक है सो कितना हो गया अपने पास वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ अरे पूछने पे छी नहीं किया भाई मैंने पूछने पे छी थोड़ी ना किया है काका <laughs> मैं, मैं ऐसी बातें मत पूछना ठीक है चलिए तो इसके अंदर में हम तीन चीजें बता रहा हूं मैं आपको पहला है है रॉक का मतलब आग्ने चट्टान आग से बनती है ना पृथ्वी के अंदर आग कहां से आई मैं जला के आया था अरे जो लावा निकलता है वो आग ही होती है तो जब लावा निकलता है लावा ठंडा होता है उससे जो चट्टान बनती है आग्ने चट्टान कहते हैं उसको क्या बोलते हैं आग्ने ठीक है बनगी ओके okay. अब आग्ने चट्टान भी दो प्रकार की कई बार लावा धरती को तोड़ के बाहर आ जाता है कमजोर मिली धरती को तोड़ के बाहर आएगा बाहर आके बनाएगा और कई बार वो धरती के नीचे ही ठंडा हो जाता है बाहर आएगा तो एक्सक्लूसिव रॉक और अंदर ठंडा हो गया तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव हिंदी वाले बच्चे टेंशन ना लो ठीक है मैं अलग से उनके लिए हिंदी के लिए स्पेशल मैंने स्टार्ट कर दिया है और मंडे से आपकी क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी ठीक है। क्लास आपकी मंडे से शुरू हो जाएगी उसकी मंडे आई थिंक मंडे हाँ मंडे या ट्यूसडे से हम उसको शुरू कर देंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें हिंदी वालों को भी मिल जाएगी तो पहला इग्निशियस रॉक दूसरा आ गया मेटामॉर्फिक आप देखो सुनो लावा बाहर निकल गया चट्टान बन गई अब क्या होता है पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें हैं ना हवा पानी वो क्या करती है उसको काटती हैं काटती हैं तो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं उन छोटे टुकड़ों को बोलते हैं सेडिमेंट्स अवसाद क्या बोलते हैं सेडिमेंट्स अवसाद अब जब वो अवसाद छोटे 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 से जमा होते रहते हैं उन पर हीट और प्रेशर लगता है तो वो जम के वो भी चट्टान बना देते हैं और उसको फिर हम बोल देते हैं सेडिमेंट्री रॉक क्या बोल देते हैं उसको सेडिमेंट से बनी इनको बोल देते हैं हम अवसादी चट्टान बन गई भाई इसके टूटने से ये बनती है अवसादी चट्टान जो होती है और आगने चट्टान दोनों ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम अगर आप इनको बहुत एक्सेसिव हीट और प्रेशर में रख दो तो इनका स्वरूप बदल जाता है ये रूप बदल लेती है चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो जैसे संगमरमर बनता है ना पता है ना कैसे बनता है इसी प्रकार से जब एक्सेसिव हीट में रखते हो तो ये चट्टान अपनी जो फॉर्म है अपना जो प्रकार है बदल लेती है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या बोलते हैं मेटा तो तीन तरीके की होगी पहला है इग्निशियस रॉक इग्निशियस रॉक का मतलब क्या जब पृथ्वी से लावा बाहर निकलेगा आग बाहर निकलेगी आग ने चट्टान बोलते हैं तो वो जब क्रस्ट को तोड़ के बाहर निकलेगी दोस्तों तो लावा अगर बाहर आके ठंडा होता है तो एक्सक्लूसिव और अंदर ठंडा होता है तो इंट्रूसिव

एक लेटिन वर्ड से मिलकर बना है जिसका नाम है इग्निस इग्निस का मतलब होता है फायर आग और आग कहां से निकलती है धरती के अंदर से जब लावा निकलता है तो लावा इज बेसिकली फॉर्म ऑफ आग ही तो होती है लावा और क्या होता है तो वो इग्निस सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री का लेटिन वर्ड से बनता है जिसका नाम है सेडिमेंटम सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन टू सेटल डाउन जो सेटल डाउन होता है उसको सेडिमेंटम बोलते हैं एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक तो मेटामॉर्फिक भी ग्रीक वर्ड से बना है जिसका नाम है metamorphose, और मेटामोरफोज का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म आपकी फॉर्म का बदलना प्र, प्रकार का बदलना सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ रॉक फर्स्ट इज इग्निशियस रॉक सेकेंड इज द सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड इज द मेटामॉर्फिक रॉक तीन अलग अलग प्रकार की रॉक्स हैं जो हमें यहां पर पढ़नी है ठीक है आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट आप मेरी बात को समझ पा रहे हो दोस्तों देखो अगर मैं बता देता हूं अगर जिंदगी के मजे लेने हैं तो बाहर जाके ऑफलाइन पढ़ सकते हो लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन क्या है देखो जनरली जो ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो फंडा होता है वो कहां फंसता है मैं बताता हूं बच्चा ऑफलाइन इसलिए नहीं जाना चाहता कि उसको ऑफलाइन में पढ़ाई ऑफलाइन में यकीन मानना इससे घटिया पढ़ाई होती है ऑफलाइन में कोई पढ़ाई नहीं होती मैं आपको बता रहा हूं टीचर खड़ा रहेगा बोलता रहेगा मैं ऑफलाइन में पढ़ाया भाई मैंने मुझे ऑफलाइन से चार गुना ज्यादा काम करना पड़ता है ऑनलाइन में ऑफलाइन में मैं थोड़ी ना बनाऊंगा मैं बोल दूंगा लिखो भाई बच्चों चट्टान तीन प्रकार की होती तुम सारे दिन लिखे लिखते ही रहोगे क्लास में तुम्हारा लिखने में टाइम जाता है यहाँ समझते हो कंटेंट मिल जाता है समझ नहीं बात आपको ठीक है वहाँ यार ऑफलाइन में अगर आप मेरे से पूछो एज अ टीचर मुझे मेरे लिए ऑफलाइन बेटर है मुझे आसानी पड़ती है मैं कम पढ़ाता हूँ चलता है यार मजाक कर लूँगा हंसी मजाक करूंगा ये चलता है लेकिन बच्चे को ऑफलाइन अच्छा नहीं है लेकिन ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है दोस्तों एक एक्सपीरियंस बाहर जाते हो घर वालों का वो नहीं रहता रूम लेके रहते हो बॉयफ्रेंड बनते हैं गर्लफ्रेंड बनते हैं कई तो भाई साहब एक साथ भी रहते हैं लिव इन में भी रहते हैं ठीक है ये एक अलग एक्सपीरियंस है मतलब ऐसा करने के लिए लोग अभी भी जा रहे हैं बहुत सारे वो दिल्ली आ जाते हैं बट पढ़ते ऑनलाइन ही हैं कितने ऐसे बच्चे बता दूं मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के जो इंस्टीट्यूट्स में हैं बट वो मेरी क्लासेस देखते हैं उनके में मेरे को मेल आते हैं कि सर हम यहाँ पे भी इतनी फीस दे दी लेकिन जो हमने यूट्यूब से सिर्फ यूट्यूब से आपके साथ सीख लिया ना वो बहुत बड़ा है बहुत ज़्यादा है यहाँ से तो गाइज अगर आपको बाहर भी पढ़ना है तो जाओगे तुम बाहर लेकिन पढ़ोगे यहीं से मैं बता रहा हूँ तुम्हें ठीक है ये मैं आपको बता रहा हूँ हाँ आज जा, जाते हैं अभी अपने पंकज सर का पंकज सर ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ देखते हैं बच्चे मथुरा से आके यहाँ पे रह रहे हैं कोई कानपुर से आके यहाँ रह रहा है और रह रहा है बस सिर्फ इसी चीज़ के लिए उनको पढ़ाई से मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कुछ अंतर है सेम चीज़ है बट जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया डिफरेंस इज एक्सपीरियंस ठीक है ना तो वो तो वैसे भी चले जाओ बाहर कहीं पे भी जाके पढ़ लो ऑफलाइन ऑनलाइन का जिक्र मत करो ये बोलो कि हाँ बाहर जाके रूम पे रहना है अकेले रहना है ठीक है और एक्सपीरियंस मैं गलत नहीं मानता उसको दिस इज द एज आप इसमें कुछ भी कर लो भाई ठीक है मैं उसको गलत नहीं मानता बट आप इसको ऐसे ऑफलाइन और ऑफलाइन ऑनलाइन के का कंपिटिशन मत बनाओ ठीक है इट्स अबाउट योर चॉइस इट्स अबाउट आपका इच्छा है बाहर रहने का ये मत बोलो कि हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं दैट इज नॉन सेंस नॉन सेंस बोल चलो तो मैंने क्या बोला तीन प्रकार की चट्टानें होती है दोस्तों आग्न चट्टान अवसादी चट्टान और रूपांतरित बात है तो ये जम जाती है आग्ने आग से बनती है लावा निकल के इनको बनाता है जब ये लावे से बन जाती है उसके बाद पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें हवा पानी इस पर काम करता है इसको काट देता है जब कट जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है उन छोटे टुकड़ों को बोलते हैं क्या अवसाद और जब वो अवसाद जमा होते हैं तो उनको बोलते हैं हम अवसादी चट्टाने ठीक है इसी प्रकार से तीसरा है रूपांतरिक चट्टान और रूपांतरिक चट्टान का मतलब क्या है दोस्तों इसका मतलब है मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिज्म ठीक है मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है जिसने अपना रूप बदला है तो इग्निस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक दीज आर द थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ द रॉक्स वी है वी आर स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया ठीक है मैंने क्या पढ़ाया दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक

दूसरा बढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्री का मतलब है जो से मिलकर बनती है जो आगने क्यों? और वो सेडिमेंट्स जब जमा होंगे तो उनसे क्या बनेगी दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टान तो रॉक अवसादों के संपीडन और उनके गठित होने से बनती है इन तलछटों को हवा पानी आदि के द्वारा लाया जाता है मैंने बताया भाई ये कटेगी कटेगी तो हवा पानी ये जो है इनको लेके आएंगे ठीक है उसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो ये आपका अवसादी चट्टान बन जाएगी बलवा पत्थर आपको पता है बालू बलवा पत्थर जो होता है ठीक है सो so, सैंडस्टोन जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं सैंड स्टोन अब ये सैंड का स्टोन होता है सैंड होती है बालू रेत जो होता है ना बालू तो बालू पर दबाव जब बनता है पड़ता है बालू जब, जब जमा होता है तो उससे बलुआ पत्थर बनता है सैंडस्टोन बन जाता है तो सैंडस्टोन इज एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक ठीक है

प्रेस हो जाते हैं पिस जाते हैं बंद जाते हैं तो उनसे क्या बनता है दोस्तों उनके सेडिमेंट से बनता है आपका ये दीज सेडीमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय द विंड वाटर एक्सेट्रा इनको जो मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो हवा और पानी के द्वारा किया जाता है इसका एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं जैसे सैंड स्टोन हो गया ना आपका सैंडस्टोन किससे मिलकर कि मिल बनता है दोस्तों ये ग्रेन से मिलकर बनता है ग्रेन्स ऑफ सैंड जो मिट्टी है ना उससे बनता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों दिस इज नॉन द स्टोन सो दिस इज नोन एज द सेडिमेंट्री रॉक इसको हम कहते हैं सेडिमेंट रॉक अब आती है मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक क्या होती है प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया चाहे आग्ने चट्टान हो चाहे अवसादी हो चाहे इग्निशियस हो चाहे आपका हो। जब आप इन पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे बहुत ज्यादा तापमान के अंदर रखोगे so और रिजल्ट फ्रॉम द ऑल्टरेशन ऑफ द प्री एगिस्टिंग रॉक इन द रिस्पॉन्स ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड हीट मतलब जो पहले चट्टान थी वो बदल गई किसकी वजह से बिकॉज ऑफ द वेरियस फोर्सेज एंड दीज फोर्स आर टेम्परेचर प्रेशर एंड हीट इनकी वजह से बदल जाती है द प्री एग्जिस्टिंग रॉक में भी इग्निशियस इससे पहले स्टार्टिंग जब हुई थी तो हो सकता है चट्टान वो चट्टानियस रही हो हो सकता है वो चट्टान सेडिमेंटरी रही हो बट अब वो चेंज हो गई है अब वो बदल गई है किसकी वजह से तापमान की वजह से वायुदाब की वजह से और ज्यादा एक्सेसिव हीट की वजह से अब हम उस चट्टान को मेटामॉर्फिक चट्टान कहेंगे क्या बोलेंगे मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टान कहेंगे क्ले चेंज इनटू द स्लेट आपको बताया जो चिकनी मिट्टी होती है जो आपकी स्लेट होती है ना स्लेट अब ज्यादा वो का चट्टान है ठीक है चट्टान चट्टान है है मेटामॉर्फिक आप लिखते थे बचपन में तो स्लेट किससे बनती है क्ले से चिकनी मिट्टी से लाइम जो होता है ना चूना चूना किस में बदल जाता है दोस्तों मार्बल संगमरमर चूना पत्थर जो होता है ना उस पर जब एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर लगाओगे तो दैट विल कन्वर्ट इन द मार्बल ये पता चला आपको आज ठीक है ठीक है चलिए अच्छा दोस्तों एक मैं जो अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों अपने देखो को कोर्स आ रहे हैं और कोर्स के साथ साथ एक अच्छी चीज जो आ रही है वो क्या है कि अगर मेरा कोड लेके सुमित टेन कोड यूज करके अगर आप अभी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना तो दोस्तों आपको मिल रहा है खास डिस्काउंट ठीक है और ये सिर्फ और सिर्फ अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन जब सुमित टेन के सब्सक्रिप्शन पे ही है तो ये मैंने आपको देखो लि लिंक दे दिया है जो बच्चे वन टाइम सब्सक्राइब करना चाहते हैं दे कैन यूज दिस कोड दो कोड आ रहे हैं दो कोर्स आ रहे हैं मेरे देखो, मैं पहले बता देता हूं अभी एनसीआर का कोर्स आएगा और एक ऑप्शनल का कोर्स आपका नवंबर में आ जाएगा ठीक है उसके बाद दिसंबर के अंदर में हमारा आएगा गुरुकुल मेन्स जनवरी के अंदर में आएगा मेरा जोग्राफी का और एनवायरमेंट का इंडिपेंडेंट कोर्स फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में हमारा गुरुकुल थ्री पॉइंट जो पूरी टीम का ही आ जाएगा तो ये मेरी अभी मैं एडवांस में ही बता देता हूँ इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा जो है कोर्स चलेगा है ना और मैं उसकी पूरी प्रिपरेशन अभी से कर रहा हूं ठीक है मैं उसका कोर्स अभी से बना रहा हूं डिजाइन कर रहा हूं सारी की सारी चीजें हैं तो अभी अपने कोर्स लगातार आने वाले हैं और इसी में एक अच्छा ऑफर अपने को मिला अच्छा ऑफर क्या है दोस्तों टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है जैसे एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है ना आपका उसका जो प्राइस है वैसे था अभी सत्तावन आपको अभी सिर्फ छियालीस में मिल रहा है दो साल का जो प्राइस ऐसे ही आप देखोगे तो उस उसपे भी डिस्काउंट है तो अभी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है और ये डिस्काउंट सिर्फ सुमित टेन कोड पे है तो या तो आप सीधा मेरे से बात कर लो ठीक है सीधा इस लिंक का इस्तेमाल कर लो मुझे मेल भी कर सकते हो या जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है आप देखोगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया है उस गूगल फॉर्म को भर दो आपके पास मेरी टीम कॉल कर लेंगी एंड वो आपका लोन अरेंज करा देगी लेकिन याद रखना एक बात आपको वो बात क्या है दोस्तों कि आपको कोड सिर्फ सुमिट टेन यूज़ करना है टीम को बोल देना कि मैं सुमिट टेन कोड ही लगाएंगे अगर वो आपको बोलते हैं कोई और कोड है ऐसा है वैसा है तो यूज ही मत करना ज्वाइन ही मत करना और अगर फिर भी कुछ कहें तो रिकॉर्ड कर लो और मुझे रिकॉर्डिंग भेज दो मेरे इंस्टाग्राम पे भेज दो फिर देखते हैं ठीक है तो ये बात ध्यान रखना है कई बार बच्चे ऐसे अड़च जाते हैं ठीक है बाद में कहते हैं सर हम तो आपसे ही करना चाहते हैं बट कोड दूसरा लग गया फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अब मैंने क्या बोला जो इग्निशियस रॉक है जो आग्ने चट्टान है प्यारे बच्चों वो दो प्रकार की होती है पहली जो होती है आग्ने चट्टानों के अंदर उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव इंक्लूसिव मतलब क्या कि जब लावा पृथ्वी के अंदर

अच्छा टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक मैं ये बता रहा हूं देखो बाहर आया ठीक है ये मतलब तो तो ठीक है? तो है जैसे लावा निकलेगा तो अलग अलग ऊपर सबसे यंग लावा होगा जैसे जैसे नीचे जाओगे तो ये पुराना लावा आ गया सबसे यंग लावा ऊपर आता है एक नली होती है जिससे लावा बाहर निकलता है इसको हम बोलते हैं वोल्केनिक पाइप फीडर पाइप कह सकते हो ठीक है ये जो ऊपरी भाग होता है इसका इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों क्रेटर हिंदी में भी क्रेटर ही कहेंगे इसको हिंदी में भी क्रेटर कहेंगे ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है अब जब अंदर बनेगा तो देखो अंदर जब जमा हो जाता है तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है ठीक है है अब इनको अलग अलग नाम देते हैं क्रस्ट है, अंदर ही जमा हो गया इसको ऐसा बन गया तो इसको बोलेंगे बैथोलिथ अब ऐसा साइड में जाके ऐसे हॉरिजॉन्टली जमा होता है तो उसको सिल्क बोलते हैं अब ऐसे खड़ा वर्टिकल होता है तो इसको डाइक बोलते हैं अब ऐसे डोम शेप बनाएगा तो लैकोलिथ ये मैग्मा है तो ऐसे अलग अलग नाम है इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको आगे आने वाले चैप्टर में इसमें डिटेल से डिस्कशन होगा ठीक है शिवानशु ओशियन का स्ट्रक्चर इसमें नहीं आता ओशियन की बात ही नहीं करनी ओशियन का नाम क्यों ले रहे हो आप क्रस्ट की बात करो ना ओशियन होगा तो इसके ऊपर होगा ना मैं अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूं अब भले इसके ऊपर कुछ भी हो जाए समुद्र होगा तो भी बाहर निकलेगा तो ऐसा बनेगा नहीं होगा तो भी नहीं बनेगा सिंपल बात है कंफ्यूज मत हुआ करो मैं क्रस्ट की बात बोल रहा हूं क्रस्ट दोनों टाइप की क्रस्ट होती है अर्थ की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी और ओशियोनिक क्रस्ट भी तो चाहे वो कॉन्टिनेंट के नीचे आ रहा हो चाहे ओशियन के ऐसा ही बनेगा ठीक है हर बार बोलता हूं मैं बेसिक शुड बी स्ट्रांग आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए वरना ऐसे ही फंस जाओगे बेसिक्स पे काम करोगे तो ऐसी ऐसे जो डाउट्स हैं आपको कभी नहीं आएंगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब ये रॉक का साइकिल होता है चट्टान का प्रकार देखो चट्टान कैसे बनती सबसे पहले मैग्मा बाहर निकलेगा तो मैग्मा बाहर निकलेगा तो मैग्मा बाहर निकलेगा तो इससे फिर चट्टान बनेगी हमारी इस प्रकार से रॉक ठीक है 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 जैसे ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट होता का पत्थर ना देखा होगा ना आपने सो ग्रेनाइट का पत्थर किससे बनता है दोस्तों वो मैग्मा से बनता है अब जब ये टूट जाएगा ठीक है तो छोट छोटे छोटे अवसाद बन जाएंगे तलछट बन जाएंगे ठीक है अब ये तलछट छोट छोटे छोटे टूट के जब जमा हो जाएंगे तो इनसे अवसादी चट्टान बन जाएगी ऐसे और अवसादी चट्टानों को इस पर जब आप भैसर लगाओगे तो इनका रूप बदल जाता है इनको बोलते हैं सो दिस इज अबाउट द रॉक साइकिल ये चट्टान का प्रकार है चट्टान का साइकिल है भारत के अंदर में और दुनिया के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने इन्हीं से बनाया जैसे रेड फोर्ट जो है वो आपका लाल चूना पत्थर से बना है सैंडस्टोन से बना है बालू पत्थर ये बालू के पत्थर है सोचो इनसे बना हुआ है ऐसे ही ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना है ठीक है व्हाइट मार्बल कैसे बनता है व्हाइट मार्बल कैसी है बताओ ये आपका अवसादी चट्टान है और ये कैसी है मेटामोर्फिक चट्टान सैंडस्टोन चूना पत्थर पे जब दबाव डालते हो तो ये बनता है बालू पत्थर बालू जब इकट्ठा होता है तो बालू पत्थर बनता है उसका यह ठीक है क्लियर है ये बात याद रहेगी आपको प्यारे बच्चों आज का जो टॉपिक है बेसिकली इसके अंदर में बात की गई देखो जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है जिसको हम कहते हैं लिथोस्पेर मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था पिछली क्लास में बताया था पृथ्वी के अंदर में ना तीन इंपॉर्टेंट भाग होते हैं ठीक है ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट ये उसके बाद आउटर मोस्ट पार्ट ऐसे कुल मिला तीन भाग बनते हैं हमारे पास ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट इसके बाद ये जो है आपका ये दूसरा पार्ट है और ये जो है ये आपका तीसरा पार्ट है ठीक है तीन पार्ट आपके बनते हैं सबसे बाहरी जो पार्ट पार्ट होता है उस को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों दिस इज नथिंग बट नॉन एज द दिथोस्पे इसके बाद जो दूसरा होता है दोस्तों ठीक है नॉट लिथोस्पेयर हम इसको बोलते हैं आपका क्रस्ट ठीक है क्या बोलते हैं दोस्तों इसको क्रस्ट इसके बाद ये जो भाग होता है प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है मेंटल और ये जो भाग होता है इसको कहा जाता है कोर cool. मैंने आपको बताया था ठीक है सबके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि जो क्रस्ट होता है बच्चों वो कैसा होता है सर सॉलिड सॉलिड क्यों सर बिकॉज सबसे बाहर है मेंटल जो होता है ना ये होता है हमारे पास सर सेमी सॉलिड सर ऐसा क्यों जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं दोस्तों जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाओगे डेप्थ बढ़ेगी तो आपका तापमान भी बढ़ता है साथ साथ में डेप्थ के साथ साथ आपका प्रेशर भी बढ़ता है तो जैसे जैसे अंदर जाओगे ये भाग पिघल जाता है जब मैं कोर की बात करता हूं प्यारे बच्चों तो कोर जो है हमारे पास किस स्टेट में होता है इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट ये द्रव अवस्था में पाया जाता है एंड इज बिकॉज ऑफ इस टेम्परेचर ठीक है क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाएंगे तापमान बढ़ेगा अब ध्यान देंगे यहां पर इनका क्या मिनरल कंपोजिशन था उस इसको हम बोलते थे सियाल चाची इसको हम बोलते थे आपका सीमा भाभी और तीसरा जो है दैट इज नफे चाचा ठीक है मैंने बताया आपको सियाल चाची यहां पर है हमारे पास सीमा भाभी और यहां पर है हमारे पास दोस्तों नफे चाचा ठीक है यहां पर कौन है नफे चाचा तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है दोस्तों इनका मिनरल कंपोजिशन आपको पता होगा मैं जब भी अर्थ स्ट्रक्चर की बात करता हूं जब भी मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करता हूं जब भी मैं इंटरनल स्ट्रक्चर

तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो मैकेनिकली भी हम इसको कुछ भागों में बांट लेते हैं आपको पता भी है ठीक है फिर भी मैं एक बार बताऊंगा आपको पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ठीक है सबसे जो ऊपरी भाग होता है प्यारे बच्चों ठीक है ये जो ऊपरी भाग होता है इसको हम बोलते हैं आपका क्रस्ट ये मेंटल है और ये क्या है कोर अब आपको पता है कोर भी दो भागों में बटा हुआ है आउटर कोर इनर कोर ये भी दो भागों में बटा हुआ है ठीक है सबको बताऊंगा जैसे ये जो है हमारे पास दिस इज द क्रस्ट ये महाद्वीप की क्रस्ट मोटी है मैंने बताया था बाहर घर वाली ये महासागर की क्रस्ट क्या है पतली है ठीक है मोटी और पतली है क्रस्ट के बाद में दोस्तों ये कोर है है ठीक मेंटल इसकी अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो ये मेरे पास है आउटर मेंटल ठीक है ये आउटर मेंटल है और ये जो है दिस इज द इनर मेंटल ठीक है ये क्या है इनर मेंटल संख्या आपकी बहुत कम है मुझे लगता है बंद ही करना पड़ेगा ठीक है आज लास्ट करते हैं कल से एनसीआरटीए पर नहीं करेंगे सो so, ये इनर कोर है इसके बाद में यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये है मेरे पास आउटर कोर और ये है मेरे पास क्या बच्चों इनर कोर ठीक है तो ये हो गया अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये जो पार्ट होता है क्रस्ट का और आप ऊपरी मेंटल का आउटर मेंटल का ऊपरी भाग भाई इसको मैंने नाम दिया था क्या आपके सामने इसको मैंने नाम दिया था सर लिथोस्पेयर क्या नाम दिया था लिथोस्पेयर इसके बाद जो बची हुई मेंटल है यह वाला जो भाग है इसको हमने नाम दिया था आपका एस्थेनोस्फेर इसके बाद यह जो भाग हो गया इसको हमने नाम दिया था क्या दोस्तों आपका That is, मिजो And ये जो भाग होता है दोस्तों इसको हम बोलते हैं आपका ब्रायोस्फेयर ठीक है तो इस प्रकार से हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया चार पार्ट में यह अब ये नो नो प्लीज कोई नहीं करेगा ठीक है मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ ये नो no, नो no, अभी कोई नहीं करेगा ठीक है ये दोबारा मुझे मैसेज दिखा तो मैं क्लास अभी बंद कर दूंगा ठीक है डोंट से दिस ठीक है डोंट से दिस अभी कोई क्लास में नहीं करेगा कुछ भी नहीं लिखेगा सीधा आप क्लास में पढ़ाई करोगे ये किसी का भी मुझे मैसेज दिखा तो मैं इमीडिएटली क्लास बंद कर दूंगा मैं बता रहा हूँ आपको मैंने क्या बोला था कि जो लिथोस्पेर है ना अपना है, ये जो भाग है लिथोस्पेर ये लगातार चेंज होता रहता है अब इस लिथोस्पेयर स्पेयर के ऊपर में जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है यहां पर बहुत सारे एजेंट्स काम करते हैं ठीक है ठीके? बहुत सारे बल लगते हैं पृथ्वी के अंदर ठीक मुख्यत है मुख्यतः इस लिथोस्पेयर पे बहुत सारे बल काम करते हैं ये बल कुछ बाहर से भी होते हैं और कुछ बल जो है वो आपके क्या होते हैं अंदर से भी होते हैं इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पृथ्वी पर आप ऐसे देख सकते हो दोस्तों अगर ये हमारी पृथ्वी है ठीक है आपको पता है अंदर जाएंगे तो क्या है लावा है मोल्टन लावा मैग्मा ठीक है तो एक तो वो बल लगाता है क्योंकि आपको पता है दोस्तों लावा जो है आपका वो स्टेबल नहीं रहता ठीक है भाई अगर मैं बात करूं आपका कि ये चलो ये सतह मान लेती है सरफेस मान ली मैंने ठीक है ऐसे तो पृथ्वी के अंदर जो है ना वो क्या भरा पड़ा है दोस्तों आपका आपका पृथ्वी के अंदर इनफाइनाइट अमाउंट के अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर में आपका क्या है दोस्तों लावा और ये लावा आया कहां से यू ऑल नो दैट ये लावा कैसे आता है सर ये लावा आता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा है पृथ्वी के अंदर में क्या है दोस्तों ये लावा भरा पड़ा है ठीक है अब मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों यहां से अगर मैं बात करता हूं तो ये लावा जो होता है इट विल राइज है ये कन्वेक्शन करंट के माध्यम से ऊपर आता है ठीक है ऐसे ऊपर आएगा यहां से ऊपर आएगा और ऊपर आके दोस्तों ये क्या करता है आपका दोस्तों इट विल स्प्रेड लाइक दिस ठीक है इधर भी चला जाएगा इधर भी ठीक है सो ये इधर इधर क्या करेगा आपका दोस्तों ये फैलने लगता है ठीक है है तो अब आपको दिख रहा है? ये इस सरफेस पर पर यहां पर, इस सतह पर ये क्या लगा रहा है बल लगा रहा है यहां पर ये कैसा बल लगा रहा है दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे तो ये बल लगा रहा है दोस्तों आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ इधर और कुछ इधर ठीक है अब ये बल कहां से आ रहा है दोस्तों पृथ्वी के अंदर से तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों तो ये लावा जो है नीचे यहां पर ये लावा है ठीक है मैग्मा हम इसको कहते हैं मैग्मा कह दो या इसको क्या कह दो लावा तो ये लावा क्या करता है आपका दोस्तों ऊपर आता है और ये आपकी जो ऊपरी सतह है इसको तोड़ के क्या करता है दोस्तों आपका बाहर आ जाता है ठीक है अब ये अंदर से लग रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों आपका ये इंटरनल हो गया ठीक है सो ये हो गया हमारे पास इंटरनल फोर्स क्योंकि पृथ्वी के अंदर से आ रहा है अब ये जो सतह है हमारी जो ऊपर ये लिथोस्पेर है जिसको मैंने बताया आपका सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इसके ऊपर देखो अंदर से भी बल लग रहा है इंटरनल बल बल भी लग रहा है साथ साथ में इस पर एक्सटर्नल भी लगता है बाहर से भी लगता है सर बाहर से क्या लगेगा बताओ एक्सटर्नल फोर्स भी दोस्तों बाहर से इस पर एक्ट करेगी विंड ठीक है इस पर एक्ट करेगा दोस्तों आपका वॉटर ठीक है इसके ऊपर एक्ट करेगा आपका दोस्तों आइस तो ये सारी चीजें जब इस पर एक्ट करेंगी तो ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों कंबाइंडली

वो इंटरनल एक्सटर्नल की बात करते हैं बट वैसे अगर मैं बात करूं तो आपका ये दो प्रकार के फोर्स हो जाते हैं एक तो इंटरनल मतलब एंडोजेनेटिक और एक्सटर्नल जो लगता है के अंदर, लावा और, की से, और जो बाहरी बल लगता है, है? आइस इनकी वजह से आपको पता है दोस्तों ये जो चीजें होती है ना ये जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगता है इनकी वजह से पृथ्वी की संरचना में बदलाव आते हैं और वो बदलाव दो तरीकों से होते हैं पहला होता है बिकॉज ऑफ द वेदरिंग और दूसरा होता है बिकॉज ऑफ द इरोजन ठीक है दो चीजों की वजह से आता है वेदरिंग का मतलब क्या होता है जब बड़ी बड़ी चट्टान जो है पृथ्वी के ऊपर जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है उसको बोलते हैं वेदरिंग लेकिन वो टूट के कहीं जाती नहीं है ट्रांसपोर्ट नहीं होता लेकिन जब वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती है टुकड़ों में टूट के वो किसी दूसरे भाग पर ट्रांसपोर्ट हो जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों उसको हम बोल देते हैं इरोजन इरोजन के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन होता है याद रखना और वेदरिंग के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता अब इस पूरे लेक्चर का मतलब यही है इस पूरे लेक्चर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है ठीक है तो ये जो फोर्स लग रहे हैं आपके एक्सटर्नल फोर्स हो गया इंटरनल फोर्स हो गया एक्सोजेनेटिक फोर्सेस एंडोजेनेटिक फोर्सेस ठीक है इनकी वजह से क्या होता है दोस्तों इनकी वजह से आपके बल लगते हैं इनकी वजह से आपके फोर्स लगते हैं किसके ऊपर में दोस्तों पृथ्वी के ऊपर में इनकी वजह से बल लगते हैं फोर्सेस लगते हैं और उन फोर्स की वजह से क्या हो रहा है मूवमेंट होता है अब जैसे ये अंदर वाला मैग्मा बल लगाएगा इससे क्या होगा इससे पृथ्वी की जो प्लेट होती है ना लिथोस्पेर के टुकड़े जो होते हैं वो आपके टूटते हैं और अलग अलग दिशा में भटकते हैं तो इस मूवमेंट की वजह से इस आंतरिक बल और बाह्य बल की वजह से प्यारे बच्चों पृथ्वी पर मूवमेंट होने लगते हैं पृथ्वी के अंदर भी और पृथ्वी के बाहर भी नई बात समझ में आई आपको मैं बहुत आसान बात कर रहा हूं कि पृथ्वी को हमने तीन भागों में डिवाइड कर डिवाइड कर दिया ठीक है डन दो प्रकार का डिवीजन किया केमिकल डिवीजन और दूसरा क्या किया आपका मैकेनिकल डिवीजन केमिकल डिवीजन के अंदर में हमने केमिकली डिवाइड किया सियाल सीमा और निफे डन यहां पर हमने मैकेनिकली डिवाइड किया लिथोस्पेयर, एस्थेनोस्पेयर मिजोस्पेयर और ड्राइवस्पेयर डन ठीक है यहां पर पर हम रिजिडिटी के आधार डिवाइड कर रहे हैं वहां पर हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं अब मामला इससे आगे का चलता है। क्या आगे का का चलता चलता है है क्या मामला सर मैंने आपको बताया जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाओगे तापमान बढ़ेगा और जितना तापमान बढ़ेगा उतना ही पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो क्या हो जाएगा पिघलेगा मोल्टन लावा तरल भाग में बदल जाएगा अब वो जो तरल भाग पृथ्वी के अंदर बनता है ना वो स्टेबल नहीं रहता वहीं पे वो क्या करता है दोस्तों मूव करता है मूव कैसे करेगा मैंने आपको बताया जब पानी गर्म करते हैं वो कैसे चलता है उसमें कन्वेक्शन करंट्स होते हैं ठीक है थीके? तो वो इस प्रकार से गर्म लावा ऊपर की ओर जाएगा ऊपर से ठंडा होकर वो नीचे आएगा ये कॉन्स्टेंट मोशन जो है ये लावा करेगा ठीक है नीचे आ जाएगा ये कॉन्स्टेंट मोशन करेगा और इसकी वजह से पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी की जो बाहरी सतह है लिथोस्पेयर इसके ऊपर फोर्स लगने शुरू हो जाएंगे अब एक फोर्स क्योंकि अंदर से लग रहे हैं इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं दोस्तों हम आंतरिक बल आंतरिक बल को क्या बोलते हैं दोस्तों एंडोजेनेटिक पृथ्वी के अंदर से लगने वाले बल दूसरा बाहर से लगते हैं तो जब बाहर से लगते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेज बाहर से लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेज और एक्सटर्नल फोर्सेस पे लगेंगे विंड वॉटर आइस से ठीक है इनकी वजह से लगते हैं विंड वाटर और आइस तीन चीजों की वजह से बाहर से फोर्स लगते हैं इन्हीं की वजह से दोस्तों क्या होती है दोस्तों वेदरिंग और इन्हीं की वजह से क्या होता है दोस्तों आपका इरोजन वेदरिंग और इरोजन इसी की वजह से होता है ठीक है कटाव और जो आपका वेदरिंग और इरोजन होता है दैट हैपन बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्सेज अब इनकी वजह से क्या हो रहा है जब बल लगेगा तो मूवमेंट होगा पृथ्वी के ऊपर इनसे क्या हो रहा है पृथ्वी के बाहर मूवमेंट हो रहा है इससे पृथ्वी के अंदर में मूवमेंट हो रहा है अब इस मूवमेंट को ही मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों इसको हम बोल रहे हैं द अर्थ मूवमेंट ठीक है इसको हम नाम क्या देंगे दोस्तों द अर्थ मूवमेंट तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों आपकी पृथ्वी इस प्रकार से क्या कर रही है मूवमेंट कर रही है और वही हमें पढ़ना है तो ये जो अर्थ मूवमेंट तो हम देखते हैं तो इ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ फोर्सेज अलग अलग जो बल लग रहे हैं उनकी वजह से ये मूवमेंट हमारे पास हो रहा है तो मैंने आपको बताया दोस्तों हमारे पास दो प्रकार के बल होते हैं तो एंडोजेनेटिक फोर्सेज जो अंदर से लगते हैं इनको हम क्या कहेंगे दोस्तों इनको हम बोलेंगे सर आंतरिक बल ठीक है क्योंकि ये कहां से लग रहे हैं दोस्तों इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर से हो रही है और दूसरे बल क्या होंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ठीक है सॉरी एक्सो मतलब ये आंतरिक बल है और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का मतलब क्या है दोस्तों ये आपके बाह्य बल है ठीक है तो ये बाहर से लग रहे हैं पृथ्वी के बाहर से ये क्या कर रहे हैं दोस्तों ये एक्ट कर रहे हैं सो दिस इज एंडोजेनेटिक अंदर से लगने वाले बल एंड दीज आर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो बाहर से लगते हैं दैट इज बाह्य बल ठीक है इस प्रकार से काम करेंगे अभी जो अर्थ मूवमेंट है ये जो दोनों बल है इसी की वजह से देखो आप होगा क्या एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से अलग काम होगा

इनके द्वारा होता है पृथ्वी के अंदर के बलों की वजह से क्या होता है जो पृथ्वी के अंदर लगते हैं अंदर का बल किसकी वजह से लगता है दिस बल इज बिकॉज ऑफ द मैग्मा ठीक है मैग्मा की वजह से लावा की वजह से लग रहा है और वो लावा किसके रूप में चलता है आपका कन्वेक्शन करंट के रूप में मैंने अभी बताया आपको तो इसकी वजह से जो पृथ्वी के अंदर से बल लग रहा है दोस्तों उनकी वजह से क्या होगा दोस्तों अब उनकी वजह से कई बार तो सडन फोर्स लगेंगे अचानक से बल लगेगा और वो अचानक से बल आपको अर्थक्वेक के रूप में दिखेगा ज्वालामुखी के रूप में देखेगा लैंडस्लाइड के रूप में देखे अचानक से दिख जाते हैं आपको ठीक है वो बात अलग है कि अर्थक्वेक अचानक से आता जरूर है लेकिन उसको जो चीजें हो रही है ना वो बहुत लंबे टाइम से हो रही है उसको लाने के लिए तो ये तीन भागों में हमने बांट इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा सडन होता है दूसरा होता है इनको बिल्डिंग बोलते हैं अब ये इसमें थोड़ा मैंने कम पढ़ाया है आप जाके मेरा ज्योग्राफी जो 101 है उसके ऊपर आप लेक्चर देखोगे ना तो आपको बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है यहां पर सिर्फ एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है सडन फोर्सेस और दूसरा क्या है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस तो इसमें बट उसमें अपीरोजेनिक ठीक है ओरोजेनेटिक फोर्सेस अलग अलग होते हैं वहां पे सडन डायस्टॉपिक तो वहां हमने डिटेल से बताया हुआ है तो ये कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर से जो बल लगते हैं उसकी वजह से कुछ तो सडन मूवमेंट होते हैं एकदम से अचानक से और कुछ धीरे धीरे होते हैं जैसे धीरे धीरे जब होता है जैसे उनसे मा, माधवी बनता है महासागर बनते हैं पर्वत बनते हैं पर्वत धीरे धीरे बनते हैं हिमालय है। एक दिन में थोड़ी नहीं बनाए इसी प्रकार से जो सडन फोर्सेज होते हैं वो एकदम से रिलीज होते हैं जैसे भूकंप ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड यहां तक आपको मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई किस किस बच्चों को क्लियर है और किस किस को क्लियर नहीं है मैं आपको दो बातें बोल रहा हूं कि पृथ्वी पर जो मूवमेंट होते हैं वो एंडोजेनेटिक फोर्सेज की वजह से और एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से होते हैं जो एक्जोजेनिक फोर्सेज की वजह से हमारे पास जो मूवमेंट हो रहा है ये की वजह से मूवमेंट किसकी वजह से होता है रिवर विंड सी वेव और ग्लेशियर की वजह से और जो एंडोजेनेटिक बाहरी वालों की वजह से हो रहा है ये होता है सडन फोर्सेज डास्ट धीरे धीरे और अचानक से लगने वाले बल तो ये हमने यहाँ पर देख लिए हैं ठीक है थीखे? इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे कि हिंदी में हिंदी में इनको क्या कहते हैं दोस्तों अंतरजनित बल अंतरजनित मतलब जो अंदर से उत्पन्न होते हैं और बहिर्जनित बल ठीक है बहिर्जनित का मतलब क्या है जो बाहर से उत्पन्न होते हैं ठीक है तो अंतरजनित बल जो अंदर से पृथ्वी के अंदर से ओरिजिनेट होते हैं और बहिर्जनिक बल ठीक है क्या इधर ही आएगा बहिर्जनित बल मतलब जो बाहर से आए हैं इनकी वजह से दोस्तों क्या होता है अंतरजनित और बहिर्जनित बल की वजह से आप देखोगे तो अंतरजनित है और के ऐसे ही पटल क्या होता है धीरे हो धीरे लैंड फॉर्मेशन होती है डायस्ट्रॉफिक बल बोलते हैं मतलब धीरे धीरे किसी लैंडफॉर्म को बनाएंगे या तो यहां से पर्वत बनने शुरू हो जाएंगे या

हवा पानी ये जो चीज है इनकी वजह से लगने वाले बल को ठीक है अब दोस्तों अर्थ आर कॉल्ड एज द फोर्सेस जो, फोर्स मतलब in फोर्स जो पृथ्वी के अंदर से काम करता है और एक्सोजेनेटिक का मतलब क्या होगा सिंपली जो फोर्स आपका पृथ्वी की सरफेस पे काम करता है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस सिंपल सी बात है ठीक है जो पृथ्वी के अंदर से काम करता है दैट इज एंडोजेनेटिक और जो पृथ्वी के बाहर से काम करता है ये ये बात बात है है सभी को? ये बात क्लियर है सभी को? को? को एक एक बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से एक बार प्लीज वीडियो को करें और शेयर कर दे सो दैट एवरीबडी कैन एंड ज्वाइन द सेशन ठीक है सो so ये चीज हमने देख ली एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस अंतरजनित बल बहिर्जनिक बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बलों को एंडोजेनेटिक या अंतरजनिक बल कहते हैं और पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बलों को हम एक्सोजेनेटिक बल कहते हैं जो पृथ्वी की सतह पे बाहर से काम करते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों उनको हम एक्सोजेनिक ठीक है बाहर से करने वाले या बहिर्जनिक बल कह देते हैं अब जैसे वोल कहनो है मैंने क्या बोला अंदर से जब बल लगेगा इधर बताया ना हमने ठीक है जब आंतरिक बल लगेगा तो इससे क्या आएगा भूकंप आएगा ज्वालामुखी आएगा यही होगा ना अब सोचो भूकंप और ज्वालामुखी क्या होता है कुछ नहीं सडन आउटवर्स्ट अचानक से पृथ्वी के अंदर कुछ हो रहा था सडनली लावा बाहर आ गया मैंने बताया लावा हमेशा ऊपर आने का प्रयास करता रहता है एक दिन ऐसा होगा कि वो ऊपर आ ही जाएगा ठीक है तोड़ के फोड़ के ना जो पृथ्वी की सतह क्रस्ट है इसको तोड़ के वो बाहर आ जाएगा और ऊपर आके क्या होगा फैल जाएगा जम जाएगा बस इसी को हम क्या बोलते हैं ज्वालामुखी तो ज्वालामुखी इज एन ऑल्सो एक्जाम्पल ऑफ द सडन फोर्सेस एकदम से पृथ्वी के अंदर से सडनली रिलीज होता है यहां पर अगर हम देखे देखो ये क्रस्ट है ये मेंटल है तो यहाँ पर लावा स्टोर था इसने बल लगाया ऊपर क्योंकि मैंने बताया था ऊपर आता रहता है मैग्मा चैम्बर है ठीक है जहां पर मैग्मा स्टोर है लावा स्टोर है तो ये पृथ्वी की सतह पर बल लगाता रहता है बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट बिकॉज ऑफ सवहनीय धाराओं की वजह से मैंने आपको ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी अब आप ये सर लावा ऊपर क्यों आता है ये लावा ऊपर आएगा ही आप गैस पे रख के दूध गर्म करो तो क्या होगा नीचे से जहां आग जल रही है वहां से दूध गर्म होगा गर्म होकर वो ऊपर आएगा और साइड का ठंडा दूध गर्म होने के लिए नीचे हल्की चीज जो हो जाती है गर्म होकर हल्की होती है हल्की चीज ऊपर उठती है और जो ठंडी चीज है वो क्या करती है आपका नीचे की ओर आती है तो हमेशा लिक्विड में इमोशन होता ही होता है अब आप कहोगे सर क्या इमोशन इतना स्ट्रॉग है आप सोचो ना पृथ्वी कितनी बड़ी है तो कितने ज्वाइंट करंट आते होंगे पृथ्वी के नीचे से तो ये बहुत आराम से क्या कर सकते हैं पृथ्वी की सतह को तोड़ सकते हैं और ये ज्यादातर कहां से तोड़ते हैं जहां पर कमजोर होती है कमजोर कहां पे होती है दोस्तों आपको पता है कमजोर कहां पे होती है मेनली ये कमजोर होती है पृथ्वी के कहां पे महाद्वीप या महासागर महासागर के पास में ज्यादा कमजोर होती है तो ये बात आपको क्या रखनी है दोस्तों ध्यान रखनी है ठीक है आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट चलिए तो इसकी वजह से हो रहा है

क्या बोलते हैं क्रेटर सो दिस इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अब दुल्कैनो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अच्छा भूकंप भी ऐसे ही आता है पृथ्वी के आंतरिक बलों की वजह से आता है ठीक है ज्वालामुखी भूपरपटी के एक वेंट है जिसके अब जब हम ज्वालामुखी बोलते हैं ना वुल्कैनो तो वोल्केनो ये पूरा का पूरा जो फिनोमिना है ना लावा बाहर आने को इसको हम बोलते हैं वोल पूरी प्रोसेस को लेकिन ये जो वोल्केनो वोल्केनो वर्ड लिखा है सिर्फ इसको बोलते हैं हम ये 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 जो नली है ना ये दिख रही है आपको जहां से लावा बाहर आ रहा है सिर्फ इसको हम वोल्केनो बोलते हैं तो ये भी एक अंतर है ज्यादातर लोगों को पता नहीं है बट आपको पता होगा तो वोल्केनो इज बेसिकली अ वेंट जिसके माध्यम से लावा जो है वो क्या करता है बाहर आता है जब हम पूरे इस प्रोसेस की बात करते हैं ज्वालामुखी की तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों उसको हम कहते हैं वोल्केनिज्म ठीक है ये आपको रखना है ठीक है, है चलिए आगे बढ़ेंगे जब लावा ऊपर आता है तो उसकी वजह से अलग अलग प्लेट जो है इधर उधर खिसकती है जब वो प्लेट आपकी खिसकती है ना प्यारे बच्चों तो उसकी वजह से आपका कंपन उत्पन्न होता है वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उसी वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं भूकंप है ना लावा ऊपर आ रहा है तो इससे क्या होगी प्लेट इधर उधर खिसकेगी प्लेट खिसकेगी टकराएगी तो एक दूसरे से क्या होगा कंपन होगा बस उसी कंपन को हम क्या कहते हैं भूकंप कहते हैं मैंने आपको कई बार बोला है द शेकिंग ऑफ अपर पार्ट ऑफ द अर्थ पृथ्वी के नीचे अगर प्लेट टकरा रही है दोस्तों तो एनर्जी ऊपर तक आएगी ठीक है जैसे यहां पर है ये टकराई तो एनर्जी ऊपर तक आती है ये प्लेट्स थी आपस में ये प्लेट टकराई दोस्तों तो इसकी वजह से क्या होगा ये प्लेट बाउंड्री है दिख रहा है आपको ये प्लेट आपस में टकराएगी तो यहां पर क्या होगा भूकंप उत्पन्न होगा और ये भूकंप जो है ये भूकंपीय तरंगे उत्पन्न करेगा और ये आपको धरती तक फील करेगा जहां पर इनका कोलिजन होता है ना जहां पर ये प्लेट टकराती है उसको हम बोलते हैं फोकस मैंने आपको पहले बताया जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है ठीक है, है, है जहां पर आपका जैसे पृथ्वी है सतह ठीक है ये अर्थ है जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है ना ठीक है यहां पर उत्पन्न हुआ जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं फोकस यानी कि केंद्र यहां पर इसको हम कहते हैं केंद्र एंड द पॉइंट विच लाइज अबाउट दिस अर्थ यहां पर जो है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम बोलते हैं एपी सेंटर इसको हम कहते हैं आपका अधिकेंद्र ठीक है इसको हम क्या कहते हैं अधिकेंद्र तो द पॉइंट हियर एंड हियर ठीक है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तो फोकस और एपिक सेंटर में अंतर पता चल गया ये वो बिंदु है जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है ओरिजिन और ये वो बिंदु है जहां पर भूकंप आपको महसूस होता है विद द हाईएस्ट इंटेंसिटी ठीक है सबसे अधिक तीव्रता से आपको भूकंप कहां पर मिलेगा सबसे पहले आपको कहां पता चलेगा एपिक सेंटर के ऊपर तो ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ठीक है सो so, एक तो फोकस होता है जहां पॉइंट जिस पॉइंट पर भूकंप उत्पन्न होता है और एक वो पॉइंट होता है जो ठीक उसके ऊपर होता है इसको जहां सबसे पहले उसको एपिक सेंटर बोलते हैं तो यहां पर वही बात बताया दिस इज एपिक सेंटर और दिस इज द फोकस

फोकस दूसरा एपिक सेंटर फोकस क्या होता है फोकस वो बिंदु होता है प्यारे बच्चों जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है और एपिक सेंटर क्या होता है सर ये वो बिंदु होता है जो फोकस के ठीक परपेंडिकुलर ऊपर 90 डिग्री के ऊपर लाई करता है जहां भूकंप हमें सबसे पहले और सबसे तेज गति से महसूस होता है ये हिंदी में है अर्थक्वेक भूकंप पृथ्वी की सतह की कोई एक सतह का हिलना है जब पृथ्वी की सतह हिलती है तो उसको भूकंप कहते हैं इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के लिथोसपेर में अचानक दो चीजें हमारे पास है पहली चीज है केंद्र और दूसरी चीज जो हमारे पास है उसका नाम क्या होता है दोस्तों अधिकेंद्र केंद्र वो भाग है जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है और अधिकेंद्र वो भाग है दोस्तों जहां पर भूकंप हमें सबसे पहले और सबसे तेज महसूस होता है उसको हम अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं ठीक है मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक इसके बारे में बताया आपके पास मेजरमेंट पृथ्वी को इसको मेजर करने के लिए जब भूकंप आता है ना तो अपने पास दो तरीके हैं ठीक है मेजर करने के सॉरी एक जो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है भूकंप को मापने के लिए उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं ये अर्थक्वेक के बारे में बताया गया है ठीक है एन अर्थक्वेक इज मेजर विद द मशीन जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल ठीक है मैग्नीट्यूड जो होता है वो किस में मापा जाता है दोस्तों आपका रिचर स्केल में मापा जाता है एनर्थक्वेक ऑफ टू डिग्री और लेस देन विविद फेल्ट ओनली इन द लिटिल एन एनर्थक्वेक जिसका पाँच से ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों वो बहुत डैमेज करता है सिक्स से ज़्यादा का अगर हम बात करें दोस्तों तो वो बहुत ही सीवियर होता है और सात से ज्यादा का अगर हम बात करें तो वो एक मेजर अर्थक्वेक जो है वो होता है इस प्रकार का ये भूकंप लेखी होती है ठीक है इसको सिस्मोग्राफ कहते हैं एस, इस दिखती है ठीक है तो ये आपको बताया गया है कि भूकंप जो है भूकंप मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं भूकंप मापी यंत्र या हम भूकंप लेखी इसको कहते हैं सिस्मोग्राफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मीजर द अर्थ सिस्मोग्राफ अब जो स्केल मैंने बताया रिचर स्केल तो मैंने बताया जब देखो दो स्केल होते हैं इसके अंदर सिस्मोग्राफ में एक होता है मैग्नीट्यूड को मापने के लिए

ओके okay, चलिए आगे बढ़ेंगे तो ए अर्थक्वेक जब भुज के अंदर आया था दोस्तों तो वहां पर किस प्रकार की हालात हुई थी ये बस उसके बारे में यहाँ पर बताया गया आपको ठीक है भुज के अंदर भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 को आया था भुज शहर में रिएक्टर स्केल 6.9 की तीव्रता का आया था ठीक है भीषण भूकंप आया था और इसमें अगर हम बात करें स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे स्कूलों की इमारतें गिरने से कम से कम नौ छात्रों और इकतीस शिक्षकों की मौत की आशंका थी उस समय भुज में निराशाजनक राहत भूकंप के तीन दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन कंबल दवाएं आदि पहुंचने के कारण पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक थे भुज की तबाही फोन लाइनें जल पाइप लाइनें विद्युत स्टेशन संचार लाइनें ये सारी अवरोधित हो गई थी इसके अलावा शहर में आग चारकोल और अंगीठियों के पलटने के कारण बहुत सारे स्थानों पर आग लग गई थी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के अंदर में आपातकालीन की घोषणा कर दी गई थी राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी उस समय मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील थी कि गुजरात सरकार ने संकट से सामना करने के लिए केंद्र सरकार उनकी वित्तीय सहायता करें ठीक है तो ये भूकंप भुज की है ये भी आपका इसी में एनसीआरटी में दिया हुआ है ठीक है तो वहीं से ये हमने उठा के आपके यहाँ पे रखा है दिखाया आपको ठीक है अच्छा अब इंटरनल फोर्स खत्म हो गए आंतरिक बलों की वजह से दो काम हुए थे भूकंप और दूसरा क्या थे दोस्तों आपका ज्वालामुखी अब बाहरी बलों की बात करते हैं जो पृथ्वी के बाहर से लगते हैं अब पृथ्वी के बाहर से कौन कौन से बल लगते हैं बताओ वही हवा पानी वाला ठीक है वही बल हवा पानी वाला उसी की बात करेंगे तो पृथ्वी के अंदर से जो लगता है ना उससे आपके हवा पानी से दो प्रकार के फोर्स होते हैं वेदरिंग और इरोजन

अलग अलग स्थानों तक चली जाती है आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे ठीक है ठीक है इज ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस एंड इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय द डिफरेंट एजेंट जैसे पानी हवा बर्फ जो है ये पिघला के क्या करता है सॉरी ये क्या करता है पृथ्वी की सतह को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद जो टूटा हुआ भाग होता है वो वहीं नहीं रहता अलग अलग सतह तक पहुंच जाता है ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो एक होता है वेदरिंग और दूसरा क्या होता है इरोजन ठीक है चलिए इसके बारे में बात करते हैं द इरोडिड मटीरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली जो कटा हुआ पार्ट होता है ना ये आपका क्या होता है एक स्थान स्थान से दूसरे पे जाता है और वहां पर जाकर ये हो जाता है इसी कटाव और जमाव की वजह से पृथ्वी की सतह पे अलग अलग प्रकार के स्थलमंडलों का निर्माण भी होता है ठीक है पता होगा ना आपको अब ये कटाव और जमाव से बहुत सारी चीजें बनती हैं. ये हिंदी में, मैंने बताया. हिंदी में वेदरिंग को बोलते हैं का मतलब होता है टूटना एक जगह पे और अपरदन का मतलब क्या होता है दोस्तों इसमें टूटने के साथ साथ वो लैंडमास जो है वो जो भाग है वो कहीं दूर जाके ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है दोनों में फर्क है वेदरिंग टूट के वहीं रहता है और आपका जो दूसरा है अपरदन इसके अंदर में टूट के दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है ठीक है ये बात याद रखेंगे अब जब टूटेगा कटेगा एक जगह से काटा जाएगा और दूसरी जगह पे जमा किया जाएगा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो इससे अलग अलग प्रकार के लैंडमार्क जो है उनकी उत्पत्ति होगी अलग अलग प्रकार के स्थलमंडलों का निर्माण होगा और वो जो स्थलमंडल हैं वो मैं आपको कुछ कुछ के यहां पर एग्जाम्पल यहां पर दूंगा मैं आपको जैसे देखो ये अब जैसे नदी है नदी कैसे काटती है जैसे नदी यहाँ से गिरी अब जैसे नीचे गिरेगी दोस्तों तो ये स्टीप पर गिरी है तो यहां पर वो कटाव करने लगी ऐसे काटती जाएगी इसको नीचे तक ऐसे ऐसे ठीक है क्योंकि ऊपर से गिरी इसको जल प्रपात बोलते हैं ठीक है तो इसको क्या करेगी दोस्तों ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके काटती जाएगी जब नदी इसको काटेगी यहां से तो इरोजन कहेंगे और आगे जाकर नदी इसको क्या कर देगी दोस्तों आपका जमा कर देगी आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड द हाइस्ट वाटरफॉल इज द एंजल फॉल्स ऑफ वेरेंजुएला इन द साउथ अमेरिका द अदर वाटरफॉल्स जैसे आपका नाइगरा फॉल्स है ठीक है ये आपका कनाडा और यूएसए के बीच में लोकेटेड है इन द नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल जो है दोस्तों वो आपका बॉर्डर पर है जाम्बिया और जिम्बाबे हाइएस्ट है आपका एंजल फॉल और वो कहां पर है दोस्तों के अंदर तो मैं वही बता रहा हूं दोस्तों कि ये इस प्रकार से इसको काटता रहेगा और जब ये नदी काटेगी दोस्तों तो अभी तो काटेगी कहीं जाके जमा भी करेगी जमा करेगी वहां पर क्या बनेंगे मैदान और यहां से ये रहेगा तो इससे नई नई प्रकार की जो आपकी सतह सरफेस जो है उनका यहां पर निर्माण होगा जैसे मान लो ये नदी है है ना अब नदी ऊपर तो काट रही थी लेकिन नीचे आके जमा करेगी अब नदी ऐसे 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 करके देखो ऐसे मेन्डर करती चलती जाएगी तो जब नदी ऐसे जाएगी तो देखो कुछ वो यहां पे भी जमा करेगी यहां पर भी जमा करेगी ठीक है यहां पर भी यहां तो ऐसे ऐसे वो करेगी ना जमा करती जाएगी कुछ समय बाद क्या होगा दोस्तों ये जो भाग है ये स्ट्रेट हो जाएगा जैसे नदी ऐसे चल रही थी अब ये इधर भी मान लो जमा कर रही है फिर इधर भी जमा कर रही है तो जमा की वजह से ये पार्ट अवरुद्ध होने लगेगा तो ये नदी क्या करेगी फिर सीधा चलने लग जाएगी तो ये एक अलग भाग आपका इकट्ठा हो जाएगा इसको हम बोल देते हैं ऑक्सबो लेक ठीक है क्या बोलते हैं ऑक्सबो लेक नदी के जो किनारे हैं ये किनारे जो है यहाँ पर होता है ना नदी के किनारे पर वो रेत सा लगा होता है उसको हम बोलते हैं लीव्स नदी के किनारे तो ये फ्लड प्लेन बनेंगे आपके तो यहां पर नदी की वजह से आपके फ्लड प्लेन का निर्माण होता है ऑक्सबो लेक बनती है मेडर करता है नदी लीव्स बनते हैं और फ्लड प्लेन दोबारा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों जब नदी ऊपर से बनती है ना ठीक है नदी ऊपर से ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो वहां से नदी बन के चलती है तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियां उसमें जुड़ जाती है उन नदियों को बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां जब नदी समुद्र में जाके गिरती है ना तो फिर से वो छोटे छोट छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है इनको हम बोलते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूटरी क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी सहायक नदियां दिस्त और यहां पर डिस्ट्रीब्यूटरीज इनको हम कह देते हैं ठीक है सर ये बात समझ में आ गई ठीक है सर अब जब नदी ऊपर से चली है ग्लेशियर से बनी है तो ग्लेशियर से जब बनती है तो वो कटाव करती है इरोजन करती है और उस इरोडेड मटेरियल को वो ला के नीचे जमा करेगी जमा करने से ही क्या होगा दोस्तों आपके मैदानों का निर्माण होगा ऑब्वियस बात है ठीक है जब इस नदी में पानी ज्यादा होगा तो वो नदी क्या करेगी आपका ठीक है फैलेगी दूर दूर तक और जहां तक नदी फैल के उस मिट्टी को जमा करती है उसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन क्या बोलते हैं उसको दोस्तों फ्लड प्लेन ठीक है बाढ़ के मैदान या फ्लड प्लेन हमने उसको बोल दिया अब जब नदी पहाड़ी इलाकों में से नीचे उतरती है तो नदी की स्पीड भी कम हो जाती है जब नदी की स्पीड कम होती है तो नदी ऐसे सांप की तरह चलती है मींडर करती हुई तो उसको बोलते हैं मियंड्रिंग मियंडरिंग मतलब जब नदी इस प्रकार से चलती है अब जब इस प्रकार से चलेगी दोस्तों तो क्या होगा इधर इधर ऐसे जो छोर होते हैं ना उनपे वो मिट्टी जमा करती चलेगी एक टाइम ऐसा होगा कि ये ब्लॉक हो जाएगा अवरुद्ध हो जाएगा यहाँ पे यहाँ से जा नहीं पाई क्योंकि देखो बहुत मिट्टी जमा हो जाएगी तो ये नदी यहां से जाने की वजह सीधा ऐसे चली जाएगी ठीक है फिर यहां इसने मिट्टी जमा कर रखी है तो ये फिर सीधी आ जाएगी फिर यहां मिट्टी जमा होगी तो ऐसे सीधी चलिए तो ये अलग अलग टुकड़े बनते जाएंगे और इन्हीं टुकड़ों को हम क्या बोलेंगे दोस्तों ऑक्सबो लेक छूट जाएंगे ना ये पानी से भरे इनको हम बोलेंगे ऑक्सबो लेक नदी का जो किनारा होगा ठीक है जहां पर एक बाढ़ सी लग जाती ना रेत जमा हो जाता है इकट्ठा इसके इधर और इधर नदी नहीं फैलती अंटी लॉनलेस बाढ़ ना आ जाए नदी में तो इसके इधर नहीं जाती इनको बोलते हैं लीव्स

ठीक है वो बोलते हैं ये जो मियडर्स होता है इनको बोलते हैं विसर्प मतलब नदी सांप की तरह चल रही है ठीक है और ऐसी जो झील बनती है इनको हम बोलते हैं चाप झील क्या बोलते हैं दोस्तों हमको चाप झील ठीक है इनको कहा जाता है सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जो यहां पर आपके क्या होते हैं बनते हैं अब बात करते हैं दोस्तों समुद्र अब देखो समुद्र की जो लहरें होती है ना वो भी बहुत कटाव करती है जैसे लहर चल रही है समुद्र की है ना तो लहर काटती रहेगी काटती रहेगी अब जैसे लहर टकरा रही है तो काटती काटती इसमें ना गुफा टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा ठीक है ऐसे छत रहेगी अंदर काटती चली जाएगी ठीक है अब जब ये कटाव बहुत ज्यादा हो जाएगा तो नदी क्या होगी ये जो लहर है ना गुफा बनी ये आर पार निकल आएगी बिल्कुल ऐसे मतलब दोनों साइड का वो दिखने लग जाएगा मतलब सिर्फ छत छत बचेगी साइड का सारा पार्ट काट दिया जाएगा तो फिर ये ऐसी बन जाएगी इसको बोलते हैं हम सी आर्क क्या बोलते हैं सी आर्क आप समझ रहे हो देखो सीधा टकराएगा तो ऐसे से, जैसे समुद्र की लहरें हैं अब कोई हार्ड चट्टान तो नहीं कटेगी बट जो सॉफ्ट चट्टान है अब लगातार लहरें यहाँ टकराएंगी तो जब लहरें यहाँ टकराएगी तो कटने लग जाएगा है ना अभी जब कटने लग जाएगा और ये पूरा आर पार निकाल देगा इसके पूरा कट जाएगा तो इससे क्या बन जाएगा दोस्तों इसको हम बोलते हैं सी आर्क कट कट के पार सी सी इसको बोलते हैं जब पूरा कट जाएगा सी आर्क थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा दोस्तों छत भी कट जाएगी पानी छत को भी काट देगा तो आपको ऐसा बस एक पत्थर पत्थर बच जाएगा एक इधर और एक इधर उसको हम क्या बोलते हैं देखो जैसे ये उसको क्या बोलेंगे स्टैक तो ये समुद्र की वेव्स की वजह से होता है ये समुद्र की लहरों के कारण होता है ठीक है ओके तो ये हो गया आपका इसके अलावा सी के उसके अलावा सी आर्क इसके अलावा क्या है स्टैक ये तीन चीजें हमने देखी सी क्लिफ ये सब इसी से बनती हैं ठीक है ठीके? ये सब इसी से बनती हैं तो ये आपने देखा ये भी मैंने यहाँ पे दिखाया दिस इज द वर्क ऑफ सी वेव्स तो आप ये देख सकते हो यहाँ से ठीक है यहां पे एनसीआर के अंदर लिखा हुआ है तो यू कैन स्टडी इट फ्रॉम हियर ठीक है आप यहां से जाकर इसको क्या कर सकते हो दोस्तों पढ़ सकते हो ठीक है ये हिंदी में समुद्र इसके द्वारा जो बनते हैं इसको बोलते हैं हम तटीय मेहराब ये पूरा काट देता है इसको इसको बोलते हैं समुद्री गुफा गुफा जब आर पार निकल जाएगी तो तटीय मेहराब बन जाएगा और उसके बाद जब तटीय मेहराब की छत भी कट जाएगी तो ये टुकड़े टुकड़े बचेंगे साइड में इनको हम क्या बोलेंगे स्टैक ठीक है ओके अब इसी प्रकार से देखो बर्फ भी काम करती है ग्लेशियर्स जो हैं वो भी काम करते हैं आपको पता है ग्लेशियर क्या होती है कुछ नहीं सर नदी होती है बड़ी बड़ी बर्फ की जमी हुई अब ये जो नदी होती है बर्फ की जमी हुई तो ये जब बर्फ गिरती है तो जमती है तो ये क्या करती है अपने साथ में जब बर्फ गिर रही है ना तो ये जो यहाँ का रेत है ना उसको लेके जम जाती है तो चट्टानों को एक्सपोज कर देती है चट्टान क्या होती है ऊपर उसकी वजह से भी यहाँ से कटाव और जमा होता है ठीक है सो ग्लेशियर आर रिवर ऑफ द आइस विच आर ट्रू विच ट्रूरोड द लैंडस्केप बाई बुलडोजिंग सॉइल्स एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉइल ये क्या करता है जो ये मिट्टी है ना मिट्टी को और चट्टानों को दबा देती है दबने की वजह से चट्टान ये ऊपर निकल आती है अब ये चट्टानों को काटा जाता है किससे हवाओं के द्वारा इनको इरोड किया जाता है फिर ये जब नदी पिघलती है ठीक है तो ये जो सारा मिट्टी और रेत है इसको लेके नीचे चली जाएंगी और साथ साथ में जो पत्थर है इनको भी भी साइड से से क्या करेगी वो काट देगी तो यहां से भी इनका कटाव होता है ठीक है यहां से भी इनको काटा जाता है दोस्तों और इनको हम क्या बोलते हैं डिपॉजिट्स अब जब ये डिपॉजिट्स कटेंगे जब ये ऊपर से लेके नीचे जमा करेगी तो उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल मोर्निंग ठीक है सो बिलो द ग्लेशियर आउट डीप होलो देस एज द आइस मेल्ट दे गॉट फिल्ड अप विद द वॉटर एंड बिकम द ब्यूटीफुल लेक है ना अब देखो जब ये हो गया अब ये जम गया मतलब पहले यहाँ पे क्या था पत्थर वत्थर थे बर्फ गिरी जम गया नीचे दब गया अभी जब बर्फ पिघलेगी तो यहाँ लेक बन जाएगी ब्यूटीफुल लेक बन जाएगी और फिर वो जब नीचे जाएगी पिघल के तो उसके साथ में material भी जाएगा और उस मटेरियल के नीचे बैग के जाने जहाँ जमा होगा उसको हम क्या बोल देंगे ग्लेशियर मॉर्निंग्स बोल देंगे ठीक है हिंदी में क्या बोलते हैं हिमनद हिमोड ठीक है ये सब हो गया इसके बाद विंड भी ऐसे ही काम करती है हवा क्या करती है भाई आपका रेगिस्तान के अंदर में आपने देखा होगा तो बहुत बड़े बड़े सैंड्यून से आपको दिखते हैं रेगिस्तान के अंदर में हवा बहुत तेज चलती है तो वो हवा क्या करती है आपकी मिट्टी को क्या करती है जब तेज हवा चलेगी उठाएगी और जैसे ही हवा की स्पीड कम होगी वो सारी मिट्टी को जमा कर देगी तो आप देखते हो कि एक जगह से मिट्टी हटती है और दूसरी जगह पर टीला सा बन जाता है ऐसा तो उनको बोलते हैं हम सैंड्यून मिट्टी का टीला बोलते हैं तो एक जगह पे इकट्ठा जमा कर दिएगा तो टीला बन जाएगा और अगर मान के चलो उसको फैला के मिट्टी को जमा किया तो उसको हम बोलते हैं लियोस ठीक है जैसे चाइना के अंदर में दिखते हैं ना आपको लियोस तो ऐसे लियोस बन जाएंगे और सैंड ड्यून कब बनेगा जब वो एक जगह पे वो सारी मिट्टी को जमा कर देगी तो एक जगह पे सारी मिट्टी को जमा किया तो क्या बन गया दोस्तों आपका सैंड ड्यून्स और जब अलग अलग जगह पे जमा कर दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं ही क्या होता है? ये चट्टान है। अब चट्टान जब होती है ना तो यहां पर रेगिस्तान के अंदर में हवा चट्टान को नीचे से ज्यादा काटती है ठीक है तो कुछ समय के बाद में आप देखोगे तो चट्टान जो है, इस प्रकार से में दिखने लगती है और ऐसा बहुत ज्यादा होता है तो चट्टान आपको यहां पर कैसे होगी मशरूम सेफ के अंदर में दिखने लग जाती है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों मशरूम रॉक बोल देते हैं तो ये भी यहाँ पर है दिस इज ऑल्सो द विंड काम ये विंड का इरोजन का काम है बाकी ये अभी आगे देखेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों इनको ठीक है अभी बस एनसीआरटी के अंदर में इतना ही दिया हुआ था आपके लिए तो मैंने आपको यहां पर बता दिया ठीक है ये पवन के कार्य है बाकी दोस्तों स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी भी अभी भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में जो है सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आप जा सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं 25 तारीख से अपना कोर्स आ रहा है दो प्रकार के कोर्स हम दे रहे हैं आइकॉनिक और प्लस प्लस में लाइव क्लास वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्स अनलिमिटेड एक्सेस सब कुछ है जिन बच्चों को पर्सनल गाइडेंस चाहिए उनको आइकॉनिक लेना है बट दोनों के अंदर में आप कोड क्या यूज करोगे सुमित टेन आपको यूज करना है इन बोथ दीज कोर्स यू हैव टू यूज द कोड सुन ये ऑप्शनल का है दोस्तों सिर्फ जीएस की बात करें तो ये जीएस की फीस है छह महीने एक साल दो साल तीन साल और यहाँ पर पर ये ये डिस्काउंटेड प्राइस है 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 जिसमें आप कोड यूज़ करोगे क्या 10, ठीक है? और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, है, एक साल दो साल उंट उन्नीस ऑप्शनल में भी आप जब मेरा कोड लगाओगे तो आपको टेन डिस्काउंट मिलेगा ठीक है बाकी ऑफर बेस्ट चल रहा है दोस्तों को ऑन एम एंडिंग दिस